ओके okay, अभी आवाज आएगी हाय एवरीवन आप सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार मेरा नाम जय है मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं शुक्रिया अदा आप सभी लोगों का करना चाहूँगा कि सुबह सुबह आप लोग अपनी नींद से जग करके यहाँ पर जुड़े हैं और मेरी आज गुजारिश है सभी बच्चों से कि आज इस सेशन को आप मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर दे दीजिएगा क्योंकि अभी आने से पहले मैंने कॉमेंट पढ़ा था कि सर आप इंतज़ार करवाते हो तो मेरी आँखें देखिए और आपको ये लगेगा कि कितनी रातें मैंने आप सभी लोगों के लिए जगी है आपके कंटेंट तैयार करने में तो तो अगर मेरी वजह से आपको कभी मिनट इंतज़ार करना पड़े तो मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चों को कर लेना चाहिए तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग नमस्कार बहुत सारा प्यार आप सभी लोग कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ प्लीज पढ़ते रहिए क्योंकि इस बार जो अपॉर्चुनिटी है इसी गोल्ड gold... रूल्स की तरह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस बार आपको मिस नहीं करना है किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है कि एज यूजल जैसा कि मैं आप सभी बच्चों से बोलता हूं कि सेशन के शुरू होने से पहले आपके पास कॉपी होना चाहिए और आपके पास पेन होना चाहिए और कॉपी पेन के साथ आपके पास पेशेंस ठीक है पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको बिल्कुल लेकर के अपने साथ आया करिए और साथ में ये मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हंड्रेड गोल्डन रूल्स नहीं है ये आपका पूरा का पूरा होल ग्रामर है जैसे आप कोई इसमें से बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसने किसी पर्टिकुलर टीचर का कोर्स नहीं ले रखा होगा या पूरा कंप्लीट उसने चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे होंगे लेकिन दो महीने बाद उसका एग्ज़ाम है तो वो ये सोच रहा है ये चाहता है कि सर हम ऐसा क्या कर लें इस मौके पर कि हमारा पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो रेडी हो जाए यानी तैयार हो जाए और हम रेडी टू गो रहे हैं यानी एग्जामिनेशन के लिए तो ये हंड्रेड गोल्डन रूल्स है जिसके अंदर मैं आपको तकरीबन हज़ार से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ ये आपके पूरे ग्रामर का निचोड़ है जो आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार पूछे जाते हैं वो सारे रूल्स को मैं कंपाइल करके आपके सामने रख रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और यूज़फुल होगा आज नहीं तो आने वाले टाइम में आप मुझे थैंक्स जरूर बोलोगे जब आप एग्जाम देकर के आओगे तो प्लीज़ गुजारिश है इसकी नोट्स आप सभी बच्चे ज़रूर बना लीजिएगा तो सेशन को बच्चे शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ बाईस तारीख को आप सभी लोगों का है अनाउंसमेंट यानी किया गया है आपके स्कॉलरशिप के लिए इसको जरूर दीजिएगा अगर आपकी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है साथ में हमारा एस एस का बैच है मात्र बारह सौ निन्यानवे रुपए में यहां पे आप कोड लगा सकते हैं जेटेन आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा इसको जरूर आप लोग ले लेना ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड रेलेवेंट कंटेंट इसमें आप सभी बच्चों को मिलेगा साथ में जो टेलीग्राम चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट सारे बच्चों के लिए ये है आपका इंग्लिश बाई जैसर इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लेना क्योंकि पूरा का पूरा पीडीएफ जो है क्लास के बाद आपको वहीं पे मिलने वाला है विद एक्सप्लेनेशन राइट और जो मेरा कोड है वो है जेटिन आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं किसी भी टीचर का ले रहे हैं तो इसको लगा के आप टेन परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ठीक है चलिए जी उसके बाद भाई ये जो तीन बजे वाला बैच है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तीन बजे वाला बैच का क्या होगा कि होगा नहीं होगा मैं कई बार आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर चुका हूँ ये बैच मंगलवार यानी यहाँ पर ट्यूजडे लिखा है कंटिन्यू हो जाएगा आपका कोई भी बैच नहीं छोड़ा जाएगा और इसके अंदर हम लोगों ने नाउन टॉपिक कवर कर लिया है प्रोनाउन पूरा कवर कर लिया है एडजेक्टिव का एक लेक्चर बचा है उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग वर्ब शुरू करेंगे सो डोंट वरी ये अपने सिक्वेंस में ही चलने वाला है अब जी आ जाते हैं हम लोग जिसका इंतज़ार था आप सभी बच्चों को ठीक है चलिए अब देखिए पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा त्याग है आप सभी बच्चों के लिए वो ये है कि सुबह सुबह खाली पेट मैं दस मिनट का रास्ता तय करके भागम भाग करके यहाँ तक आ चुका हूँ तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग रज़ाई के अंदर चुपचाप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हर बात को सहूलियत से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा अगर कोई डाउट है ठीक है कोई डाउट है तो आप लोग जरूर मुझे यहाँ पर बताइएगा जैसा कि एक बच्चा बोल रहा है कि राजू रंजन कुमार प्लीज़ हेल्प सर आपके प्ले से प्रीवियस वीडियो हाइड हो रहे हैं बच्चे जो जो वीडियो हो चुकी है जो मैं पढ़ा चुका हूं वो हाइड नहीं हो रहे हैं। जो आने वाले वीडियोस हैं उसको हाइड किया जा रहा है क्योंकि ट्यूसडे से क्लास चलेगी सो डोंट वरी सारी क्लासेस आप सभी बच्चों को मिल जाएगी ठीक है सर हम भी खाली पेट हैं अभी लेकिन आप लोग प्लीज टाइम पे खा लीजिएगा चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के सेशन को <coughs> एक बार सारे बच्चे यहाँ थम्स थम्सअप कर देंगे क्या सब लोग रेडी हैं उसके बाद शुरू करते हैं भाई गुड मॉर्निंग एक बार सारे बच्चे जल्दी से बता दें थम्सअप करें कि यहाँ पे वाई लिख के यस लिख के थम्सअप करके बता दें आप सबका जोश कैसा है ठीक है कैसे हैं सभी लोग तैयार हो आप लोग शुरू करते हैं इस सेशन को ठीक है बताओ भाई ग्रेट ओके चलिए अब यहाँ पर सर आप बेस्टम बेस्ट हो सर थैंक यू सो मच चलिए शुरू करते हैं बच्चे पहला रूल हमारे सामने है रूल क्या कहता है गौर से सुनिएगा मैं आपको हर एक चीज यहीं से सिखा करके भेजूंगा आपको घर पे सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी और मैं आपको एक डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं कि शुरू करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा वो ये जैसे जिन बच्चों को लगता है कि उनको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं आती बच्चे ये आपके पते की बात कर रहा हूँ ये गांठ बांध के रख लीजिए इसको लगता है कि सर मुझे इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं आती है क्या मैं ये सीख सकता हूँ हंड्रेड गोल्डन रूल्स बिल्कुल सीख सकते हैं बस आपको एक माइंड सेट के साथ चलना है बस आप ये सोचिए कि इसके पहले ना आपने कभी अंग्रेजी पढ़ी है ठीक है आपको कुछ भी नहीं आता ये आपकी पहली क्लास है जहाँ से आप सीखने जा रहे हो और जितना सर बताएंगे जहाँ से शुरू करेंगे वही इंग्लिश है जहाँ खत्म करेंगे वही इंग्लिश खत्म होती दैट्स इट अगर आप इस माइंड सेट के साथ यहाँ पे हो ना आप हंड्रेड गोल्डन रूल्स भी सीख के जाओगे और अपना एग्जाम भी इजिली क्रैक कर लोगे ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे पहला रूल क्या कहता है कि Angry एट something यानी देखो बच्चे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी एंग्री होती है एंग्री के साथ हम एट का भी यूज़ करते हैं और एंग्री के साथ हम क्या यूज़ करते हैं विद का भी यूज़ करते हैं बशर्ते सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एंग्री के साथ हम एट का यूज़ तब करते हैं जब इसके बाद समथिंग हो आप कहोगे सर समथिंग क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया समथिंग मतलब जो रिलेटेड होता है आपके नॉन लिविंग्स हैं और एंग्री के बाद हम विद का तब यूज़ करते हैं जब उसके बाद समोन आता है आप कहोगे सर समोन क्या होता है मैं कहूँगा भाई जब हम बात करते हैं किसी लिविंग बींग की यानी जब हम बात करते हैं पर्सन की ठीक है अब आप से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा जैसे मैंने आपसे कहा ही वॉज़ एंग्री विद यहाँ पे मैंने लिख दिया हर अब मैंने कहा एक दूसरा He was angry at the मैंने यहाँ लिख दिया weather एट द वेदर अब थोड़ा सा सारे बच्चे यहाँ पे गौर करेंगे कि जब मैंने angry with लिखा, तो यहाँ पे मैंने हर लिखा हुआ है आप सभी को पता है कि हर जो होता है वो रिलेटेड की बात कर रहे, किसी living being की बात कर रहे तो एंग्री के साथ हमने with लिखा हुआ है और एंग्री एट देदर अगर मैं वेदर की बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि वेदर यानी मौसम की बात जब की जाती है वो लिविंग बींग कंसिडर नहीं होगा तो इसके साथ हमने क्या यूज कर लिया है एंग्री के साथ क्या यूज कर लिया एट यूज कर लिया ठीक अब यहाँ पे देखिए दो

यहाँ पे हिमसेल्फ़ लिखा हुआ है और ये रिलेटेड टू किससे है पर्सन से है, है यानी ये लिविंग बीग से है तो इसके साथ हमें यहाँ विद का यूज़ करना पड़ जाएगा जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ नंबर का आंसर होगा एक बार सारे बच्चे मुझे बता देंगे ठीक है सारे बच्चे बता देंगे आपको समझ में आया दूसरी बात जो मेरी स्पीड है वो ओके है ऐसा तो नहीं मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है या बहुत ज़्यादा मैं फास्ट हूँ एक बार आप सब लोग स्पीड को लेकर के फ्लो को लेकर के बता दीजिए तरीके को लेकर के बता दीजिए कि आप सभी लोग को पूरा समझ में आया जिससे मुझे आगे कंटिन्यू करने में आसानी हो और मैं भी थोड़ा सेटिस्फाइड रहूँ कि हर बच्चे को प्रॉपरली हर एक चीज़ समझ में आ रही है ठीक है सब कुछ क्लियर है स्पीड एंड ऑल एवरी सारे बच्चे बताएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को ठीक है सब सही है ओके okay. तो बच्चे पहला आप लोगों ने सीख लिया है ना और मैं आपको साथ में ये भी दिखाते चल रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के अंदर कि जो अभी फिलहाल में पूछे गए हैं मतलब जो पढ़ रहे हो आप एग्जाम ओरिएंटेड और रेलेवेंट ही पढ़ रहे हो ठीक है यही आते ही हैं ठीक है आगे देखें अब ये देखो इससे रिलेटेड भी बच्चे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2022 में पूछे गए चाहे वो सीपीओ हो गया चाहे आपका सीएचएसएल होगा चाहे आपका सीजीएल हो अब देखिएगा यहाँ पे आपका कांसेप्ट क्या कहता है सारे बच्चे कांसेप्ट को ग्यार, गौर से सुनेंगे ये जो आपका अननंबर ऑफ होता है अननंबर ऑफ अपने बाद जो नाउन लेता है वो प्लुरल लेता है और जो वर्ब लेता है वो भी क्या लेता है प्लूरल लेता है लेकिन अगर मैं यहाँ पे और देखिएगा अ ग्रेट नंबर ऑफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ तो ये अपने बाद नाउन प्लूरल लेते हैं और जो इनकी वर्ब होती है वो क्या होती है प्लूरल होती है लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और हैं द नंबर ऑफ़ और है वन ऑफ़ तो द नंबर ऑफ के बाद गौर करिएगा जो आपका नाउन होता है वो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब भी प्लूरल होती है एक सेकेंड बच्चे यहाँ पर एक चीज़ करना आप लोग यहाँ पे सिंगुलर कर लेना ठीक है यहाँ पे गलती से ये प्लियल हो गया होगा यहाँ पे आपने क्या करना है सिंगुलर वर्ब करनी है और वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और यहाँ भी प्लूरल लिख दिया गया है गलती से यहाँ भी आप लोग क्या कर लेंगे सिंगुलर कर लेंगे ठीक है टाइप करने में वो मिस्टेक हो गया होगा अब एग्जाम्पल देखिएगा आप सभी लोग जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ आपके लिए आप गौर करेंगे जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा अ नंबर ऑफ बॉयज मैंने यहाँ लिखा इज रीडिंग दिस नॉवेल में साथ में आपको ये बताते चलूंगा कि किस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आप सभी बच्चे गौर करिएगा ठीक है जैसे मान लीजिए मैंने यहां अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स अब यहां पे मैंने लिखा has applied, has applied. Next, मैंने देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक लिखा कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन दिस इन दिस कॉलेज इन दिस उधर जगह नहीं तो इधर लिखते हैं इन दिस कॉलेज इज या आर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और मैंने यहां पे क्या लिखा फास्ट ठीक है एक एग्जाम्पल आप सभी बच्चे और देखेंगे जैसा कि मैंने यहां पे लिखा कि वन ऑफ माई ब्रदर्स और मैंने यहाँ पे लिखा आर टाइपिस्ट अब आप सभी लोग यहाँ पे गौर करिए एक एक करके एग्जाम्पल को मैंने यहाँ लिखा अनबर ऑफ तो मैंने जैसा कि आप सभी बच्चों को बताया कि अन नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या होगा प्लूरल होगा और जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल होती है तो आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्या देगा ये जो वर्ब है ये सिंगुलर करके दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई आर हो जाएगा ठीक है दूसरी बात क्या है कि अ लार्ज नंबर ऑफ जो होता है इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है तो नाउन जरा गौर से देखेंगे ये प्लूरल है लेकिन जो आपकी वर्ब होती है वो भी प्ल्यूरल होती है एग्जामिनेशन में सिंगुलर करके देगा तो गौर करिएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव अप्लाइड अगली बात करते हैं जी जब द नंबर ऑफ़ की बात आती है तो मैंने कहा द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो आपका क्या होगा आपने कहा सर प्लूरल होगा लेकिन गौर ये करना है बच्चे आप सभी लोगों को कि जो आपकी वर्ब होती है वो सिंगुलर होनी चाहिए तो द नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज इज़ इंक्रीजिंग फास्ट या आर इंक्रीजिंग फास्ट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज इंक्रीजिंग फास्ट हो जाएगा लास्ट में बात करते हैं वन ऑफ़ माई ब्रदर्स आर टाइपिस्ट लिखा हुआ है तो मैंने आप लोगों से कहा कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा लेकिन जो आपकी वर्ब होती है वो आपकी सिंगुलर होती है तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा इज हो जाएगा ठीक है देखो अगर ये पूरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई तो आप गौर करिएगा एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना मैं हट भी जाता हूँ अगर आप सभी बच्चों को ये लिखना है तो आराम से लिखिएगा बस आपके जहन में ये होना चाहिए कि अ नंबर ऑफ़ अ ग्रेट नंबर ऑफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ के बाद नाउन प्लूरल रखना है और वर्ब प्लूरल रखना है लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं हमारी द नंबर ऑफ़ और वन ऑफ इनके बाद नाउन तो आप प्लूरल रखोगे लेकिन जो वर्ब होती है उसको आप सिंगुलर रखोगे ठीक है अगर मान लीजिए कोई भी आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों आप बता देना क्योंकि भैया देखो आर्टिकल अगर लॉजिक कोई बच्चा जानना चाहता है तो बता दीजिएगा देखिए आर्टिकल जो होते हैं वो तीन होते हैं आपके ए एन द इसमें से ये जो द होता है इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी जो सर्टेनिटी शो करता है निश्चितता बताता है यानी स्पेसिफिक सेंस देता है और बता दीजिएगा ये जो ए एन होता है ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है इसका मतलब भले एक होता है लेकिन ये इंडेफिनिट आर्टिकल है इन जनरल सेंस में यूज होता है ठीक है अब बच्चे अगर ये द लग गया जो कि अपने आप में क्या है डेफिनेट आर्टिकल को शो करता है इसीलिए वर्ब हम सिंगुलर रख देते हैं और ये जो वन है वन अपने आप में सिंगुलर होता ही है इस वजह से हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर रखते हैं बाकी यहाँ आप बता सकते हैं ये ए जो लगा है इसकी वजह से हम यहाँ पे वर्ब प्लूरल रखते हैं खैर लॉजिक नहीं भी पता होगा डजेंट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनेशन कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको क्लियर होना चाहिए अब जैसे देखिए आप एग्जामिनेशन ने आपसे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं 2022 के अंदर जो सी है और यहाँ भी सी 2022 के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गॉन टू गोवा फॉर लेकिन बच्चे गौर आपको यहाँ पे ये भी करना है साथ ही साथ में होगा या पैसि होगा क्योंकि एक बात आप सभी लोगों को और ध्यान देनी है कि अगर कभी भी इज एम आर या आपका वाज हो या वर हो ठीक है इनके बाद देखिए दो ही चीज़ आती है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अब बच्चा ये पूछेगा कि सर अगर इनके बाद आईएनजी है और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों आती है तो दोनों किस पर्पज़ के लिए आती है मैं कहूँगा कि जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तब आईएनजी लिखी जाती है जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तब बच्चे क्या लिखी जाती है थर्ड फॉर्म लिखी जाती है अब जो भी थोड़ा वीक बच्चा है वो कहेगा सर अगर एक एक एग्ज़ाम्पल हो जाए तो मैं कहूँगा जैसे ये मैं बोलूँ आप लोगों से he is reading a book वह एक किताब पढ़ रहा है तो आप कहोगे सर ये तो इज के बाद आईएनजी आ गया बच्चे अगर इज के बाद आपका आईएनजी आ जाता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है एक्टिव वॉइस कहने का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे जो किताब पढ़ रहा है वो कौन है ही है किसी दूसरे के द्वारा तो पढ़ा नहीं जा रहा है, वो खुद ही इसको पढ़ रहा है लेकिन अगर मैं किसी बच्चे से ये बोलने की कोशिश करूं कि अ लेटर इज रिटन बाय हर अब अगर मैंने ये चीज़ बोला तो वो कहेगा सर ये लेटर के बाद आपने इज लिखा और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मतलब ये सेंटेंस आपने कहाँ लिख दिया पैसि वॉयस में लिख दिया ये एक्टिव और ये पैसिव क्योंकि सर ये जो बंदा है वो तो एक किताब पढ़ रहा है वो पढ़ सकता है लेकिन ये लेटर खुद को नहीं लिख सकता इसको तो किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा तो ये तो हो गया हमारा पैसिव वॉइस में तो बच्चे ये देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गॉन पैसे वायस में होगा ही नहीं क्योंकि ये जो मेरा दोस्त है वो खुद ही गोवा जा चुका है यानी वो खुद ही गोवा जा सकता है ठीक है अब यहाँ पे आप गौर करेंगे यहाँ पे हैज गॉन हो जाएगा क्योंकि देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखी जा सकती हमेशा मेरी बात को ध्यान से सुना करेंगे सब लोग ठीक है ध्यान से वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखी जा सकती कभी भी और यहाँ देखिए वर्ब के बाद गॉन लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा पैसिव जो कि बनेगा नहीं ये भी पैसिव बनेगा नहीं और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अब सारे बच्चे गौर करेंगे बच्चा अगला वाला देखो 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग दियर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आर यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपने कहा सर प्लूरल लेकिन मैंने कहा वर्ब किस में होगा सिंगुलर अब आप सभी बच्चों को यकीन हो गया ना आपको पढ़ाता वही हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है पढ़ाता वही हूं जो रेलिवेंट है और मैं आपको डंके की चोट पे बच्चे बता रहा हूं अगर अभी तक मेरी प्रीवियस जितनी भी क्लासेज आप देख चुके हैं आपको यह पता चल चुका होगा कि मॉक टेस्ट जब देते होंगे तब भी फंसता होगा पीवा उसमें तो फंसता ही फंसता होगा और ये सारे एग्जाम में आपके फंसेंगे क्योंकि जो चीज रूल मैं पढ़ा रहा हूं मैं आपके जस्टिफिकेशन के लिए आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं उसके ऊपर अभी रिसेंटली आए क्वेश्चन में करा रहा हूं जिससे आपको लगे कि आप सही ट्रैक पे हो और ये लगना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आप मन लगा करके पढ़ पाइए ठीक है आगे देखेंगे भाई एक क्वेश्चन देखिए 2022 में और पूछ लिया गया क्वेश्चन क्या था बच्चे वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी तो आपने गौर किया कि सर वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा आपने बताया लेकिन वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर तो यहाँ पे वर लिखा था बच्चे यहाँ पे वाज हो जाएगा यानी जो हमारा एरर वाला पार्ट दिया गया था इसमें कहाँ पर है इसमें दिया गया था यानी मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई ठीक है एक बार सारे बच्चे बता देंगे मुझे जल्दी से यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और जो बच्चे अभी जुड़ते हुए जा रहे हैं और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा साथ में ठीक है आपके पास तो करने की सारी सुविधाएं खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं आपका बड़ा भाई रात भर जगह है और यहाँ पे खड़ा है तो मुझे लग रहा है इतना तो बनता है क्लियर हो गया सारे बच्चों को क्या बात है जी बहुत बढ़िया अगले रूल की तरफ़ बढ़ेंगे बच्चे रूल नंबर थ्री पे आते हैं और रूल नंबर थ्री को गौर से सुनिएगा बहुत आसान रूल है अभी हम लोग बेसिक वाले रूल पढ़ रहे हैं अभी आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एक से एक रूल मैं बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं देखो बच्चे लिखा है पजेसिव एजेक्टिव हमने कहा पजेसिव एजेक्टिव अपने बात क्या लेता है नाउन लेता है पजेसिव प्रनाउन अपने बात क्या लेता है पजेसिव प्रनाउन अपने बात कोई नाउन नहीं लेता है ठीक है बच्चों के दिमाग में दो बातें आएंगी दो बातें क्या आएंगी सर आपने कहा कि पजेसिव एजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है आपने कहा पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेता है तो पहले तो हमें यह बता दीजिए ऐसा क्यों होता है मैं कहूँगा ज़रा गौर से देखिए ये क्या लिखा है आपने कहा सर ये तो लिखा है एजेक्टिव मैं आपसे पूछूंगा एजेक्टिव क्या होता है आप कहोगे सर जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो बात तो वही है बच्चे जब नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो ये अपने बाद क्या लेगा एजेक्टिव मैं कहूँगा ज़रा ये बताओ क्या लिखा है आपने कहा सर प्रनाउन लिखा हुआ है मैं बोलूंगा प्रोनाउन क्या होता है आप कहोगे सर जो नाउन के स्थान पर आता है या जो नाउन के लिए आता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं तो मैं कहूंगा बच्चे एक बात बताओ अगर तुम किसी के ऊपर आकर के बैठ गए तो क्या वो आदमी खिसक पाएगा आप कहोगे नहीं सर अब मैं कहूंगा अच्छा अगर जैसे आज कोहली नहीं खेल रहे हैं तो कोहली की जगह पे आज किसी और को हमने प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या मैदान में कोहली आएंगे आप कहोगे सर नहीं आएंगे क्योंकि उनके स्थान पर कोई दूसरा प्लेयर आ चुका है ठीक है अब कहने का मतलब ये है बच्चे जब प्रनाउन है तो प्रनाउन के बाद नाउन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही नाउन के स्थान पर आता है या नाउन के लिए आता है अब जब बच्चे को इतनी बात समझ में आ गई ठीक है अब वो कहेगा कि चलो सर ये बात तो समझ में आ गई कि ये देखने में कैसे लगते हैं मैं कहूँगा अच्छा ये देखो जैसे आपका माइन है ठीक है आपका हिज़ है आर्स है योर्स है साथ में आपका बच्चे हर्स है और दियर्स है ये आपके होते हैं क्या पजेसिव प्रोनाउन वो कहेगा चलो सर ये बात समझ में आ गई बताओ पजेसिव एब्जेक्टिव देखने में कैसे लगते हैं मैं कहूँगा बच्चे जैसे माई है हिज है योर है हर है है, ठीक है और आपका इट्स है ये आपके पजेसिव एजेक्टिव हो गए है ना अब देखिए एग्जाम्पल आपको एक दो मैं दे देता हूं जैसे कहेगा बच्चा सर एक दो एग्जाम्पल भी दे दो मैंने कहा जैसे बच्चे मैंने लिखा दिज आर माई कार्स ये सब मेरी कार्स हैं आप एक बात को बच्चे गौर करना यहाँ पे। मैंने जो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा आपने का सर माई लिखा माई क्या है आपने कहा पजेसु एजेक्टू है पजेसु एजेक्टू के बाद क्या आता है आपने का सर नाउन आता है बिल्कुल आया है भाई बात तो अपने आप में सही है अच्छा जी दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखने की कोशिश करूँ दिज आर दिज कार्स आर माइन ये सब मेरी कार हैं तो गौर करेंगे लास्ट में हमने जो लिखा वो आपने कहा सर माइन लिखा अच्छा माइन क्या है आपने कहा कि सर पजेसिव पर है पजेसिव पर के बाद बच्चे कोई नाउन आता है आप कहते हो सर कोई नाउन नहीं आता ठीक है अच्छा कोई नाउन नहीं आता तो अपने आप में बात सही हो गई लेकिन एक बच्चे बात आप सभी लोगों को गौर करनी है नोट करके वो बात ये गौर करनी है कि कभी भी आप लोग ये जो पजेसिव एजेक्टिव होता है इसमें कभी भी आप अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाओगे इसमें कभी भी आप अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाओगे तो तीन बातें आपको यहाँ सीखने को मिली पहला पजेसिव एजेक्टिव के बाद नाउन आएगा पजेसिव पर नाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा तीसरी बात कि पजेसिव एजेक्टिव में कभी भी हम अपोसट्रॉफी एस का यूज नहीं करते अब अगर कोई बच्चा जानना चाहेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप तो मैं कहूँगा ये जो बच्चे अपोसट्रॉफी एस है ये क्या बताता है आप कहोगे पजेशन बताता है सर मैं कहूँगा पजेशन क्या होता है आप कहोगे अधिकार होता है तो मैं कहूँगा जरा एक बात बताओ भाई ये क्या लिखा है आपने आपने का सर पजेसिव एजेक्टिव तो पजेसिव मतलब क्या होता है आपने का सर अधिकार होता है जब भाई ये खुद ही अधिकार बता रहा है तो इसके साथ अपोस्ट्रॉफियस लगाने की जरूरत है आपने का कोई जरूरत नहीं है इसके साथ लगाने की ठीक है अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा जो कि आपका एस एस सी सी पी ओ दो हजार बाईस में पूछा गया है लिखा था कि दे आर कॉसेस अबाउट दियर कार एज इट्स डोर इज ब्रॉकन अब बच्चे गौर करेंगे ये जो डोर है वो आपका नाउन है मैंने कहा नाउन के पहले पजेसिव एजेक्टिव का यूज किया जाता है अब अगर आप इसको गौर करिए तो ये जो हमारा ये होता है इसका मतलब इट इज होता है इट इज जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना आई ये, ये contracted फॉर्म होती है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आई हैव हो जाएगा जैसे हम लोग ये लिखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका फुल फॉर्म आई विल हो जाएगा या आई शैल हो जाएगा ठीक तो यहाँ पे भैया नाउन के लिए पजेसिव एजेक्टिव चाहिए तो पोजेसिव एजेक्टिव बच्चे में क्या लिखना पड़ेगा आपने कहा सर इट्स लिखना पड़ेगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इट्स लिखना पड़ेगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ठीक है और साथ में आते हैं अगले रूल पे एक बार पहले सारे बच्चे बता दीजिए आप लोग को समझ में आ गया किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत नहीं है ठीक है और एक बच्चे मैं अपनी तरफ से आपको इसको लेकर के बता देता हूँ जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और दिया दे स्टेट दे stayed इन योरस फार्म हाउस फार्म हाउस अब जरा गौर करिएगा इस सेंटेंस के ऊपर ठीक है क्या लिख रहा है बच्चे सर ऐसा नाइन्टी परसेंट ग्रामर कवर हो जाएगा सर इससे अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई एक बार आप पूरा ख़त्म तो करिए आपको लगेगा कि ग्रामर में आपको किसी तरह की दिक्कत ही नहीं है मतलब यहाँ पे वो रूल्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं जो पूछे जाते हैं अब देखिएगा बच्चे जो मैंने ये नोट करके आप सभी लोगों को बताया था मैंने कहा पजेसिव एजेक्टिव के साथ अपॉस्ट्रॉफियस का यूज़ नहीं होता ऐसे क्वेश्चन देगा कि दे स्टेड इन योर फॉर्म हाउस अब हमें पता है योर क्या है आपने कहा सर योर पजेसिव एबजेक्टिव है इसका नाम ही पजेसु है पजेसु मतलब ही होता है अधिकार बताना जब ये पहले से अधिकार ही बता रहा है तो यहाँ एपोस्ट्रॉफियस लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं है ठीक है तो ये हो जाएगा दे स्टेट इन योर फार्म हाउस आ गई बात समझ में सारे बच्चों को क्लियर है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले रूल की तरफ अब ये भी देखिए आपका एस एस सी सी पी ओ दो हजार बाईस में बच्चा पूछा गया है इस रूल से रिलेटेड और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाएंगे तो आप सभी लोगों को बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स और क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें ये पूछा गया है अब इसमें क्या है कि ये पर्सनल एक होता है देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि दैट्स या दैट इज माई पर्सनल मैटर ये मेरा अपना निजी मामला है ठीक है तो पर्सनल मतलब होता है निजी जैसे बिलोंगिंग टू अ सिंगल आर पर्टिकुलर पर्सन निजी का मतलब अगर किसी पर्टिकुलर इंसान जैसे मैं हूं ठीक है मेरे से संबंधित स्पेशली अगर कोई भी मुद्दा है तो मेरा अपना पर्सनल मैटर है अगर कोई आपसे रिलेटेड है तो वो आपका अपना पर्सनल मैटर है ठीक है लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज आपका एग्जामिनर क्या करता है कि पर्सनल देगा बच्चा पर्सनल का मतलब होता है जी स्टाफ जैसे कोई भी संगठन है गौर से मेरी बात को सुनिएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी संगठन के अंदर जो लोग काम करते हैं जो स्टाफ काम करता है जो एम्प्लाइज काम करते हैं जो मैन पावर काम करता है उसको हम लोग पर्सनल बोलते हैं ठीक है थीके? अब अगर ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई ठीक है अब जैसे देखिएगा एक मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल सारे बच्चे देखेंगे मैंने जैसे लिखा बच्चे मैनी ऑफ द अब मैं ऐसे लिख देता हूं और एग्जामिनेशन ऐसे ही आपसे पूछेगा मेनी ऑफ द पर्सनल रिक्वायर ट्रेनिंग आप जरा इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहां पे आ, यहाँ पे बच्चे involved लिख लेना involved ठीक है ये जैसे मैंने लिखा कि many of the personnel involved require training आप जैसे ही सेंटेंस को पढ़ोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसमें एरर क्या है आप कहोगे सर पूरे सेंटेंस को जब हम लोगों ने पढ़ा तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो ट्रेनिंग की ठीक है मेनी ऑफ द पर्सनल इन्वॉल्व रिक्वायर ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग का सर अपने निजी मामले से कोई लेना देना ही नहीं है अगर हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं जो मैन पावर है जो स्टाफ है उन सारी चीज़ों को देते हैं तो पर्सनल नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपने कहा सर यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा यानी पर्सनल लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका मेनी ऑफ द पर्सनल रिक्वायर involved require training ठीक अब देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जेरेमी डज नॉट लाइक टू डिस्कस हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स ओपनली यहाँ पे देखा जाए हम किसी संगठन की तो बात कर नहीं रहे हैं उसमें काम करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं वो कह रहा है जेरेमी जो है एक लड़का है एक आदमी है वो पसंद नहीं करता है अपने निजी मामलों को ओपनली यानी खुले तौर पर डिस्कस करना तो यहां पर्सनल नहीं हो जाएगा यहां पे बच्चे क्या हो जाएगा पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाएगा क्लियर है बताएंगे सारे बच्चे इससे पहले बेल को आके बार और सर बताइएगा क्या बोल रहा है ये लड़का ठीक है सर तलाकशुदा गर्ल को गवर्नमेंट ने आरक्षण दे रखा है क्या तुम्हारी उतरी नहीं है क्या रात की बेटा कैसी बह की बातें कर रहा है यहां पे चल रहा है इंग्लिश ग्रामर की क्लास ठीक है रूल नंबर फोर तक हम पहुंच गए हैं सारे बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं ये अलग दुनिया में चल रहा है अरे अगर मान लो गवर्नमेंट ने दे भी दिया होगा तो उससे तुम्हें क्या ठीक है हमारा यहाँ जो परपज है हम उस परपज को बच्चे पूरा करते हैं ना कैसा कैसे लोग हैं यार कहा से आते हैं ये कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ कहां से आते हैं ये लोग देखो भाई अब आते हैं बच्चे रूल नंबर फ़ाइव पे रूल नंबर अगर मैं फ़ाइव की बात करूं तो ये भी देखिए एसएससी सीपीओ 2022 में इसका क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन पे तो हम आएंगे बाद में लेकिन ये आएंगे सबसे पहले इसको देखेंगे कि भाई कहना क्या चाहता है एक हमारे सामने लिखा हुआ है इंस्टिड ऑफ़ और एक लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ़ अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को होती है दिक्कत लड़के कैसे सीखते हैं इसको इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद इंस्टिड ऑफ़ के बजाय या के स्थान पर ऐसे करके बच्चे सीखते हैं तो जब हम इस तरह से चीज़ों को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं ठीक है अब मैं बात करता हूं इसको बच्चे थोड़ा लॉजिकली समझने की है ना थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की अब देखो गौर से ये जो इंस्टिड ऑफ़ होता है इंस्टिड ऑफ़ की मीनिंग होती है इन प्लेस ऑफ ठीक है और ये जो इन स्पाइट ऑफ होता है इसका मतलब होता है डेस्पाइट अगर मैं हिंदी समझाने के लिए लिख दूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं के बावजूद ठीक है के बावजूद और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है के स्थान पर लेकिन जानते हैं ये मुद्दा नहीं है ये आपको तो खैर आना ही चाहिए लेकिन उसके लिए जो इसको सीखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टिड ऑफ़ का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें कोई सब्सट्यूट बताना हो अब आप, आप कहोगे सर सब्सट्यूट क्या होता है मैं कहूँगा सब्सट्यूट मतलब बच्चे होता है ऑल्टरनेट आप कहोगे ऑल्टरनेट क्या होता है सर ज़रा इसको भी समझा दो मैं कहूँगा बच्चा जहाँ पे हम बात करते हैं विकल्प की आप कहोगे थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझा दिया जाए जैसे मैंने कहा कि आपके घर में मान लीजिए मम्मी ने सब्जी और दाल दोनों बना रखी है लेकिन जो दाल है वो आपको पसंद नहीं आई तो माँ ने आपसे ये कहा कि तुम दाल की जगह सब्जी खा लो या आप दूध और दही दोनों है तो दूध पीने का मन नहीं कर रहा तो माँ ने कहा तुम दूध की जगह दही खा लो यानी ये होता है आपका सब्सट्यूट अगर हम बात करते हैं विकल्प की हम बात करते हैं सब्सट्यूट की हम बात करते हैं इसके जगह पे इसकी ठीक है अब जैसे आपके घर पे पिताजी दो रिश्ते लेकर के आए लड़कियों के तो उन्होंने आपके सामने रखा है या तो इससे शादी कर लो या तो इससे अगर इससे नहीं करते हो तो इससे कर लो हाँ मन में लड्डू फूट रहा होगा ठीक है ये सब बच्चा वास्तविक चीज़ें नहीं है ये काल्पनिक चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है तो ये हो गया आपका सब्सिट्यूट यानी इंस्ट्यूट ऑफ इसके लिए यूज होगा अब अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ठीक है कि ये जो इन स्पाइट ऑफ होता है बच्चे इसका मतलब होता है डिस्पाइट इसका यूज़ हम करते हैं कंट्रास्ट बताने के लिए आप आप कहोगे सर कंट्रास्ट क्या होता है मैं कहूंगा बच्चे कंट्रास्ट मतलब अपोजिट स्टेटमेंट वो कहेगा सर ये अपोजिट स्टेटमेंट क्या होता है ठीक है क्योंकि भाई है तो बच्चा ही बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं मैं कहूंगा बेटा इसका मतलब होता है अपोजिट स्टेटमेंट मतलब विरोधाभास अब वो कहेगा सर विरोधाभास का मतलब ठीक है अब देखो विरोधाभास का मतलब कहने का ये हुआ बच्चे जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे एक दूसरे के अपोजिट रहे एक दूसरे के उल्टे रहे ठीक है जैसे मैंने कहा कि उसने बहुत मेहनत किया लेकिन फेल हो गया अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है मेहनत करने वाला आदमी तो पास हो जाता है लेकिन ये मेहनत करके फेल हो गया तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अब देखो सारी बात आपको समझ में आ गई कि सर इंस्टिड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर और इसका हम प्रयोग करते हैं सब्सिट्यूट बताने के लिए यानी विकल्प बताने के लिए स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट और इसका हम यूज़ करते हैं कंट्रास्ट बताने के लिए कंट्रास्ट मतलब दो अपोजिट स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए अब बच्चा सोच रहा होगा कि अगर गुरुजी अगर दो एग्जाम्पल मिल जाए ना यहीं पे ताजा ताज़ा तो हमें क्या होगा कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस बात को कि आप कहना क्या चाहते हो तो आप लोगों की खिदमत पर देखिए ये हाजिर रहा मैंने कहा भैया देखो अगर मैं ये लिखूँ ही वेंट टू कॉलेज ठीक है और मैं कह दूँ यहाँ दे दिया ब्लैंक और ये मैंने लिखा बच्चे बींग इल ठीक है और मैंने कहा कि दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा आप लोगों के लिए ही वेंट टू कॉलेज और इसको लिखने के बाद मैंने यहां पे ब्लैंक दिया और मैंने कहा कि हॉस्पिटल ठीक है अब आप लोग इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा कि एक जगह मैंने लिखा ही वेंट टू कॉलेज बिंग इल यहाँ पे लिखा ही वेंट टू कॉलेज हॉस्पिटल अब आपको भरना क्या है यहाँ पे इंस्टिड ऑफ़ होगा या इन स्पाइट ऑफ होगा तो बच्चे गौर से मेरी बात को सुनना ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह कहाँ गया कॉलेज गया अच्छा बीमार होने के बावजूद वो कह रहा बीमार होने के बावजूद भी वो कहाँ गया कॉलेज गया मुझे एक बात का आप लोग जरा जर, जर, जवाब दीजिए अगर कोई भी इंसान बच्चे बीमार है मैंने क्या कहा अगर कोई भी इंसान अगर बीमार है तो उसे क्या करना चाहिए आपने कहा सर अगर कोई भी इंसान बीमार है उसे तो रेस्ट करना चाहिए उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए उसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए लेकिन एक बात बताइए ये आदमी जो है इधर बीमार पड़ा है और उसके बावजूद भी वो कहाँ गया कॉलेज गया कहने का मतलब आप कहोगे सर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हो गया ये तो सर अपोजिट स्टेटमेंट हो गया जो इंसान बीमार है उसको जाना चाहिए अस्पताल उसको कराना चाहिए ट्रीटमेंट उसको करना चाहिए आराम लेकिन वो चला गया हॉस्पिटल सॉरी चला गया कॉलेज ठीक है तो ये तो हो गया आपका स्पाइट ऑफ का यूज़ ठीक है यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पाइट ऑफ अच्छा जी अगर दूसरे वाले को थोड़ा गौर से पढ़ा जाए ही वेंट टू कॉलेज वह कॉलेज गया हॉस्पिटल यानी कहना चाहता है कि हॉस्पिटल जाने के स्थान पर जाना चाहिए था हॉस्पिटल चला गया वो कॉलेज यानी कॉलेज के स्थान पर कहां ही वेंट टू कॉलेज यानी हॉस्पिटल के स्थान पर कहां चला गया कॉलेज चला गया यानी बच्चे यहां पे हो जाएगा आपका इंस्टिड ऑफ ये क्या हो जाएगा इंस्टिड ऑफ तो यहां इंस्पाइट ऑफ यहां पे हो जाएगा इंस्टिड ऑफ अब एक बार सेंटेंस देखिएगा इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ अगर आपको ज़िंदगी में अपने सफल होना है ठीक है वी नीड टू वर्क तो हमें काम करने की ज़रूरत है इंस्टिड वेस्टिंग टाइम तो हम कहना चाहते हैं इंस्टिड ऑफ वेस्टिंग टाइम कहने का मतलब अपना समय बर्बाद करने के स्थान पर अपना समय बर्बाद करने के स्थान पर उसकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए काम करना चाहिए तो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर एक बार सारे बच्चे बता देंगे ठीक है एक बार सारे बच्चे बता देंगे आपको समझ में आया ये पहले बता दो बच्चे एक बार ये बता दो अच्छा कंसेप्ट था प्यारा कंसेप्ट था बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं आज हम पूरे दिन भर के लिए आपसे जुड़े ही हैं तो आप मुझे बताइए आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई एक बार सारे बच्चे कमेंट यहाँ पे कर देंगे सारे बच्चों को क्लियर है इज इट क्लियर एवरी वन सर एग्जाम में अंडरलाइन करके देता है क्या खुशबू ये बच्चे जो क्वेश्चन है ना ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में कुछ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन करके देता है और इसी में आपका एरर होता है तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन है ठीक है सर क्वेश्चन एक बार और सर ठीक है क्वेश्चन में बच्चे कुछ नहीं था कह रहा है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सफल होने के लिए वी नीड टू वर्क इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम तो अपना समय वेस्ट करने के स्थान पे क्या करो काम करो तो वो सब्सिट्यूट बता रहा है अल्टरनेट बता रहा है एक तरफ है आपको समय वेस्ट करना है एक तरफ़ बता रहा है आपको क्या करना है काम करना है तो कह रहा है समय वेस्ट करने के स्थान पर क्या कर लो काम कर लो ठीक है ये हो गया आपका अगले रूल की तरफ आएंगे रूल नंबर सिक्स जो कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछता है भैया मतलब ये ना इनको कह लीजिए कि एस का फेवरेट या पता नहीं इसने क्या रिश्वत दे रखा है जो ये बार बार इसको पूछता है ठीक है ये बहुत ही आसान है देखिए क्या है एक्चुअली ये जो सुपर लेटिव डिग्री आपकी होती है इसके पहले हमेशा हम द का यूज़ करते हैं अब देखिए अब मैं आपको छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा जो नए बच्चे हैं जिससे वो थोड़ा सा सीख पाएँ जैसे ये बच्चे डिग्री जो हमारी होती हैं ठीक है ठीके? बस तुम्हें इतना ही जानने की ज़रूरत है इससे ज़्यादा कुछ मत जानो ये जो डिग्री होती है ये तीन आपकी होती है बस इतना ही गौर करना एक होता है पॉजिटिव डिग्री जो दूसरा होता है वो आपका होता है जी कंपेरिटिव डिग्री ठीक है और तीसरा बच्चा कहेगा सर क्या होगा वो कहेगा सुपरलेटिव डिग्री ठीक है बस ये तीन डिग्री होती हैं अब देखो भाई जब हमें कहीं पे कोई कंपैरिजन ही ना करना हो ठीक है नो कंपैरिजन जहाँ पे हमें किसी कंपैरिजन की ज़रूरत ही ना हो ठीक है कोई तुलना नहीं करना हो वहाँ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा ही इज़ अ गुड बॉय वह एक अच्छा लड़का है तो आपने देखा सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ ये वाला जो लड़का है वो अच्छा है मैं कोई तुलना ही नहीं कर रहा हूँ तो भाई जहाँ पे हमें कोई तुलना ही ना करना हो वहाँ हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री का अब भाई कंपेरेटिव मतलब कंपेरिजन होता है यानी तुलना जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं यानी यहाँ लिख लीजिए वन वर्सेज एन यानी जब दो लोग होते हैं दो लोगों के बीच में हम तुलना करते हैं तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं जैसे मैंने कहा कि राम इज स्ट्रोंगर देन संजय take a ram is stronger than कमल कुछ भी लिख लीजिए तो यहाँ पे आपने देखा कि कमल का जो कंपैरिजन है वो राम से हो रहा था और इनके बीच में हम कंपैरिजन करने के लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी और जब भी बच्चे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज़ करते हैं दैन का यूज़ करते हैं ये बात भी आप सभी लोग को पता है अब आते हैं भाई सुपर डिग्री जो हमारा मुद्दा है ठीक है खैर सारे बच्चों को हमने ये तो बता दिया सुपर डिग्री के पहले द लगता है लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये क्यूरसिटी भी होगी जानने की सर सुपर डिग्री होती क्या है ना मैंने कहा बच्चे जो सबसे सुपर हो कहने का मतलब वन वर्सेस ऑल कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी एक की तुलना आप सबसे कर देते हो और आप यह बताते हो कि ये वाला जो बंदा है ना यह सबसे अच्छा है ठीक है यह सबसे बेहतर है यह सबसे अच्छा है उसको हम कहते हैं सुपर लेटिव डिग्री ठीक है degree, जैसे मैंने कहा राम इज द यंगेस्ट पर्सन ऑफ हिज फैमिली तो देखो कह रहा है कि राम के परिवार में जितने भी लोग हैं जितने भी लोग हैं उसमें से राम सबसे ज्यादा यंगेस्ट है सबसे ज़्यादा जवान है खुशनुमा है ठीक है थीके? अब यहाँ पे देखिए भैया सुपर लेटिव डिग्री लगी है और बच्चे सुपर लेटिव डिग्री के पहले हमने क्या लगाया है द का यूज़ हमने किया है और देखिए वो बता रहा है जितने भी हैं सब में से यानी वन वर्सेस ऑल वाला यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है कि जितने भी लोग हैं मान लीजिए ये इसका पूरा परिवार है इसके परिवार में चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो उसमें से ये जो राम है ना राम सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है इन लोगों से ठीक है तो यहाँ देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या दिया था दिस इज़ द वर्स फैमीन दिस कंट्री हैज़ सीन इन अ डिकेड सी पी ओ दो हज़ार बाईस में पूछा गया क्वेश्चन है तो सारे बच्चे गौर करेंगे ये जो आपका बैड होता है बैड होती है बच्चे पॉजिटिव डिग्री ये जो आपका वर्स होता है वर्स होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और जो आपका वर्स्ट होता है वो आपकी होती है सुपर लेटिव डिग्री ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा द लगा है तो हमें लिखनी पड़ेगी क्या सुपर लेटिव डिग्री यहाँ होना चाहिए वर्स्ट और हमने ऑप्शन में देखा यहाँ पे द वर्स्ट यही दिया था ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को बताइए एक बार सारे बच्चे बता दीजिए आपको समझ में आ गया जय सर इज द बेस्ट इंग्लिश सर अरे मेरे भाई 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 ठीक है एक बार सारे बच्चे बता दीजिए समझ में आ गया आप लोग तारीफ़ करते हैं तो यही होता है बिना खाए पिए खाली पेट इंसान को मोटिवेशन आ जाता है और उसी की खैर ज़रूरत है ठीक है एक बार भाई सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए और सेशन को थोड़ा सा और बढ़ाइए अपना प्यार दीजिए इस सेशन को ठीक है अब जैसे बच्चे रूल नंबर सेवन पे आते हैं अब ये भी देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये सी पी में क्वेश्चन दिया गया है तो मैंने आपको बताया था ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं ठीक है आप बेफिक्र होकर के बस पढ़िए अपनी नोट्स बनाइए अब जैसे क्या लिखा है भाई रूल नंबर सेवन में बच्चे फॉर्मर लेटर है और लेटर है ठीक है पहले गौर करेंगे आप सभी लोग है क्या ये कहानी क्या है पूरी की पूरी है ना अब देखिए जी अगर मैं आपसे पहले तो बात करता हूं लेटर लेटर -E की ठीक है ये डिनोट करता है टाइम टू डिनोट टाइम अगर हम समय की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं लेटर का यूज करते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि आई विल कॉल यू लेटर मैं आपको बाद में कॉल करूंगा बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे से बोलते हैं मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा तो इसको होता है आई विल कॉल यू लेटर ठीक लेकिन अब यहाँ पे हमें दो चीजें सीखनी है एक फॉर्म और ये लेटर देखो जी ये जो बात जब हम करते हैं ऑर्डर की आप कहोगे ऑर्डर मतलब क्या कहना चाहते हैं मैं कहूंगा जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की कहेगा सिक्वेंस मतलब क्या कहना चाहते हैं भैया हम कहना चाहते हैं क्रम जब हम बात करते हैं भैया क्रम की ठीक है सिक्वेंस की तो हम उसके लिए दो चीजों का बच्चे प्रयोग करते हैं पहला हम प्रयोग करते हैं किसका आपने का सर फॉर्म का ठीक है अच्छा हमने कहा दूसरा किसका प्रयोग करते हैं आपने का सर लेटर का कहने का मतलब जो पहले मतलब इसमें हम बात करते हैं दो लोगों की और जो पहले को इंडिकेट करता है वो फॉर्मर होता है जो दूसरे को बच्चे इंडिकेट करता है वो लेटर होता है इस बात को आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए और आपको अभी समझ में आ जाएगा जैसे मैंने आपसे कहा राम एंड कमल आर गुड फ्रेंड्स राम और कमल जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं बट द फॉर्मर इज बेटर द लेटर ऐसे अब देखो अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में गलती कैसे देता है पहले आप समझो कह रहा कि राम और कमल यहाँ पे बच्चे देखो कितने लोग हैं आपने कहा सर एक राम है दूसरा कमल है ठीक है दो लोग हैं राम और कमल ये क्या है अच्छे दोस्त हैं कह रहा बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर लेकिन कह रहा जो फॉर्मर वाला है ना वो लेटर से बढ़िया है अब देखिए फॉर्मर मैंने क्या बताया कि फॉर्मर यानी पहला वाला यहाँ पे हम फॉर्मर से किसकी बात कर रहे हैं आपने कहा सर राम की बात हो रही है ठीक है और लेटर से बच्चे किसकी बात कर रहे हैं दूसरे वाले यानी कमल की बात कर रहे हैं तो यानी यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कमल यानी ये जो हमारा फॉर्मर होता है और जो हमारा लेटर होता है ये सिक्वेंस बताता है क्रम बताता है जिसमें पहला जो होता है वो फॉर्मर डिनोट करता है जो दूसरे वाले को लेटर डिनोट करता है आगे बात समझ में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा मेरे भाई

लेटर इज ब्यूटीफुल बच्चे letter नहीं। ये दूसरे साइमा की बात कर रहा है जो तो साइमा की बात करने के एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्लियर है बताइए दुबे जी का प्रणाम गुरु जी शायद मैं पहले से अपने आप को कुछ बेहतर समझने लगा हूं ये सब आपकी बदौलत है गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद दुबे ठीक है और बताओ शर्मा कैसी हैं चलो एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्लियर हो गया एक बार भाई सारे बच्चे बता दीजिए समझ में आ गया ठीक है भाई आज इंग्लिश सीख के जाना है इंग्लिश से सारा डर खत्म करके जाना है ठीक है इंग्लिश जैसा कुछ बच्चे का ही नहीं पता है मैं एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मतलब पर्सनली अगर आप लोग मुझे जानते हैं कुछ दिन से तो आपको ये चीज़ पता होगी मैं मार्केट में देखता हूँ बच्चों को बहुत डराया जाता है इंग्लिश के नाम पर अब देखो अब लोगों ने ऐसे डराना शुरू कर दिया है ठीक है मैं भी इस बात को मानता हूँ सबसे ज़्यादा वेटेज सी में इंग्लिश का है सी एच एस एल में इंग्लिश का है एम टी एस भी ठीक ठाक पूछ रहा है यानी जी एस के बराबर पूछ रहा है यानी पच्चीस क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है यानी इंग्लिश का वेटेज हर जगह है लेकिन मैं ये सबको थोड़ी बोलूंगा कि इतना ज़्यादा वेटेज है अगर तुमने इंग्लिश नहीं किया तुम फेल हो जाओगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा हमको पैसा दो हमसे कोर्स लो ठीक है एक हम ही हैं जो तुम्हारा निकलवा सकते हैं ये सब कुछ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर मैं ऐसा कंटेंट आपको दूंगा ना और इसी कंटेंट से आपका निकलेगा पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करके मेरे बच्चे जाना ठीक है ये दुनियादारी में मत पढ़ना लोग कोर्स के नाम पे अलग पैसा लेंगे प्रैक्टिस के नाम पे अलग पैसा लेंगे फलाना ढिमकाने के नाम पर अलग पैसा लेते हैं डराते अलग हैं डरा के बेच देते हैं ये साइकोलॉजिकली प्रेशर बना देते हैं ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा ठीक है शर्मा जी से तो इंतकाम कर लिया हूँ अब जो होगा सिलेक्शन के बाद होगा क्या बात है दोबे ठीक है चलो मेरे भाई आ जाते हैं भाई यहाँ पे अगले रूल पे आते हैं बच्चे देखो अगला रूल नंबर आठ है रूल नंबर आठ देखिए क्या कहता है कि भाई ये जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है हम पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी का यूज़ करते हैं और ये जो हमारी कंपेरेटिव डिग्री होती है कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम मच का यूज़ करते हैं और यहाँ पे देखिए सी जी एल दो हजार बाईस में पूछा गया क्वेश्चन भी है उसको भी मैं आपको करवाऊंगा लेकिन उसके पहले आप इस बात को समझिएगा जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ ठीक है जैसे मैंने बच्चे कहा एक एग्जाम्पल दिस सिचुएशन इज मच सीरियस ठीक है एक मैंने ये लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए जैसे मैंने कहा राम is very stronger than और मैंने लिख दिया संजय देखिए बस आपको गौर एक छोटी सी बात करनी है और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की यहां पे जरूरत ही नहीं है आप ये देखिए जो पॉजिटिव डिग्री है पॉजिटिव डिग्री के पहले क्या यूज करना है आपको वेरी जो कंपेरिटिव डिग्री है उसके पहले आपको क्या यूज करना है मच अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पॉजिटिव डिग्री अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह देना भाई पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जहाँ पे कोई तुलना की जरूरत नहीं पड़ती यानी नो no कंपैरिजन जहाँ पे हम कोई कंपैरिजन ही नहीं करते हैं और कहेगा कंपैरेटिव डिग्री क्या है तो आप बता देना जहाँ दो लोगों की तुलना आपस में की जाती है ठीक है जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ाया कि भाई वन वर्सेज एनदर जब दो लोगों की तुलना हम आपस में करते हैं वो हमारी कंपेरिटिव डिग्री होती है तो बच्चे अगर यहाँ देखो कह रहा है कि दिस सिचुएशन इज़ मच सीरियस अब देखिए यहाँ तो कोई तुलना हो ही नहीं रही है यानी ये जो सीरियस है वो आपकी कौन सी डिग्री है आपने का सर पॉजिटिव डिग्री है अब भाई अगर पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम क्या यूज़ करते हैं आपने का सर वेरी का यूज़ करते हैं आपने बहुत बार ये सेंटेंस लिखा होगा सर ही इज़ अ वेरी गुड बॉय क्या आप सभी बच्चों ने यह गौर किया कि आपने क्या कभी यहाँ पे मच लिखा हो ठीक है आप कहोगे सर यहाँ पे हम लोगों ने कभी भी मच नहीं लिखा है हम लोगों ने लिखा है ही इज़ अ वेरी गुड बॉय क्यों क्योंकि जो गुड होती है सर वो पॉजिटिव डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी का यूज़ होता है मच का यूज़ नहीं होता है ठीक है अब देखो भाई यहाँ पे लिखा है राम इज़ वेरी स्ट्रॉगर देन संजय अब यहाँ पे अगर एक बात गौर करें आप सभी लोग तो ये जो स्ट्रॉगर लिखा है आप कहोगे सर ये तो हमारी कंपेरटिव डिग्री है बच्चे पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है <coughs> जिसके लास्ट में ई आर आ जाए या आर ई आ जाए ये हंड्रेड परसेंट तो काम ऐसा नहीं करता है लेकिन आपको नाइन्टी परसेंट तक नाइन्टी फाइव परसेंट तक आपको देखने में ऐसा ही मिल जाएगा जैसे टॉलर है स्ट्रॉगर है ठीक है तो यहाँ कंपेयर टू तो डिग्री के पहले हम क्या यूज़ करेंगे आपने कहा सर इसके पहले मच का यूज़ करेंगे अगर ये बात सारे बच्चों को पल्ले पड़ गई तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है बोबो वाज वेरी रिचर Then अब ये आया है Then उसके पहले है रिचर यानी डिग्री है कंपेरिटिव इसके पहले लगेगा मच तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा आप सभी बच्चों को पता है पहले वाले में आपका आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया सारे बच्चों को ठीक है डन है नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई रूल नंबर अगर हम नाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक समझने लायक बात है कि ये जो वेरी होता है इसका यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले और जो हमारी मच होती है इसका यूज़ करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले आपने इसके पहले जो बात यहाँ पे सीखी जरा गौर करेंगे आपने यहाँ सीखा कि सर पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी का यूज़ होता है और कंपेरटिव डिग्री के पहले मच का यूज़ होता है तो अब आपने बच्चे इसी के आगे ये पढ़ा कि जो हमारी वर्ब की आई फॉर्म होती है वो तो अपने आप में सही है लेकिन जो आई फॉर्म होती है उसके पहले हम वेरी का यूज़ करते हैं जो थर्ड फॉर्म होती है उसके पहले हम मच का यूज़ करते हैं अगर कोई बोले आपसे कि आईएनजी फॉर्म क्या होती है तो आप कहोगे इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं टेक्निकल टर्म में और ये हम कहें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है तो आपने कहा सर इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ठीक है जैसे मैंने आपसे कहा हिज परफॉर्मेंस ठीक है हिज परफॉर्मेंस इज अब मैं कहूं कि यहां क्या होगा और आगे मैंने लिखा इंस्पायरिंग ठीक है मैंने क्या लिख दिया बच्चे इंस्पायरिंग अब अगर मैं आप सभी बच्चों से ये पूछने की कोशिश करूं जरा मुझे बताइए यहाँ पे वेरी होगा या मच होगा तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पे आपने इंस्पायरिंग लिखा हुआ है और ये जो इंस्पायरिंग है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जिसको आपने कहा इसको टेक्निकली हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं ठीक है और इसके पहले हम क्या यूज करते हैं आपने कहा सर इसके पहले हम वेरी का यूज करते हैं ठीक है अब देखो जी यहाँ तक पहले बता देंगे सारे बच्चे क्लियर हो गया ठीक है यहां पे सारे बच्चे बता देंगे क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को ठीक है अब देखो बच्चे अब नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा वी आर मैंने यहां पे लिखा इंस्पायर्ड विद हिज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ठीक है अब यहाँ पे जरा गौर करेंगे सारे बच्चे में लिखा वी आर इंस्पायर्ड विद हिज परफॉर्मेंस तो बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पे जो आपने लिखा है दैट इज़ इंस्पायर्ड और इंस्पायर्ड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म जिसको आपने टेक्निकली बोला अगर आप बोलना चाहें तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल के पहले हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मच का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मच इंस्पायर्ड हो जाएगा वहाँ पे वेरी इंस्पायरिंग हो जाएगा अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसे देता है एस एस सी का क्वेश्चन है ये लिखा है हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड तो सारे बच्चे यहाँ पे गौर करेंगे ये जो एडमायर्ड है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म है यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है इसके पहले वेरी का यूज नहीं होगा इसके पहले मच का यूज़ होगा यानी जो आपका एरर वाला पार्ट है वो किस में है पहले में है ठीक है क्लियर है आगे देखेंगे अब भाई ये देखिए बहुत आसान है लेकिन बच्चे इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा ये जो रूल नंबर टेन में जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं सारे के सारे वर्ड्स आप बच्चों को याद करने हैं सारे के सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं जैसे एक बार मैं पढ़ता हूँ जैसे ये आपका सी है टेस्ट है स्मेल है हीयर है लुक है सीम है अपीयर है थिंक है नो no है मीन है माइंड है कॉन्टेन है पॉजेस है डिजायर हेट अग्री यहाँ पे बच्चे कंप्राइज लिखा है बिलोंग है have है ओन है सपोज है रिमेम्बर कंसिस्ट ट्रस्ट बिलीव लाइक डिसलाइक लव इमेजिन और विस अब इसमें देखो करना क्या है आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ जैसे मैंने कहा आई एम नोइंग यू ठीक है मैं तुम्हें जान रहा हूँ जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा ही इज लाइकिंग हर ठीक है मैंने यह लिख दिया ही इज लाइकिंग हर अब देखो ये दोनों सेंटेंस को अब जैसे एक मैं और लिखूं आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड ठीक है अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे आप गौर करेंगे एक्चुअली ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ब्स जो है वो स्टेट बताते हैं क्या बताते हैं स्टेट अब बच्चा कहेगा सर ये स्टेट क्या होता है मैंने कहा कि ये सब स्टेट को हिंदी में बोलते हैं भाई अवस्था अब लड़का कहेगा ठीक है अगर देखिए मैंने अवस्था सही नहीं लिखी होगी तो आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा ठीक है अब वो कहेगा सर स्टेट मतलब आपने कह दिया अवस्था ये तो वही बात हो गई कि आपने कह दिया बॉय मतलब लड़का गर्ल मतलब लड़की तो आप इसको थोड़ा टेक्निकली समझाओ हम लोगों को कि आप कहना क्या चाहते हो हमने कहा ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो जिनके अंदर एक्शन नहीं होता मतलब बच्चे इनके अंदर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता ठीक है अब जैसे अगर मैं एक्शन की बात करूं आप लोगों से गौर से सुनिएगा जैसे हमारी कुछ एक्शन वर्ब होती हैं एक्शन वर्ब जैसे आपकी क्या हो गई जैसे आपका प्ले हो गया आपका रीड हो गया आपका वाच हो गया ठीक है तो ये एटसेट्रा ये जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं इनका आप कंटिन्यूस फॉर्म बना सकते हो आप इनका कंटिन्यूस फॉर्म बना सकते हो जैसे कहने का मतलब ये हुआ मैंने आपसे कहा कि ही इज रीडिंग अ बुक ठीक है ही इज़ रीडिंग अ बुक वह एक किताब पढ़ रहा है तो आपने देखा कि जो रीड है वो कैसी वर्ब है आपने कहा सर ये तो एक्शन वर्ब है एक्शन वर्ब को हम क्या करते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में बनाते हैं ज़रा फिर से मेरी बात को गौर करिएगा आपने कहा सर जो हमारी एक्शन वर्ब होती है उसको हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में बनाते हैं ठीक है कंटिन्यूस फॉर्म बनाते हैं लेकिन ऐसी वर्ब जिन जो स्टेट बताती हैं यानी जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है बच्चे उनका कंटिन्यूस फॉर्म कभी भी नहीं बनता तो यहां पे हमने लिखा आई एम आपने कहा नोइंग यू नहीं होगा सर यहाँ पे हो जाएगा आई नो यू ही इज लाइकिंग हर नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा ही लाइक सर और यहाँ पे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा यहां पे आपको लिखना पड़ेगा आई डोंट अंडर स्टैंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वर्ड एक बार आप सारे बच्चे मुझे बता देंगे कि, कि आप लोगों को क्लियर हो गया ठीक है यहाँ तक सारे बच्चे समझ पाए कि भाई ये जो हमारे वर्ब्स लिखे गए हैं ये स्टेट बताती है स्टेट मतलब जिनके अंदर एक्शन नहीं होता और जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं तो उनको हम भाई कभी भी उनकी आई फॉर्म जो है नहीं बनाते हैं लेकिन वो वर्ब्स जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं उनकी आईएनजी फॉर्म बनाई जा सकती है लेकिन इनकी नहीं बनाई जा सकती जैसे मैंने कहा आई एम नॉट मीनिंग दिस तो बता है ये तो गलत है भाई यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा आई डोंट मीन दिस जैसे यहाँ लिखा ही इज़ नॉट नोइंग यू यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ही डज नॉट नो ही डज नॉट नो मी ठीक है ही डज नॉट नो मी क्लियर हो गया सारे बच्चों को यहाँ पे ठीक है क्लियर है <coughs> चलो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे अगला रूल जो है हमारे सामने नेक्स्ट देखिएगा अच्छा पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए जो एस एस सी सीजीएल में इसी से संबंधित पूछा गया द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दिस डेज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर बच्चे एक बात बताओ अभी जस्ट तुमने देखा ये जो बिलोंगिंग है यहाँ पे तो ये होगा नहीं क्योंकि ये तो स्टेटिव वर्ब है ये अवस्था बताती इसमें कोई एक्शन तो होता नहीं यहाँ पे क्या लिख लेंगे सारे बच्चे आपने कहा सर यहाँ पे बिलोंग्स लिख लेंगे तो द स्कूटर दैट एम यूजिंग दिस डेज बिलोंग्स टू माई ब्रदर ठीक है क्लियर हो गई सारी बात बच्चों को आपने ये भी देख लिया चलो <coughs> रूल नंबर एलेवन पे आपको पता है रूल नंबर एलेवन पता नहीं कितनी बार जब मैंने आप सभी लोगों को पी वाई की कराए हैं या जब भी मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं इसमें मैंने कई बार आपको बताया कि इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल मैंने सी पी ओ में भी देखा मैंने सी एच एस एल में भी देखा अब मैंने सी जी एल में भी देखा कि दो हज़ार बाईस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया अब बच्चे देखो इसके अंदर कुछ नहीं है ठीक है मैंने आपको पहले भी समझाया है मैं आपको फिर से समझाता हूँ ये है बहुत आसान ये क्यू यू आई ई टी ज़रा गौर करेंगे यहाँ पे ई टी है यहाँ पे टी ई है ठीक है ये जो क्वाइट होता है ये देखो सबसे पहले तो गौर करेंगे ये होती है हमारी एडजेक्टिव ठीक है चलो भाई अब कहेगा बच्चा ये क्या होती है मैंने कहा ये होती है आपकी एडवर्ब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है सर इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एडवर्ब है अच्छा इसका मतलब क्या होता है मैंने कहा इसका मतलब होता है साइलेंट ठीक है यानी चुप बस ऐसे याद कर लीजिए जिसके लास्ट में आपको ये दिख जाए ई टी वाला दिख जाए क्वाइट में इसका मतलब साइलेंट होता है आप कहोगे ये क्वाइट क्या होता है सर मैंने कहा इसका मतलब होता है कम्प्लीटली ठीक है कम्प्लीटली यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फुली फुली मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर पूरी तरह से ठीक है पूरी तरह से अब बच्चा कहेगा कि सर दो अगर एग्जाम्पल हो जाए तो ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए तो जैसे आपने देखा होगा जब आप स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो जब आप जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं सी बी एस सी बोर्ड के हैं तो आपकी मैम कहती थी कीप क्वाइट और हमारे यहाँ क्या होता था निकालते थे जूता ले जूता ले चप्पल टीचर मारना शुरू कर देता था और आपको पता है वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर घर पे आपने बताया कि हमें टीचर ने ऐसे मारा घर वाले और मारते थे वो कभी मानते नहीं थे कि हमारा लड़का सही हो सकता उनको लगता है कि टीचर ही सही रहा होगा हमारा लड़का ही गड़बड़ किया होगा कुछ ठीक है तो ऐसी छवि थी गाँव के लड़कों की तो यहाँ पे खैर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको बोला जाता है भाई बेटा कीप क्वाइट ठीक है तो ये जो की, यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ बच्चे ये क्यू है ये Q है ठीक मतलब है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा समझिएगा मतलब शांत रहिए ठीक है अगर एक एग्जाम्पल मैं और लिखूं जैसे मैंने लिखा टू सिचुएशंस आर अब मैं लिखूंगा क्वाइट डिफरेंट क्वाइट डिफरेंट मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों सिचुएशंस है ना वो बिल्कुल अलग हैं बिल्कुल अपोजिट हैं ठीक है पूरी तरीके से अलग हैं अब देखो मेरे भाई यहाँ पे हमने क्यू यू आई टी ई लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्वाइट लिखा है अब एग्जामिनर क्या करता है यहीं पे ये देगा क्यू यू आई ई टी करके दे देगा तो आप सभी लोगों को गौर करना है कि एग्जामिनर आपके साथ कहाँ पर खेलने वाला है किस तरीके से अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई तो आप देखिएगा मेरे भाई यहाँ पे लिखा सी इज क्वाइट अ जेनरस वोमैन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल अच्छा जो लो तो लोग बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उस औरत ने उन लोगों को अच्छा खासा अमाउंट जो है दान किया तो जिसकी वजह से वो बोल रहा है बहुत ही जेनरस वोमेन है वोमेन बच्चे आपका क्या होता है नाउन होता है कैसी औरत है जेनरस है जेनरस मतलब काइंड होता है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब काइंड मतलब दयालु और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है एजेक्टिव है तो अच्छा एक बात बताइए क्या यहाँ पर कहना चाहता है कि क्वाइट जेनरस वोमेन क्या कोई सेंस बनता है Quiet मतलब तो भैया हाँ होता है साइलेंट कहना चाहता है पूरी तरीके से दयालु है मतलब उसके अंदर कोई खोट नहीं है क्योंकि भाई बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको इतना अच्छा खासा अमाउंट उसने डोनेट कर दिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q U I T E ठीक है गौर से समझ लीजिएगा सारे बच्चे यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को है ना तो ये हो जाएगा आपका आंसर डन है चलो बताओ भाई अगला अब भाई मैंने आप लोगों को यह भी कई बार बताया है मैंने कहा था कि देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग सुनते नहीं थे उस टाइम अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आज सुन लीजिए देखिए ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछ दिया गया है मैंने एक बार जो आपको कह दिया ठीक है कि भैया इसे पढ़ लो ये आता है तो बच्चे उसे पढ़ के जाना वो आता है मतलब वो आता है तो मतलब वो आता है ठीक है अब जैसे ये देखो रूल नंबर बारह क्या कह रहा है ध्यान से समझना जब भी कोई सेंटेंस आपका देयर से शुरू होता है तो उसके बाद लगने वाली जो हमारी वर्ब होती है वो डिपेंड करती है नाउन पे यानी जो इस वर्ब के बाद नाउन आता है उसी के अनुसार ये वर्ब लिखी जाती है अब मान लीजिए अगर कोई आपसे ये पूछता है कि सर ऐसा क्यों होता है तो आप उसको ये बताना कि ये जो देयर होता है हम सर इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ठीक है क्या कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और ये जो इसमें होता है ये होता है मेन सब्जेक्ट अच्छा सुनने में भले अरपटा लगे लेकिन सच तो यही है अच्छा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो ये हमारी मेन सब्जेक्ट होता है ये इसको इंट्रोड्यूस करता है ठीक है इसका परिचय कराता है जैसे कहने का मतलब अगर आप एक कपड़े की दुकान में जाते हैं तो उस कपड़े की दुकान में कपड़ा वपड़ा पहना करके एक ऐसे डमी खड़ा कर दिया जाता है या तो इस पोज में खड़ा कर दिया जाएगा या इस पोज में खड़ा कर किसी पोज में उसको खड़ा कर दीजिए उसका कोई मतलब नहीं होता वो दुकान में ऐसे पड़ा है चाहे उसको चीर दीजिए फाड़ दीजिए फेंक दीजिए तो थप्पड़ मार दीजिए क्या फ़र्क पड़ता है

ठीक है अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट वो प्लुरल है तो वर हो गया जैसे हम लोग लिखते हैं कभी कभी आपने गौर किया होगा कि देयर आर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल तो आप जरा गौर करिए यहाँ पे जो आपका मेनली सब्जेक्ट है ना वो कौन है मेनी बुक्स ये और आपका ये देखो प्लूरल में है गौर करिए ये प्लूरल में है तो इसलिए आर हो गया ये भी टू किंग्स यानी प्लूरल में था इसलिए वर हो गया ये देखिए आपका सिंगुलर था इसलिए वाज हो गया तो कहना बस ये चाहता हूं मैं कि जब भी कोई सेंटेंस आपका देयर से शुरू हो तो इसके बाद लगने वाला वर्ब डिपेंड इस नाउन पर करता है तो बस देख लीजिएगा अगर ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर अगर ये प्लूरल तो ये हो जाएगा प्लूरल ठीक अब क्वेश्चन क्या दिया गया था कि देयर इज मेनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी तो आप जरा गौर करिए ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है जो मेनी

इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेकिन आपने ये गौर करना है एनफ जो आपका होता है वो एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है ठीक है और एन जो है वो आपका एडवर्ब के तरीके से भी काम करता है अब बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी कि जब सर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से काम करता है तो हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस के अंदर कहाँ पे ये एडजेक्टिव है और कहाँ पे ये एडवर्ब है तो बहुत ही सिंपल है मैंने कहा भाई आप बस इतना देख लीजिए कि बस ये याद रखना है अगर एन का यूज़ आप किसी नाउन के पहले करते हैं तो ये गौर करिएगा ये एजेक्टिव होगा आपका लेकिन कभी भी आप इस बात को गौर करिएगा ठीक है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अगर मेरे भाई आप किसी एजेक्टिव के बाद अगर आप एनफ का यूज़ कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका किसके तरीके से काम करेगा आपने कहा सर एडवर्ब के तरीके से काम करेगा अच्छा लॉजिक भी बहुत सिंपल है लॉजिक ये सिंपल है कि जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव हो गया वर्ब हो गया और दूसरे एडवर्ब हो गए जो उनकी विशेषता बताता है उनको मॉडिफाई करता है वो हमारे एडवर्ब होते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आई हैव टू डू दिस वर्क आई हैव एन अफ टाइम टू टू दिस वर्क तो आप यहाँ पे सारे बच्चे गौर करेंगे कि भाई जो हमने यहाँ पे ये यह टाइम लिखा हुआ है आपने कहा सर टाइम तो हमारा नाउन है नाउन के पहले एन लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया आपने कहा सर ये तो एजेक्टिव हो गया अच्छा दूसरी बात हमें ये समझ लेनी है जैसे मैंने कहा आई ही इज अब देखिये स्ट्रोंग एनफू लिफ्ट दिस बॉक्स टू लिफ्ट दिस बॉक्स ठीक है अब जैसे मैंने कहा कि ही इज स्मार्ट to solve दिस पजल टू सॉल्व दिस पजल अब जरा गौर करिएगा इन सेंटेंसेस के ऊपर आपने बच्चे लिखा ही इज स्ट्रांग स्ट्रांग क्या है सबको पता है भाई एडजेक्टिव है ही इज स्मार्ट स्मार्ट क्या है आपने कहा एजेक्टिव है जो एजेक्टिव के लिए अगर लगा है इनफ तो आप क्या बोलोगे सर ये एडवर्ब है और यहाँ पे भी ये क्या है एडवर्ब है अगर ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई तो आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाएंगे लिखा ही इज़ फास्टर इनफ तो यहाँ पर देखिए फास्टर लिखा है यहाँ पर लिखा है ही इज़ ब्रेवेस्ट इनफ तो बस आपने बच्चे नोट करके एक चीज़ गौर करनी है कि जब भी आप इनफ़ के पहले ये एजेक्टिव लिखते हो ठीक है इतना तो हमें समझ में आ गया कि जब हम एडजेक्टिव लिखते हैं यानी एन एफ के पहले तो ये एडजेक्टिव हमारी क्या होती है एडवर्ब होती है ये बात तो आप सबको पता चल गई लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे ये जो एडजेक्टिव आप लिखोगे ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा हमेशा किस डिग्री में होगा आपने कहा सर पॉजिटिव डिग्री में होगा यानी अगर मैं यहीं पर स्ट्रोंग की जगह पर अगर मैं आपसे ये कहूँ स्ट्रोंगर लिखूँ तो ध्यान रखेंगे गलत हो जाएगा क्या मैं यहाँ पे स्ट्रोंगेस्ट लिखूँ तो आप कहोगे सर ये गलत हो जाएगा यानी हम कभी भी सुपर लेटिव डिग्री या हम कभी भी कंपेरिटिव डिग्री नहीं लिखेंगे हम जब भी लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो आप यहाँ पे जरा गौर करिएगा फास्टर नहीं होगा यहाँ पे फास्ट होगा चलो ये तो समझ में आ गया कि भैया ये एडवर्ब है लेकिन ये गौर करिए इसके पहले जो एडजेक्टिव लिख रहे हैं वो कौन सी डिग्री में होगा आपने कहा पॉजिटिव डिग्री और यहाँ पे ब्रेवेस्ट नहीं होगा सुपर लेटिव डिग्री नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रेव तो ये हो जाएगा आपका ही इज़ ब्रेव इनफ टू बी सेलेक्टेड फॉर एनडीए ही इज़ फास्ट इनफीफीट यू इज इट क्लियर सारे बच्चों को सर आपकी पीडीएफ बहुत एमबी में हो जाती है ऐसा क्यों बच्चे जब पीडीएफ आपको बिना एक्सप्लानीशन के दी जाती है तो वो के में जाएगी अभी जब मैं इसको पी डी दूंगा जिसमें सब लिखा लिखा जाएगा तो ये एम में जाएगी तो इतना तो थो, थोड़ा मैनेज करो ना यार मेरे भाई ठीक है समझ में आ गया सारे बच्चों को चाय पानी हो गया आप लोगों का अभी तो एक घंटा हुआ है अभी हम लंबा जाएंगे अभी तेरह रूल हमारे हुए हैं ठीक है रूल नंबर बच्चे फोर्टीन में आते हैं रूल नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से सारे बच्चे ठीक है कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं है एक लड़का कह रहा सर वंस मोर ठीक है अच्छा भाई वंस मोर में बच्चे कुछ नहीं है मुन्ना आप ये देखो एनफ क्या होता है ये एडजेक्टिव भी होता है ये एडवर्ब भी होता है ठीक एडजेक्टिव होता है जो नाउन प्रो नाउन की विशेषता बताए एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए अब ये देखिए बस अगर एनफ नाउन के पहले आता है तो एडजेक्टिव अगर मान लीजिए एनफ एडजेक्टिव के बाद आता है तो एडवर्ब बस बच्चे इस बात को ध्यान रखो कि हमेशा क्वेश्चन में क्या दे का यहाँ पॉजिटिव डिग्री देगा ठीक है और उसके बाद enough लिखा जाना चाहिए लेकिन एग्जामिनेशन में अलग डिग्री दे देगा दे जैसे स्ट्रांगर दे देगा स्ट्रोंगेस्ट दे देगा दे 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 ये सब दे देगा दे ठीक है हो गया चलिए अब आगे बढ़ेंगे भाई यहाँ आते हैं देखिए रूल नंबर फोर्टीन में क्या कहना चाहता था ये डिनाई फॉरबिड अनलेस अनटिल अनिसस्ट हार्डली स्कासली रेयरली सेल्डम मैंने कहा इनके बाद आप गौर करिएगा कभी भी हम नॉट या नेवर का यूज़ नहीं करते हैं कभी भी नहीं करेंगे अच्छा रीज़न क्या है भैया ये अगर हम डिनाई की बात करें तो डिनाई आपका क्या है डिनाई हो गया फॉरबिड हो गया अनलेस हो गया ये सब नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं ठीक है ये सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं ये कैसी मीनिंग कन्वे करते हैं आपने कहा ये सारे के सारे नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं अगर ये सारे के सारे नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं तो इनके साथ आप कभी भी नॉट या नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल एक दो examples, इस बात को मैं समझा देता हूं जैसे मैंने आप लोगों से कहा अनलेस यू डोंट टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ अब भाई एक चीज का थोड़ा गौर करिए आप सभी लोग यहाँ पे बस आपको इतना समझना है इस रूल के अंदर कि ये जो अनलेस है ठीक है अनलेस कैसी मीनिंग कन्वे करता है आपने कहा सर नेगेटिव कहने का मतलब अनलेस का मतलब होता है भैया इफ नॉट जरा इसकी मीनिंग गौर से देखिए इसके मीनिंग में ही नॉट आया है यानी जब ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है तो इसके साथ कभी भी हम नो no हो गया नेवर हो गया नॉट हो गया डोंट हो गया इनका प्रयोग ही नहीं करेंगे ठीक है तो हम लिखेंगे अनलेस यू टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ ठीक है अब जैसे कहने का मतलब ये हुआ बच्चे मैंने आपसे एक और बोला कि बारकिंग डॉक्स डोन्ट सेल्डम बाइट ठीक है अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे सारे बच्चे लिखा मैंने dogs don't bite. अब यहाँ पे आपने लिख दिया है भाई का का मतलब मतलब क्या होता है? का मतलब होता है है ऑलमोस्ट नॉट लगभग ना के बराबर लोग इसकी मीनिंग हिंदी में निकालते हैं कभी कभार ये सब मत करना आप सभी लोग इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे लिखना है आपने कि ऑलमोस्ट नॉट ठीक है मतलब भाई अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे नॉट आया है कैसी मीनिंग दे रहा है नेगेटिव मीनिंग दे रहा है बच्चे का नेगेटिव मीनिंग दे रहा है यहाँ डोंट हटा दो इसको लिखो barking dogs seldom bite आगे बात समझ में अब देखो जैसे मैंने लिखा आई कुड नॉट हार्डली हियर ठीक है आई कुड नॉट हार्डली हियर हर आई कुड नॉट हार्डली हियर हर मतलब मैं उसे बहुत मुश्किल से ही सुन सका अब यहाँ पे गौर करेंगे ये जो वर्ड हार्डली लिखा हुआ है हार्डली तो नेगेटिव मीनिंग देता है अगर ये नेगेटिव मीनिंग देता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस नॉट को हटा देंगे और सेंटेंस हमारा बच्चे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा ठीक है कि हम सर ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है तो यहाँ पर जरा गौर करेंगे आप सभी लोग यहाँ पर लिखा है आई फॉरबिड यू टू नॉट मैरी हिम फॉरबिड हमारी खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है तो यहाँ नॉट हटा लीजिए लिखिए आई फॉरबिड यू टू मैरीक्स्ट मतलब है है यानी ये खुदी नेगेटिव मीनिंग करता है, तो इसके साथ यहाँ पे जो नॉट लगा है वो गलत हो जाएगा he denied that he had stolen 20 यहाँ पे देखिए अनलेस मैंने अभी आपको बताया कि ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है तो इसके साथ हमने जो ये डोंट लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए तो हो जाएगा अनलेस ही कॉल मी आई विल नॉट गो देर अब बच्चे यहाँ पे अनलेस के बाद ही आया है अब यहाँ पे कॉल नहीं यहाँ पे बस आपको क्या करना पड़ेगा कॉल्स ठीक है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी ऐसे आई एस लगा दीजिए दैट इट ठीक है क्लियर हुआ हाँ इसको आप लोग सुपरफ्लूस भी बोल सकते हैं ठीक है जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या एग्जिट के साथ आउट लगाते हैं नहीं आप क्या रिटर्न के साथ भाई कभी आप बैक लगाते हैं नहीं लगाते क्यों नहीं लगाते आप कहोगे सर रिटर्न मतलब भी वापस बैक मतलब भी वापस एग्जिट मतलब बाहर आउट मतलब भी बाहर तो ये सुपरफ्लूस होता है तो उसको आप उसी तरीके से ले सकते हैं कि ये सुपरफ्लूस हैं इनके साथ आप ये वर्ड का यूज़ नहीं करोगे ठीक है चलिए ये जो विस्की तुम बता रहे हो ना कि हार्डली इस कासली के साथ वेन या इन्वर्जन होगा बच्चे वो आगे पढ़ा ठीक है, no sooner के साथ दें, वो अलग ये अलग है वो अलग है यहाँ पे बस आपको ये सीखना है कि इनके साथ हम सर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे आप लोग ना अपने फोकस लाइन जो है ना उसी पर उससे भटकिए मत बिल्कुल भी ठीक है मैंने आपसे क्या बोला था शुरू में ही मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि आपने भटकना नहीं है ठीक है इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा भटकिएगा मत अपने लाइन से जैसे बच्चे यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि टू कंपेरिटिव एंड सुपर लेटिव डिग्री नेवर कम टूगेदर कहने का मतलब ये है कि आप दो कम्पेरेटिव डिग्री और दो सुपर लेटिव डिग्री कभी एक साथ नहीं लिखोगे और ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बहुत आसान बहुत पूछे जाने वाला ये कंसेप्ट है जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि राम इज मोर स्ट्रोंगर देन कमल अब मैंने ये लिख दिया राम इज मोर स्ट्रोंगर देन कमल अब आप एक बात गौर करिए यहाँ पे कि हमने भाई यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर लिख रखा है जो कि कंपेरटिव डिग्री है तो आपने मोर भी लिख दिया ये भी आपका सुपर फ्लूस वाली कैटेगरी में आता है कि एक साथ हम दो कंपेरिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे किसी भी हाल में ठीक है अब देखो जैसे मैंने ये लिखा कमल इज द मोस्ट टॉलेस्ट पर्सन ऑफ ऑल अब एक चीज देखिए आप लोग यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है ये लिखा है टॉलेस्ट दैट इज सुपर लेटू डिग्री जब आपने सुपर लेटू डिग्री लिखी दिया है तो यहाँ मोस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है दो सुपर लेटू डिग्री एक साथ नहीं होगा यहाँ पे दो कंपेरटिव डिग्री एक साथ नहीं होगा और ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारी सुपर लेटू डिग्री होती है उसके पहले द तो आपको लिखना ही लिखना है ठीक है क्लियर हो गया अब देखिए जी अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज गौर करिएगा आप सभी लोग कि लिखा है जय इज द मोस्ट टॉलिस्ट मैन ऑफ दिस ऑफिस तो भाई यहां पे देखें टॉलेस्ट जो है वो आपकी सुपर लेटू डिग्री है अगर ये आपकी सुपर लेटू डिग्री है तो ये मोस्ट क्यों लगेगा इसको हटा दीजिए ही इज मोर बेटर देन हिज ब्रदर अब अच्छे ध्यान से देखो यहाँ हम कंपेरिजन कर रहे हैं कंपेरिजन के लिए हमने कंपेरटि डिग्री लिख रखी है तो कंपेरटिव डिग्री के लिए यहाँ मोर लगाने की कोई जरूरत है नहीं है ठीक है सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं मैसेज का मैसेज का मैं कहाँ मैसेज किया आपने अच्छा यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हो अच्छा एक बात बताइए मैंने एक बार आप लोगों से बोला था ये बात अच्छा जैसे देखिए मैं टीचर हूँ और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ अब जरा गौर करिए आप लोग थोड़ा लॉजिकल बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि लॉजिकल बात अगर कल्पना ये है अब ये देखो मेरी तुम्हें यहाँ आँखें दिख रही हैं कल्पना अगर देखो कोई आँखें वाँखें हैं पीछे यहाँ पे दो चार एक भी होता तो भी हम काम चला लेते एक नहीं होता आधा भी होता हम तो भी काम चला लेते आधा भी दिख रहा है नहीं दिख रहा अब है क्या कल्पना देखो हंड्रेड रूल्स हम लोगों को पढ़ाने हैं ठीक है हंड्रेड रूल्स पढ़ाने में बच्चे टाइम लगेगा अब मुझे लग रहा है कमेंट में ऐसा तो कुछ खास है नहीं कि कमेंट अगर मैं नहीं देखूंगा तो सरकार गिर जाएगी बीजेपी की तो बीजेपी की सरकार तो बनी है अगर मान लो मेरे देखने से बीजेपी की सरकार बरकरार रहे या गिरे ना तो मैं देख लूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है ठीक है दिल पे मत लेना बस मैं बता रहा हूं तुम तो लोग को मुझे ऐसा लगता है जब मैं पढ़ा लेता हूं देखता हूं मुझे लगता है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट है तो रिप्लाई कर देता हूँ नहीं होता है तो कोई बात नहीं ठीक है तो कहने का मतलब ये है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं चलो यहां पे देखो सुबह <coughs> सुबह सर उनकी याद आ रही है ओ गॉड क्या बताएं <coughs> देखो पढ़ लो उनकी यादें तो आती रहेगी यादों से ओवरकम करने के लिए सफलता किसी ने कही थी कि भाई कि अगर आपको किसी से रिवेंज लेना है किसी से बदला लेना है तो ज़िंदगी में सफल हो जाइए उससे बड़ा कोई रिवेंज नहीं होता आप सोचिए कि जाके गलियों में छेड़ देंगे परेशान कर देंगे कॉल करके कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे वो आप अपनी ही ओहदे को गिरा लेंगे जो भी है है ना तो आप क्या करिए कि सफल हो जाइए और सफलता के साथ आप जवाब दीजिए वो सबसे बड़ा है हाय दिमाग में कैसे ले सर आप तो दिल में आते ओ गाडाड चलो भाई ना तो ऐसे ऐसे बातें कर देते हैं ना मैं क्या ही बोलू ठीक है अब देखो ये बड़ा प्यारा आ गया है भाई देखो बच्चे ना कुछ मत करना मैं कह रहा हूं, कुछ मत पढ़ो ठीक है कुछ मत पढ़ लो ये सब मत पढ़ो बस इसको ध्यान से देखो ठीक है और मैं एक चीज लिख रहा हूं उसको देखो जैसे मैंने कहा डॉक्टर कलाम यही देखोगे सबको यही समझ में आएगा गौर देखना डॉक्टर कलाम वाज अ ग्रेट पर्सन एंड अ रिनाउंड साइंटिस्ट मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर आप लोग ही बताओगे आप लोग ही मेरे साथ इसको पढ़ के आंसर बताओगे ठीक है जैसे मैंने कहा मोहन इज द रिचेस्ट एंड द नॉबलेस्ट पर्सन इन दिस सिटी ठीक है मैंने क्या बोला मैं कुछ नहीं करूंगा जो करेंगे वो आप करेंगे ठीक है मैं सिर्फ देखूंगा अब जैसे देखो भैया डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट पर्सन एंड अ रिनाउम्ड साइंटिस्ट बच्चे एक बात बताओ ये जो मैंने ग्रेट पर्सन लिखा हुआ है ठीक है और ये जो मैंने साइंटिस्ट लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है आप कहोगे कि सर ये जो आपने पर्सन लिखा हुआ है और जो ये आपने साइंटिस्ट लिखा हुआ है ये दोनों ही चीज़ें आपने डॉक्टर कलाम के लिए ही लिख रखी हैं ये दोनों बातें सर ये दोनों ही बातें आपने इनके लिए लिख रखी है कलाम जी के लिए लिख रखी है बच्चे एक बात बताओ जब ये दोनों ही बातें मैंने इनके लिए ही लिख रखी है तो देखो ये क्या ज़रूरत है यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ देने का एक आर्टिकल यहाँ देने का कहने का मतलब यही आर्टिकल से दोनों का काम चल जाएगा तो ऐसे गलती आपके एग्ज़ाम में देगा अब जैसे मैं आपसे पूछूं मोहन इज द रिचेस्ट एंड द नॉबलेस्ट पर्सन इन दिस सिटी तो अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि भाई ये जो हमने नॉबलेस्ट लिखा हुआ है ठीक है ये हमने जो रिचेस्ट लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है आपने कहा कि सर ये जो मोहन है ना मोहन यही सबसे अमीर भी है और यही सबसे नॉबलेस्ट भी है दोनों आपने एक ही व्यक्ति के लिए लिख रखा है दो अलग अलग व्यक्ति ही नहीं है जब दोनों व्यक्ति के लिए है मतलब एक ही व्यक्ति के लिए दोनों है तो बच्चे यहाँ द लिखने की कोई जरूरत नहीं है एक द दोनों के लिए यूज हो जाएगा तो ये हो जाएगा मोहन इज द रिचेस्ट एंड नॉबलेस्ट पर्सन इन दिस सिटी पहले एक बार बता देंगे सारे बच्चे को क्लियर हो गई ये बात सब लोग जैसे आंसर दे रहे हैं मतलब बिल्कुल बात क्लियर है तो यहाँ देखो भाई गांधी जी वॉज नॉबलिस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स कह रहा जितने भी लीडर्स थे सब में से जो अपने गांधी जी हैं वो सबसे नॉबलिस्ट और वाइजेस्ट तो बच्चे गौर करिएगा ये जो डिग्री है सुपर लेटिव है क्योंकि देखो ये वन वर्सेज ऑल है ना कह रहा है कि एक तरफ जितने भी लीडर्स थे उनमें से ये गांधी जी जो अपने सबसे नॉबलेस्ट और क्या हैं आपने कहा वाइजेस्ट है तो अब यहां पे गौर करिएगा जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले द का यूज करते हैं सबसे पहले तो यहां पे द लिख दीजिएगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दूसरी बात अब यहां पे देखिए नॉबलेस्ट है तो यहाँ वाइजर नहीं होगा यहां आप क्या लिख देंगे वाइजेस्ट लिख देंगे ठीक है अब ये बात अपने आप में सही हो गई कि गांधी जी वॉज द नॉबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स अगला ही वॉज टॉलर एंड फैटेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल अब कह रहा इस स्कूल का ये जो लड़का है वो सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा मोटा है यानी जितने भी बच्चे हैं जितने भी बच्चे हैं स्कूल के ठीक है उसमें से ये इकलौता ऐसा बंदा है लड़का है जो सबसे ज़्यादा मोटा है सबसे ज़्यादा लंबा है तो बच्चे यहाँ पे भी देखो वन वर्सेस ऑल वाली कहानी चल रही है ऑल ये वन यानी सुपर डिग्री तो इधर तो फैटेस्ट है इधर एक तो पहले लिख दो टॉलेस्ट ठीक है और टॉलेस्ट के पहले लगा दो द क्योंकि सुपर लेट्यू डिग्री के पहले द लगेगा तो ही जा, हो जाएगा ही वॉज़ द टॉलेस्ट एंड फैटेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्लियर हो गया क्या बात है बहुत बढ़िया भाई खुशबू परिहार साथ में आर्यन सिंह ठीक है साथ में नाम ले लिया बच्चे तो ऐसा फूल के फट नहीं जाना है ये फ्लो फ्लो में आ गया इसको दिल पे मत लेना ठीक है ये मात्र एक संयोग था इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है एक बार सारे बच्चे बता देंगे बात समझ में आ गई सारे बच्चों को ठीक है और भाई अभी भी कितने कम बच्चे हो एक बार दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए मैं भी एक बार अपनी तरफ से शेयर कर देता हूँ लाइक कर देता हूँ और आप लोग भी एक बार जरा कर दीजिए ठीक है अब आपका टीचर देखिए सुबह सुबह आया है मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को जो है रहम खाने की ज़रूरत है और यहाँ पे एक बार दबा के लाइक और शेयर करने की ज़रूरत है ठीक है तो यहाँ पे भाई आ जाओ सब मैंने ये देखिए लिख के भेज दिया आ जाओ सब लोग है ना मैं पता लिखते टाइम भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता हूँ कि भाई लड़कों को बुरा ना लगे ठीक है जैसे मैं कहा आ जाओ तो उनको लगेगा हैं ऑर्डर दे रहे हैं क्या प्यार से बुलाइए फिर हम आएंगे ठीक है चलिए अब भाई नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे रूल नंबर हमारा सत्रह है रूल नंबर सत्रह बहुत आसान है ये क्या कह रहा है सुपीरियर इंफीरियर सीनियर जूनियर प्रायर एंटीरियर पोस्टीरियर इसके बाद हम क्या यूज करते हैं टू ये तो सबको पता होता है जैसे मैंने कहा राम इज सीनियर देन कमल एग्जाम में बच्चे ऐसे दे देगा जहां पे टू लिखना चाहिए ना वहां क्या दे देगा कमल दे देगा ठीक है तो यहां पे, देन नहीं यहां पे क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक जाए देन देन है आपने बस इतनी चीज गौर कर लीजिए ये सुपीरियर है इंफीरियर है सीनियर है जूनियर है प्रायर है इंटीरियर है पोस्टीरियर है इसके बाद हम टू का यूज करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन जो है आपका देन लिख करके देता है ठीक है जैसे ये देखो बच्ची ने लिखा जय सर इस सीनियर टू अस बिल्कुल सही है सीनियर के बाद टू लगेगा ठीक है प्रेफर एंड प्रेफरेबल के बाद टू आता है एग्जाम में लेकिन देगा क्या देन जैसे मैंने कहा टी इज प्रेफरेबल देन कॉफी ठीक है अब जैसे मैंने लिखा आई प्रेफर कॉफी दैन टी और एक बात और गौर कर लीजिएगा आप लोग ठीक है कॉफी इज मोर प्रेफरेबल दैन टी ठीक है ऐसे क्वेश्चन देता है अब जरा गौर करिएगा सारे लोग मैंने कहा टी इज प्रेफरेबल देन कॉफी सारे बच्चों को पता है सर प्रेफरेबल अपने बात क्या लेता है टू लेता है देन नहीं आएगा तो एग्जामिनेशन में कैसे करके देगा ठीक है यहाँ पे टू आई प्रेफर कॉफी देन टी है ना अब यहाँ पे जरा देखिएगा ये हमारा प्रेफर है प्रेफर अपने बात देन नहीं लेता है प्रेफर अपने बात क्या लेता है टू आगे देखेंगे कॉफी इज मोर प्रेफरेबल देन अब बच्चे यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है पहली बात तो जो प्रेफरेबल है अपने बात दैन नहीं लेता है प्रेफरेबल अपने बात टू लेगा लेकिन दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा नोट करके सारे बच्चे ध्यान देंगे ये जो आपका प्रेफरेबल होता है प्रेफरेबल है ना ये एक्चुअली कंपैरेटिव डिग्री होती है यानी ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंस कन्वे करता है तो इसके साथ आप गौर करेंगे कभी भी मोर का यूज नहीं करेंगे ये बात भी आप सभी लोगों को ध्यान होनी चाहिए तो यहां पे इस मोर को हटा दीजिएगा हो, हो जाएगा कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी हो जाएगा ठीक है आगे बात समझ में सारे बच्चों को सर क्लास कब तक चलेगी मी सर प्लीज आप अगर आए होंगे सोएब मलिक ठीक है तो सानिया मिर्जा जी से एक बार ये बोल दीजिए आप लोग कि थोड़ा सा आप सब्र करें आज के लिए क्योंकि आज की क्लास जो है वो दस घंटे तक चलने वाली है क्योंकि बच्चे अभी हम रूल नंबर अट्ठारह कर लिए हैं अब बाकी के जो हमारे रूल्स हैं हम उसको निपटाएंगे ठीक है अब देखो अब धीरे धीरे हम अब ना ये दो तीन रूल के बाद हम एडवांस लेवल पे जंप मारने वाले हैं ठीक है <laughs> हम लोग अब एडवांस लेवल पे भाई जंप मारने वाले हैं बेसिक धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं जैसे बच्चे क्या है अवॉइड यूजिंग बैक विद दिस वर्ड्स अब देखो क्या है कि ये जो वर्ड्स है ना जैसे रिसीड है रिटर्न है रिट्रीट है विदड्रॉ है रिकॉल है रिम्बर्स है इनके साथ आप कभी भी ध्यान देंगे बैक का यूज़ आप नहीं करोगे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था सुपर फ्लूस मैंने उसमें ये बताया था आप सभी लोगों को भाई क्या एग्जिट के साथ हम आउट का यूज़ करते हैं नहीं करते हैं ठीक है थेके? क्योंकि इसके मतलब भी वही होता है इसके मतलब

उसका मतलब होता ही है पॉसिबिलिटी यानी मे पॉसिबल का मीनिंग कन्वे करता है तो उसके साथ पॉसिबल नहीं होगा कैन जो है एबिलिटी बताती है तो उसके साथ एबल नहीं होगा उसी तरीके से बच्चे ये देखो रिटर्न के साथ बैक नहीं होगा यू विल बी रिम्बर्स बैक फॉर योर एक्सपेंसेस रिम्बर्स मतलब ही होता है किसी को पेमेंट करना पे आउट करना तो उसके साथ बैक नहीं होगा द आर्मी हैज बिन ऑर्डर टू रिट्रीट रिट्रीट मतलब होता ही है पीछे हट जाना विदड्रॉ कर लेना बैक नहीं होगा रिकॉल लिखा हुआ री री से ही रिटर्न वाला सेंस निकल रहा है तो इसके साथ बैक नहीं होगा ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे बहुत आसान है बहुत ईजी है ठीक है चलो भाई क्लियर है आगे देखेंगे अवॉइड यूजिंग मोर एंड मोस्ट विद दिस वर्ड्स बस ये बात भी बच्चे आप लोगों को अपने जहन में याद रखनी है जहन में ये याद रखनी है इसको याद कर लेंगे जैसे ये आपका इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टीरियर मेजर माइनर एम्पटी एक्सीलेंट सर कुलर एक्सट्रीम स्क्वेर राउंड यूनिवर्सल यूनिक लास्ट फाइनल परफेक्ट कंप्लीट एंटायर चीफ ट्रैंगुलर इटरनल, एवरलास्टिंग आइडियल अपसल्यूट इंपॉसिबल और सुप्रीम इनके साथ आप कभी भी मोर और मोस्ट का यूज नहीं करिएगा बस इस बात को ध्यान रखिएगा ये सब बहुत आसान होते हैं इसमें कोई कंसेप्ट समझने समझाने लायक नहीं बस इसको याद रखना आप सभी बच्चे इसमें गलती नहीं होनी चाहिए जैसे ऐसे क्वेश्चन देगा मोर यूनिक लिख देगा मोर हटा दो मोर रेक्टेंगुलर लिख देगा मोर हटा दो यहाँ मोर एब्सोल्यूट लिख देगा मोर हटा दो यहाँ मोस्ट परफेक्ट लिख देगा बच्चे मोस्ट हटा दो तो ये सारे जो रूल्स हैं इनको आपने ध्यान रखना है याद रखना है ठीक है ये सुपर फ्लूअस वाले सारे के सारे हैं ठीक है अब देखो जी एक और सुपरफ्लूस वाला क्वेश्चन है उसके बाद आते हैं अगली कहानी पे जो आप लोगों को बहुत सावधानी के साथ पढ़नी पड़ेगी जैसे डोंट यूज इफ विद द फॉलोइंग वर्ड्स अब देखो बच्चे ये जो सपोज है ये इनकेस है ये जो उड दैट है ये सारे की सारी क्या बताती हैं कंडीशन बताती हैं अगर ये खुद कंडीशन बताती हैं तो इनके साथ आप अगर इफ लगा दोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी गलत मान ली जाएगी ये सुपर फ्लूस हो जाएगा ठीक है अब जैसे लिखा है सपोज इफ वी एंट ब्रॉट आर यहाँ देखिए सपोज खुद ही कंडीशन बता रहा तो इफ की कोई जरूरत नहीं है इन इनकेस इफ यू हैिगर्ड इट आउट लेट मी एक्सप्लेन तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इफ का यूज नहीं करेंगे ठीक है जैसे मैं ये आप लोगों से बोलूं कि सपोज इफ वी मिस द ट्रेन सपोज If we we miss miss the train, miss the train, train, what will we do then? ठीक है, आप कहोगे सर ये बड़ा आसान है आपने जस्ट बताया कि सपोज के साथ इफ की कोई जरूरत नहीं है आगे बच्चे बात समझ में ठीक है अब देखो जी अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है ना अब आप लोग आ जाओ भाई यहाँ पे, ठीक है ये बहुत आसान होते हैं इसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं हु हुम विच को लेकर के आपको कुछ बेसिक बातें बस इसके बारे में जान लेनी है फिर आपको देखो क्वेश्चन लग जाएगा अगर मैं आपसे कहूँ हु ठीक है और बात करता हूँ हुम की तो बस इतना गौर करिए कि ये भी पर्सन के लिए यूज होता है ठीक है और ये भी पर्सन के लिए यूज़ होता है और बेसिक सी बात सारे बच्चों को पता होगी कि ये जो हु है ये सब्जेक्ट को रेफर करता है और पर्सन ये जो है यानी होम जो है ऑब्जेक्ट को रेफर करता है यानी बच्चे सेंटेंस में हमें अगर सब्जेक्ट को रेफर करना है अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में बताना है तो हम हु का यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है तो हम किसका यूज़ करते हैं आपने कहा सर हम होम का, का यूज़ करते हैं ठीक है अब उसी के साथ एक चीज़ और आती है जो कि विच होती है अब विच जो होती है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ की जाती है यानी जो आपके नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके थिंग्स होते हैं अब बात आती है सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको जानना है कहाँ हु लगेगा कहाँ हुम लगेगा कहाँ पर विच लगेगा ठीक है अब पहले आते हैं यहाँ पर लिखा है कामिनी वेलकम्ड द गेस्ट वाज अ प्रोफेसर बच्चे गौर से सेंटेंस को देखना आपने ये बताना है कहाँ पर हु हुम और विच का यूज़ होगा ठीक है अब देखो कामिनी जो है यहां पे आपने कहा सर सब्जेक्ट है जो वेलकम्ड है वो आपकी क्या हो गई आपने कहा सर वर्ब हो गई किसको किया गेस्ट को किया ये आपने कहा सर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है यहाँ पे आपने देखा जो वाज है ये आपकी वर्ब तो है ज़रा गौर करिए इस बात को कि यहाँ पे जो आपने वर्ब लिखा था इसका सब्जेक्ट जो था वो तो कामनी थी लेकिन यहाँ पे जो आपने वर्ब लिखा है इसका सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है आप कहोगे सर ये तो है ये बच्चे इस वर्ब का सब्जेक्ट है लेकिन हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें सब्जेक्ट की है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे हु तो ये हो जाएगा कामनी वेलकम द गेस्ट हु वाज अ प्रोफेसर ठीक अगले की बात करते हैं मोहन मोहन सब्जेक्ट हो गया आइडेंटिफाइड हमारी क्या हो गई वर्ब हो गई द लेडी क्या हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है अब गौर करिएगा ये ये जो थिंक है ये वर्ब है वर्ब इसका सब्जेक्ट क्या है आपने कहा आई है जरा यहां गौर करिए ये जो हैड बीन क्राइंग ये जो हमारी वर्ब लिखी गई है इस वर्ब के लिए हमको रिक्वायरमेंट है भैया सब्जेक्ट की और आप देखिए सब्जेक्ट ही तो नहीं है हमारे पास क्योंकि ये जो हमारी वर्ब है इसका सब्जेक्ट अपने का मोहन ये जो हमारी वर्ब है इसका सब्जेक्ट आई अच्छा ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्ट के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा हु जो इसका सब्जेक्ट होगा उसी तरीके से यहाँ देखिए दुबे हैज गिवन मनी टू हिम अब यहाँ पे देखिए जो हैज गिवन हमारी वर्ब है आपने कहा सर इसका सब्जेक्ट दुबे है ठीक है इसका सब्जेक्ट कौन है दुबे है अब आपने कहा वी फाउंड ये सब्जेक्ट हो गया और इसका वर्ब क्या हो गया? हो गया गया आपने कहा फाउंड अब ये जरा गौर करो बच्चे ये जो इज़ हमारी वर्ब है इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें तो आपने कहा सर इसके लिए तो हमें सब्जेक्ट चाहिए अच्छा अगर सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ क्या लिखो आपने कहा लिखो अब मैंने कहा अगला यहाँ पे अगर गौर करेंगे आप सभी बच्चे तो आप देख पाएंगे कि आई नो ये सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब हो गई है ना यहाँ पे आपने कहा सर हैव रिजेक्टेड जो वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट ये तो वी हो गया मैं कहूंगा भैया अगर एक बात बताओ इसका इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया तो यहां हमको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है बच्चा कहेगा यहां पे सर क्या लिख लो हूं बस यही चीज बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखनी है ठीक है अच्छा विच वाला क्या है जैसे मैंने आपसे कहा दिस इज द बुक Which यू आस्क फॉर यह वही किताब है जिसके लिए तुमने पूछा था ठीक है अब भाई देखो यहाँ पे द बुक आया है आपने कहा जी बिल्कुल आया है बच्चे बुक क्या है आपने कहा सर नॉन लिविंग है अगर मेरे भाई ये नॉन लिविंग है तो इसके साथ आपने क्या यूज़ कर लेना विष यूज कर लेना है बच्चे इसको ध्यान रखना है ना अच्छा जी अब आते हैं भाई रूल नंबर ट्वेंटी थ्री पे ये जो हमारा फाइंड वाला है ये बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कन्फ्यूज होते हैं ठीक है थेके? तो इसका कन्फ्यूजन चलिए सबसे पहले दूर करते हैं एक बार सारे बच्चे बता दीजिए यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को एक बार प्लीज़ यहाँ पे सभी लोग बता देंगे ठीक है बता दीजिए एक बार आप लोग को समझ में आ गया तो पहले अगर समझ में आ गया तो उसको बता दीजिए फिर आगे का हम लोग करेंगे ठीक है अब देखिए इसके बाद ना जो ये कहानी शुरू होती है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा है ना अब धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे क्लियर हो गया सारे बच्चों को यहाँ तक ठीक ओके देखो बच्चे ये क्या है ना फाइंड हमारी वर्ब की पहली फॉर्म होती है फाउंड वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है फाउंड वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है उसी तरीके से फाउंड यहाँ पे पहली है Founded इसकी दूसरी है और ये जो फाउंडेड है ये तीसरी है एक्चुअली ये जो हमारी फाइंड फाउंड और फाउंड होती है है ना ये इसका मतलब होता है टू सर्च ठीक है इसका मतलब क्या होता है टू सर्च जिसको हम लोग कहते हैं ढूंढना क्या बोलते हैं ढूंढना ठीक है ये जो होता है इसका मतलब होता है इस Establish का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना यानी स्थापित करना Establish करना यानी किसी चीज को स्थापित करना ठीक है अच्छा जी अब यहाँ पे देखिएगा गौर से मैंने आपसे एक एग्जाम्पल लिख करके ब, बताने की कोशिश करी कि दे कुड नॉट ठीक है यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड या मैं लिखू फाउंड ठीक है द मिस्टेक ठीक अब यहाँ पे देखिए मैंने अगला लिखा दिस this कंपनी company, this company was अब मैंने यहाँ पे लिखा फाउंड और अगला मैंने यहाँ पे लिखा फाउंडेड फाउंडेड इन सारा बच्चा यहाँ पे बता देगा कहेगा सर ये तो आसान है आप यहाँ पे कह रहे हो मिस्टेक की बात ठीक है तो आप कहोगे सर मिस्टेक हो गई ढूंढने मिस्टेक को बच्चे स्थापित नहीं किया जाता जो मिस्टेक होती है उसको हम ढूंढते हैं तो वो बच्चा कहेगा सर ये हो गया सब्जेक्ट ये हो गई आपकी मॉडल वर्क और नॉट जिनको नहीं पता हो ध्यान देंगे वो होती है हमारी एडवर्ब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है और फाइंड मतलब ढूंढना होता है यहाँ से फाउंड हटा दो और वो कहेगा यहाँ सर आप कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी जो है वो इस्टैब्लिश की जाती है अगर सर कंपनी हमारी इस्टैब्लिश की जाती है तो यहाँ पर हम फाउंडेड का यूज़ करेंगे फाउंड का यूज़ नहीं करेंगे ये हो जाएगा हमारा फाउंडेड सारे बच्चे बता देंगे क्लियर हो गया सभी लोगों को ठीक है यहाँ पर विस्की से लेकर के अदिति लविस लेकर के कृष्णा और कृष्णा से लेकर के अदिति और अदिति से लेकर के प्रीति और कबीर अब जैसे मेरे नाम से अभी देखो मुंह से प्रीति और कबीर निकल गया तो आप जब इस तरीके के मेरे मुंह से चीजें निकल जाए तो आप लोगों ने उसको वास्तविकता नहीं लेना है कि आप अच्छा हो बेखयाली ठीक है बच्चे वहां नहीं जाना है ठीक है अभी हम लोग को बहुत पढ़ना है तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा सारे बच्चों को फोकस करने की जरूरत है ठीक है और एक बात बताइए आप सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है कि नहीं कर लिया है नाश्ता हो गया सारे बच्चों का बताएं भाई ब्रेकफास्ट कर लिया आप लोगों ने नहीं तो आप लोग कहोगे सर पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए आपने एक बार भी पूछा नहीं सर किशन यादव पूछ रहा पी मिलेगी बच्चे देखो जो लोग नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ इंग्लिश बाई जय सर ये ज्वाइन कर लेना सब कुछ मिलेगा यहीं पे है ना यहाँ पे ये देखो लोगो अनकेडमी का बना होगा ये टेलीग्राम चैनल है अपना टेलीग्राम चैनल कर लेना ठीक है अभी तो जगह हैं अच्छा अभी अभी सारे बच्चे जग रहे हैं क्या हम्म सर स्पीड कम करें ठीक है एक बच्चा बोल रहा है सर स्पीड कम करें भाई स्पीड वैसे भी बच्चे बहुत कम है मुझे लग रहा है ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं अब आप लोगों का थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया अब भैया आ जाओ असली कहानी पे अब यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करना शुरू करेंगे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ठीक है उसको आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है और किताबों में प्रॉपरली एक्सप्लनेशन नहीं मिलता इंटरनेट पर ढूंढ के परेशान हो जाते हैं अब ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो भाई अब यहाँ पे क्या लिखा है कि डोंट यूज़ अननेसेसरी कंजंक्शन विद ऑल दो एज बिकॉज एज सुन एज हाउ एवर वाइल या इफ कह रहा है कि इन वर्ड्स के साथ अननेसेसरी कंजंक्शन का यूज़ ना करें अब सारे बच्चे गौर से ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है बच्चे एक बार बता दो कॉपी पेन जो है ठीक है सब लोग निकाल लो अगर नहीं निकाला है अभी तक एक बार कॉपी पेन सारे बच्चे निकाल लेंगे ठीक है बताइए कॉपी पेन एक बार जल्दी यस yes, बोल दीजिए सारे बच्चों ने कॉपी पेन निकाल दिया है कॉपी पेन आपके हाथों में है ठीक है मेरे साथ लिखना चालू करिएगा बताओ कॉपी पेन सारे बच्चों के पास है चलो लिखना शुरू करो भाई पहला मैंने लिखा ऑल दो ही स्टडीड very hard, but he could not pass the exam. Okay? b as he is my friend so I must help him so I must... हेल्प हिम ठीक है सी देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे गौर से देखिएगा हर एक चीज को ठीक है जैसे मैंने लिखा हाउ एवर इट सीम्स डिफिकल्ट बट यू कैन डू इट राइट डी देखेंगे एज सून एज द ट्रेन स्टॉप एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप देन द लाइट वेंट ऑफ आज तक पिछले पांच सालों की बात करें या पिछले दस सालों की बात करें जो एग्जामिनेशन का आपका पैटर्न रहा है इसको पूछने का पैटर्न बहुत ही सिंपल रहा है जब कभी भी मान लीजिए आपका सेंटेंस ऑल दो या आपका सेंटेंस एज आपका सेंटेंस हाउ एवर या आपका सेंटेंस एज सुन एज या इसके अलावा भी जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एज सुन एज है बिकॉज है हाउ एवर है वाइल्ड है या इफ इनसे शुरू होता है तो भाई इनके साथ हम कभी भी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बट इसका यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे बच्चे गौर से देखेंगे यहाँ क्या लिखा है सो so, हम सो का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या लिखा है बट हम यहाँ बट का यूज़ नहीं करेंगे रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है देन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देन का यूज़ नहीं करेंगे अब अगर कोई भी बच्चा मान लीजिए रीज़न जानना चाहता है तो भाई रीज़न देखो क्या है ठीक है रीजन बच्चे ये है क्योंकि ये जो हमारे दो स्टेटमेंट हैं उसने कठिन परिश्रम किया मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई किया लेकिन वह एग्जाम पास नहीं कर सका तो ये दो सेंटेंस को ऑल दो आपस में खुद ही कनेक्ट कर ले रहा है ठीक है एज अ कंजंक्शन तो यहाँ पे हमें बट लगाने की ज़रूरत नहीं तो एस एस सी का यही पैटर्न है इसको ध्यान रखना जैसे लिखा एज ही इज़ माई फ्रेंड सो आई मस्ट हेल्प हिम जैसा कि वो मेरा दोस्त है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए तो ये जो दो हमारे सेंटेंस है ना इनको शुरुआत में ही आकर के एज़ आपस में कनेक्ट कर रहा है एज अ कंजंक्शन तो यहाँ सो लगाने की जरूरत नहीं तो दो दो कंजंक्शन हो जाएगा इट्स अ काइंड ऑफ सुपरफ्लूस क्योंकि एक सेंटेंस में दो कंजंक्शन यूज कर लेंगे अगेन सुपरफ्लूस वाली कहानी हो गई यहां पे देखे बच्चे हाउ एवर इसने इट सीम्स डिफिकल्ट और यू कैन डू इट इसको आपस में इसने कनेक्ट कर रखा है तो बट लगाने की क्या जरूरत है अब देखो एज सुन एज ने द ट्रेन स्टॉप और द लाइट को आपस में कनेक्ट करके रखा है तो ये लगाने की क्या जरूरत है कुछ नहीं अच्छा अगर ये बात समझ में आ गई तो सीधे सीधे सारे बच्चे ध्यान रखेंगे इनके साथ हम ये, ये 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 यूज नहीं करेंगे अच्छा एक रीजन और है बच्चे एक बात बताओ ये जो ऑल्डो होता है ये क्या बताता है ये कंट्रास्ट बताता है है ना कंट्रास्ट कंट्रास्ट मतलब क्या होता है कई बार बता चुका हूँ ये दो अपोजिट स्टेटमेंट को आपस में क्या करता है जोड़ता है आप कहोगे सर अपोजिट स्टेटमेंट क्या है बच्चे कई बार बताया हूँ अगर एक तरफ हम पॉजिटिव बात करते हैं और एक तरफ नेगेटिव बात करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपोजिट स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने कठिन परिश्रम करा यानी अच्छे से उसने पढ़ाई करी मन लगा करके लेकिन वो भाई एग्ज़ाम पास नहीं कर सका आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी मेहनत करके पढ़ाई करता है तो कायदे से तो उसे एग्ज़ाम पास कर लेना चाहिए लेकिन इधर मेहनत भी उसने बहुत की और इधर कह रहा है एग्ज़ाम भी पास नहीं कर सका ये क्या हो गया आपने कहा सर ये तो नेगेटिव बात है अगर बच्चे ये नेगेटिव बात है ठीक है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो ऑल दो तो वही काम कर रहा है जोड़ने का तो ये बट वैसे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है अब जैसे यहाँ देखो वह मेरा दोस्त है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए अच्छा एक बात है आपको उसकी मदद करनी चाहिए किसी ने पूछा क्यों करना चाहिए भाई क्या कारण है तो आपने कहा वो मेरा दोस्त है यही कारण है कि मैं उसकी मदद करूंगा ठीक है तो वो कहेगा भाई जब ये एज आपने लिखा है क्या बता रहे हैं आपने कहा रीजन ठीक है जब रीजन बताने के लिए बच्चे हमने एज लिख लिख दिया तो सो क्यों रहे हो अब जैसे देखो हाउ एवर इट सीम्स डिफिकल्ट यू कैन डू इट कह रहा कि देखने में मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो अब देखने में जो चीज मुश्किल है सही मायने में वो तो इंसान से होता नहीं है लेकिन कह रहा मुश्किल भले है लेकिन तुम कर सकते हो एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव इनको हाउ एवर खुद ही जोड़ ले रहा है आपस में हाउ एवर भी क्या बताता है बच्चे हाउ एवर भी कंट्रास्ट बताता है यानी जिसको हम लोग विरोधाभास कहते हैं आ रही है बात समझ में ठीक है तो ये दोनों चीज़ें खुद ही जोड़ रहा है तो बट लगाने की क्या जरूरत है उसी तरीके से अगर एस उन एस की बात करें ये खुद ही टाइम बता रहा है यहाँ पे कि जैसे ही ट्रेन रुकी लाइट्स वेंट ऑफ हो गई अब यहाँ पे देखो जब एस उन एस खुद ही टाइम बता रहा है तो ये दिन लगाने की क्या जरूरत है ये यहाँ पे गलत हो गया एक बार सारे बच्चे बता देंगे बात क्लियर हो गई ठीक है कंजंक्शन आएगा तो येट वरना कॉमा या ऑल्दो कोई जरूरत नहीं वो ऑप्शनल होता है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है ऑल्दो के साथ पहले बता दीजिए सारे बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को बता दीजिए सारे बच्चों को चलिए थोड़ा सा पानी पी लिया जाए देखिए अब बात करते हैं भाई यहां पर रूल नंबर ट्वेंटी हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि जो आपका double position होता है उसको हमेशा अवॉइड करिए ठीक है अब आप कहोगे सर ये पजिशन क्या है यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप ये जब भी कोई सेंटेंस लिखते हो मैंने ये सेंटेंस लिखा आई हैव लॉस्ट राम्स फोन गौर करिएगा सारे बच्चे ठीक है मैंने राम का फोन खो दिया अब गौर ये करना है आपको ये जो फोन है ना यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली इसको सही मायने में बोलते हैं पजेशन ठीक है इसको बोलते हैं पजेशन और ये जो जिसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा होता है इसको हम बोलते हैं पजेसिव केस ये बड़ी बेसिक सी बात है जो सारे बच्चों को खैर नहीं पता होगी तो आप अभी से जान लीजिए जब भी बच्चे आप कोई भी चीज़ ऐसे लिखते हो जैसे मान लीजिए आपने लिखा राम्सकार ठीक है जैसे आपने लिखा मोहंस ब्रदर ब्रदर ठीक है तो इसमें एक्चुअली आपको बस इतना ध्यान देना है ये जो ब्रदर है इसको हम बोलते हैं पजेशन ये जो कार है इसको हम बोलते हैं भाई पजेशन ठीक है और ये जो जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस yes लगा होता है इसको हम बोलते हैं पजेसिव केस इसको क्या बोला जाता है पजेसिव केस बोला जाता है आई बात समझ में अब देखो भाई अब ये क्या है कि कह रहा है कि हमें कभी भी दो पजेशन यानी दो एपोस्ट्रॉफी एक साथ नहीं यूज करने चाहिए अब ऐसे देगा मोहन्स अंकल्स फ्रेंड हैज गॉन अब्रॉड फॉर अ मंथ पढ़ने में तो हमको सही लग रहा है लेकिन ये गलत है एक्चुअली ये जो देखो फ्रेंड लिखा है आपने कहा सर ये हो गया हमारा पजेशन ठीक है ये हो गया possession. और आपने कहा जिसमें अप्रॉफी एस लगा है वो क्या होता है आपने बताया सर वो होता है पजेसिव केस उसको हम क्या बोलते हैं आपने कहा पजेसिव केस एक तो ये है और दूसरा आपने कहा ये भी पजेसिव केस हो गया है ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक पजेशन को पजेसिव केस तो चलो भाई कर लेगा justify. लेकिन बच्चा एक पजेशु केस दूसरे पॉजिटिव केस को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता जैसे यहाँ आप रामस कार लिख दो चलेगा यहाँ मोहन ब्रदर लिख दो चलेगा ठीक है ये बिल्कुल सही है एक पॉजिशन है और एक पॉजिटिव केस है तो ये पॉजिटिव केस जो है यहाँ पे हो जाएगा इस पोजीशन के लिए लेकिन केस चलो इस के लिए तो हो जाए लेकिन यह मोहन इस अंकल के लिए नहीं हो पाएगा जो कि गलत है अब इसको हम सही किस तरीके से करें बस हमें यही बात समझनी है तो द फ्रेंड ऑफ मोहन अंकल इसको हम ऐसे लिखेंगे द फ्रेंड ऑफ मोहनस अंकल ठीक है अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया फ्रेंड को इधर लेके आना है ऑफ मोहनस अंकल को इधर लिख देना है ऑफ लिख करके ठीक उसी तरीके से आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम राम्स ब्रदर्स नेबर अब अच्छा एक चीज देखो ये नेबर क्या है आपने कहा सर ये तो पॉजिशन है ठीक है मैं कहूंगा अच्छा ये जो अपोस्ट लगा ये वाला आपने कहा ये तो पजेसिव केस है और ये क्या है आपने कहा सर ये भी पॉजिटिव केस है आपने कहा सर एक पॉजिटिव केस दूसरे पॉजिटिव केस को तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ठीक है अब आप कहोगे इसको लिखना है तो सर आप इसको ऐसे लिखो द नेबर ऑफ राम्स ब्रदर तो हमेशा ध्यान रखिएगा खैर आपको ऐसे लिखने की तो खैर एग्जाम में जरूरत पड़ेगी ही नहीं आप कहीं पे भी अगर दो अपॉस एस देख लोगे तुरंत आप उसको गलत कर देना है कि आपकी गलती उसी में है ठीक है तो यानी आप एक बार बता दीजिए कॉमेंट करके यहाँ पे समझ में आ गया ठीक है किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है अब भाई ये बात करते हैं देखिए अभी रिसेंटली एस एस सी सीजीएल दो के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इससे और मैं बार बार इसको पढ़ाता हूँ आप सभी लोगों को क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लियर हो गया चलो बच्चे ये वाला जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे अनलेस और अनटिल क्या होता है ठीक है गौर फरमाइएगा अनलेस और अनटिल को लेकर ठीक है सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अनलेस क्या है ठीक है आप कहोगे सर अनलेस होती है कंडीशन सॉरी अनलेस होती है बच्चे कंजंक्शन ठीक है अनलेस क्या होती है आपने कहा कंजंक्शन मैं कहूंगा untill क्या होती है आपने कहा until भी होती है कंजंक्शन ठीक अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो unless है इसकी मीनिंग क्या होती है आप बताओगे सर इसकी मीनिंग होती है if not ठीक है अच्छा ये जो until होती है मैं कहूंगा इसकी मीनिंग क्या होती है आपने कहा till not फिर से दोबारा से एक बार सुनिएगा जैसे मैंने आपसे कहा कि unless क्या है आपने कहा सर कंजंक्शन है ठीक है मैं बचा एक चीज़ ये बोलता हूँ कि अगर मान लो आपको ग्रामर पहले कभी नहीं आती थी ना कोई दिक्कत नहीं है आप अभी से सुनो और अभी से देखने की कोशिश करो आपको धीरे धीरे हर चीज आ जाएगी ठीक है आप बस ना तो आगे की सोचो ना तो पीछे की सोचो आप सोचो यहीं से चीज शुरू हो रही है जैसे आप अनलेस अनटिल पढ़ रहे हो ना तो अपना माइंड ऐसे रखो कि हमारा जो ग्रामर है यहीं से शुरू हो रहा है तो जैसे सर ने यह बोला कि अनलेस क्या है हमने कंजंक्शन अनटिल क्या है कंजंक्शन फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अनलेस की मीनिंग क्या होती है हमने कहा इफ़ नॉट अन की मीनिंग क्या होती है टिल नॉट अब यहाँ पे बच्चा गौर करेगा हमने कहा कुछ गौर किया आपने ये आपने मीनिंग क्या बताई आपने कहा सर इफ़ नॉट बताई तो हमें ये समझ में आ गया इफ़ से कि ये क्या बताता है आपने कहा सर कंडीशन बताता है क्योंकि इफ़ बताता है क्या कंडीसन ठीक है अच्छा यहाँ पे आपने गौर किया जो मीनिंग इसकी थी टिल नॉट आपने कहा सर ये टिल है टिल क्या बताता है आपने कहा टिल तो बताता है टाइम टिल क्या बताता है टाइम तो हमें एक बात ये ये समझ में आ गई ठीक है बच्चा कह रहा सर गुरुजी 25 25 रूल रोज करके बता दिया करो क्योंकि सौ में कन्फ्यूजन होती है बच्चा अब आ गए हैं रूल्स खत्म करके चलेंगे ठीक है निराश नहीं होते भाई अब यहाँ पे देखो बच्चा कहेगा कि सर यहाँ रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी अनलेस का मीनिंग आपने बताया इफ नॉट होता है अनटिल का मीनिंग आपने बताया टिल नॉट होता है ठीक है टिल से हमें समझ में आ गया ये तो टाइम बता रहा है और अनलेस से ये हो गया हमारा कंडीशन बता रहा है क्लियर होगी अब यहाँ पे सारे बच्चों को नोट करके एक बात लिखनी है और वो ये लिखनी है कि कभी भी अनलेस के बाद या कभी भी अनटिल के बाद ठीक है हम लोग नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे ठीक है कभी भी हम नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जैसे कभी भी आप जैसे डोंट आ जाए कभी भी मान लीजिए डजेंट आ जाए ठीक है या मान लीजिए कभी भी आपका नो आ जाए है ना नेवर आ जाए इन सारे शब्दों का आप प्रयोग कभी नहीं करोगे उसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है ये ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है ठीक है जैसे बच्चे मैंने लिखा वी प्लेट अनटिल होगा या अनलेस होगा देखो अब आपको यह देखना है कि किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना मैंने लिखा वी प्लेड अनटिल या अनलेस इट गॉट डार्क अच्छा दूसरा मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले आपको बताया था अनलेस या मैं यहां पे आपको लिखूं अनटिल अनलेस या अनटिल यू डोंट टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ ठ ठीक है अब यह मैंने लिख दिया एक ये दूसरा हो गया ठीक है अब जैसे मान लो बच्चे एक मैं और लिख दू ही ऑंट गेट वेल अनलेस या अनटिल ही क्विट्स या इसको मैं ऐसे लिखू ही डज नॉट क्विट स्मोकिंग ठीक है अब एक बार आप ये बता दोगे ना तो इससे रिलेटेड कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है एक एक करके सारे बच्चे देखेंगे पहला हमने लिखा वी या अनलेस इट गॉट डार्क तो कह रहा कि हम खेले कब तक खेले जैसे आपने किसी से कहा वी प्लेड हमने खेला वो पूछेगा ना कब तक आपने कहा जब तक अंधेरा नहीं हो गया आप जरा देखिए क्या ये कंडीशन है वो कहेगा नहीं क्योंकि भाई अंधेरा कब होता है भाई अंधेरा होने का एक समय होता है जैसे मान लीजिए आप देखेंगे ना मैप में मैप की बात कर रहा हूँ मैं आप देखेंगे वेदर में तो उसमें क्या है कि जैसे ठंड में जो अंधेरा होता है उसका अपना एक समय होता है कि भाई इस टाइम ठंड में अंधेरा हो जाता है जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में एक समय होता है जिस टाइम दिखाता है इस टाइम अंधेरा हो जाता है तो बच्चे इट गॉट डार्क से हमें यह बात समझ में आ रही कि भाई हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पे बात कर रहे हैं टाइम की यानी समय की अगर हम भाई टाइम की बात करते हैं तो टाइम के लिए हम अनटिल का यूज करते हैं अनलेस का यूज नहीं करते तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा अनटिल हो जाएगा आई बात समझ में दूसरा है अनलेस या अनटिल यू डोंट टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ कह रहा कि जब तक तुम तो मुझसे बात नहीं करते तब तक तुम्हें सच्चाई का तो पता लगेगा नहीं अब ये बात क्या कर रहा है आप कहोगे सर ये बात कर रहा है कंडीशन की ठीक है कि मतलब अगर तुम्हें सच्चाई का पता करना है अगर तुम्हें सच जानना है ट्रुथ जानना है तो तुम क्या करो एक बार उससे बात करो अब यहाँ पे देखो ये जो डोंट है इस डोंट को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा पहली बात तो यहाँ डोंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं तो इसके साथ डोंट डजेंट ये सब तो प्रयोग होगा ही नहीं दूसरी बात बच्चे ये कंडीशन बता रहा है अगर ये कंडीशन बता रहा है तो कंडीशन के लिए हम सभी लोगों को पता है अनलेस का यूज़ होता है यहाँ से अनटिल भी हटा दो तो ये दो तरह के क्वेश्चन देते हैं ठीक है और सुनिएगा यहाँ पे लिखा ही ऑनट गेट वेल अनलेस या अनटिल ही डजेंट क्विट स्मोकिंग कह रहा कि तो वो तब तक सही नहीं होगा जब तक वो स्मोकिंग करना छोड़ नहीं देता यानी शर्त ये है उसके सही होने की कि वो स्मोकिंग छोड़ दे अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तो वो सही भी नहीं होगा तो हमने देखा कि यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है तो कंडीशन के लिए पहली बात तो अनलेस लगाओ दूसरी बात अनलेस के साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते तो अनलेस ही क्विट्स स्मोकिंग हो जाएगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट अब भाई क्या हो गया आपका सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा तो होगा ही ऑनट गेट वेल अनलेस ही क्विट्स स्मोकिंग आगे बात समझ में सारे बच्चों को यहाँ तक ठीक है अब भैया गौर से मेरी बात को सुनिएगा सारे बच्चे ध्यान से ठीक है यहाँ पे मोटा मोटा हम अगर सारी बात समझ पाए हों तो एक बार आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो ये वाला जो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया था वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन डेल्ही वन डजेंट गो देयर इन पर्सन देखिए अनलेस आया अनलेस के साथ हम नेगेटिव यूज नहीं करते डोंट हटा दीजिए अब ये वन क्या है बच्चे सब्जेक्ट सिंगुलर जैसे यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था आपने क्विट्स कर दिया यहां पे वन की जगह क्या कर देंगे ऑफ कोर्स क्लियर हो गया सर को नेगेटिव रखेंगे अब एक हाँ देखो ये बात इसके दिमाग में आई अब बच्चे होता क्या है कि कुछ लड़कों को लगता है ना भाई हमेशा ध्यान देना अनलेस और अन के बाद जो है ना बच्चे उसको नेगेटिव में नहीं रखना है देखो ये अनलेस के पहले आया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है सही है अब जैसे देखो इसके बाद नहीं आना चाहिए अब जैसे लिखा अनलेस या अनटिल यू डोंट टॉक टू हिम अब ध्यान से देखो यहां तक एक सेंटेंस है मतलब इसके वाले सेंटेंस में आपको जो भी करना है करिए ये अलग सेंटेंस है बच्चे ना यू कांट नो द ट्रूथ इसमें कोई छेड़खानी नहीं करोगे ये तो रहेगा अब जैसे अनलेस वाला सेंटेंस ये है तो इसमें करो ये तो अनलेस का सेंटेंस नहीं ये अलग सेंटेंस है तो अलग सेंटेंस में आपको नहीं करना है मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया होगा ठीक है ये क्लियर हो गया होगा ठीक है आई बात समझ में अगला अब भैया आते हैं इस पे ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है लेकिन आज के बाद आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा सबसे पहले देखिए इसमें लिखा क्या है एक तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये ध्यान होना चाहिए जो कि आप लोगों को पहले से पता भी है एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं पहला पेयर से पूछता है नॉट ओनली के साथ क्या आता है अपने का बट ऑल्सो ईदर के साथ अपने का और नीदर के साथ नॉर बोथ के साथ एंड बिटवीन के साथ एंड और वेदर के साथ और ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए ठीक है ये सबको याद होना चाहिए अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी सर एग्ज़ामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे देखो सारी कहानी है एग्जामिनेशन क्रैक करने की और एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कैसे गलतियाँ करता है अगर वो बातें हमको समझ में आ गई तो हर बात समझ में आ जाएगी ठीक है एक बार मैं आप सभी लोग को कुछ से इस बात को समझा देता हूँ आपके इसके बाद कभी दिक्कत ही नहीं होगी जैसे मैंने कहा वी शुड नॉट ओनली हेल्प मोहन बट also राम देखो पहला सेंटेंस ये साथ में सारे बच्चे लिखते रहेंगे ठीक है बी लिखा मैंने दे will go either by car or bus. C. Neither we borrow or lend. ठीक है D देखेंगे सारे बच्चे थोड़ा सा इसको और बढ़ा लिया जाए है ना अब देखो बच्चे यहां पे D देखना

न्यू दिल्ली, टू किशनगंज ठीक है अब एक और देखिएगा सारे बच्चे ध्यान से एक सेंटेंस बच्चे और देख लेना ठीक है सारा का सारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई e हो गया ठीक है एफ आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज एट होम नॉर समेयर एल्स ठीक है चलिए आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है इसका पी डी एफ कहा मिलेगा ठीक है मैं आप सभी बच्चों को कई बार बता चुका हूँ कि इसका पी डी एफ कहाँ मिलेगा मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग एक बार नोट कर लीजिए इसको इंग्लिश बाई जय सर इंग्लिश बाई जय सर आप ना ये टेलीग्राम चैनल है सारे बच्चे प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे अन अकेडमी का लोगो बना होगा इसको ज्वाइन कर लीजिए ठीक है चलो भाई अब देखिए एग्जाम में बच्चे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस बात को आपको जानने की जरूरत है जैसे मैंने लिखा यहाँ पे विश शुड नॉट ओनली हेल्प मोहन बट ऑल्सो सोहन तो एग्जाम में जब इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले पेयर देखा करिए हमने पेयर देखा क्या नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा है सबसे पहले आप ये देख लो तो आपने देखा सर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है एक बार इसमें देखो

आपने कहा सर बिटवीन तो अपने साथ एंड नहीं लिया है टू लिया है चलो कोई बात नहीं अभी होल्ड करो अब आप कहोगे भाई या वेदर है वेदर अपने साथ क्या लेता है और लेता है जरा देखो वेदर अपने साथ क्या लिया है आपने कहा वेदर तो अपने साथ यहाँ पे नॉर ले लिया ठीक है तो कहने का मतलब बच्चे पहला स्टेप आप लोगों को ये फॉलो करना है कि एग्जाम में जब इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये देखना है क्या ये जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है ठीक है तो अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो दूसरी बात आपको क्या देखनी है गौर से देखिएगा अगर ये जो बट ऑल्सो है ना या और है या नॉर है ये एंड है ये एंड है या और है इसके बाद आपको देखना अगर इसके बाद मान लीजिए कोई नाउन है तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए नाउन ठीक है कहने का मतलब अगर ये जो इधर और है और के बाद मान लीजिए कोई नाउन है तो इसके बाद भी नाउन आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। मान लीजिए इसके बाद कोई एजेक्टिव है तो इसके बाद भी एजेक्टिव आना चाहिए उसी तरीके से हर चीज़ में आपको पहले

तो ये हो जाएगा आपका कि वी शुड हेल्प नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो राम दूसरा देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा ठीक है लिखा है दे विल गो ईधर बाई कार आर बस पहले देखिए इधर के साथ और आया है आपने कहा सर बिल्कुल आया है तो मैंने कहा जरा देखो यहां पे गलती क्या है तो वो कहा कि सर और के बाद जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आया है नाउन ठीक है तो अगर इसके बाद नाउन आया है तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि ये जो हमारा ईदर है इसके बाद भी नाउन आना चाहिए तो आपने कहा सर नाउन आया है तो इसमें तो कोई गलती नहीं है अब बच्चा कहेगा सर बाई क्यों लगा हुआ है बच्चे बाई से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाई का यूज़ हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं जैसे बाई कार बाई ट्रेन बाई प्लेन ठीक है ये अपने आप में बिल्कुल सही है ठीक है मतलब इसमें कोई गलती नहीं है ये आपका क्या हो गया नो एरर हो गया अब अच्छा अगला देखिएगा सारे बच्चे नीदर वी बोरो नॉर लैंड अब यहाँ पे पहली बात ये कि नीदर के साथ और नहीं आता नीदर के साथ क्या आता है आप कहोगे नॉर आता है अच्छा दूसरी बात जरा गौर करिएगा आप इधर को देखिए नॉर को अब देखिए चलो पेयर तो हमारा सही हो गया आपने कहा सर नॉर ने अपने बाद वर्ब ले रखा है अगर ये अपने बाद भाई वर्ब ले रखा है तो ये जो हमारा नीदर है इसके बाद भी वर्ब आना चाहिए तो आपने कहा कि सर अगर इसके बाद वर्ब है तो इसके बाद भी वर्ब आना चाहिए लेकिन ये जो वी है ये तो आकर के इन दोनों को आपस में ब्रेक कर रहा है आप कहोगे यहाँ से इसको हटा दो इसको उठा के पहले रख दो तो इसको यहाँ रखो ये हो जाएगा वी नीदर बोरो नॉर लेंड बच्चे सिंपल सी बात है एक हमको पेयर देखना है दूसरा ये देखना है कि इसके बाद अगर इसके बाद नाउन है तो इसके बाद भी नाउन अगर इसके बाद नाउन तो इसके बाद भी नाउन अगर इसके बाद वर्ब तो इसके बाद भी वर्ब ठीक अब अगर जब हमने बी को हटा के यहाँ रख दिया देखो अब इसके बाद वर्ब आ गई ये हमारी सही हो गई अब अगला देखो बोथ राम एंड कमल हैज गॉन देयर आपने कहा सर यहाँ पे बोथ के साथ एंड लगा है बिल्कुल सही है अब देखो एंड के बाद कमल आया है आपने कहा नाउन है सही है यहाँ राम आया है ये भी नाउन है ये भी सही है कोई गलती नहीं लेकिन सर यहाँ आप दो लोगों की बात कर रहे हैं अब कौन कौन एक राम और कमल दो दो लोग क्या होते हैं प्लूरल तो ये भी गौर करिएगा यहाँ पे हैस नहीं हो जाएगा यहाँ पे आपने कहा हैव हो जाएगा तो बोथ राम एंड कमल हैव गॉन देयर हो जाएगा अच्छा अगला देखिए देर आर थ्री स्टेशन बिटवीन न्यू डेली टू किशनगंज अब आपने कहा सर बिटवीन अपने साथ क्या लेता है आपने कहा सर बिटवीन अपने साथ एंड लेता है आपने यहाँ टू लिखा हुआ है

आपने कहा सर और का यूज करना होता है यहां पे नॉर लिखा हुआ है तो भैया इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर गलतियां दी जाती है पहले आप मुझे बता दीजिए समझ में आ गया बताइए एक बार सारे बच्चे बता देंगे यहाँ तक की बात हर बच्चे को क्लियर हो गई ठीक है इज़ इट क्लियर एवरी वन एक बार बच्चे सब लोग बताइए क्योंकि ये सारे कंसेप्ट बहुत ही प्यारे हैं बहुत ही अच्छे हैं इसमें कन्फ्यूज़न यूजअली बच्चों को हो जाती है वो समझ नहीं पाते तो मैं बस ये चाहता हूँ कि पहला आप लोग क्या बनाएंगे नोट्स बनाएंगे दूसरा आप इसका रिविज़न भी करेंगे नोट्स और रिविज़न और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पेड क्लासेस में भी इतना सहूलियत से नहीं पढ़ाया जाता अगर आप लोगों ने कभी किसी के पेड कोर्सेज ले रखे होंगे किसी को पैसा दे करके आपने किसी से पढ़ा होगा तो गौर करिए इतना YouTube के ऊपर कमेंट सेक्शन में मैं दस बार पूछता हूँ समझ में आया कि नहीं आया जब आप लोग कह देते हो समझ में आ गया ठीक है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक देखो आगे देखेंगे भाई अब ये बच्चे अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत ज़्यादा हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है अब यहाँ पे देखिए नो सूनर अपने साथ क्या लेता है देन हार्डली अपने साथ क्या लेता है वेन और इस इसकासली अपने साथ क्या लेता है वेन लेता है ठीक है अब बच्चे गौर से मेरी बात को सुनना सब लोग ठीक है अब यहाँ पर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा जैसे मैंने कहा नो सूनर हैड ही अराइव्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही आस्क टू लीव ठीक है अब देखो मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि नो सुनर हैड ही अराइव देन क्या लिखा हुआ मैंने पूछे देन ही टू ही वॉज To leave. अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हमें पता है भाई नो no सुनर अपने साथ क्या लेता है एग्जाम में लिख के दे देगा तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है अगर वो चीज पता होगी तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली जैसे अगला अगर बच्चे मैं क्वेश्चन की बात करूं ठीक है मैंने कहा नो सुनर है टीचर सीन राम यहां पे मैंने लिखा व्हेन ही स्टार्टेड स्टडिंग स्टार्टेड स्टडिंग अब जरा यहाँ सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिए नो सूनर हैड दीचर सीन राम वेन ही स्टार्टेड स्टडिंग आप कहोगे सर यहाँ तक तो बातें सारी अपने आप में सही हैं. ठीक है आपने ये नो sooner लिख दिया है यहाँ पे देखो हैड आ गया यहाँ पे टीचर आ गया ठीक है यानी कहने का मतलब नो sooner बच्चे ये चीज हमेशा गौर करना तुम लोग ठीक है यहाँ पे सारे बच्चे लिख लेंगे जैसे नो सूनर आया तो नो सुनर के बाद हेड आया फिर सब्जेक्ट आया और वर्ब की कौन सी फॉर्म आप लिखते हैं थर्ड फॉर्म ठीक है नो सुनर हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये गौर करिएगा ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा सब्जेक्ट के पहले होती है और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको देन लिखना है ठीक है देन उसके बाद आगे लिखना है तो एग्जाम कभी कभी क्या दे देता है यहाँ पे देन दे देता है तो इस बात को गौर करिएगा देन कभी नहीं होगा यहाँ पे जब भी होगा देन होगा ठीक है और उसी तरीके से अगर आप बात करते हैं हार्डली की तो हार्डली क्या करता है या इसकासली क्या करता है इसके साथ हेड आया ठीक है हेड के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद हम इसके साथ क्या लिखते हैं वेन का यूज़ करते हैं है ना तो यहाँ पे मान लीजिए कभी ऐसे दैन लिख करके दे दे तो ये गलत हो जाएगा ध्यान दीजिएगा वेन होगा और ये सारी जो चीज़ें होती ना जो हार्डली कासली या नो सूनर से शुरू होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन और इन्वर्जन मैं आप सभी लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना आप यहाँ पे आ जाओ तो आपने नो no सूनर देखा नो no सूनर के बाद हेड देखा हेड के के बाद subject देखा, subject के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा और यहां पे वेन आ गया है हमें पता है भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा देन हो जाएगा ठीक है अच्छा एक और देख लेंगे सारे बच्चे मैंने लिखा हार्डली यहाँ पे बच्चे मैंने लिखा हार्डली हैड अ मोमेंट पास्ट हार्डली हैड अ मोमेंट पास्ट और मैंने इसके आगे लिखा देन द डोर क्रैक्ड ओपन ठीक है ये मैंने सेंटेंस लिख दिया बस आपने देखिए यहां पे ये गौर करना है भाई कि यहां पे आया है हार्डली ठीक है हार्डली के साथ हेड आ गया हेड के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां पे देखिए लेकिन यहां पे दैन नहीं होगा यहां पे हमें वेन लिखना पड़ेगा ठीक है तो हार्डली के साथ क्या हो जाएगा वेन क्लियर हो गई सारी बात ठीक है समझ में आ गया यहां तक बच्चों को आगे देखेंगे रूल नंबर ट्वेंटी नाइन देखो भाई रूल नंबर ट्वेंटी नाइन की अगर हम लोग बात करें तो रूल नंबर ट्वेंटी नाइन गौर से सुनिएगा बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ठीक अब ये क्या है बच्चे ईच एवरी ईदर नीदर और नन की अगर हम लोग बात करें ठीक है एक बार यहाँ पे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे देखो अपने कम होते चले गए दो घंटे में ये बोल गए ये आठ घंटे कहाँ रुक पाएंगे बस इन बच्चों को ये रहता है कि सर पूरा पढ़ा दो पूरा करवा दो ठीक है हम लोग को पूरा पढ़ना है फ्री में पढ़ना है अब देखो इंसान फ्री में पढ़ाए तो भी कोई तवज्जो नहीं है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को चलो भाई आगे देखेंगे देखो यहाँ पे है ईच एवरी ईदर नीदर और नन इसको ध्यान से देखना एक एक करके सबसे पहले तो आप सब लोग को ये पता होना चाहिए कि जो ईच होता है इसका यूज हम दो के लिए करते हैं और मोर देन टू दो से ज्यादा के लिए भी होता है ये जो आपका एवरी होता है एवरी का यूज़ हम करते हैं मोर देन टू यानी दो से ज्यादा के लिए जो इधर होता है बच्चे इधर वन आउट ऑफ टू लेकिन इसमें हम मतलब कहने का ये है दो में से किसी एक की बात करते हैं ठीक है दो में से किसी एक की बात जब की जाए तो उसके लिए हम इधर का यूज़ करते हैं नॉट वन आउट ऑफ द टू ऑप्शन अगर दो हैं दो दो में से अगर कोई नहीं नॉट वन आउट ऑफ द टू दोनों में से अगर कोई नहीं हम बात करते हैं तो वो होता है आपका नीदर नॉट एनी ऑफ मोर देन टू अगर दो से ज्यादा है और उसमें से भी कोई नहीं तो हम उसके लिए यूज करते हैं नन कहने का मतलब अगर दो में से एक की बात करते हैं तो आपने कहा इधर दो में से अगर कोई नहीं तो आपने कहा नीदर आपने कहा सर दो से ज्यादा है लेकिन उसमें से कोई नहीं तो वो होता है नन ये होगी बच्चे बेसिक बात ठीक अब यहाँ पे कुछ बातें जो हैं वो आपको नोट डाउन करके लिखना पड़ेगा वो क्या क्या बातें हैं वो गौर से सुनिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पहली बात आपको नोट करके क्या लिखना है नोट करके आप सभी बच्चों को ये लिखना है कि जो ईच होता है ठीक है आपका ईदर होता है और आपका नीदर होता है ठीक है ये और नीदर और साथ में यहाँ पे ये लिखेंगे आप लोग नन इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और जो आपकी वर्ब होती है वो क्या होती है सिंगुलर होती है नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी लेकिन आपको एक चीज और गौर करना है लेकिन कभी भी अगर ईच आ जाए आपका या जा फिर ठीक है यहाँ पे एवरी भी लिख दीजिएगा कहीं पे ठीक है यहाँ पे एक जगह पे आप लोग एवरी भी लिख लेना थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ठीक है थेके? यहाँ पे आप एवरी भी लिख लेना तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है आपका वो क्या होता है आपने कहा सर सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है लेकिन भैया अगर कभी भी ईच आ जाए और ईच के बाद गौर करिएगा ईदर आ जाता है ईदर के बाद अगर नीदर आ जाता है और इसके बाद नन आ जाता है तो इसके बाद आने वाला मतलब ऑफ लगेगा आने वाला नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा सिंगुलर एक बार फिर से गौर करेंगे सारे बच्चे इसको यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है पहला और दूसरा ठीक है ये दोनों नोट करके आप लिखेंगे Every है, each है, either है, neither है। इसके तो नाउन क्या होगा आपने कहा प्लुरल और जो आपकी वर्ब होगी वो क्या होगी आपने कहा सिंगुलर ठीक अच्छा तीसरी बात एक और नोट करके लिखनी है जो आप सभी बच्चों को ध्यान देनी है वो ये अगर मैं ईच की बात करता हूँ ठीक है ईच तो ये आपका प्रोनाउन के तरीके से भी काम करता है और ये एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करता है लेकिन अगर मैं भाई इसी के साथ अगर एवरी की बात करूं तो एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है यानी जिसको बच्चे हम डिटर्मिनर बोलते हैं ये कभी भी प्रोनाउन के तरीके से नहीं काम करेगा इस बात को आप सभी लोग गौर करिएगा ठीक है ये कभी भी प्रोनाउन के तरीके से नहीं काम करेगा ये सिर्फ और सिर्फ किसके तरीके से काम करेगा एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा जैसे देखिएगा यहां पे ये जो आपने एवरी लिखा है ये जो लिखा लिखा है, ये जो लिखा है, ये ये जो जो आपने नीदर लिखा है और नन लिखा है इसके तुरंत बाद क्या आ गया है आपने कहा नाउन आ गया तुरंत बाद अगर नाउन आ गया तो ये सारे के सारे ध्यान देंगे आप सभी लोग ये किसके तरीके से काम कर रहे हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव के तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं ठीक है ये अगर कोई आपसे पूछ दे कोई सेंटेंस लिखा है उसने पूछ दिया कि कब ईच एवरी ईदर नीदर और नन एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है तो आप कहोगे जब उसके तुरंत बाद नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा अगर वो पूछ दे नाउन कैसा होगा आप बताओगे नाउन सिंगुलर होगा वो पूछे वर्ब कैसा होगा आप बताओगे वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा लेकिन अब अगर आपसे वो पूछ दे कि ये प्रोनाउन के तरीके से कब काम करता है तो आप कहोगे ईच ईदर नी इधर नन के अगर बाद ऑफ आ गया फिर नाउन आया प्लूरल फिर वर्ब होती है सिंगुलर तो उस कंडीशन में ये किसके तरीके से काम करता है ये सब प्रोनाउन होते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे ऊपर वाले एडजेक्टिव हैं क्योंकि बच्चे इसके तुरंत बाद नाउन आया है और ये क्या है प्रोनाउन है क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है क्योंकि प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन नहीं आता एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाएगा ठीक है अच्छा अब फिर तीसरी बात मैंने ये बताई कि ईच प्रोनाउन और एजेक्टिव दोनों है देखिए ईच यहाँ पे भी है ईच यहाँ पे भी है यानी प्रोनाउन के तरीके से भी काम करता है और यह एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करता है लेकिन मैंने एवरी को कहा एवरी ध्यान से देखेंगे सिर्फ आपको एडजेक्टिव में दिखेगा यह प्रोनाउन में नहीं दिखेगा ठीक यहां तक कि पहले बता दो सारी बातें क्लियर हो गई सारे बच्चों को अगर यहाँ तक भाई सारी बातें क्लियर है ये तीन चीजें हो गई बच्चे एक नोट करके चौथी चीज आपको लिखनी है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ये जो आपका ईच होता है ईच जब हमें इंडिविजुअल रेफरेंस देना है ठीक है इंडिविजुअल या कह सकते हैं अगर हमें पर्टिकुलर सेंस में बात करना है ठीक है या जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सेंस में बात करना है इंडिविजुअल बताना है किसी चीज को अकेला तो हम ईच का यूज करते हैं लेकिन अगर हमें डिनोट करना है ग्रुप को अगर हमें क्या डिनोट करना है अगर हमें ग्रुप को डिनोट करना है तो हम क्या यूज करते हैं आपने कहा एवरी का यूज करते हैं ठीक है बताइए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को पहले सारे बच्चे कमेंट करके मुझे ये बताइए कि यहाँ तक की बात सबको समझ में आई ठीक है बताओ मेरे भाई यहाँ तक बात समझ में आई ठीक है यहां तक सारे बच्चे बता देंगे एक बार मुझे बात समझ में आ गई तो इसको प्रैक्टिकली हम करना शुरू करेंगे ठीक है बस आपने देखो क्या क्या चीजें ध्यान देनी है आपने ध्यान ये देना है बच्चे फिर से मैं बताता हूं आप सभी लोगों को ये जो एवरी ईच ईदर नीदर और नन है इसके तुरंत बाद नाउन आएगा तो सिंगुलर होगा वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर इसके तुरंत बाद नाउन आता है तो ये एजेक्टिव के तरीके से काम करेगा अगर इसके बाद ऑफ लग जाता है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा उस कंडीशन में ये प्रोनाउन के तरीके से काम करेगा तीसरी बात ये होती है कि ईच जो है प्रोनाउन और एजेक्टिव दोनों होता है लेकिन एवरी सिर्फ़ और सिर्फ एजेक्टिव होता है वो प्रोनाउन के तरीके से काम नहीं करता है और आखिरी बात जो हमने आपको बताई कि ये जो ईच है ये इंडिविजुअल सेंस में काम करता है और एवरी ग्रुप के रेफरेंस में काम करता है ठीक अब इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ ठीक है अब एवरी थिंग वो भी पढ़ाऊंगा पहले ये देखो ठीक है मेरी बात सुनना अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को टैकल करने की बच्चे कोशिश करते हैं जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने कहा आपसे ईच बॉय हैज अ कार मैंने कहा एवरी बॉय हैज अ पेन ठीक है मैंने कहा नीद पेन राइट्स वेल नेक्स्ट मैंने लिखा ईदर ऑफ द टू बॉयज गेट्स या गेट अ प्राइज ठीक है गेट अ प्राइज नेक्स्ट मैंने लिखा नीदर ऑफ द टू क्वेश्चन इज करेक्ट नेक्स्ट लिखा नन ऑफ द टू क्वेश्चन इज करेक्ट ठीक है अब यहां पे देखिए सर, सर एक बार और पहले भाई पढ़ तो लो ठीक है एक बार पढ़ तो लो अभी रिपीट करने की बारी कहां है बच्चे एक बार सुनो तो पहले यहां पे देखो लिखा ईच बॉय हैज अ कार अब यहां पे देखो ईच के बाद आने वाला नाउन किस में है आपने कहा सर सिंगुलर में है और ये जो वर्ब है आपने कहा किस में है ये भी सिंगुलर में है ठीक एवरी के बाद आपने देखा नाउन सिंगुलर में है और वर्ब भी आपका किसमें है आपने कहा सिंगुलर में यही होता है कि ईच एवरी के बाद नाउन जो होगा सिंगुलर होगा वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा आपने कहा सर नीदर के बाद जो आपका नाउन आया वो सिंगुलर में होगा जो वर्ब होगी वो भी आपकी किस में होगी सिंगुलर वर्ब होगी ठीक अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि यहां पे जो ईच लिखा है एवरी लिखा है या नीदर लिखा है यह किसके तरीके से काम कर रहा है आप कहोगे सर इसके तुरंत बाद देखो नाउन आया है इसके तुरंत बाद नाउन आया और इसके भी तुरंत बाद नाउन आया है तो आप कहोगे सर ये तीनों यहां पे किसके तरीके से काम कर रहे हैं एजेक्टिव के तरीके से काम कर रहे हैं ठीक मैंने कहा आगे देखो आपने कहा इधर ऑब्द तो two boys से या get a price आपने कहा कि सर इधर के बाद जब ऑफ आ जाता है तो आने वाला जो नाउन होता है वो किस में होता है आपने कहा प्लुरल होता है और मैंने कहा वर्ब किस में होता है आपने कहा सर जो वर्ब होता है वो सिंगुलर में होता है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर गेट्स होना चाहिए ये गेट देखो आ जाएगा तो बच्चा गलत हो जाएगा ठीक और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे ईदर किसके तरीके से काम कर रहा है आपने कहा सर जब ऑफ आ जाता है तो यहां पे ये प्रोनाउन के तरीके से काम करता है ठीक आगे देखिएगा लिखा हुआ निदर ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट आपने कहा सर जब निदर के बाद ऑफ आ गया आने वाला नाउन होता है प्लूरल में और वर्ब होती है सिंगुलर बिल्कुल सही है ठीक बिल्कुल करेक्ट लगा है और अगर मैं पूछूं यहाँ पे नीदर किसके तरीके से काम कर रहा है आपने कहा सर ऑफ आ गया है तो ये किसके तरीके से काम कर रहा है आपने कहा सर प्रोनाउन के तरीके से काम कर रहा है फिर आगे आया है कि नन ऑफ द टू क्वेश्चन इज करेक्ट आपने कहा सर आप ही ने बताया है नन का यूज होता है नॉट एनी ऑफ द मोर देन टू यानी दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो ये पहली बात तो नन दो के लिए यूज ही नहीं होता दो के लिए तो नीदर यूज होता है पहली बात यहाँ पे ये कर दो जैसे दो से ज्यादा लिख दो फोर क्वेश्चन ठीक है या तो हम इसको ऐसे बच्चे सही कर सकते थे जहां पे नन है इसकी जगह हम नीदर कर सकते थे नीदर ऑफ द टू क्वेश्चंस या तो हम यहां पे दो से ज़्यादा कर दें यह हो जाएगा नन ऑफ द फोर क्वेश्चंस इज़ करेक्ट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नन ऑफ के बाद आने वाला आपने कहा प्लूरल नाउन मैंने कहा होने वाली वर्ब आपने कहा सिंगुलर अब मैंने आपसे पूछा ये नन किसके तरीके से काम कर रहा है आपने कहा सर प्रोनाउन क्योंकि इसके बाद ऑफ आया है ठीक है मतलब कोई नाउन नहीं है इस वजह से पहले बताओ ये समझ में आया एक बार सारे बच्चे बता देंगे ये बात बच्चे क्लियर हुई यहां तक पहले बता दो बात समझ में आ गई सबको फटाक से बताओ भाई एक बार सारे बच्चे बता देंगे यहाँ तक की बात समझ में आ गई सर दो बार ऑफ ऑफ कहाँ हाँ ठीक है भैया एक बार हटा लो यार इतना तो खुद भी कर सकते हो राजा बाबू है ओय, 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 ये क्या हुआ लो ये क्या था ये हुआ क्या लो अब पता नहीं ये क्या हो गया चलो ऐसे दिख रहा है ना अब इसमें मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा पता नहीं ये हुआ क्या लो अब तुम्हारे चक्कर में दो बार के चक्कर में लो बंटाधार हो गया चलो पहले बता दो तो यहां तक समझ में आ गया ना सारे बच्चों को ठीक है ये बच्चे अपना समझ लेना ठीक है क्योंकि इसके बाद अब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ कर भी पाऊंगा ठीक है ये सही हो नहीं रहा है ये पता नहीं कैसे हुआ कैसे हुआ ये इतना जरूरी कैसे हुआ डोंट नो ठीक है चलो क्लियर हो गया कोई नहीं बैकग्राउंड पता नहीं अपने आप खत्म हो गया यार लग गया पता नहीं उसकी ठीक है चलो अब भैया यहाँ पे आते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे ठीक है अब बच्चे आ जाओ प्रैक्टिस का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है द साइड ऑफ़ द क्वाइन इज़ साइनिंग अब आपको क्या बताना है पता है यहाँ पे अब आपको बताना है कहाँ पे ईच का यूज़ होगा ठीक है और कहाँ पे आपको एवरी का यूज़ होगा आपको ये यह चीज़ यहाँ पे बतानी है और आप देखिए गौर से सुनिएगा यहाँ लिखा है द साइड ऑफ द क्वाइन इज़ साइनिंग अब यहाँ पे जरा आप लोग गौर करेंगे ईच होगा या एवरी होगा तो मैंने आपसे कहा कि भैया ये जो क्वाइन होता है ठीक है क्वाइन के कितने साइड होते हैं आपने कहा सर दो साइड होते हैं मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं ठीक है जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके लिए हम ईच का यूज़ करते हैं और एवरी के लिए मैंने बताया था जब हम ग्रुप की बात करते हैं जब हम ग्रुप की यानी समूह की बात करते हैं उसके लिए हम लोग एवरी का यूज़ करते हैं तो अब यहाँ पर एक बात बताओ ये क्वाइन है ठीक है क्वाइन तो क्वाइन के बच्चे दो ही साइड होते हैं क्वाइन के कितने साइड होते हैं दो साइड एक इधर होगा एक इधर होगा आ रही है बात समझ में तो कहने का मतलब ये तो इंडिविजुअल हो गया ठीक है अब यहां ग्रुप की तो बात कर नहीं रहे मेरे देखिए मेरे अगर जेब में एक सिक्का है तो मैं आपको सिक्के से भी दिखा देता हूँ ठीक है अब जैसे ये मान लीजिए क्वाइन है मेरे हाथ में ठीक है अब क्वाइन के कितने साइड होते हैं दो ही साइड होते हैं एक ये वाला साइड हो गया और एक ये वाला साइड हो गया तो मतलब ये इंडिविजुअल सेंस दे रहा है अगर ये इंडिविजुअल सेंस दे रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सारे बच्चे आपने कहा सर ईच लिखेंगे राम नोज द कैपिटल ऑफ स्टेट इन इंडिया अच्छा एक बात बताओ अगर मैं स्टेट की बात करूँ जरा गौर करिएगा बच्चे कितने स्टेट हैं अपने अगर बात करें हम लोग कितने स्टेट हैं हमारे कंट्री के अंदर मुझे खैर कोई आइडिया नहीं है लेकिन 29 स्टेट्स ही होंगे अगर भाई हम 29 की बात कर रहे हैं ये ग्रुप नहीं है ये इंडिविजुअल रेफरेंस दे रहा है ठीक है ग्रुप वो होता है जहां पे नंबर अनसर्टेन हो जहां पे नंबर हमको पता ही ना हो ठीक है वहां ग्रुप होता है यहां तो इंडिविजुअल रेफरेंस दे रहा है ट्वेंटी एट है तो यहां पे देखो अगर मान लीजिए स्टेट तो एक दो तीन आप काउंट कर सकते हो ना सब इंडिविजुअल स्टेट है अपने आप में इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा ईच तो ये हो जाएगा राम नोज द कैपिटल ऑफ ईच स्टेट इन इंडिया आगे लिखा है सी कंडक्ट अ टेस्ट अब यहाँ पे देखो संडे लिखा हुआ है मतलब हर संडे को टेस्ट होता है ये बात भाई इन जनरल हो रही है ठीक है इन जनरल अगर जब हम इन जनरल बात करते हैं ठीक है हम ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे एवरी लिखना पड़ेगा आपको एवरी एवरी संडे, एवरी संडे, ठीक है अब यहां पे देखो देयर आर सम बॉयज इन पार्क एंड इज डूइंग एक्सरसाइज अब गौर करना एक बात अगर आप लोगों ने ध्यान दी होगी यहाँ ईच लगेगा या एवरी मैंने आपको बताया था ये जो आपका ईच होता है मैंने कहा था ये एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करेगा और ये प्रोनाउन के तरीके से भी काम करेगा और मैंने कहा था ये जो आपकी एवरी होती है एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के तरीके से काम करती है बच्चे एक बात बताना तुम ही लोग बताना ध्यान से सुनो मेरी बात मैंने कहा ईच एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करेगी और मैंने कहा प्रोनाउन के तरीके से भी काम करेगी एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के तरीके से काम करती है ये बताओ जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट वो क्या होगा वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है आप कहोगे सर या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है ठीक है सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताओ क्या जो कोई सब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है आप कहोगे सर एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट की तरह काम कर ही नहीं सकता बच्चे तुम बताओ मुझे क्या एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा आप कहोगे नहीं सर सब्जेक्ट के तरीके से या तो नाउन काम करता है या प्रोनाउन एवरी क्या है आपने कहा एजेक्टिव ईच क्या है सर एजेक्टिव भी होता है प्रोनाउन भी होता है अगर ये प्रोनाउन होता है तो क्या ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर लेगा आपने कहा सर बिल्कुल कर लेगा भैया इज क्या है आपने कहा हेल्पिंग वर्ब डूइंग क्या है आपने कहा मेन वर्ब जरूरत क्या है आपने कहा सर एक लड़की की शादी करनी है बच्चा जरूरत लड़की की नहीं है सब्जेक्ट की है यहाँ पे ईच हो जाएगा ईच इज डूइंग एक्सरसाइज आई बात समझ में आ गई अभी तक देख लीजिए यहाँ पे हजार लाइक्स नहीं हुए हैं भाई गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मिल नहीं रहा है गौर करना मेरी इस बात को सारे लोग ठीक है ये जो आपका ऑलमोस्ट नियरली प्रैक्टिकली अप्रोक्सीमेटली ये जो होता है इनके साथ हम लोग यूज करते हैं एवरी का ये सब लोग ध्यान रखना तो हो जाएगा यहां पे चाहे ऑलमोस्ट आ जाए चाहे नियरली आ जाए चाहे प्रैक्टिकली आ जाए चाहे अप्रोक्सिमेटली आ जाए एवरी टीम हैज बॉलिंग कोच ठीक है हर टीम के पास अपनी क्या होती है बॉलिंग कोच होती है इनके बाद हम एवरी का यूज करते हैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक के सारे बच्चों को भाई समझ में आ गया होगा ठीक है देखो दोस्त मैं एक बात बता दूं आप लोगों ने अब तक एक बात तो मेरे में समझ ली होगी ठीक है अब पहले 2022 हजार बाईस सी सी में क्वेश्चन आया था पहले ईच वाले से वो कर लेते हैं ठीक है थीके? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने बच्चे आपको अभी क्या बताया मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी ईच होती है ठीक है ईच के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो आपने कहा सिंगुलर होगा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी ये मैंने आपको बताई थी तो जरा गौर करिएगा ये जो ईच है ईच इसके बाद ये जो नाउन है आपने क्या कहा आपने सर सिंगुलर है लेकिन बच्चे ध्यान से देखा जाए तो ये जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए अब सिंगुलर वर्ब में हम लोग करते क्या हैं है ऐसे ईयस e. लगाते हैं बोलो हाँ लगाते हैं कि नहीं लगाते बिल्कुल लगाते हैं आपने कहा सर यहाँ तो रिसीव लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दीजिए यहाँ पे रिसीव से लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका सही ठीक है मतलब जो अपन पढ़ाते हैं ना ठीक है न, वो आता है वो आएगा ठीक है राजा देखो क्या कह रहे हैं सर मैंने दो बार लाइक किया वाह राजा के लिए भाई ताली होनी चाहिए पहले है ना इधर देखो अच्छा हुआ बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो समझे राजा क्लियर हो गया सारे बच्चों को पहले बता दीजिए भाई समझ में आ गया अगला देखेंगे अभी एक बच्चा मुझसे कह रहा था सर एवरीबडी ठीक है एवरी की बात कर रहा था मैं एनी बडी समी ये बात कर रहे थे ना अब बच्चा देखो इसको भी देखो और इससे रिलेटेड देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमेशा पता है <laughs> हमेशा एक चीज ध्यान देना आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान देना ध्यान बच्चे ये देना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट होती है ठीक है अगर वो आ गया तो सब आ गया जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा एवरी बडी इसमें क्या जोड़ा है आपने बर्डी एनी बडी में बर्डी सम बडी में आपने कहा बर्डी नो बडी में पहले इसको लोग बॉडी पढ़ देते थे तो बॉडी बॉडी नहीं है दैट्स बॉडी एवरी यहाँ बचे वन नो no वन गौर करिएगा जहां पे आपको बडी 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 और वन वन ये डिनोट किसको करता है पर्सन को डिनोट करता है ठीक अच्छा जहां पे आपको नथिंग यानी थिंग समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग ये क्या थिंग्स को थिंग्स मतलब भाई क्या हो गया आपने का सर नॉन लिविंग और ये पर्सन जो है ये मतलब हो गया और भी बात है बच्चे ये लिविंग बिंग हो जाएगा ठीक है अब यहां पे मुद्दा क्या समझना है मेनली एग्जामिनेशन के पर्पज से नोट वन करके सबसे पहले सारे बच्चे लिखेंगे कि ये सारे के सारे जो ये हैं ये क्या होते हैं ये प्रनाउन होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं प्रनाउन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या होते हैं सिंगुलर या प्लूरल ये होते हैं सर सिंगुलर ठीक है और ध्यान दीजिएगा कि इनके बाद आने वाली जो आपकी वर्ब होगी वो भी क्या होगी आपने कहा सिंगुलर वर्ब होगी यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा यहां पे मैंने लिखा समोन मैं यहां पे हैज लिखू या हैव लिखू स्टाल स्टॉलिन माई बुक किसी ने मेरी किताब चुरा ली है तो वो बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पे देखिए आपने लिखा हुआ है समोन तो समोन जो होती है वो आपकी क्या होती है प्रोनाउन होती है ठीक है कैसी प्रोनाउन होती है आपने कहा सर सिंगुलर प्रोनाउन होती है तो वह अपने साथ क्या लेगा आपने कहा सर सिंगुलर लेगा तो समोन हैज स्टॉलन माय बुक ये तो बिल्कुल बेसिक वाला कंसेप्ट हो गया ठीक है अब देखो अगर ये बेसिक वाला भाई कंसेप्ट हो गया अब देखेंगे हम यहां पे और कैसे कैसे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन में दिया जाता है ठीक है एनी बडी कैन डू द ध्यान से देखिएगा एनी बडी कैन डू दिस वर्क इफ दे ट्राई एक तो ऐसे दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन अच्छा जी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा जैसे मान लीजिए बच्चे एक ऐसे क्वेश्चन देता है नथिंग बट समुक्स वर अवेलेबल यहां पर देखो दो चीजें आपको बतानी है यहां पर हम क्या लिखें यानी नथिंग लिखें या हम यहां पर नो बडी लिखें ठीक है नथिंग लिखें या हम क्या लिखे नो बडी लिखें ठीक है अच्छा सी देखिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने ये लिखा कि नो बडी या नथिंग सम बॉय वाज या वर अबसे बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपको समझना है कि इसमें भाई हमें करना क्या है देखो पहली बात पहली बात तो ये ठीक है तो जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है हाँ पहला अनीता यादव ने सही आंसर दिया लेकिन वर्ब के साथ ये थोड़ा सा खेल गई ठीक है अब देखो मैंने क्या बताया एक बार बच्चे सब लोग मेरे साथ बोलना मैंने ये बताया कि ये जो एवरी है एनी है सम है नो है एवरी है नो no वन है ये किसको डिनोट करता है आपने कहा सर पर्सन को डिनोट करता है ये जो नथिंग है समथिंग है एनी है एवरी है ये किसको डिनोट करता है आपने कहा सर थिंग्स को डिनोट करता है कहने का मतलब ये सर लिविंग बींग के लिए है ये नॉन लिविंग के लिए है आपने कहा सर नोट करके एक बात ये ध्यान रखनी कि ये सारे

दे नहीं होगा यहाँ पे वन होगा ठीक है यहाँ पे वन होगा वन सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइज हो जाएगा जाएगा ट्राइज ट्राइज वन अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा क्योंकि जैसा अनीता यादव ने यहाँ पे ये कहा था कि सर वन की जगह ही होगा अच्छा यहाँ पे ही क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि भाई एक बात बताओ कह रहा एनी बडी दिस वर्क कोई भी इस काम को कर सकता है अगर आप ही कहोगे तो ही का मतलब हो जाएगा कि कोई इंडिविजुअल जैसे मान लीजिए दुबे शर्मा राम कमल या मोहन ठीक है लेकिन एनी बडी से तो जो सेंस निकल रहा है वो कैसा सेंस निकल रहा है आपने कहा सर एनी बडी से जो सेंस निकल रहा है वो तो जनरल निकल रहा है जनरल सेंस ठीक है अब भाई अगर आप जनरल की बात करोगे कोई भी तो जनरल के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है वन का यूज होता है वन ट्राइज पहले बता दीजिए सारे बच्चों को समझ में आया आई एम नॉट अनिता सर <laughs> बताओ भाई समझ में आया यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया कहां पे यहां पे डस ये ये डस होगा सर एनी बडी कैन डज भाई क्या रजत बेटा देखो जब भी कोई गांव का बूढ़ा इंसान बैठा रहे और इस तरीके से रगड़ रहा हो ना तो होता है कि उसके पास से मत गुजरा करो क्योंकि वो दो बार ऐसे मार दिया मान लो तुम्हें चढ़ गई तो अब ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग जाओगे ठीक है अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये बच्चा पूछ रहा है सर कोई बात नहीं मैं बताया तो डू होगा या डज होगा हमेशा बच्चे इस बात को ध्यान रखना कि ये जो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लेती है ये पहली फॉर्म हमेशा बेस होगी कभी सिंगुलर नहीं होगी जैसे आप कभी ये नहीं लिखते कि ही कैन गोज नहीं लिखते ठीक है आप क्या लिखते हो ही कैन गो लिखते हो क्योंकि जिसमें या लग जाता है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म हो जाती है और ये हमारी बेस फॉर्म होती है तो हमेशा आपने क्या लिखना है बेस फॉर्म तो लिख हो तो सिंगुलर हो जाएगा हमेशा डू लिखो जो कि हमारा क्या होगा बेस फॉर्म ठीक है कैन मॉडल वर्ब है है ना अच्छा जी अब बच्चे अगला देखो जरा गौर से समझना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे सामने नथिंग बट समबडी वाज या वर अवेलेबल अब जरा गौर करना यहाँ पे मैंने पूछा नथिंग होगा या नो बडी होगा ठीक है अब यहाँ मैंने लिखा नो बडी या नथिंग बट सम वाज या वर अपसेंट अगर गौर करिएगा यहाँ पे लिखा है सम बुक्स ठीक है बुक्स क्या है आपने कहा नॉन लिविंग नॉन लिविंग के लिए हमें पता है नो बडी का यूज़ नहीं होता हम नथिंग का यूज़ करते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है हमारा आपने कहा सर बुक्स बुक्स क्या होती है थिंग्स थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे नथिंग और नथिंग हमारा क्या होता है आपने कहा सिंगुलर अगर ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी यहाँ क्या हो जाएगी सिंगुलर यानी आपको वाज लिखना पड़ेगा ठीक दूसरी बात यहाँ पे हमने लिखा नो बडी या नथिंग बट सम बॉयज़ वाज या वर अपसेंट आप कहोगे सर यहाँ पे सम बॉयज़ के लिए लगा हुआ है बॉयज़ क्या होता है आपने कहा लिविंग लिविंग के लिए नथिंग का यूज़ नहीं होता लिविंग के लिए क्या होता है आपने कहा नो बडी का यूज़ होगा नथिंग का तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नथिंग जो है हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं और सर नो बडी जब हम यूज़ कर लेंगे नो बडी होती सिंगुलर है और इस सिंगुलर के साथ वर भी हमें सिंगुलर रखना पड़ेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा वास ठीक है उम्मीद करता हूँ ये बच्चों को समझ में आ गया होगा आगे बढ़ेंगे रूल नंबर थर्टी वन है रूल नंबर थर्टी वन में ये है कि एडवर्ब के पहले हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते ठीक है अच्छा अगर मैं किसी भी बच्चे को ये बोल दूं कि भाई ये जो एडवर्ब लिखी है एडवर्ब के पहले किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता तो बच्चे के दिमाग में पहली बात ये आएगी चलो सर हमें ये बात समझ में आ गई कि हम एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे लेकिन पहले हमको ये बता दो कि कैसे पहचाने की एडवर्ब है कहाँ पर देखो एडवर्ब बच्चे पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है उस सेंटेंस में जो आपका वेयर का रिप्लाई होगा या उस सेंटेंस में जो वेन का रिप्लाई होगा या उस सेंटेंस में जो आपका वाई का रिप्लाई होगा या उस सेंटेंस में जो आपके हाउ का रिप्लाई होगा वही एडवर्ब होगा ठीक है अगर कहीं पे आपको वेयर का रिप्लाई मिल रहा है तो गौर करेंगे वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है यानी ऐसा एडवर्ब जो प्लेस को डिनोट करता है अगर कहीं वेन का रिप्लाई मिलता है तो ऐसा एडवर्ब जो टाइम को डिनोट करता है वाई का मिलता है तो ऐसा एडवर्ब जो रीज़न बताता है यानी कारण ऐसा एडवर्ब जो हाउ का रिप्लाई मिलता है वो क्या होता है मैनर तो सिंपल सी बात बच्चे क्या है कोई भी सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस में जो वेयर वेन Why और हाउ का रिप्लाई होगा वही एडवर्ब होता है ठीक है कोई भी आपसे बोले कि अच्छा कोई सेंटेंस लिखा है उसमें एडवर्ब जय सर ने तो ये बता दिया कि एडवर्ब के पहले एडवर्विशन मत लगाना तुम ये बताओ एडवर्ब तुम पहचानो कि कैसे सेंटेंस में कि एडवर्ब है कि नहीं है तो तुम बता देना कि हम ऐसे एडवर्ब को पहचान लेंगे अब अच्छा वो कहेगा हमको दो चार एग्जाम्पल से इस बात को समझाओ तो देखो एग्जाम्पल आप कैसे करोगे इस बात को गौर करना ठीक है देखो देखो पहले आप लोगों ने बच्चे जो कुछ रूल्स पढ़े हैं ना वो कुछ रूल्स तो आपको मिलेंगे है ना जो कुछ रूल्स आपने पढ़े हैं वो तो थोड़े बहुत आपको मिलेंगे इस बात को ध्यान देना ऐसा नहीं कि हंड्रेड रूल्स में से जो पहले दो चार रूल मैंने पढ़ा रखे हैं वो नहीं मिलेंगे वो भी मिलेंगे जो नए बच्चे हैं वो भी सीख लेंगे ठीक है देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर जैसे यू शुड वर्क विद केयरफुली ठीक है यू शुड वर्क विथ केयरफुली अब मैंने कहा मोहन नेक्स्ट गांधी जी ये गांधी जी है उड गो टू एवरीवेयर ऑन फुट ठीक है और पता कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि पहले भी पूछे गए हैं जैसे इट रेंड ठीक है ऐसे क्वेश्चन दे देगा यहां पे दे देगा इट रेंड लाइक कैट्स एंड dogs लाइक कैट्स एंड dogs और यहां पे देखिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया था दे फॉट दे फॉट विद टूथ एंड नेल ठीक है दे fought विद टूथ एंड नेल और ई की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन यह दिया था वी शैल लीव दिस सिटी विद बैग एंड बैगेज बैग एंड बैगेज ठीक है अब जरा गौर से इस बात को सुनने की कोशिश करिएगा सारे बच्चे ठीक है अब यहाँ पे देखना बच्चे क्या लिखा है यू शुड वर्क विद केयरफुली ठीक है सबसे पहले अगर मैंने ये बताया है कि एडवर्ब के पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता तो आप ये देख लो यहाँ पे एडवर्ब है कहाँ ठीक है हम एडवर्ब कैसे ढूंढें हमने कहा एडवर्ब ढूंढने का ये तरीका है जैसे मैंने कहा यू शुड वर्क विद केयरफुली तुम्हें सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए मैंने कहा तुम्हें कैसे काम करना चाहिए हाउ शुड यू वर्क तुम्हें कैसे आपने कहा सर हाउ का रिप्लाई क्या मिला केयरफुली यानी ये हमारा सेंटेंस में एडवर्व है अच्छा कैसा एडवर्व है आप कह सकते हो सर एडवर्बॉफ मैनर है जैसे मैंने कहा गांधी जी वुड गो टू एवरीवेयर ऑन फुट गांधी जी पैदल हर जगह जाया करते थे मैंने कहूँ कि गांधी जी कहाँ जाया करते थे आपने कहा सर ये वेयर का रिप्लाई है ठीक है वेयर वेयर का रिप्लाई मतलब हर जगह है यानी ये हमारा एडवर्व है कैसा एडवर्व है आपने कहा सर एडवर्बॉफ प्लेस है मैंने कहा कि इट रेंड लाइक कैश एंड डॉ बारिश हुई कैसे बारिश हुई हाउ डिड इट रेन आपने कहा सर ये कैट्स एंड डॉग से कीडियम है जो कि हाउ का रिप्लाई है हाउ का रिप्लाई क्या होता है आपने कहा एडवर्ब होता है दे फॉट वो लोग लड़े विद टूथ एंड नेल ठीक है अब कहोगे आप कि यहाँ पे सर ये जो टूथ एंड नेल है ये किसका रिप्लाई है आपने कहा सर हाउ का रिप्लाई है हाउ का रिप्लाई क्या होता है आपने कहा ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया आ रही बात समझ में ठीक है अब देखिए वी सेल लिव दिस सिटी हम इस शहर को छोड़ देंगे कैसे विद बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ अब मैं कहूँगा कि इस शहर को हम कैसे छोड़ देंगे आपने कहा बोरिया बिस्तर के साथ तो हाउ का रिप्लाई क्या हो गया बच्चे एडवर्ब हो गया जब हमें ये पता चल गया कि भाई ये सारे के सारे हमारे क्या लिखे हैं आपने कहा एडवर्ब लिखे हैं और हमें पता है कि एडवर्ब के पहले हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते तो केयरफुली के पहले विद हटा दो एवरीवेयर के पहले टू हटा दो कैट्स एंड डॉग्स के पहले लाइक हटा दो टू नेल के के पहले पहले हटा हटा दो 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 और बच्चे बच्चे बैग एंड बैगेज ठीक है है एक्चुअली क्या कि हमें ये ये पढ़ने में में जरूर सही सही लगते हैं लेकिन ये सही होते नहीं एक बार हो एक बार बार सारे सारे बता बता देंगे क्लियर हो गया गया भाई समझ में आ गया सारे बच्चों को फटाक से बताइए एक बार सारे बच्चे बारिश बहुत तेजी से होती है जिसको हम लोग मूसलाधार बारिश कहते हैं ठीक है ठीके? टूथ एंड नील मतलब होता है डेडी मतलब जैसे ना दे फॉट टूथ एंड नील जी जान से लड़ना ठीक है डेडिकेशन डिवोशन के साथ लड़ना ये चीज होती है पहले बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को समझ में आ गया सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे देखिए अब ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछ चुका है तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद आएंगे इस वाले पे ठीक है यूज नो आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ फॉलोइंग नेम्स और पहले ये आते हैं बच्चे देखो मेनली क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है द फॉलोइंग वर्ड्स आर एजेक्टिव ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये किसके तरीके से काम करते हैं ये एजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ चाहे सी हो चाहे सी हो चाहे एम हो पूछा जा चुका है ठीक है अब देखो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन पूछने के पीछे पर्पज़ क्या होता है एक्चुअली हम सभी लोगों को ये चीज़ पता है मतलब यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग को ये चीज़ रटा दिया गया है बच्चों को मतलब मुझे नहीं बच्चों को कि भाई जिनके लास्ट में एल वाई आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है ठीके? वो कहते हैं कि भाई जिसे हम एल वाई आ गया उसको एडवर्ब बोलते हैं ऐसा बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा के रखा है कहते हैं एडवर्ब को कैसे पहचाने जिसके लास्ट में एल वाई आता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं लेकिन देखो दिक्कत कहाँ होती है आपने कुछ तो बच्चों को दिखा दिया कि जैसे मान लीजिए हमने नाइसली लिखा आपने कहा एडवर्ब है जैसे आपने कहा भाई हार्डली लिखा आपने कहा एडवर्ब है ठीक है ये तो बच्चा समझ गया भाई जिसके लास्ट में आता है एलवाई उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं ये हो गया चलो हमारा एडवर्ब लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में एलवाई तो आता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते वो क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं ठीक है अब एक चीज़ थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में हम एलवाई जोड़ करके एडजेक्टिव बनाते हैं क्या बनाते हैं एजेक्टिव बनाते हैं जैसे अगर मान लीजिए आपने यहां मैन लिखा मैन नाउन है आपने इसमें एलवाई जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपने कहा मैनली बन गया जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है फ्रेंड में आपने एलवाई जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपने कहा सर ये तो फ्रेंडली बन गया ठीक है ये फ्रेंडली बन गया ये मैनली बन गया तो बच्चे अगर कभी भी नाउन में हम एलवाई जोड़ते हैं तो वो हमारा एजेक्टिव होता है वो एडवर्ब नहीं होता अब खैर मुद्दा ये है कि ये जितने भी यहाँ वर्ड्स हैं ये सारे के सारे जो आपके हैं वो एजेक्टिव हैं वो एडवर्ब है, नहीं है एक तो ये ध्यान रखना है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये चीज पता चल गई तो फिर आप समझ जाएंगे कि भाई क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा जैसे चैलेंजेस दे चैलेंजेस मैनली अब देखो ये आपको पढ़ने में बिल्कुल सही लगेंगे पढ़ने में आपको बिल्कुल सही लगेंगे आपको कहीं से गलत नहीं लगेगा जैसे मैंने बोला वी शुड नॉट एक्ट cowardly, ठीक है मैंने कहा ट्रीटेड हर फ्रेंडली दे ट्रीटेड हर फ्रेंडली अब जरा गौर करिएगा यहां पे गलती है कहां कहां पे? ठीक है अब यहां पे जब मैं इस सेंटेंस को किसी बच्चे से पूछूंगा दे फेस्ड ऑल द चैलेंजेस मैनली कैसा सेंटेंस है वो कहेगा सर ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मैं कहूंगा वी शुड नॉट एक्ट कावर्डली कहेगा सर ये भी सही है दे ट्रीटेड हर फ्रेंडली ये भी सही है लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है कैसे अच्छा एक बात बताइए दे क्या है आपने कहा सब्जेक्ट फेस्ड क्या है आपने कहा वर्ब अच्छा क्या फेस किया आपने कहा ऑल द चैलेंजेस ये क्या हो गया आपने कहा सर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया भाई एक बात बताओ यहाँ क्या चाहिए एडवर्ब चाहिए अब अगर आप ये मुझसे पूछो ना सर आपको कैसे पता एडवर्ब चाहिए मैं कहूँगा बच्चे अगर देखो यहाँ पे किसका रिप्लाई चाहिए हाउ अगर थोड़ा सा पीछे आओ मैंने अभी तुम लोगों को बताया था ये दो हाउ का जो रिप्लाई होता है जो वाई का रिप्लाई होता है जो वेन का रिप्लाई होता है और जो वेयर का रिप्लाई होता है वो क्या होता है आपने कहा सर एडवर्ब्स होते हैं अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि हाउ डिड दे फेस ऑल द चैलेंजेस उन लोगों ने सारे चैलेंजेस को कैसे फेस किया आपने कहा कैसे फेस किया मैनली तो बच्चे हाउ का रिप्लाई चाहिए यानी यहाँ पे एडवर्ब चाहिए या तुम ऐसे कह सकते हो कि सर ये जो फेस्ड हमारी वर्ब है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की ज़रूरत है और मैनली जो लिखा हुआ है वो क्या होता है वो तो एजेक्टिव होता है अब इसको हम सही कैसे करें तो गौर करिएगा हम इसको करेंगे सही ऐसे जहाँ पे मैनली लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक अ मैन जगह नहीं है तो यहाँ लिखता हूँ लाइक अ मैन अब बच्चा कहेगा सर ये लाइक अ मैन जो आपने लिखा गौर से सुनिएगा मेरी बात को क्या ये हमारा एडवर्ब बन गया मैं कहूँगा हाँ बन गया वो कहेगा कैसे बन गया मैं कहूँगा बच्चे मैनली तो चलो गड़बड़ है इसको हटा दिया आपने कहा लाइक अ मैन लाइक क्या है बच्चा कहेगा प्रेपोजिशन अ मैन क्या है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अब एक बात सारे लोग गौर करिएगा जो आपको किताबों वगैरह में नहीं मिलेगी ठीक है वो बात ये है बच्चे ये जो नोट करके यहाँ सारे बच्चे लिख लेंगे जब आप प्रेपोजिशन के बाद ना ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसका ये दो तरीके से काम करता है या तो ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा या तो ये एडवर्ब के तरीके से काम करेगा आज तक आपको यह जरूर पता रहा होगा कि प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है चलो बात तो अपने आप में सही है कि प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा लेकिन बच्चे इस बात को भी ध्यान देना कि अगर प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो या तो एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है या तो वो एडवर्ब के तरीके से काम करता है ये दो ही तरीके से वो काम करेगा ठीक अब आप कहोगे चलो सर चलो ये बात तो नहीं पता थी हमें पता चल गई एडजेक्टिव के तरीके और एडवर्ब के तरीके से काम करेगा लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कहां पे एडजेक्टिव है कहां पे एडवर्ब है बच्चे बहुत ही सिंपल है देखो जब कोई नाउन की विशेषता बताएगा ठीक है या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो ये एजेक्टिव होगा अगर ये किसी वर्ब की विशेषता बताएगा या किसी एजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो ये हमारा एडवर्ब होगा अब जैसे यहाँ देखिए ये वर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ पे हमें हाउ का रिप्लाई चाहिए तो ये किसके तरीके से काम करेगा एडवर्ब के तरीके से काम करेगा एक बार बता दीजिए क्लियर हुआ ठीक है पहले बताइए यहाँ तक की बात समझ में आई सारे बच्चों को अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई ठीक है तो एक बार यहां तक की बात समझ में आ गई तो भाई बताइए फटाक से बताइए ठीक है सुमन मैम आप तो आगे देखिए हंड्रेड है, रूल्स हैं ठीक है सुमन मैम ठीक है पहले ये बता दो समझ में आ गया यहां तक ठीक है अब देखो भाई अब बच्चे एक चीज और देखना वी क्या है आपने कहा सब्जेक्ट शुड क्या है आपने कहा मॉडल वर्ब नॉट क्या है आपने कहा सर एडवर्ब अच्छा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आपने कहा सर पहली फॉर्म वी शुड नॉट एक्ट कावर्डली पढ़ने में सही लग रहा है लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं हाउ हाउ शुडंट वी एक्ट हमें कैसे एक्ट नहीं करना चाहिए आपने कहा कावर्डली हाउ का रिप्लाई क्या होता है आपने कहा सर एडवर्ब होता है हाउ का रिप्लाई क्या होता है आपने कहा सर एडवर्ब होता है यहाँ हमें बच्चे एडवर्ब चाहिए लेकिन आपने कावर्डली लिखा है कावर्डली जरा ध्यान से देखेंगे क्या होता है आपने कहा सर कावर्डली तो एजेक्टिव होता है लेकिन हमें यहाँ तो एडवर्ब चाहिए ठीक है अब इसको एडवर्ब बनाएं कैसे मैंने कहा इसको ऐसे बनाइए इन अ कावर्डली मैनर इन अ कावर्डली मैनर इसको ऐसे बनाएंगे अब बच्चा कहेगा ये कैसे हो गया एडवर्ब मैं कहूँगा अगर आप गौर से देख पा रहे हैं ठीक है इन क्या है उसने कहा प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बाद ये जो लगी है प्रेपोजिशन का क्या हो गया ऑब्जेक्ट और सर आप ही ने बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो या तो एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा ठीक है अब सर ये देखिए ये प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है मैंने कहा कैसे आपने कहा जरा देखिए सर हाउ का रिप्लाई चाहिए तो हाउ का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब होता है ठीक है तो वी शुड नॉट एक्ट इन अ कावर्डली मैनर अगला बच्चा बताएगा दे ट्रीटेड हर लविंगली दे क्या हो गया उसने कहा सर सब्जेक्ट हो गया ट्रीटेड क्या हो गई वर्ब हर क्या हो गया ऑब्जेक्ट अब मैं आपसे पूछू बच्चे ये फ्रेंडली मैं पूछूं हाउ शुड ठीक है हाउ सॉरी हाउ डिड दे ट्रीट उसे कैसे ट्रीट उसने कैसे ट्रीट किया अगर कैसे ट्रीट किया यानी यहाँ पे देखिए हाउ का रिप्लाई है है ना हाउ का रिप्लाई क्या चाहिए आपने कहा हाउ का रिप्लाई एडवर्ब चाहिए फ्रेंडली क्या है आपने कहा सर फ्रेंडली तो एडजेक्टिव होता है ये आपने बताया तो यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें और यहाँ पे देखिए लिखते हैं लाइक अ फ्रेंड लाइक अ फ्रेंड तो ये हमारा सही हो जाएगा लाइक like प्रपोजिशन हो जाएगा अब फ्रेंड इस प्रपोजिशन का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव बनाते हैं बच्चा या तो एडवर्ब बनाते हैं और यहाँ हाउ का रिप्लाई चाहिए तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा पहले बताइए क्लियर हुआ ठीक है सर ये बताओ अगर हंड्रेड रूल्स पढ़ लें तो काम हो जाएगा क्या सर प्लीज़ हेल्प मी भाई बिल्कुल काम यार एक बात बताएं आप सभी लोग कभी भी आप लोग यूट्यूब के ऊपर इतना थॉरली इतना डिटेल में आपने रूल्स वगैरह पढ़े हैं नहीं पढ़े होंगे ठीक है तो इस बात को भी ध्यान दीजिए ना आप लोग क्लियर हो गया सारे बच्चों को अब देखो अब बच्चे लिखा यूज नो आर्टिकल विद द नेम्स नेम्स ऑफ फॉलोइंग ठीक है है अब आपको आपको पे दो बातों का ध्यान देना है कि आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है ठीक है आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है इन नाम के पहले इन नाम के पहले आपको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना देखो वो कौन कौन से नाम है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक है आपका मिल्स यानी खाने के पहले जो गेम्स का नाम है उसके पहले शहर जो है उसके पहले जो लेक्स हैं ठीक है जो कंटीनेंट्स हैं माउंटेन पीक्स जो होते हैं ये आपके माउंटेन पीक्स इनके पहले जो कलर है डिजीज है दिन है ठीक है आपका मंथ्स है फेस्टिवल्स है रिलीजन्स है सब्जेक्ट है लैंग्वेज है आर्ट्स है इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते इस बात को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स से बच्चे इस बात को हम समझते हैं ठीक है देखिए जैसे मैंने कहा वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग द इंग्लिश हम क्या सीख रहे हैं आपने कहा सर इंग्लिश सीख रहे हैं जरा मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए जो आप इंग्लिश यहाँ पे सीख रहे हो आपने कहा सर इंग्लिश 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 क्या है एक लैंग्वेज है अच्छा ये बताइए अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ भाषा की बात करता हूँ क्या भाषा के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं नहीं यूज़ करते द हटा दीजिए ठीक है अच्छा इसके अलावा बच्चे पूछेंगे सर और क्या हो सकता है ठीक है और क्या हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे देखो एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है द फुटबॉल द फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड गेम इन द वर्ल्ड ठीक है लेकिन एक चीज का आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिएगा बहुत सावधानी के साथ नहीं तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ही लॉस्ट द फुटबॉल दैट यू गेव हिम ठीक है अब पता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है जो बच्चे समझते नहीं है सिर्फ रटते हैं इंग्लिश को उनके साथ दिक्कत ये होती है मैंने कहा कि भैया ये सारी चीज़ें देख लो इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे तो लड़का कहेगा सर अच्छा यहाँ पे फुटबॉल लगा है यहाँ पे आर्टिकल का नहीं यूज़ होगा ले, कहेगा यहाँ फुटबॉल लगा है यहाँ भी काट देगा लेकिन यहाँ तो आर्टिकल का यूज़ होगा अब एक बात बताइए आप थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात को ठीक है यहाँ पे फुटबॉल है यहाँ हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया यहाँ पे बच्चे फुटबॉल है लेकिन हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया क्यों देखो अगर आप गौर से तो मैंने ये बोला है कि जो गेम का नाम होता है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते आप इस सेंटेंस में कह रहे हैं फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड यानी विश्व में फुटबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है यानी यहाँ हम फुटबॉल का जो रेफरेंस ले रहे हैं वो गेम की तरह ले रहे हैं ठीक है अगर भाई फ़ुटबॉल एक गेम का नाम है तो इसके पहले तो आर्टिकल यूज़ मत करो लेकिन यहाँ पे अगर बच्चा देखा जाए ही लॉस्ट द फुटबॉल दैट यू गिव हिम उसने फुटबॉल खो दिया ठीक है जो तुमने उसे दिया था अब अच्छा एक बात बताओ क्या कोई इंसान गेम खो सकता है आप कहोगे सर गेम तो नहीं खो सकता हमने कहा कि वो खोया क्या होगा आपने कहा सर वो गेंद खोया होगा यानी बॉल खोया होगा ठीक है क्या खोया होगा बॉल खोया होगा यानी गेंद बच्चे ध्यान से देखा जाए हम यहाँ बात कर रहे हैं एक गेंद की ठीक है हम यहाँ बात कर रहे थे आ, फुट गेम की ठीक है यहां गेम की बात हो रही है यहां गेंद यानी बॉल की बात हो रही है जब हम गेम की बात करेंगे तब तो द मत लगाओ लेकिन जब हम बॉल की बात करेंगे तब तो द लग सकता है ठीक है क्लियर है बात अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई जैसे मैं एक और बताता हूं जैसे मैंने यहां लिखा देखिए मैंने लिखा द रेड इज माई फेवरेट कलर ठीक है जब मैंने ये लिखा द रेड इज माई फेवरेट कलर आप सारे बच्चे जरा गौर करिए यहां पे हमने क्या बात करी है कलर की बात कर रहा हूं भाई अगर मैं कलर की बात करूंगा तो कलर के पहले द लगता है कोई आर्टिकल नहीं लगता देखिए आपने यहां पे साफ साफ लिखा होगा कि अगर सर कभी कलर आ गया तो कलर के पहले हम लोग यूज ही नहीं करेंगे ठीक है लेकिन इसी बात को मैं ऐसे लिखूं द रेड द रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ठीक है अगर इसी बात को मैं ऐसे लिखूं जरा फिर गौर करिएगा आप सभी लोग आप कहोगे सर जो बच्चा रटने वाला होगा वो तुरंत इसको काट देगा वो कहेगा सर यहाँ पे द हटा दो लेकिन द यहाँ पे लगेगा

है ना यहाँ रेड जो था आपका वो नाउन के तरीके से काम कर रहा था और आर्टिकल जो है नाउन के पहले लगता है या नहीं लगता है वो तो नाउन के साथ रहेगा आर्टिकल लेकिन देखिए आपने जब, कलर बोला, और जब आप ऐसे बोलते हो ब्लैक कलर है ना आप जब ब्लैक कलर बोलोगे तो कलर नाउन है ब्लैक क्या होता है एजेक्टिव हो जाएगा जैसे आप बोलते हो गुड बॉय ठीक है तो जब आप गुड बॉय बोलते हो तो बॉय आपका नाउन होता है बच्चे जो गुड होता है वो क्या हो जाता है आपने कहा सर वो तो एजेक्टिव हो जाता है आ रही है बात समझ में अब यहाँ पे देखिए रेड कलर तो ये द बच्चे कलर के लिए लगा है ना कि रेड के लिए लगा है रेड यहाँ पे एजेक्टिव हो तो ये सेंटेंस सही है तो एग्जामिनेशन में ना आपने ये चीज देखना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा नहीं तो होता है कि तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोग क्यों ले पाते हैं यही रीजन होता है क्योंकि इंग्लिश से वो भागते हैं ठीक है और इंग्लिश से भागना अब सॉल्यूशन रहा ही नहीं है क्योंकि इंग्लिश का बेटे सबसे ज़्यादा उससे भाग के तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे तो अल्टीमेटली आपको पढ़ना है तो इसलिए ये सारी चीज़ों को गौर करना सहूलियत से पढ़ना पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सारे बच्चों को एक बार बता दीजिए बेटा समझ में आई बात हर चीज़ क्लियर हो गया इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे लेकिन हमको ध्यान ये भी देना है ठीक है बताओ एक बार बताओ सारे बच्चे समझ में आया क्लियर हो गया यहाँ तक चलो अगला देखिएगा रूल नंबर थर्टी फोर रूल नंबर थर्टी फोर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये कहता क्या है कि ये जो आपका कॉल है अपॉइंट है मेक है चूज है नेम है इलेक्ट है थिंक है कंसीडर है कह रहा है इसके साथ हम एज का यूज नहीं करते लेकिन ये जो डिफाइन है ट्रीट है व्यू है रेगार्ड है डिस्क्राइब है नो no है कह रहा हम इसके साथ जो है बच्चे एज का यूज करते हैं ठीक और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ठीक है अब एक करके मैं सारी बात यहां पे लिख रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये सही है या गलत है ठीक है मैंने एक लिखा यहां पे दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट यहां पे ऐसे दे देगा एज द लास्ट लीफ ठीक है ऐसे दे देगा मैंने कहा मोहन थिंग्स हिमसेल्फ एज वाइज ठीक है अब देखो जी ये दो हो गए हमारे पास एक और लिख देता हूं इससे रिलेटेड मैंने कहा पीपल कॉल्ड गांधी जी एज बापू ठीक है अब सुनना बच्चे दो एग्जाम्पल और ले लो दे ऑल ट्रीटेड द स्ट्रेंजर दे ऑल ट्रीटेड द स्ट्रेंजर एज गेस्ट ठीक है ये देखो ये ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे यहां पे आपने गलती नहीं करना है ठीक है और एक लिख देता हूं वी शैल वेलकम हिम वी शैल वेलकम Him as a celebrity, as a a celebrity, celebrity. देखो जी अब गौर करिएगा यहाँ पे ध्यान से आप देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आपने देखा कि सर दे है यहाँ पे हमने क्या लिखा आपने कहा नेम्ड आपने यहाँ पे क्या लिखा आपने कहा सर थिंग्स यहाँ पे आपने क्या लिखा आपने लिखा कॉल ठीक है यहाँ पे आपने क्या लिखा आपने लिखा ट्रीट और यहाँ पे आपने क्या लिखा आपने लिखा वेलकम ठीक है इसको देखिए दो तरीके से आप कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर आप बैठे हो तो आपको अगर ये चीज याद है ठीक है अब देखो अगर ये चीज आपको याद है कि सर कॉल अपॉइंट मेक चूज नेम इलेक्ट थिंग कंसीडर के बाद एज नहीं लगता तो बच्चा नेम के बाद एज काट देगा थिंक के बाद एज़ काट देगा कॉल के बाद एज़ काट देगा आपका तो एग्जाम में काम हो गया लेकिन उसे ये पता है कि ट्रीट के साथ एज लगता है तो यहाँ पे एज सही है वेलकम के साथ बच्चे ऐज लगता है तो यहाँ पे भी एज हमारा सही हो जाएगा ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर का काम तो हो गया लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है अगर ये जानना चाहता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ हम लगाते हैं और यहाँ नहीं लगाते तो बच्चे हमेशा एक बात को ध्यान रखना ठीक है अगर इस सेंटेंस को अगर आप गौर से पढ़ोगे तो सेंटेंस में जो दे है आपने कहा सर ये सब्जेक्ट है ये जो हैव है वो क्या है आपने कहा हेल्पिंग वर्ब है नेम्ड क्या है आपने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ठीक है ये द प्रोजेक्ट क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट है दे हैव नेम्ड द प्रोजेक्ट ठीक है अच्छा ये द लास्ट लीफ जो है ना ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसको हम बोलते हैं कैसे पता कि सर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये ठीक है ये भी मैं आपको बताऊंगा डोंट वरी ठीक है बस अपना खाना पीना आप लेकर के अपने हाथ में बैठे रहिए ठीक है थीके? ये बच्चे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है अच्छा एक बात बताओ ये लास्ट लीफ जो नाम है वो किसका है आपने कहा सर इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट क्या है आपने कहा सर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जो विशेषता बताती है उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ठीक है थीके? जैसे बच्चे ये देखो मोहन थिंक्स हिमसेल्फ मोहन खुद को बारे में क्या सोचता है वाइज किसके बारे में सोचता है खुद के बारे में ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये सेंटेंस की वर्ब है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कोई जानकारी दी जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे मैंने कहा ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कोई जानकारी दी जा रही है 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 दैट्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो गया उसी तरीके से पीपल क्या आपने कहा सब्जेक्ट कॉल्ड क्या है आपने कहा सर वर्ब है गांधी जी क्या है आपने कहा सर ऑब्जेक्ट है ठीक है अब ये बापू जो है आपने कहा सर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ठीक है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है बच्चे अब बस ये गौर करना कि कभी भी नोट करके लिख लेना अगर कोई तुमसे लॉजिक पूछे ऑब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया ठीक है इनके बीच में हम कोई भी वर्ड ला के ब्रेक नहीं कर सकते ठीक है ये ऐसे होते हैं लाइक like पति पत्नी जैसे पति पत्नी होते हैं आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते है ना जैसे बाबू सोना होते हैं आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते ब्रेक करेंगे तो आपसे झगड़ा कर लेंगे आपसे लड़ाई कर लेंगे आ रही बात समझ में <laughs> कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल होते हैं बच्चे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है अब हाँ हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट की एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट object और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी यूज नहीं किया जाता है समझ में आई सबको बात ठीक है अच्छा जी अब यहाँ पे बच्चा सोचेगा सर ये क्या है फिर क्या ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है देखो मैं बता रहा हूँ बच्चे अगर लॉजिक जानना चाहो तो तुम जान सकते हो वैसे तो तुम्हारा काम हो गया है आप ऐसे देख लो कि दे ऑल स्ट्रेंजर उन लोगों ने अजनबियों को ट्रीट किया था अच्छा बच्चे आप ये पूछ रहे हो कैसे जरा गौर करो आप पूछ रहे हो कैसे ट्रीट किया था कैसे मैंने कहा कि यार जानते हो उस लड़की ने उसको ट्रीट किया ठीक है ठीक है आपने कहा कि सर कैसे ट्रीट किया मतलब अच्छा या बुरा हम हाउ पूछना चाहते हैं हाउ यानी एडवर्ब तो बच्चे एडवर्ब के लिए हमको एज एज लगाना पड़ेगा ट्रीटेड द स्ट्रेंजर एज अ गेस्ट ठीक है लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है एग्जाम निकालना है बस इतना जाना है ट्रीट के साथ एज लगेगा जैसा वी सेल वेलकम हिम एज अ सेलिब्रिटी अब देखो यहाँ पे भी किसका रिप्लाई है हाउ का रिप्लाई है यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं है ना यहाँ पे हाउ का रिप्लाई है यहाँ पे हम एडवर्ब लिख रहे हैं तो एडवर्ब लिखेंगे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात की आ रही है बात समझ में आप सभी बच्चों को पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताओ भाई आगे देखिए अगला क्या है पजेसु एजेक्टिव प्लस जिरण्ड अब बच्चे यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करना है कि जिरण के पहले हम लोग पजेसु एजेक्टिव का यूज़ करते हैं अब आप कहोगे सर जिरण के पहले हम पजेसु एजेक्टिव का यूज़ करते हैं चलो ये बात तो अपने आप में सही है लेकिन ये एक्चुअली जिरंड होती क्या है देखो जिरण क्या होती है आपकी गौर करेंगे सारे बच्चे ये जो वर्ब की आई फॉर्म होती है इसी को हम लोग बोलते हैं ठीक है और मैंने कहा जिरंड के पहले क्या यूज़ होता है आपने कहा सर जिरंड के पहले पजेसिव एजेक्टिव का यूज़ होता है ठीक है पजेसिव एजेक्टिव के यूज़ की अगर मैं बात करूं बच्चे गौर करिएगा सारे बच्चे पजेसिव एजेक्टिव क्या होता है जैसे आपका माई हो गया मैंने बताया है अभी आपका हिज हो गया ठीक है हर हो गया योर हो गया इट्स हो गया और क्या हो गया दियर हो गया ठीक है ये आपके क्या होते हैं पजेसिव एजेक्टिव ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जीरंड होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड के पहले आप जब भी यूज करोगे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करोगे एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे देता है जैसे देखा यू टेलिंग लाइज इनरेज्ड इनरेज द मैनेजर इनरेज्ड द मैनेजर ठीक है एक मैंने ये लिख दिया ठीक अच्छा जी जरा बी देखिएगा सारे बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा दे Did not approve of यहां पे जैसे मैंने लिखा कि अप्रूव ऑफ देम स्टेंग देम स्टेंग ठीक है अच्छा सी देखिएगा मैंने लिखा ही डिज ही डज नॉट माइंड यहां पे मैंने लिख दिया मी Living अर्ली ठीक है अब जरा गौर से इस सेंटेंस को करने की कोशिश करिएगा ठीक है अब जैसे क्या है भाई यहां पे, यहां लिखा मैंने कि ही डज नॉट माइंड मी लिविंग अर्ली जरा बच्चे देखो ये क्या है वर्ब की आई फॉर्म है आपने कहा सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है आपने कहा वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड होती है जिरंड के पहले क्या यूज़ करते, है? यूज करते हैं आपने कहा पजेसिव एजेक्टिव यूज़ करते हैं पजेसिव एजेक्टिव क्या होता है ये सब आपके सामने लिखा हुआ है तो आपने यहाँ देखा मी लिखा हुआ है मी क्या होता है आपने कहा सर ऑब्जेक्टिव केस इसको काट दीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे माई तो ये हो जाएगा ही डज नॉट माइंड माई लिविंग अर्ली यहाँ देखिए यू टेलिंग लाइज इनरेज द मैनेजर यानी तुम्हारा झूठ बोलना मैनेजर को क्या कर दिया गुस्सा कर दिया इनरेज मतलब एंगर होता है ठीक है होता है जरा गौर करेंगे सारे बच्चे यहाँ टेलिंग लिखा हुआ है आप कहोगे सर टेलिंग क्या है वर्ब या एनजी फॉर्म यानी जिरंड है जिरंड के पहले हम पजेसिव सब्जेक्टिव का यूज करते हैं और पजेसिव सब्जेक्टिव यू का क्या होता है योर होता है तो हम लिखेंगे योर टेलिंग लाइज इनरेज द मैनेजर आखिरी क्या है बच्चे दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ देम स्टेइंग पे देखिए जो स्टेइंग लिखा है ये क्या है आपने कहा सर स्टेइंग जो है वर्क की आईएनजी फॉर्म है यानी जिरंड है और जिरंड के पहले हम पजेसिव केस एडजेक्टिव का यूज करते हैं देम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है दे की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे दियर हो जाएगा दियर एक बार पहले सारे बच्चे बता देंगे यहाँ तक की बात क्लियर होगी बताइए पहले बता दीजिए यहाँ तक की बात समझ में आई सारे बच्चों को बताओ भाई यहां तक क्लियर है लोग देखो आते रहेंगे लोग जाते रहेंगे अपन कंटिन्यू करते रहेंगे ठीक है अब बच्चे सुनो मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ठीक है मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक पांच मिनट के ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है इस एरर को अपने को सही करना है ठीक है चलिए यहां पे थोड़ा सा इसको सही करते हैं पहले ये अपने पास होना चाहिए आप लोगों को सेव करके इसको देना भी है ना ठीक है आप लोग पाँच मिनट का टाइम दोगे ठीक है पाँच मिनट का टाइम देंगे सारे बच्चे तब तक पानी वानी पी लो भैया पानी वानी पी लीजिए आप सभी लोग ठीक है ब्रेक ज़रूरी है ना एक बार भाई सारे बच्चों को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दो यार ठीक है ऐसे कैसे चलेगा बताइए मैं सुबह के सात बजे से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग हैं कि लाइक और शेयर ही नहीं कर रहे हैं इतना तो बनता है आप भी कुछ खा लीजिए नहीं नहीं खाना बच्चे नहीं है पढ़ाने के बाद खाऊँगा ठीक है पढ़ाने के बाद अपन खाएंगे डोंट वरी आप लोग इतना कह देते हो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वही है ना कि देखो आप लोग का एग्जाम भी है और पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है ये जब तक हो रहा है ठीक है तब तक थोड़ा सा आप सभी बच्चे सब्र करेंगे चलिए इसको एक रिस्टार्ट की जरूरत है ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो इसलिए थैंक यू थैंक यू सो मच एवरी ठीक है आप लोग तो घर में हो आप लोगों को क्या ही प्रॉब्लम है आते हैं सर दस मिनट में आप भी रेस्ट कर लीजिए थैंक यू सो मच बस ये इसको ऑन हो जाने दीजिए ऑन होने में ये जितना टाइम लगेगा ठीक है उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आज इसको ख़त्म करना है किसी भी हाल में इसको ख़त्म करना है क्योंकि बच्चे देखो एग्ज़ाम पास में है रोज़ पच्चीस पच्चीस रूल्स पॉसिबल नहीं है ठीक है एक्चुअली क्या है कि हमारा छः बजे भी क्लास चलता है हम लोगों का उसके बाद तीन बजे वाला बैच भी अपने को पूरा करना है यूट्यूब पर तो ये तो अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा ठंड नहीं लग रही है सर क्या कर सकते हैं जी ठंड तो यहाँ पे नहीं है उतनी ज़्यादा नहीं है स्टूडियो के अंदर उतनी ठंड नहीं होती ठीक है बस होने वाला है भाई होने वाला है आप सभी लोग आ जाइए हाँ एक दो दिन वायस भी करवाइए ना हाँ वायस तो पूरा कंप्लीट कंप्लीट वायस की मैराथन सेशन ही लेने वाला हूँ बच्चे मैंने तो आप लोग को बोला भी था वायस का कंप्लीट मैराथन चलेगा सो डोंट वरी मैंने देखिए आप लोगों को पहले भी बोला है आप लोग टेंशन मत लो किसी चीज़ का मैं पूरा यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को ठीक है सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में पड़ेगी और आप लोगों को मिलेगा भी मतलब सब पीडीएफ वगैरह भी आप सभी लोगों को मिलेगा ठीक है डोंट वरी आप लोग किसी चीज़ का टेंशन मत लो हर चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है हम आ गए हैं यहाँ पे ठीक है ये यहाँ से हम लोग को शुरू करना है तो भाई आप मुझे बस पाँच मिनट का और टाइम दो ठीक है पाँच मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं मैं आ रहा हूँ ठीक है पाँच मिनट में आ रहा हूँ चलिए सेशन को फिर से कंटिन्यू करते हैं एक बार सारे बच्चे जो वापस गए हैं आ जाइए है फटाक से ठीक है तो सेशन को शुरुआत दोबारा से किया जाए एक बार बता दीजिएगा आवाज वगैरह आप सभी बच्चों को सुनाई दे रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आवाज़ में देखो जी हमारे सामने भाई क्या है अगला जरा कंसेप्ट सारे बच्चे देखेंगे ब्रेक अपना खत्म होता है अगला कंसेप्ट हम लोगों के सामने है कह रहा कि ये देखिए जो लिखा हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड टू ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए आप सभी लोगों को क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू पे नो अटेंशन टू कम हियर विद अ व्यू टू ठीक है साथ में लिखा है बच्चे अपोजेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू एडमिटेड टू अवर्स टू टेकन टू गिव टू इनके बाद हम जिरंड फॉर्म का यूज करते हैं क्या करते हैं जिरंड जिरंड का मतलब क्या होता है जी वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस बात को सारे बच्चे ध्यान देंगे इनके बाद हम वर्क की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड का यूज करते हैं ठीक है सर जितना रूल पढ़ा रहे हो उतना एग्जाम से क्लियर हो जाएगा आप अभी ना पूरा पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे वो लग जाएगा पूरा मॉक लग जाएगा ठीक है आराम से हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चे मैंने लिखा दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी ही एडमिटेड टू हेल्प द यहां पे क्या लिखा आपने क्रिमिनल्स ठीक है यहां पे क्या लिखा क्रिमिनल्स सी देखिए ही हैज कम हियर विद अ व्यू टू विद अ व्यू टू इंसल्ट मी ठीक है अब देखोगे एक और अच्छा लिख देता हूं दे Have they pay no attention attention to shout ठीक है ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं और यहां पे बच्चे गौर से देखना ठीक है आपके एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है जब भी आएगा आपको बस ये ध्यान देना है अगर आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू पे नो अटेंशन टू कम हियर विद टू इसमें से कोई भी फ्रेज अगर आपको दिखती है तो इसके बाद आपने जेरन फॉर्म का यूज करना है जैसे देखिए यहां पे लिखा दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आई फॉर्म आएगी यहाँ पे हम जेरन फॉर्म लिखेंगे यानी सिंग लिखा ही एडमिटेड टू एडमिटेड टू आ गया एडमिटेड टू के बाद जेरन फॉर्म आती हेल्प नहीं होगा यहाँ पे आपने क्या लिखना पड़ेगा

आगे देखेंगे रूल नंबर थर्टी सेवन की बात करते हैं बहुत आसान है मच टू अपने बाद लेता है और टू मच अपने बाद क्या लेता है नाउन लेता है इस बात को गौर करिएगा ठीक है जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सी इज मच या इसको थोड़ा सा अगर मैं गलत लिखने की कोशिश करूं जिससे एग्जामिनेशन जैसे देता है जैसे मैं देखो सी इज टू मच और यहां पे मैंने क्या लिखा ब्यूटीफुल ठीक है

अब जरा इसको गौर करिएगा सारे के सारे बच्चे ठीक है सारे के सारे बच्चे थोड़ा सा गौर करेंगे यहां पे बहुत आसान है बस ये देखना है बच्चे आपने टू मच के बाद क्या होना चाहिए नाउन और मच टू के बाद क्या होना चाहिए एडवर्ब अगर मान लीजिए कोई आपसे ऐसा पूछता है कि ऐसा क्यों तो आप बता सकते हो कि सर ये जो मच होता है ये होता है डिटरमिनर ठीक है अब वो कहेगा भाई डिटर्मिनर क्या होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सवाल करेगा तो आप बता देना अच्छा डिटर्मिनर को तुम एजेक्टिव बोल लो डिटरमिनर को क्या बोल लो तुम एक तरीके से एजेक्टिव बोल लो अब कहेगा एजेक्टिव पता है बिल्कुल पता है भाई एजेक्टिव के बाद क्या आता है वो कह देना भाई नाउन आता है बड़ी सिंपल सी बात है अब वो कहेगा टू क्या है अब कह देना कि भाई अगर हम टू की बात करें टू तो वैसे एडवर्ब होता है ठीक है अब कहेगा अगर भाई टू हमारा एडवर्ब होता है ठीक है तो एडवर्ब अपने बात कि, मतलब किसके लिए लगेगा एडजेक्टिव के लिए बच्चे यहाँ पे एडवर्ब मत लिखना यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना टाइप करने में कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा ठीक है क्योंकि टाइप मैं ही करता हूं रात रात भर बैठ के आप सभी लोगों के लिए आप लोग को पता होगा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़े हैं तो आप सभी बच्चों को पता होगा आप सभी लोग के लिए मैं ही बनाता हूँ तो वो कुछ गलतियाँ आप लोग इग्नोर कर दीजिए अगर गलतियाँ मिलेगी तो मैं यहीं सुधार दूंगा तो बच्चे मच टू के बाद एजेक्टिव आता है टू मच के बाद नाउन आता है अब वो कहेगा कि भाई यहाँ पे अगर टू क्या है आप कह देना एडवर्ब है एडवर्ब क्या करता है बच्चे एजेक्टिव की विशेषता बताता है तो लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं कि ये हमारा डिटर्मिनर होता है यानी एजेक्टिव होता है नाउन की विशेषता बताएगा ये एडवर्ब होता है एजेक्टिव की विशेषता बताएगा अब यहाँ पे हमें ये देख लेना है कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे एजेक्टिव है हमने देखा ही गॉट टू मच कन्फ्यूज हमने देखा ये जो कन्फ्यूज लिखा हुआ है ये हमारी एजेक्टिव होती है ठीक है क्या होती है एडजेक्टिव और जिन बच्चों को नहीं पता है यहाँ पे आप नोट करके ये बात लिख लीजिएगा बच्चे क्योंकि जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल एजेक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल एजेक्टिव बोलते हैं तो अब यहाँ पे देखिएगा ठीक है अब देखना सी इज टू मच ब्यूटीफुल आपने कहा सर ये जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ब्यूटीफुल क्या है आपने कहा एजेक्टिव है अच्छा एजेक्टिव किसके बाद आएगा आपने कहा सर मच टू के बाद आएगा तो आपने कहा सर यहाँ पे टू मच लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख दो मच टू लिख दो मच टू

कमोशन हो गया लास्ट में टी एन आ रहा है ठीक है कंट्रीब्यूशन हो गया तो ये हमारा नाउन है कंफ्यूजन में आई सारे बच्चों को समझ में आ गया बताओ भाई फटाक से बताएंगे सारे बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया बहुत अच्छा लग रहा है सर बिल्कुल अच्छा लगेगा हंड्रेड गोल्डन रूल्स आप लोग पढ़ लिए ना तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा

ठीक है 2021 या 2019 वाले नहीं रखे मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जो चीज आप पढ़ रहे हो कितना रिलेवेंट है और रिसेंटली सब पूछे जा रहे हैं ठीक है ये बात भी आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए अब देखो रूल नंबर बेटा थर्टी ये यह कहता है कि एक होता है एंटर एक होता है एंटर टू अगर सिंपली मैं बात करूं कहीं पे प्रवेश करने की इसका मतलब होता है प्रवेश करना ठीक है गो टू प्लेस कम टू प्लेस किसी स्थान पर जाना यानी बस इतना गौर कर लेना अगर मैं बात करता हूं बिल्डिंग की मैं बात करूं शॉप की मैं बात करूं कमरा यानी रूम की मैं बात करूँ ऑफिस की है ना इनके लिए हम यूज करेंगे मेरे भाई एंटर लेकिन ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं किसी चीज में शामिल होने की शामिल होना मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व होना ठीक है किस कैसी चीज में जैसे मान लीजिए दो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपने पार्टनरशिप कर ली साथ में ठीक है दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो आपने डिबेट कर ली ठीक है आप भी उसी में शामिल हो गए दो लोग बहस कर रहे हैं तो आप भी बीच में जाके आर्ग्यूमेंट में शामिल हो गए यानी बहसबाजी करने लगे तो जैसे पार्टनरशिप हो गया डिबेट हो गया आर्ग्यूमेंट हो गया अगर इन चीजों में आप खुद को शामिल कर लिए ठीक है जाकर के कोई और लड़ रहा है आप भी उसी में चले गए ठीक है कोई और व्यापार कर रहा है दो लोग आपने कहा भैया हमको भी शामिल कर लो ठीक है हम भी आपके साथ व्यापार करेंगे वो दो लोग बातचीत कर रहे हैं आपसे रहा नहीं जा रहा देखते देखते आप भी कूद पड़े हम भी भाई बातचीत करेंगे ठीक है हमें भी कांग्रेस और बीजेपी के बारे में पता है किसकी सत्ता आने वाली है हमसे पूछो हम बता देंगे हमें कोई काम नहीं है दो चाय पिलाओ पूरा का पूरा हम सत्ता पलट देंगे अभी बीजेपी से कांग्रेस ले आएंगे ठीक है तो ऐसे लोग होते हैं डिबेट में घुस जाते हैं अपना तो भैया अब ऐसे समझना जैसे मैं ये बोलू कि ही एंटर्ड इंटू द ऑफिस ठीक है और बच्चे अगर मैं ये बोलूं कि ही एंटर्ड इंटू या एंटर लिखू एंटर द चाहे डिबेट लिख दू चाहे आर्ग्यूमेंट लिख दू चाहे यहां पे मैं पार्टनरशिप लिख दू पार्टनरशिप लिख दूं अब जरा मुझे आप लोग बताने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे क्या होगा ठीक है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम बात कर रहे हैं ऑफिस की ठीक है आप कहोगे सर ऑफिस में हम कहीं पे अगर प्रवेश करने की बात करते हैं जैसे बिल्डिंग हो गया शॉप हो गया रूम हो गया ऑफिस हो गया इसके लिए हम इंटू का यूज नहीं करते हम सीधा लिखेंगे ही एंटर द ऑफिस ठीक है ओके okay. अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ही एंटरड द डिबेट आर्ग्यूमेंट या पार्टनरशिप देखो तो अगर मैं डिबेट की बात करूँ मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूँ या पार्टनरशिप की बात करूँ तो इसमें कोई इंसान शामिल होता है फिजिकली वो ऐसे प्रवेश तो करेगा नहीं फिजिकली तो एंटर करेगा नहीं तो यहाँ पे एंटर के साथ क्या हो जाएगा भैया आपने कहा सर एंटर के साथ इंटू हो जाएगा ठीक है अब जानते थोड़ा टेक्निकली बताऊँ ना खैर उसके बच्चे जानने की ज़रूरत नहीं है या ऐसे देख लो एंटर इंटू एक पूरा का पूरा ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है शामिल ठीक है अब ये क्या होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता ये सब कहानी मैं भी बुन सकता हूँ जैसे लोग टीचर बोलते हैं ना कि मैं बड़ा लॉजिकल पढ़ाता हूँ ये इसके पीछे बेटा लॉजिक काम कर रहा है ठीक है मैं ये कह रहा हूँ कि भैया दो महीने बाद बच्चे का एग्जाम है आपके ज्ञान के चक्कर में आपके लॉजिक के चक्कर में वो बेचारा घूम जाएगा और एग्जाम के चक्कर में वो एग्जाम में बैठ के घूमता रहेगा ये ट्रांजिटिव ये ये इंट्रांजिटिव ये फलाना ये ढिमकाना और बेचारा कुछ गलत करके चलाएगा उसको ऐसे बता दो कि जो उसको तुरंत दिमाग में घुस जाए ठीक है जैसे ये बात मुझे लग रहा है सारे बच्चों को घुस गई होगी है ना अब जैसे यहां बच्चे देखो द न्यूज पेपर रिपोर्टेड दैट इट वॉज अ रिपोर्ट किया कि इट वॉज अ एक मिस्ट्री थी हाउ द थीव्स कि चोर कैसे घर में घुसे भैया यहाँ पे बच्चा सीधा देखेगा कि यार जय सर ने बता रखा है बिल्डिंग शॉप रूम ऑफिस ये कहेगा लो भैया हाउस है हाउस है तो इनटू हटा दो तो वो अपना करके आगे बढ़ेगा उसको नौकरी लेनी है फिर शादी करनी है उम्र निकलती जा रही है लड़कों का भाई दो चार बच्चे दस बच्चे भी तो करना है आ रही है बात समझ में आप सभी लोगों को तो ये भी करना है अब हम पूरा लॉजिक ही समझेंगे तो हम टीचर नहीं बन जाएंगे हम क्या करेंगे आ रही बात समझ पहले बता दो बच्चे समझ में आ गया घुस गई एंटर किया हैं हाँ, बताइए एक बार सारे बच्चे बता देंगे आप सभी बच्चों को समझ में आ गई बात यहाँ तक उसके बाद रूल नंबर थर्टी नाइन पे आएंगे भैया अब आ जाओ तो असली कहानी धीरे धीरे शुरू हो रही है ठीक है अभी तो हमने आगाज किया है रेज 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 रेजिंग रीज, राइज रोज राइज इन राइज, राइजिंग राइज, 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 राइज। ये सब एग्जाम में आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज करता है ठीक है अब देखो मेरी बात को पहले गौर से सारे बच्चे सुनेंगे ये हो गया हमारा वर्ब का पहली फॉर्म ये हो गया वर्ब का दूसरा फॉर्म ये हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म ये हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको आप लोग बोलते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अच्छा यहाँ राइज जो है ये है वर्ब की पहली फॉर्म रोज वर्ब की दूसरी फॉर्म राइजिंग वर्ब की तीसरी फॉर्म राइजिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम लोग आई फॉर्म बोलते हैं लेकिन सुनिए मेरी बात गौर से सुनिएगा आप सभी लोग ठीक है क्या सुन रहे हैं आप मुझे देखिए ए लिसन <गँगे> मुझे देखो ध्यान से बहुत मारूंगा ठीक है मजाक नहीं ये कमेंट बाजी करना छोड़ दो बच्चे पहले पढ़ लो ध्यान से ठीक है ध्यान से पढ़ो देखो ये क्या है ये जो रेज रेज रेज्ड रेजिंग रेज 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 लिखा है ना और ये देखो राइज रोज राइजिंग और राइजिंग लिखा है ना तुमको तो पता चल गया ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा इसका क्या करें सर कटहल तो है नहीं जो अचार डाल देंगे बाद में खाएंगे बच्चे बस इतनी बात समझ लो ये जो होती है ये तुम्हारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब और इसको बस इतना समझ लो मेरे भाई ठीक है ये होती है इन ट्रांजिटिव वर्ब अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव का क्या मतलब है देखो बच्चा ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बाद क्या आ जाएगा आपने कहा ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमने कहा इन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता पहले क्या लिखते हैं आपने कहा पहले प्रेपोजिशन मैंने कहा उसके बाद आपने कहा उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट ठीक है भैया फिर से मेरी बात को गौर से सुन लो आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ विनती कर रहा हूँ कोई गलती हो क्षमा कर दीजिएगा बस इतना समझना है आप सभी लोगों को ये वर्ब क्या है मेरे साथ पढ़िए आपने कहा सर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब बच्चा वो वर्ब होती है जिसके बाद क्या आता है आपने कहा सर जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है इंट्रांज़िटिव वर्ब क्या होती है आपने कहा सर इंट्रांजटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद तुरंत तो ऑब्जेक्ट नहीं आता हमको क्या है प्रेपोजिशन लिखते हैं उसके बाद हम उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं ठीक अब बच्चा कहेगा ठीक है कि चलो ये सब तो मामला समझ में आ गया सर

चीफ गेस्ट बाई द चीफ गेस्ट ठीक है पहला दूसरा सुनिएगा गौर से आई हैव अब देखो मैं मार्केट में आ गया हूं तो क्या हो गया है आई हैव राइज हो गया है आई हैव रेज हो गया है द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन मैंने क्या कर दिया है भैया मार्केट में आकर के जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर हैं अभी बेचारे देखो सब बड़े प्यारे हैं अच्छे हैं लेकिन कुछ तो मुझे मन ही मन गाली दे रहे होंगे मन मन गाली इसलिए दे रहे होंगे चुपचाप साला मेरा धंधा चल रहा था एप्लीकेशन पे आ रहे थे हजारों बच्चे पढ़ रहे थे पैसा दे रहे थे चलो हमने तो सबको नहीं काटा लेकिन उनको लग रहा होगा यार कुछ बच्चे होंगे जो हमारे कट गए अब जा कर के यूट्यूब पर उससे पढ़ रहे हैं वो कह रहा है हम पूरा मैराथन सेशन ले करके पढ़ा देंगे जब वो मैराथन सेशन ले कर सब पढ़ा देगा सब कॉन्टेंट रेलिवेंट और ओरिएंटेड एग्ज़ाम ओरिएटेड पढ़ा देगा फिर हमको पैसा कौन देगा ठीक है अब भाई अब ये देखो तुम लोग बच्चे हमें दुआ दे रहे होगे ठीक है तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होगे लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मुझे कोस रहे होंगे ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके कोसने कुछ भी कर लें वो मुझे लग रहा है कि तुम ले का प्यार उनसे काफी बड़ा है ठीक है वो तो होंगे यार मिला के आठ दस लोग तुम लोग हो हजारों में तुम लोग हो लाखों में ठीक है ये अपने को तो एक बार भाई शेयर कर दो लाइक कर दो ठीक है देखो आई हैव राइजन या रेज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ये लिख दिया मैंने ठीक है नेक्स्ट लिखा बच्चे मैंने द सी एफ सी गैसेस आर रेजिंग या राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर क्या लिखा मैंने द ग्लोबल टेम्परेचर ठीक है और सुनिएगा मेरी बात के, ध्यान से डी लिखा द टेम्परेचर में राइज या रेज राइज या बच्चे मैंने क्या लिख दिया रेज अप टू टु, ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस अब देखो ऐसे आपको ना मैं चुटकियों में बताऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश इतनी भी आसान हो सकती है क्या ठीक है देखो कंटेंट मस्त है सर आप लोगों का प्यार है ठीक है आप लोग ऐसे बनाए रखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंटेंट के नाम पे हम आप लोगों के साथ धोखा करेंगे नहीं भाई अच्छा एक बात बताओ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो आप एक बार जाके यहाँ जुड़ के देखिए आप इंग्लिश बाई जय सर ठीक है अभी तीन दिन के अंदर यहाँ पे कम से कम दो लगभग बच्चे जुड़ चुके हैं ठीक है तीन दिन के अंदर यहाँ पे बच्चे जुड़ चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूँ रात के चार, चार बज जाते हैं मुझे आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में उसके बाद भी कंटेंट में कमी आ जाए तो फिर तो मेरा जगना बेकार है इससे बढ़िया मैं किसी से बात कर लगा के और बताइए बाबूजी खाना खाया आपने बच्चे चार बजे तक साढ़े चार बजे तक जगा जा रहा है तुम लोगों के कंटेंट के लिए कंटेंट खराब हो ही नहीं सकता ठीक है वो तो हम लोग मैं होने ही नहीं दूंगा अब देखो बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात को हमने क्या देखा कि रेज वर्ब की पहली फॉर्म है गौर करिएगा ये 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 दूसरी फॉर्म फॉर्म है ये तीसरी है तीसरी चौथी ये 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 पहली ये दूसरी ये तीसरी चौथी हमने बस एक पते की बात देख ली ये ऊपर वाली ट्रांजिटिव वर्ब होती है मतलब जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा ये इंट्रांटिव वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट नहीं आता प्रेपोजीशन आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है अब जरा बच्चे गौर देखो ए को बाद में करेंगे पहले बी से आते हैं बी करते हैं सी करते हैं डी करते हैं हमने कहा आई हैव राइजन या रेज सबको पता है ये सब्जेक्ट है सबको पता है भैया ये हेल्पिंग वर्ब है है ना अब ये है कि यहाँ राइजन लिखें या रेज लिखें और ये द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन जो है जरा गौर से देखेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है अब बच्चा कहेगा कि अगर सर ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे जो हमें वर्ब लिखनी है वो ट्रांजिटिव वर्ब लिखनी पड़ेगी आपने सर एक राइजन लिखा है राइजन इन होती है जो आपने रेज लिखा है वो ट्रांजिटिव होती है तो एक काम करो सर यहाँ से राइजन हटा दो ये लिखो आई हैव द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन आई बात समझ में ठीक है अब यहां पे लिखा दी एफ सी गैसेज आर रेजिंग या राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर अब बच्चा कहेगा सर सी एफ सी गैसेज क्या है आपने कहा सर सब्जेक्ट है अब वो कहेगा आर हो गई सर हेल्पिंग वर्ब अब आप पूछ रहे हैं रेजिंग होगा या राइजिंग होगा बच्चा आगे पढ़ा उसने कहा सर द ग्लोबल टेम्परेचर आया है यानी ये सेंटेंस का क्या है आपने कहा सर ऑब्जेक्ट है ठीक है अब मैं कहूंगा बच्चे एक बात बताओ रेजिंग होगा या राइजिंग होगा तो आपने कहा सर अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो वर्ब होनी चाहिए यहाँ पे ट्रांजिटिव सर ये जो रेजिंग होता है ये तो ट्रांजिटिव होता है जो राइजिंग होता है सर इनट्रांजेटिव होता है ये वाला हटा दीजिए क्या लिखिए रेजिंग आ रही है बच्चे बात समझ में ठीक है और सुनना मेरी बात एक लिखा हुआ द टेम्परेचर आपने कहा सर सब्जेक्ट हो गया अच्छा मे क्या हो गया आपने कहा मॉडल वर्ब हो गया अब बच्चा पूछ रहा है भाई कि राइज होगा या रेज होगा सर है ना मैं कहूंगा अपटू क्या है आपने कहा सर ये तो प्रोजिशन हो गई बाबा अगर ये प्रेपोजिशन हो गया और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ तो पेटिव है, है।, है तो रेज हटा देगा यहाँ पे लिख देगा राइस पहले बताइए समझ में आया बताओ भाई एक बार सारे बच्चे बता देंगे समझ में आ गया क्या ठीक है अगर समझ में आ गया हो तो बताइए एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से देता हूँ और वो करके मुझे दिखा दीजिए एक बार बताएंगे सारे बच्चे हर बच्चे को क्लियर हो गया बताओ भैया क्लियर हो गया सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर चलो बच्चे एक एक बताना तुम लोग बताना ठीक है मैंने कहा यू शुड राइज या रेज योर वॉयस योर वॉयस अगेंस्ट करप्शन अगेंस्ट ये बताना मुझे क्या होगा यू शुड राइज या रेज योर वॉयस अगेंस्ट करप्शन तो बच्चा कहेगा सर इसमें कुछ खास नहीं है क्या है करना इसमें आप देखो ये आपने यू लिखा सब्जेक्ट हो गया शुड जो लिखा आपने बच्चे मॉडल वर्ब हो गया राइज या रोज रेज होगा है ना योर वॉयस बच्चा कहेगा ये है सर आपका ऑब्जेक्ट ठीक है बच्चे गौर से सुनो ये ऑब्जेक्ट है बाबा यू शुड राइज या रेज योर वायस अगेंस्ट है आपका प्रेपोजिशन अगेंस्ट प्रेपोजिशन है Corruption इस करप्शनिशन का ऑब्जेक्ट है बाबा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिखा है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए मतलब यहां पे आएगा ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब राइज नहीं होता ट्रांजिटिव रेज होती है रेज रेज होगा रेज आगे बात समझ में हाँ जी समझ में आ गया सबको एक बच्चे और बता दो बस ठीक है एक और पूछूंगा इस ये बताने से पहले एक और पूछूंगा ये बता दो द मैन रेज या रोज फ्रॉम द सीट ठीक है बस इसका जवाब दे दो मैं समझ जाऊंगा कि सारे बच्चों को समझ में आ गया एक बार सारे बच्चे बता देंगे मैन रोज. रोज, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है अब तुम लोगों को ये बताना है कि यहां क्या चाहिए ये रेज जो होता है ये तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो रोज होता है ये हमारी इंट्रांटिव वर्ब होती है हमें क्या चाहिए ठीक है साहू बाबू बोल रहे हैं रोज चाहिए सुंदरी कुमारी रोज भावना मोगरे रोज ज... हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बढ़िया 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 बहुत बढ़िया ठीक है इस बात पे आप लोगों को एक बड़े भाई के नाते फ्लाइंग किस तो बनती है लेकिन कोई बात नहीं मैं दूंगा नहीं <clears throat> मैं बहुत सख्त हूं ठीक है बच्चों को प्यार नहीं देना चाहिए प्यार देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं ये माना जाता है बच्चों को जब प्यार आए तो भी दो थप्पड़ मारो ना आए तो भी दो थप्पड़ मारो वो हमेशा लाइन पर रहेंगे वो हमेशा कन्फ्यूज रहेगा मार क्यों रहा है मुझे ठीक है और फिर वो उसको लगेगा कहीं गलती ना हो जाए तो वो बेहतर करेगा देखो द मैन क्या है आपने कहा सर सब्जेक्ट है भाई फ्रॉम क्या है आपने कहा प्रेपोजिशन है द सीट क्या है आपने कहा सर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बच्चे एक बात बताओ ये ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का है तो यहाँ तुम्हें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए नहीं इन ट्रांजेटिव चाहिए तुम लोगों ने सही आंसर किया है ठीक है तुम लोगों ने एकदम सही आंसर किया है अच्छा जी अब आ जाओ इसको समझ लेते हैं अराइज क्या होता है और अराउज क्या होता है दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये समझ लो जो अराउज होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब अब मुझे एक बात बताओ जैसे ही मैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलूंगा तुम क्या समझोगे आप कहोगे जैसे आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे मैं समझूंगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अच्छा मैं कहूंगा अराइज होता है इन ट्रांजिटिव वर्ड अब मैं कहूंगा ये बताओ जैसे मैं इंट्रांजटिव वर्ब बोलूंगा तुम क्या समझोगे तुम कहोगे सर जैसे आप इंट्रांजटिव वर्ब बोलोगे मैं ये समझूंगा कि इसके बाद आता है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट ठीक है यही समझोगे इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी बच्चे को ठीक है अब बच्चे एक चीज़ तुम गौर से सुनना मेरी ठीक है क्या देखना मेरी बात अगर ये बात समझ में आ गई तो आप कहोगे पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया ठीक है चलो अब कहोगे सर इसकी मीनिंग क्या होती है प्रकट होना कम अप का मतलब क्या होता है, मतलब होता है, मतलब क्या होता है? सर, क्या प्रकट होना ठीक है अच्छा मैं कहूंगा बच्चे अराउस का मतलब क्या होता है ठीक है अराउस का मतलब क्या होता है वो कहेगा सर अराउस का मतलब होता है टू यानी उकसाना लड़के को यहां तक सारी बात समझ में आ गई ठीक है अब वो कहेगा कि सर अगर एक एग्जाम्पल दे दो ना कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को सारी बात यहां पे क्लियर हो जाएगी ठीक है बच्चे वो भी कर लेते हैं चलो तुम बताना ठीक है मैं क्या कहना चाहता हूं मैंने कहा कि सच इंसिडेंट्स सच इंसिडेंट्स मैंने कहा क्या होगा कैन अराइज या कैन अराउस द पब्लिक सेंटीमेंट्स द पब्लिक सेंटीमेंट्स ठीक है ये मैंने पहला लिख दिया अच्छा जी दूसरा यहां पे बच्चे एक और सब लोग बताएंगे एनदर प्रॉब्लम उड एनदर प्रॉब्लम उड अराइज या अराउज ठीक है ये आपको बताना है चलो भाई गौर से देखिएगा सबको समझ में आ जाएगा लिखा है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं कैन अराइज या अराउज द पब्लिक सेंटिमेंट्स ठीक है अब बताइए ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट ये हो गया आपका मॉडल वर्क है ना अब इसके बाद हम क्या लिखें? अराइज या अराउज आपने देखा जो अराइज होती है वो ऐसी जो घटनाएं होती है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को क्या कर देती हैं प्रवोक कर देती है जैसे कैसी घटनाएं जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत कर दिया गया रास्ते में ठीक है लड़की है या औरत है है ना आए दिन हमारे यहाँ इस तरीके की छेड़खानी के मामले आते हैं वो कभी कभी इतनी क्रूरता कर दी जाती है ठीक है लुक कर देते हैं तो जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो, वो... प्रोवोक हो जा हो जाता है लोग अपना कैंपेन करने लगते हैं लोग ट्विटर पे आ जाते हैं रोड पर आ जाते हैं तो बच्चे अगर गौर से देखो तो ये सब्जेक्ट है ये मॉडल वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है अराइज इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है यहाँ पे नहीं होगा देखा जाए तो यहाँ उकसाने की बात कर रहे हैं कि भैया ऐसी घटनाएं जो पब्लिक का भावनाएं हैं उनको उकसा देती है आई बात समझ में यहाँ कह रहा कि problem, कि यह है कि एन प्रॉब्लम कि आपका सब्जेक्ट है

चलिए अगला देखेंगे अब भैया यूज टू का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहानी है ठीक है इस स्ट्रक्चर पे बच्चे बाद में आएंगे सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं ये जो आपका यूज टू होता है यूज टू ठीक है यह क्या होता है एक मॉडल वर्ब होती है क्या होती है मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब की जो सबसे बेसिक बात होती है वो ये होती है ये अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म लेता है हमेशा ध्यान रखिएगा कोई मॉडल वर्ब हो चाहे कैन हो मे हो माइट हो ठीक है कोई भी मॉडल वर्ब हो हमेशा अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म लेगा ठीक अच्छा अब हमने कहा कि यूज्ड क्या है आपने कहा सर यूज्ड है मॉडल वर्ब हमने कहा बच्चे मॉडल वर्ब क्या लेता है ठीक है आपने कहा मॉडल वर्ब वर्ब की पहली फॉर्म लेता है ठीक अच्छा जी अब आप कहोगे चलो सर ये तो बात समझ में आ गई लेकिन ये क्या करता है मैंने कहा ये बताता है पास्ट हैबिट यानी जो आपकी पुरानी आदत थी ठीक है ये पास्ट हैबिट बताता है अब ये बच्चे बेसिक दो बातें आपको ध्यान रखनी है क्या क्या कि यूज टू एक मॉडल वर्ब है मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म लेता है और मॉडल वर्ब जो यूज टू होता है वो पास्ट हैबिट बताता है यानी जो पास्ट की आदतें हैं उनको बताता है ठीक अच्छा अब बच्चे गौर एक बात करना कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा चलो सर ये बेसिक बातें तो हमको समझ में आ गई ठीक है लेकिन ये बताओ इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बच्चे बस इतना गौर करना कभी अगर सब्जेक्ट आया उसके तुरंत बाद अगर यूज टू आया तो इसको तुम क्या समझोगे ये मॉडल वर्ब है और इसके बाद हमेशा क्या लिखोगे वर्ब की पहली फॉर्म लिखोगे मैंने देखो क्या बताया मैंने कहा अगर कभी भी सब्जेक्ट आया और यूज टू आया ठीक है इसके सब्जेक्ट के अगर तुरंत बाद अगर यूज टू आता है तो उसको तुम मॉडल वर्ब समझोगे और इसके बाद क्या लिखोगे पहली फॉर्म क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है पहली लेकिन बच्चे गौर ये करना कभी भी अगर मान लो सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद अगर बी फॉर्म आ जाए बी फॉर्म अब कहोगे सर बी फॉर्म क्या होता है जैसे मान लो इज आ जाए एम आ जाए आर आ जाए वाज आ जाए या वर आ जाए ठीक है ये बी फॉर्म होती है अगर ये आ जाता है इसके बाद अगर यूज टू लगा है तो समझना ये मॉडल वर्ब नहीं होता फिर से बोल रहा हूँ अगर इज एम आर वाज़ वर के बाद यूज टू आता है तो ये मॉडल वर्ब नहीं होता ये आपकी क्या होती है आपने कहा सर ये होती है हमारी एजेक्टिव इसको क्या बोलते हैं एजेक्टिव या बच्चे बोल सकते हैं एजेक्टिव फ्रीज़ क्या बोल सकते हैं एजेक्टिव या एजेक्टिव फ्रीज और इसके बाद हम क्या लिखते हैं वर्ब की आई फॉर्म क्लियर दो चार एग्जाम्पल इस बात को समझना ठीक है जैसे मैंने कहा आपसे कि आई यूज टू ट्रेवल बाई मैंने लिख दिया बस ठीक है अब बच्चे इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं आई एम यूज टू ट्रेवलिंग बाई बस ठीक है अब जरा गौर करिएगा मेरी दोनों बातों को मैंने इसमें अंतर क्या किया आपने देखा मैंने 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 सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखा लिखा के बाद जब मैंने तुरंत टू कहा दैट्स मॉडल वर्क सी फॉर्म लिखते हैं पहली फॉर्म राइट यही है बच्चे ठीक है कि मैं जो है बस से ट्रेवल किया करता था अब अगर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया सब्जेक्ट के बाद मैंने एम यानी बी फॉर्म लिख दिया और इसके बाद मैंने यूज टू लिखा तो मैंने कहा ये अब मॉडल नहीं है दैट इज एजेक्टिव फ्रेज ठीक है और इसके बाद हम क्या लिखते हैं आई एनजी फॉर्म लिखते हैं यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई फॉर्म ठीक आपका काम तो इतने से हो गया लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये जानना चाहता हो कि सर ऐसा क्यों होता है तो बच्चे बस इतना बड़ा सिंपल सा बात है ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है इसमें जो तुम्हें ये टू दिख रहा है ये टू ये एक्चुअली क्या होती है प्रेपोजिशन होती है और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब अगर लिखी जाती है तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है क्यों क्योंकि आईएनजी फॉर्म किसके तरीके से काम करता है आपने कहा सर जिरण ठीक है और जिरण किसके तरीके से काम करता है आपने कहा सर नाउन के तरीके से अगर बच्चे ये सब लॉजिकल बातें नहीं समझ में आ रही है ना छोड़ो एग्जाम में बस यही पूछेगा तुमको बस इतना ही ध्यान रखना है ठीक है पहले बताओ बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को एक बार सारे लोग कमेंट कर दीजिए ये बात समझ में आ गई सारे लोगों को बताओ भाई एक बार सारे बच्चे बता देंगे इज इट क्लियर एवरी वन सभी बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है एक बार मैं सारे बच्चों को दोबारा से भाई शेयर कर रहा हूँ एक बार आप सभी बच्चे भी जल्दी से शेयर कर दो ठीक है सारे बच्चे जल्दी से शेयर कर देंगे भाई आ जाइए सारे लोग आ जाओ सब लोग नाउ भाई आप लोग भी शेयर कर दीजिए सर अब आप खाना पीना खा लेने बचे ठीक है खाना पीना बाद में खाया जाएगा ठीक है पहले पूरा खत्म किया जाएगा एक बार जल्दी से, से सेशन को लाइक और शेयर कर दो ठीक है यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया अगला देखेंगे रूल रूल नंबर अब देखो देखो बच्चे बच्चे बड़ा प्यारा आ गया है 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 इसको पहले समझना रूल क्या कहता है कि भाई हमारे देखो जो वर्ब होती ना ऐसे समझो हमारी जो वर्ब होती हैं हम इनको दो कैटेगरी में चलो बांट देते हैं एक कैटेगरी का हमने नाम दे दिया भैया लिंकिंग वर्ब और दूसरे का नाम दे दिया एक्शन वर्ब ठीक है हमने कहा कि भाई लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो जो स्टेट बताती हैं यानी अवस्था बताती हैं अच्छा ये एक बात बताएं अगर आप किसी से ये बोलोगे ना कि लिंकिंग वर्ब वर्ब वो होती है 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 जो स्टेट बताती ठीक अब उसके दिमाग में ये आएगा कि यार चलो ये तो सर कह रहे हैं हम मान लेते हैं कि ये स्टेट बताती है अवस्था बताती है लेकिन इसका मतलब क्या है आप सोचो अगर तुम्हें ही मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या है तो तुम उसको जान के भी क्या कर लोगे ठीक है अगर मैं अच्छे ये बोलना है की कोशिश करूं कि बच्चे लिंकिंग वर्ब मतलब अवस्था बताती स्टेट बताती मतलब ऐसे समझो इसमें कोई एक्शन नहीं होता है ये एक्शन वर्ब नहीं होती है ठीक है अगर मैं ये उससे बोलूं कि नॉट एक्शन वर्ब मतलब ये एक्शन वर्ब नहीं होती ऐसे समझ लो ऐसी वर्ब जो एक्शन रिप्रेजेंट नहीं करती जिनके अंदर एक्शन नहीं होता अब उसको बात पल्ले पड़ेगी हाँ अच्छा अब जैसे मैंने कहा कि एक एक्शन वर्ब होती है जैसे वो कहेगा खेलना जब आप खेलते हो कूदते हो ठीक है हाथ पैर चलाते हो इस तरीके से तो एक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर है ना जैसे मान लीजिए प्ले हो गया रीड हो गया इस ये जो एक्टिविटीज ये सारी चीजें होती हैं जैसे आपने रन लिख दिया रन हो गया ठीक है ये सब क्या होती हैं बच्चे एक्शन वर्ब होती हैं एटसेट्रा अब आपने ये चीज नोटिस करनी है कि भाई ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है ये स्टेट बताती है ये अवस्था बताती है यानी इसके अंदर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं है इसके इसमें किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं है और ये जो एक्शन वर्ब होती हैं इसमें क्या होती है एक्टिविटीज होती हैं सिंपल अब आपने बस एक चीज का भाई गौर कर लेना है वो क्या कि जब बच्चे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होगा ना इसके बाद लिखना है एजेक्टिव और जब एक्शन वर्ब होगा लिखना है एडवर्ब दैट्स इट ठीक है अब सुनना अब कुछ लिंकिंग वर्ब तुम्हारे सामने लिखी गई है जैसे इज है सीम्स है बी है एम है बिकम है बीन है आर है फील है ठीक है बिगिन वाज वियस वर एटसेट्रा ये सब हमारी लिंकिंग वर्ब होती है इसको याद रख लेना अब बात ये आती है कि सर इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे अगर आप ये बता दो तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है चलो बच्चे क्वेश्चन की तरफ देखो भाई बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं चलो मैं पढ़ाऊंगा फिर भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा ठीक है लेकिन ये है कि थोड़ा बच्चे को बढ़ाओ यार आप लोग हजार लाइक्स अभी तक नहीं हुए हैं दोस्तों कैसे कर रहे हो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे क्या दे रहे हो मतलब आठ नौ घंटे पढ़ाने का गुरु दक्षिणा क्या है ठीक है देखो मैंने लिखा द मैन sang स्वीटली ठीक है और या मैं बच्चे ये लिखूं स्वीट ठीक है ये लिख दिया मैंने नेक्स्ट लिखा द फ्लार स्मेल्स स्वीट लिखूं या मैं यहां पे क्या लिखूं भैया स्वीटली ठीक है नेक्स्ट लिखा मैंने द फूड दैट सी प्रिपेयर्ड टेस्टेड डिलीशियसली होगा या आपको बताना है यहां पे डिलीशियस होगा ठीक है उसके अलावा बच्चे देखिएगा ये हमारे तीन क्वेश्चन होंगे द सन एपियर्ड ब्राइट या ब्राइटली इन द स्काई ठीक है ये देखिएगा द सन यहां पे भी ऑप्शन है ब्राइट bright या ब्राइटली इन द स्काई एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया था वो कहां लिख दूं मैं ठीक है ये ऊपर लिख देता हूं ठीक है ये क्वेश्चन बच्चे देखना जैसे मैंने लिखा दिस मशीन लुक्स गुड But it does not work good. ठीक अब देखो एक एक करके सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे ठीक है क्या कहना चाहता है भाई हमने बोला बच्चे यहाँ पे द मैन सैंग स्वीटली या स्वीट ये मैन क्या है आपने कहा सब्जेक्ट ये जो सेंग होता है ना गौर से देखिएगा ये कैसी वर्ब होती है आपने कहा सर एक्शन वर्ब होती है ये वर्ब होती है एक्शन अगर मेरे भाई जो वर्ब एक्शन होती हैं वो अपने बाद क्या लेती हैं आपने कहा सर एडवर्ब लेती हैं ठीक है ठेके? जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो क्या लेती हैं आपने कहा एजेक्टिव लेती हैं तो ये हमारी एक्शन वर्ब है गाना डांस नाचना दैट्स एक्शन इसमें एक्शन होती है एक्टिविटी होती है तो इसके बाद भाई एडवर्ब आएगा स्वीट क्या होता है एजेक्टिव स्वीटली क्या होता है एडवर्ब तो भाई ये काट दीजिए यहाँ लगाइए स्वीटली आगे हमने देखा फ्लार क्या है आपने कहा सब्जेक्ट स्मेल क्या है जरा गौर करिए स्मेल हमारी कैसी वर्ब वर्ब है 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 लिंकिंग यानी भैया अगर कोई 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 चीज को आप सूंघ रहे हो क्या सूंघना सूंघना एक्शन है? ठीक है? एक्शन थोड़ी होता है जब भाई सूंघना कोई एक्शन नहीं है ये तो हमारी लिंकिंग वर्ब है यानी स्टेट बताती है इसके बाद एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे स्वीटली नहीं होगा यहां स्वीट हो जाएगा क्योंकि स्वीट एडजेक्टिव होता है स्वीटली एडवर्ब होता है अब आगे देखिए the food that she prepared tasted deliciously बच्चे गौर करो यहाँ पे ये यह जो टेस्टेड लिखा हुआ है ठीक है टेस्टेड अब ध्यान से देखना टेस्टेड हमारी जो होती है यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो ऐड कर लेना टेस्ट ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है ये कोई एक्शन नहीं होता किसी चीज को चखना ये कैसी वर्ब है लिंकिंग वर्ब है यानी ये स्टेट बताती है इसके साथ हम एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे हम क्या यूज करेंगे एडजेक्टिव यानी क्या हो जाएगा डिलीशियस डिलीशियस आई बात समझ में ठीक है अब देखो भाई अब आगे देखना बच्चे एक चीज और बता रहा हूँ गौर करते जाना द सन क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे भी सन क्या है सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है एपियड यहाँ लिखा हुआ है सोन ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता है गौर करेंगे धीरे धीरे याद हो जाएगा ये लिंकिंग वर्ब होती है और जो साइन होती है बच्चा ये एक्शन वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब अपने बात क्या लेता है आपने कहा एडजेक्टिव एक्शन वर्ब अपने बात क्या लेता है आपने कहा एडवर्ब अब यहाँ पे देखिए लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या होना चाहिए आपने कहा एडजेक्टिव ध्यान देंगे ब्राइट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है जो ब्राइटली होता है बच्चे वो हमारी एडवर्ब होती है ब्राइटली क्या होती है हमारी एडवर्ब होती है ठीक है अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा आप सभी लोग ये अगर लिंकिंग वर्ब है तो अपने बाद ब्राइटली नहीं लेगा अपने बाद क्या लेगा ब्राइट लेगा दैट्स एजेक्टिव ठीक उसके बाद द सन सोन ब्राइट या ब्राइटली इन द स्काई तो आप यहां पे थोड़ा सा गौर करेंगे ये हमारी कैसी वर्ब है आपने कहा सर एक्शन वर्ब है अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसके बाद एडवर्ब आना चाहिए तो ये ब्राइट तो एडजेक्टिव हो यहाँ क्या लिख लीजिए ब्राइटली तो ये सेंटेंस जो होगा द सन एपियर्ड यहाँ हो जाएगा ब्राइट इन द स्काई द सन सोन ब्राइटली इन द स्काई और एस एस सी के अंदर ठीक है एस एस सी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था ये एससी के अंदर ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे लिखा था बच्चे द मशीन लुक्स गुड आप जरा गौर करो ये क्या है आपने का सर लुक्स है भाई आपको पता होना चाहिए जो लुक होता है बच्चे वो कैसी वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है अगर लुक हमारी लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हमें हम क्या चाहिए आपने कहा सर एडजेक्टिव गुड क्या है आपने कहा एडजेक्टिव बिल्कुल सही है लेकिन बच्चे गौर करो ये जो वर्क लिखी गई है वर्क कैसी वर्ब होती है आपने कहा भैया एक्शन होती है एक्शन के बाद क्या चाहिए आपने कहा एक्शन के बाद एडवर्ब चाहिए एक्शन के बाद अगर एडवर्ब चाहिए तो यहाँ पे देखो ये जो गुड है गुड सबको पता है कि गुड होता है एडजेक्टिव और बच्चे वेल होता है एडवर्ब ठीक है तो हम यहां गुट की जगह क्या लिख देंगे यहां पे गुट की जगह हम वेल लिख देंगे पहले बताओ समझ में आया समझ में आया सारे बच्चों को एक बार बता देंगे सारे बच्चे यहां पे जल्दी से बताइए सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता दीजिए समझ में आ गया सभी लोगों को क्लियर है आ गया समझ में आ गया भाई आ गया बहुत बढ़िया देखिए अगला बच्चे एक क्वेश्चन देखो अभी एसएससी सीजीएल 2022 में दिया गया इसी कांसेप्ट के ऊपर रूल नंबर 41 पे क्या दिया द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली डेस्पाइट बीइंग स्टडड विद ज्वेल्स ठीक है देखो वेडिंग गाउन जो हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया भैया एक बात बताओ ये लुक अभी बताया कैसी वर्ब है आपने कहा सर लिंकिंग वर्ब है अगर लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेती है आपने कहा सर एडजेक्टिव लेती है ये ध्यान से देखेंगे जो ये हमारी डिसेंटली होती है डिसेंटली ये क्या होता है आपने कहा सर एडवर्ब है ये जो बच्चे डिसेंट होती है डिसेंट डिसेंट क्या हो गया आपने कहा सर डिसेंट तो एडजेक्टिव होती है तो यहाँ पर डिसेंटली नहीं होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा डिसेंट ठीक है तो क्या हो जाएगा लुक्ड डिसेंट हो जाएगा यानी तीसरे वाले में आपका एरर था आगे बात समझ में भाई ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए रूल नंबर फोर्टी टू की रूल नंबर को कंफ्यूज करता है कि क्या क्या होगा और effect क्या होगा और अब देखो इसमें कुछ आपने सोचना नहीं है बच्चे मैं बहुत आसान तरीके से बता दूंगा ये जो इफेक्ट है ना इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम एक तो ये जान लीजिए इसका मतलब रिजल्ट होता है यानी परिणाम होता है और इसका एक मतलब बदलाव भी होता है ठीक है ये होता है बदलाव और परिणाम और ये देखो अफेक्ट का मतलब क्या होता है बाबा प्रभावित करना ठीक है और एक मतलब होता है बहाना करना यानी एक्सक्यूज़ वगैरह बनाना ठीक है चलो सर ये तो हम लोगों को पता चल गया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई हम याद भी कर लेंगे कि इफेक्ट का मतलब रिजल्ट होता है और इसका मतलब चेंज यानी बदलाव होता है अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना होता है और इसका मतलब बहाना करना होता है लेकिन अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं गौर करिएगा ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से काम करती है ठीक है? है, यानी जो आपका इफेक्ट वो नाउन भी और वर्ब भी है ठीक? लेकिन पता है आपको ठीक है कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये एग्जाम में कंफ्यूज कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में कंफ्यूज कैसे करेगा ठीक है मैंने आपके कहा पहला करप्शन इफेक्ट और यहां पे मैं क्या लिखूँ अफेक्ट भैया गौर से मेरी हर बात को सुनेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी ठीक है आप सोचिए अपनी जिंदगी का एक साल देना या दो साल देना या बच्चे अपनी जिंदगी के कुछ घंटे देना तुम्हें डिसाइड करना अगर तुम कुछ घंटे मुझे देकर के अपने जिंदगी के साल बर्बाद होने से बचा सकते हो ना जॉब अगर मिल जाती है तो समझो सब कुछ हासिल हो गया और इंग्लिश पे बहुत कुछ निर्भर करता है और यही दो तो चार घंटे अगर हम लापरवाही करके अपना एक साल बर्बाद कर लें तो सोचो बच्चे समझदारी किस चीज़ में है इतने समझदार तो हो ठीक है तो समझदारी किस चीज़ में है वो आपको समझनी खुद से है देखो मैंने कहा आगे सी ऑलवेज इफेक्ट्स यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई अफेक्ट्स ठीक है इलनेस व्हेन सी इज आस्क्ड टू स्टडी ठीक है ये मैंने लिख दिया मैंने बच्चे लिखा कि सी ऑलवेज अफेक्ट्स या इफेक्ट्स इलनेस व्हेन सी इज आस्क्ड टू स्टडी अभी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा एक सी देख लीजिए ठीक है मैंने लिखा बोथ बिल्डिंग्स बोथ बिल्डिंग्स यहां पे हो जाएगा वर इफेक्टेड या अफेक्टेड बाय द फायर देखिए आइए भाई यहां पे क्या लिखा है आपके बताने के बाद कंफ्यूजन नहीं रहता थैंक यू सो मच निधि है आओ बेटा ये देखो पहला दूसरा और तीसरा बच्चे ध्यान से देखा जाए यहाँ क्या लिखा है आपने कहा सर करप्शन ठीक है यहाँ क्या लिखा है आपने कहा सर हैज मैं कहूंगा ये सब्जेक्ट है आप कहोगे कह लो कौन रोक रहा है आपको हमने कहा चलो अच्छा मैंने कहा ये वर्ब है तुम कहोगे ये भी कह लो इसके लिए भी हम लोग नहीं रोक रहे हैं हमने कहा बच्चा ये जो ट्रेमेंडस है ये एडजेक्टिव होती है बच्चा कहेगा ठीक है ठीक है बस भाई दो घूंट पानी पी लूँ हाँ और एक्चुअली होता है क्या है कि आप चार पांच घंटे से ना मतलब रात में खाने के बाद आप कुछ खाए नहीं है तो वो होता है अंदर से थोड़ा ना आग सी लग जाती है समझ रहे हो आपका, आपका बड़े भाई का पेट जलने लग जा रहा है ठीक है हाँ, आप लोगों को इतना बनता है कि एक बार दबा के शेयर करें है ना देखो भाई अब क्या है बच्चे मैं क्या बता रहा था देखो ये क्या है सब्जेक्ट है आपने कहा ये वर्ब है और ये क्या है ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस एडजेक्टिव है ठीक बच्चे एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है आप कहोगे सर एडजेक्टिव नाउन पर नाउन की विशेषता बताता है तो अपने बाद नाउन लेगा है ना बच्चे अफेक्ट क्या है आपने कहा सर अफेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है लेकिन जो इफेक्ट है वो नाउन और वर्ब दोनों होती है मतलब यहाँ में हमें सर नाउन की रिक्वायरमेंट है तो अफेक्ट काट दीजिए यहाँ पे क्या लिखिए इफेक्ट ये हो गई बात समझ में आ गई एक तरीका ठीक अगला है बच्चे इस बात को थोड़ा गौर से पढ़ो सी हमारा क्या है आपने कहा सब्जेक्ट है ऑलवेज क्या है आपने कहा सर एडवर्ब है ठीक है इफेक्ट या कि वह हमेशा बीमारी का बहाना कर लेती है जब सीज आज टू स्टडी जब उससे पढ़ने के लिए कहा जाता है यानी जब उससे पढ़ने के लिए कहा जाता है वो बीमारी का बहाना कर लेती बच्चे बहाना करना एक्सक्यूज करना मतलब अफेक्ट होता है ठीक है यहाँ इफेक्ट हटा दो यहाँ पे क्या हो जाएगा अफेक्ट ठीक है क्योंकि कोई बच्चा ऐसे देखेगा ना सर ये तो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए तो बच्चा ध्यान से देखो वर्ब तो ये भी है वर्ब तो ये भी है दोनों वर्ब होते हैं दोनों वर्ब के तरीके से काम करते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा मीनिंग यानी कॉन्टेक्स्ट भी समझो वो ये कहना चाहता है कि जब उसे पढ़ाई के लिए पूछा जाता है वो बहाना कर लेती है तो बहाना कर लेती है तो यानी अफेक्ट ये देखो बोथ बिल्डिंग्स बोथ बिल्डिंग्स वर अफेक्टेड या बाय द फायर अच्छे बच्चे अगर कोई बिल्डिंग है ठीक है मान लो ये बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में आग लग गई मान लो ये धुआं उठ रहा है तो इससे क्या होगा बिल्डिंग बिल्डिंग प्रभावित होगा ना ठीक है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी प्रभावित होने की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अफेक्टेड अफेक्टेड हो जाएगा अफेक्टेड ठीक है आई बात समझ में ठीक है चलो भाई आते हैं इस पे एक बात मैं बताऊं मैं बार बार कहता था आप लोगों से क्लास में जितने पी वाई क्यूज कराए हैं शाम के छह बजे हमने हर बार बाबा बोला है कि ये वाला आएगा आएगा ठीक है और देखो 2022 में हम हमेशा ये हमेशा ये से पूछा जाता है देखो 2022 में उठा के सीजीएल में दे दिया इसने ठीक है और अभी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ इंग्लिश बाई जय सर आप लोग बच्चे ज्वाइन कर लो इस ग्रुप को सारा पी यहीं मिलेगा आपका बेड़ा पार ठीक है जय के साथ अब सर लगाना न लगाना आपके हाथ में है अगर आप मुझे इज्जत देना चाहते हैं तो सर लगा लीजिएगा नहीं तो आपके बड़े भाई से भी काम चल जाएगा अन अकेडमी का लोगो बच्चा यहाँ पे बना होगा ठीक है यहाँ पे जाइएगा और इंग्लिश भाई जय सर करके आप इसको ज्वाइन कर लो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी ठीक है पी वगैरह सब वहीं पर मिलेगा ठीक है आइए गुरुजी आप जैसा धोनी आप जैसा टीचर धोनी जैसा है जो दशक में एक ही मिलता है अरे थैंक यू सो मच एक्चुअली मैं धोनी का डाई हार्ट फैन हूँ ये लड़का खेल गया मेरे दिल के साथ ठीक है ये तो छूरिया चला रहा है दिल पे आ जा मेरा भाई आ जा ठीक है ऐसी बात बोल दिया छोटे अब मैं बता रहा हूँ मैं बिना खाए बारह घंटे और पढ़ा सकता हूँ कैसी बात कर गया ठीक है अब देखो बच्चे पहले आ जाओ इसको समझ लो ये है क्या ये कुछ नहीं है है ना ये मात्र एक कंडीशनल होता है सेंटेंस ठीक है बस इसमें तीन चीजें समझनी है आप सभी बच्चों को और एक बार समझ गए ठीक है एक बार समझ गए आपका सारा का सारा काम हो जाएगा आराम से हो जाएगा ठीक है कैसे बच्चे यहाँ पे ये देखो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे If I go to Agra, I will meet her. बस आपको क्या गौर करना है और एग्जामिनेशन आपके साथ क्या करेगा अगर बच्चे कभी इफ आ जाए सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म क्या होती प्रेजेंट डेफिनेट बस ये गौर करना यहां विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म तुमको लिखना है और एग्जामिनेशन में क्या करेगा पता है विल की जगह मान लो कभी भी उठ दे दे ठीक है तो गौर करना यह हो जाएगा हमारा गलत ठीक दूसरा देखो कभी अगर ऐसे आ जाए बच्चे इफ आई हैड मनी आई उड

आखिरी वाला मैं बता रहा हूं बच्चे आखिरी वाला ध्यान से देखना और ये एसएससी ने जो क्वेश्चन दिया है ना ये एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन गलत दिया हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं एसएससी ने ये गलत किया है ठीक है हमने लिखा दे वुड है इंजॉयड द पार्टी इफ हैड बिन ठीक है दे हैड प्रेजेंट देयर अब सुनना मेरी बात को अगर कभी भी अच्छा ऐसा नहीं है कि हमेशा इफ इधर ही आएगा कोई जरूरी नहीं है चाहे इसको इधर ढकेल दो चाहे इधर चाहेल दो इसको ऐसा नहीं कि इधर भी ला सकते हो आई विल मीट हर इफ आई गो टू आगरा भी बोल सकते हैं अगर हम इसको बोले आई वुड आई वुड बाई इफ आई हैड मनी तो इधर वे यूज कर सकते हो चाहे उसको इधर ले लो चाहे उसको उधर ले लो तो यहां देखो बच्चे इफ हमने लिखा फिर क्या लिखा सब्जेक्ट लिखा फिर क्या लिखा हेड लिखा फिर क्या लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ना ये तो जब अगर इफ के साथ ठीक है ये थोड़ा सा देखो बच्चे गलत लिख दिया गया है यहाँ पे है ना ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ से काट दो मैं खुद ही बता रहा हूँ अगर इधर इफ आ जाए सब्जेक्ट आ जाए हेड आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इधर क्या करना तुम लोग इधर लिखना सब्जेक्ट और फिर आएगा उड फिर आएगा हैव और उसके बाद आएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म ठीक है बस इतनी ही चीजें आपने गौर करनी है बस इतनी ही चीजें आपने गौर करनी है कि अगर भैया इधर इफ और सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो इधर विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म अगर इधर इफ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इधर

ठीक अब सही हो गया रीता वुड अगर उसको प्रमोट कर दिया गया होता तो अपना नौकरी नहीं बदलती तो खैर एस एस सी में क्वेश्चन गलत आते हैं ऐसा नहीं कि एस एस सी में क्वेश्चन गलत नहीं आते ये आया था ठीक है अगला देखेंगे एक बार पहले मुझे बता दो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया एक बार बता दो भैया यहां तक समझ में आ गया पहले <laughs> बताओ फटाक से बताओ यहां तक समझ में आ गया अरे जब क्वेश्चन ही गलत था अभिषेक तो भाई इसमें क्या लगाएं जब क्वेश्चन ही गलत है तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे इसके लिए तो आप लोग क्लेम करो है ना जैसे जिन बच्चों ने दिया था उन्हें क्लेम करना चाहिए था क्लियर है सारे बच्चों को आगे देखिए अगले रूल पे बढ़ते हैं भाई रूल नंबर फोर्टी फोर दिया गया है रूल नंबर फोर्टी फोर क्या है देखो बच्चे ये दिया है ले ले वर्ब की पहली फॉर्म होती है लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल लो या आईएनजी फॉर्म बोल लो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है अभी मैं सब समझा दूंगा देखो लाई क्या है पहली फॉर्म ले क्या है दूसरी फॉर्म लेन क्या है तीसरी फॉर्म लाइंग क्या है फोर्थ फॉर्म खैर इसकी जरूरत तो यहाँ पे नहीं थी लेकिन आप लोग कन्फ्यूज होते हैं तो इसलिए इसको भी लिख दिया लाई पहली फॉर्म लाइड दूसरी फॉर्म ठीक है ये तीसरी फॉर्म और ये आपकी कौन सी फॉर्म है फोर्थ फॉर्म है यानी आईएनजी फॉर्म है पहले इनकी मीनिंग देख लो ठीक है अब देखो भाई क्या आ गया कबीर को याद सर उनकी याद आ गई बहुत मारूंगा समझा है याद आ गई कैसी बात कर रहा है यार एक बात बताओ तुम्हारे भाई से इंपॉर्टेंट कुछ है तुम्हारे टीचर से इम्पोर्टेंट कुछ है तुम्हें उसकी याद आ रही है एक बार इसके दिल में ये नहीं आया होगा कि यार ये बंदा सुबह चार घंटे हो गए पानी पी के दो दो घूंट पढ़ाया जा रहा है एक बार पूछ लू खाना खाओगे अरे ठीक है नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वहां से भेजना लेकिन पूछ लू कह रहा सर उनकी याद आ जा रही बीच में उनकी याद आ जा रही बीच में ये सब भाई हो मेरे कसाई हो तुम लोग क्या कर रहे हो थोड़ी तो रहम दिखा दो भाई इनको लग रहा होगा कि मैं वो टर्मिनेटर वाला रोबोट हूं है ना कहीं से चिड़ फाड़ दो हड्डियां थोड़ी निकलेंगी इनके इनके तो स्टील लगे होंगे चलो हाँ अब देखो भाई अब आने शुरू हो गए रुझान आने शुरू हो गए कह रहा खाना खाओगे आ जा आ जा मेरा भाई ठीक है उसको मत याद करो मैं बता रहा हूँ अगर सच में उसकी याद आ रही है तो एक नौकरी ले लो फिर तुम उसे याद नहीं करोगे वो तुम्हें याद करेगी बस वही याद नहीं करेगी उसके पापा भी याद करेंगे उसके मम्मी भी याद करेंगे कहेंगे वो जो लड़का था जो गली में टहला करता था बेटा आजकल दिखता नहीं है ठीक है तो आप वो कम से कम बता पाएगी ना ऐसे सिसकते हुए अब तो वो मिनिस्ट्री में जॉब करता है अब कहा वो गलियों में टहलेगा तो ये वाला रुतबा पाना है ठीक है हम तो अभी वही गली में ही नाच रहे हैं हम तो गली के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे भैया गली के ऊपर निकलो ठीक है अरे जिनका डेटा खत्म हो गया ठीक है जिनका डेटा खत्म हो गया वो एक काम कर लीजिए रिचार्ज कर लीजिए अट्ठावन का अगर एयरटेल है तो रिचार्ज हो जाएगा जियो में भी हो जाएगा दो तीन जीबी डेटा फ्री मिल जाएगा ठीक है तो आराम से हो जाएगा नीतू का भी फिफ्टी परसेंट खत्म हुआ देखो लड़कियां ना बड़ी इकोनॉमिकल होती हैं बड़ी सेविंग्स होती हैं ठीक है जैसे माएँ नहीं होती इकोनॉमिकल होती हैं, बड़ा बच्चा उसका फिर उसका हंड्रेड परसेंट खत्म हो गया इसका फिफ्टी परसेंट खत्म हुआ अब ये भाई अब तुम और क्या कर रहे थे मेरे क्लास के साथ साथ कि तुम्हारा हंड्रेड परसेंट खत्म हो गया ठीक है चलो आजा भाई आजा अब फिर से यहाँ पे आ जाते हैं ठीक है अब मैं क्या बताने जा रहा था अगर यहाँ पे आप लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो भैया समस्या होगी सीखने में यहाँ पे कंसंट्रेशन सारे बच्चों का मस्ट है अब देखो यार यहाँ पे ले है लेड है लेड है लेइंग है, है हमने कहा ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब ठीक है और ये जो लाई ले लेन लाइंग है ये होती है इनट्रांटिव वर्ब जैसे ही मैं बच्चों को ट्रांजिटिव वर्ब बोलता हूँ तुरंत वो ध्यान दे देते होंगे सर ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ये हो गया जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे बोलता हूँ तुरंत बच्चे समझ जाते होंगे सर जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता कहने का मतलब प्रेपोजिशन आता है और फिर हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं ठीक लेकिन कुछ बच्चा जानना चाहता होगा चलो सर ये सब तो बात अपनी जगह पे सही है ठीक है लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है बच्चे इसका मीनिंग होता है ले का मीनिंग होता है टू पुट समथिंग सम मतलब आप कहोगे थोड़ा आसान भाषा में बोलने का कष्ट करेंगे साहब हमने कहा जी सर बिल्कुल करेंगे हमने कहा रखना होता है ठीक है कोई चीज़ कहीं पे रखना अब कहेगा अच्छा इसका मतलब क्या होता है मैंने कहा लेटना है ना अब इसमें तो आप लोग नहीं बोलोगे कि इसमें सर आसान भाषा का प्रयोग करिए क्योंकि वो तो आप लेटे हो सुबह से है ना लेटना अब इसका मतलब क्या होता है वो बोलेगा सर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है मतलब ये हुआ कि इसके बाद प्रपोजिशन आता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब होता है भैया झूठ बोलना ठीक है झूठ बोलना इसका मतलब होता है क्या होता है झूठ बोलना आगे बात समझ में ठीक है अब देखो ठीक है अब गौर से मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे ठीक है कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बड़ा देखो मेरा मेन फोकस होता है ना क्वेश्चन कैसे आते हैं हमको निकाल भाई तुम एक बात बताएं दिल की बात बता रहे हैं अगर यही दो महीने बाद एग्जाम हुआ तुम बच्चों ने भर भर के सलेक्शन ले लिया ना मतलब कसम से मैं बता रहा हूँ मतलब उससे ज़्यादा तृप्ति मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है उससे ज़्यादा संतुष्टि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती मतलब मुझे लगेगा कि यार मतलब कसम से मुझे लग रहा वो ऐसा मोमेंट होगा मुझे लगा मेरे घर के बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और मुझे लग रहा कि मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ तो रोना तो आ जाएगा ठीक है तो मतलब कर लो यार कर लो ठीक है मैं चाहता हूँ कि देखो हालात ने बहुत रुलाया है एक बार खुशी में भी रोना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये खुशी तुम लोग दो एक बार ठीक है सिलेक्शन लेकर के और अपन दिन रात एक कर देंगे बाबा अपन दिन रात एक करके पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी मैं सब पढ़ा दूंगा ठीक है देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा दे हैव लेन या लेड मच स्ट्रेस ऑन दिस मैटर ठीक है आप सारे बच्चे थोड़ा सा इसको गौर करेंगे है ना आप ध्यान से सुनते जाना अभी मैं आपको एक एक करके बता दूंगा लाई या ले द गन डाउन एंड लाई या लेन द ग्राउंड ठीक है लिखा लाई या ले द गन डाउन एंड लाई या ले ऑन द ग्राउंड ठीक है जैसे मैं लिखा राम ले बैक डाउन एंड लाई या ले ऑन द ग्राउंड ठीक है ये बहुत आसान है आपको भले डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये डिफिकल्ट है ही नहीं है ठीक है मैंने लिखा राम ले द बैक डाउन एंड लाई या ले ऑन द ग्राउंड ठीक है ये लिख दिया और एक लिख देता हूं यहां देखिए आई शैल गो होम एंड ठीक है अब देखो एग्जाम्पल्स आ गए अपने पास अब एक एक करके देख लेंगे ठीक है चलो सर आप थोड़ा खाना खा ही लो बच्चे खाना एक बात बताऊँ खाना मैं खा लेता मेरे पास खाना है नहीं यहाँ पे एक्चुअली मैं घर पे नहीं रहता मैं बाहर रहता हूँ घर से दूर रहता हूँ तो उसमें एक्चुअली क्या है कि मैं अपने रूम से अपने स्टूडियो तक यहाँ पे आता हूँ ठीक है और कौन देगा खा बनाने के लिए ठीक है है नहीं कोई ना बना के देने के लिए अब अपन जाएंगे तो बाहर ही खाएंगे ठीक है अपनी भी ज़िंदगी ऐसी ही है जैसे आप लोगों की है ना बस ये है कि आप लोग एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर लो अपना तो प्यास सब मतलब परिश्रम जो होता है ना वो सब सही हो जाएगा ठीक है बच्चे जो छूट गया है उसको बाद में कर लेना शिवम जो छूट गया उसको बाद में कर लेना आ जाओ भाई ठीक है है अब देखो क्या है बच्चे दे दे हैव हैव या या लेन लेड मच स्ट्रेस ऑन दिस मैटर बच्चे मेरी बात को गौर से सुनना यहाँ पे गलती नहीं होगा देखो ये जो लेन है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ठीक ये जो लेड होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ठीक अब ये देखो ये दे क्या है आपने कहा सब्जेक्ट हैव क्या है आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब बच्चा ये जो मच स्ट्रेस लिखा हुआ है ये मच स्ट्रेस आपकी क्या है आपने कहा सर ये मच स्ट्रेस आपका ऑब्जेक्ट है बोलो हाँ भाई है दे हैव हाँ, लेन या लेड मच स्ट्रेस ऑन दिस मैटर और बच्चा ये जो ऑन प्रपोजिशन है ये दिस मैटर इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भैया इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो मतलब यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है

ठीक है बच्चे यहाँ देखो ये जो लाई है लाई ये इंट्रांटिवर्टिव वर्ब होती, होती है ये transitive verb होती है है ना अच्छा यहाँ पे जरा देखो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है बस तुम इतना गौर कर लो कि ये जो ऑन है आपने कहा ये प्रेपोजिशन है और द ग्राउंड क्या है आपने कहा सर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है

तुरंत देखना सीखो बस ऑन है आपने कहा सर प्रेपोजिशन अगर प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस बात है यहाँ क्या चाहिए लड़का कहा सर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए इंट्रांजिटिव उसको पता है सर ये जो लाई होता है ना वो इंट्रांजेटिव है जो ले होता है वो ट्रांजिटिव होता है लड़का ले को काट देगा लाई लगा देगा ठीक है एग्जाम में ऐसे ही देखना है एग्जाम में ऐसे ही देखना है राम ले द बैग डाउन ठीक है अब वो कहेगा सर ये बैग ऑब्जेक्ट था ठीक है और राम यहाँ पे सब्जेक्ट था ठीक तो अब भाई अगर हम देखें जरा गौर करिएगा आप लोग एक छोटी सी बात ले लिखा है ठीक है बच्चा अगर यहाँ पे देखा जाए ये हमने जो लिखी हुई है वर्ब की कौन सी फॉर्म एक सेकेंड ये गड़बड़ हो रहा है बच्चा सुनना सुनना मेरी बात को यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए ना लाई नहीं होगा यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले ही लगेगा लेकिन यह इंट्रांजेटिव रहेगी ठीक है यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा हमको ले ही लगाना पड़ेगा ठीक है मिट जा भाई यहाँ पे हमको ले लगाना पड़ेगा ले ठीक है लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब वाली ले लगेगी देखो कैसे मैं समझाता हूँ जैसे कहने का मतलब ये हुआ एक ले आपको यहाँ दिख रही होगी ठीक है एक ले आपको यहाँ दिख रही होगी लेकिन ये ले पहली फॉर्म है और ट्रांजिटिव है ये ले सेकंड फॉर्म है लेकिन इंट्रांजटिव है अब बच्चा जरा गौर करो ये जो हमारा सेंटेंस है राम के बाद ले लगा है यानी ले तो यहाँ नहीं होगा यहाँ लेड होगा ठीक है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे ये वाला लेड ठीक है तो इधर भी सेकेंड होना चाहिए तो मतलब इसका जो सेकंड है ये वाला लगेगा ले तो ये हो जाएगा राम लेड द बैक डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड ये वाला हो जाएगा ठीक है क्लियर है पहले एक बार सारे बच्चे बता देंगे ये समझ में आ गया सभी लोगों को ठीक है ये सब थोड़े ट्रिकी होते हैं थोड़े टिपिकल होते हैं इस वजह से पूछ रहा हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया ले इन ट्रांजटिव और ट्रांजिटिव दोनों में है हाँ वही तो बता रहा हूँ अभिषेक देख ये जो है बच्चा ये सेकंड फॉर्म है इन ट्रांजटिव ये फर्स्ट फॉर्म है ये ट्रांजिटिव यहाँ तुझे क्या चाहिए सेकंड फॉर्म चाहिए ठीक है कैसे पता क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्क की सेकंड फॉर्म से अगर इधर सेकंड है तो एंड भी इधर जोड़ेगा किसको सेकंड को जोड़ेगा सेकंड में क्या होएगा आपका ये वाला होगा लाई लिखोगे तो पहला हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ठीक है क्लियर हो गया सारे बच्चों को तो भैया अगर क्लियर हो गया तो ये वाला बताओ ठीक है यहाँ पे है आई सेल गो होम एंड लाई या ले फॉर अवाइल कह रहा मैं घर जाऊंगा ठीक है और क्या करूँगा भाई ऑब्वियस सी बात बच्चे घर जाके क्या करेगा लेट जाएगा ठीक है ले नहीं होगा यहाँ क्या जाए लाई ठीक है एंड लाई फॉर अ वाइल्ड अब बच्चा कहेगा सर लाई ही क्यों लिखा ले क्यों नहीं लिखा ले भी तो हमारी इंट्रांसिटी होती है शैल क्या है बच्चे शैल के बाद की कौन सी फॉर्म आती है अपने का पहली फॉर्म आती है एंड से जोड़ा है तो ये भी पहला ही होगा तो यहाँ लाई होगा ठीक <coughs> एक लड़के ने यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा लिखा कि सर आज रहने दीजिए पचास ही रोल्स लेकिन बच्चे देखो पचास नहीं पूरा पढ़ाऊंगा मैं एक्चुअली देखो मैं आया हूँ मैं पूरा पढ़ाने मैंने जब पहले दस घंटा बोल दिया है तो मेंटली प्रिपेयर रहो ठीक है देखो मैं किसी बच्चे को ये फोर्स भी नहीं करूंगा कि तुम मर्जी है तो देखो ठीक है तुम्हारी भलाई है लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं रुकूंगा ठीक है क्लियर हो गया सबको दिव्या कह रही है सर मेरे को नहीं समझ में आया फिर से समझाओ दिव्या एक बार बच्चे वीडियो को दोबारा से देख लेना बहुत आसान है एक बार दोबारा से दो तीन बार देखोगे जब खत्म हो जाएगी ना तुमको समझ में आ जाएगा ठीक है क्योंकि देखो मैं बहुत ज्यादा रिजिड हूं एक काम करना सब लोग ठीक है आखिरी में मैं इसको दोबारा से एक बार फिर बता दूंगा ठीक है आखिरी में बस याद दिला देना रूल नंबर फोर्टी फोर एक बार और समझा दूंगा बच्चे आसान है पूरा एग्जाम्पल के साथ एक एक करके बता रहा हूं पर ट्रांजिटिव इन ट्रांटिव की कहानी समझनी है ठीक है क्लियर हो जाएगा क्या बात है शुरू साथ में अंत साथ में आज ये हुई ना मर्दों वाली बात ठीक है सर मैं आपकी सर मैं स्पेशल आपकी वीडियो में हिमाचल से देखती हूँ थैंक यू सो मच दिव्या ठीक है ये तो तुम लोग की बातें सुन के इंसान ब्लस खा जाता है हाँ ऐसा भी है क्या चलो बच्चे देखो क्या लिखा है यूज द विद कंपेयर टू डिग्रीज टू रेफर टू सेलेक्शन और रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज मुझे पता है आप लोग के ऊपर से गया क्या होता है ये क्या बोल रहा है ये छोड़ो ये सब बस मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूं जैसे देखो मैंने कहा द हायर यू गो द कूलर इट इज ठीक है अभी सबको समझ में आ जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं ठीक है मैंने कहा द मोर ही अंस द मोर ही स्पेंट्स मैंने कहा द मोर ही अंस द मोर ही स्पेंड्स ठीक है एक और देखना द लिटिल यू वरी जितना कम चिंता करोगे ना याद रखना बच्चे द लिटिल यू वरी जितना कम चिंता करोगे द दैप्पियर यू आर उतना ही ज्यादा तुम लोग खुश रहोगे इस बात को हमेशा ध्यान रखना ठीक है चलो भाई एक बार पहले इसको बच्चे समझा देता हूँ नहीं तो यहाँ पे लिख लो इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं द बेटर यू फील ये लिख लो ठीक है अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो देखो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे इसने क्या बोला है एक चीज बोली है रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज ठीक है ये रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज होता क्या है आप इसको समझ लो थोड़ा सा मैं अपने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा जैसे मान लो कोई चीज़ अगर देखो मेरी मैथ्स वीक है मेरे मैथ्स के मजे मत लेना बस पर्पज समझना मैं समझाना क्या चाहता हूँ कई बार लोग मेरी मैथ्स मुझे पता है अच्छी नहीं है ऑब्वियस सी बात है नहीं अच्छी है बस मैं समझा जैसे बच्चे कोई चीज़ बीस परसेंट बढ़ गई और बीस परसेंट घट गई ठीक है मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ जितना बढ़ा उतना घट गया ठीक है मान लीजिए कोई दस ऐसे समझ लीजिए कोई दस स्टेप जो है कोई टेन स्टेप ऊपर गया और वो टेन स्टेप नीचे आ गया ठीक है जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया ठीक है जितना ऊपर गया उतना ही क्या आ गया नीचे आ गया ठीक है अब सुनना इस बात को थोड़ा ध्यान से कि अब कह रहा है कि द अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए इसमें बच्चे हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम कंपेरटू डिग्री का यूज करते हैं और दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम द लिखते हैं ठीक है हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम क्या यूज़ करते हैं द का जैसे हमने कहा द हायर यू गो द कूलर इट इज़ कह रहा है कि जितना ऊंचा जाओगे उतनी ही ठंडी तुमको लगेगी मैंने क्या बोला जरा ध्यान से देखिएगा तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो कॉमेंट में वो कह रहा है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कह रहा है यूके से देख रहा हूँ ये कह रहा है मैं धरती से देख रहा हूँ अब अभी ये कहेगा कि मैं चाँद पर बैठ के देख रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ इधर आओ the the higher you go the cooler it is कह रहा है कि तुम जितना ऊपर जाओगे तुम्हें उतना ही ठंड लगेगा तो बच्चे देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है इसके पहले द लग गया ये कंपैरेटिव डिग्री है इसके पहले भी द लग गया ठीक है अच्छा कह रहा है कि द मोर ही अंस द मोर ही स्पेंड्स वह जितना कमाता है उतना खर्च भी करता है यानी जितना कमाता है उसी के हिसाब से खर्च भी करता है तो देखो ये कंपेयर टू डिग्री है उसके पहले द लग गया ये कंपेयर टू डिग्री है उसके पहले द लग गया ठीक अच्छा अब सुनना मेरी बात को अब क्वेश्चन गलत कैसे करेगा चलो ये बात तो सर समझ में आ गई लेकिन क्वेश्चन गलत कैसे करेगा द लिटिल यू वरी द बेटर यू फील बच्चे अगर तुम गौर करो ना ये गलत है यहाँ कह रहा कि द लिटिल यू वरी तुम जितना कम चिंता करोगे तुम उतना ही अच्छा फील करोगे जितना कम चिंता करते जाओगे उतना ही अच्छा फील करते जाओगे ये रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज है ठीक है ये तो चलो कंपेयर टू डिग्री है यहाँ हमने द लगाया है लेकिन ये कंपेयर टू डिग्री नहीं है अगर आप गौर करिए मेरी बात को तो ये जो लिटिल होता है ये पॉजिटिव डिग्री होती है ये जो आपका लेस होता है लेस ये कंपेयर टू डिग्री होती है जो लीस्ट होती है वो सुपर लेटिव डिग्री होती है तो यहाँ लेटिल नहीं होगा यहाँ पे लेस लिखना पड़ेगा क्योंकि भैया आपको कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है ना ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा द लेस यू वरी द बेटर यू फील जितना कम चिंता करोगे तुम उतना ही अच्छा महसूस करोगे पहले बताओ समझ में आई सारे बच्चों को बात यहाँ पे ठीक है बताओ जल्दी से बताओ एक और लिख देता हूँ ये मुझे बता देना क्या होगा ठीक है जैसे मैंने कहा द हार्डर वन वर्क्स द हार्डर वन works, सो so stronger वन बिकम्स ठीक है अब बच्चे इसको जरा ध्यान से एक बार देखो द हार्डर वन वर्क्स सो stronger वन बिकम्स इसमें बताओ एरर कहां है इसमें बताओ गलती कहां पे है ठीक है थोड़ा गौर करोगे तुम्हें दिक्कत दिख जाएगी कह रहे कि द हार्डर वन वर्क जितना कठिन परिश्रम करता है सो so स्ट्रॉगर so उतना ही strong बन जाता है एग्जैक्टली exactly, सो exactly, so में गलती है देखो भाई, इधर भी ये कंपेरिटिव डिग्री है इधर द लगना चाहिए यहां पे सो आया है तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि, कि किस तरीके से ये कंसेप्ट है और किस तरीके से इसमें गलतियां देता है आगे बढ़ेंगे रूल नंबर फोर्टी सिक्स रूल नंबर फोर्टी सिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एस एस सी का फेवरेट ठीक है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है है और इसमें कुछ कुछ नहीं सम वर्ब्स हैव कॉमन फॉर्म बच्चे ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है जैसे कट 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 पुट कॉस्ट कास्ट टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट ओवर स्प्रेड बेट बिड रिड रीड लेट हिड हर्ट ठीक है Wed, set, shed, shut, bust, thrust. ये क्या होती हैं इनकी पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म सेम होती है, है ना जैसे मान लीजिए आपने लिखा टेलीकास्ट ये रही इसकी पहली फॉर्म मैंने कहा दूसरी फॉर्म बताओ फिर आपने कहा टेलीकास्ट मैंने कहा तीसरी फॉर्म बताओ आपने फिर कहा टेलीकास्ट तो ये जो हमारी है पहली दूसरी तीसरी ये हमारी क्या है सेम है आई बात समझ में अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देते हैं आपको बस ये बात देखनी है यहाँ पे मैंने कहा ठीक है अब गौर से देखिएगा सर माफ़ करना रोटी बनाने गया था अरे कोई बात नहीं मेरा भाई ठीक है कैसी बातें करते हो तुम लोग सर वायस हेलो वायस नहीं आ रही है प्रिया पटेल जी को वायस नहीं आ रही है एक बार बताना ठीक है मतलब ये क्या बताऊं ऐसी मासूमियत अच्छा एक बात बताओ ये अच्छा भी लगा लड़के ने मुझे कहा कि सर मैं रोटी बनाने गया था और ये मुझे सुन के भूख भी लग गई खाने से संबंधित कोई बात क्लास में नहीं की जाएगी दे हैव स्प्रेडेड ठीक है दे हैव स्प्रेडेड मैंने लिखा र्यूमर्स एवरीवेयर एवरीवेयर ठीक है मैंने लिखा यहाँ पे भाई दिस न्यूज वाज टेलीकास्टेड चैनल्स बच्चे देखो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में एरर कैसे देता है इसने लिखा दे हैव स्प्रेड अब बताएं जरा गौर से आप जो स्प्रेड की पहली फॉर्म होती है जो स्प्रेड की दूसरी फॉर्म होती है और जो स्प्रेड की तीसरी फॉर्म होती है ये तो होती सेम है अब एग्जाम में देगा दे हैव स्प्रेड बच्चा ऐसे कंफ्यूज होता है सर अच्छा ये सब्जेक्ट है ये तो हेल्पिंग वर्ब है अब वो कहेगा हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हमारे दिमाग में ये चीज पहले से सेट है ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ फटाक से गलती कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं यहाँ स्प्रेड ही लिखना पड़ेगा ठीक है दिस न्यूज वॉ टेलीकास्टेड हमें पता है भाई कि अब टेलीकास्ट की तीसरी फॉर्म सेम ही होती है तो ईडी हटा दो टेलीकास्ट ऑन ऑल चैनल्स ठीक क्लियर हो गया सारे बच्चों को ठीक है बताइए समझ में आ गया अब मेरी बात बच्चे ध्यान से सुनना ठीक है कह रहा सर कुछ खा लीजिए बच्चे क्लास खत्म करके खाएंगे ठीक है तुम लोग साथ में होते तो और मजा आता खाने में ठीक है लेकिन कोई बात नहीं बस एक चीज नोट करके लिखना और वो क्या करके लिखना है जैसे एक होता है बच्चे बिड बिड और होता है बिड ठीक है मतलब इसका जो पहला फॉर्म होता है दूसरा फॉर्म होता है और जो तीसरा फॉर्म होता है वो सेम होता है सेम होता है लेकिन एक इसी में जानते क्या आता है क्या आता है बेड आता है और बिडेन आता है दोनों में अंतर देखना ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है कन्फ्यूज इसलिए करता है क्योंकि ये जो बिड है ना ये पहली फॉर्म इधर भी पहली फॉर्म लेकिन आगे सारी कहानी बदल जाती है इसका दूसरा बिड है तीसरा भी बिड है इसका दूसरा बेड है तीसरा बिडन है बस अंतर यह है कि जब हम बोलते हैं ठीक है मतलब बोली लगाने की बात जब हम करते हैं बोली लगाना ठीक है बिड लगाना आपने देखा होगा मूवी वगैरह में बोली लगाना आईपीएल वगैरह आता है तो उसमें बोली लगाते हैं तो बिड लगाते हैं ये बोली लगाना होता है और ये जो होता है ये फेयरवेल होता है यानी ये विदाई होता है यानी किसी की विदाई करना ठीक है अब देखना मैंने कहा जैसे दे हैव बिड इन द हाइस्ट अमाउंट अब अच्छे मान लो अगर ये मैं सेंटेंस लिख दूं ठीक है कहां लिखू यहां लिख देता हूं देखो दे हैविड इन द हाइस्ट अमाउंट आप लोग बताओगे गलती कहां पे है ठीक है ये मैंने लिख दिया यहां पे ठीक है अब मैंने लिखा दे हैविड हिम फेयरवेल ये भी देख लो हैव बिड लिख देते हैं बिड हिम फेयरवेल अब बताओ एरर आपको कुछ समझ में आया कहां पे एरर है आसान है एरर को फाइंड आउट करना बहुत आसान है हाँ बिल्कुल बच्चे देखो अब कह रहा दे है हाइएस्ट अमाउंट ये क्या है भैया आपने कहा सर हाइएस्ट अमाउंट की बात हो रही है अगर भाई हाईएस्ट अमाउंट की बात हो रही है तो मतलब हम बोली लगाने की बात कर रहे हैं क्योंकि बोली में ही हाईएस्ट अमाउंट लगाया जाता है यहां पे हमने बिडेन लिख दिया बिडेन का मतलब तो विदाई होता है इसको काट दीजिए यहां पे लिखिए क्या आपने कहा बिड ठीक मैंने यहां लिखा दे हैव बिड हिम फेयरवेल यहां आप क्या बात कर रहे हो

हमने कितनी बार बताया प्रपोजिशन आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन देता है अच्छा अब कहोगे सर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चे गौर से सुनना अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है आप कहोगे सर जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है मैंने कहा इन ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है आप कहोगे सर जिसके बाद प्रपोजिशन आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है और ये ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन का होता है पता है वैसे मैं आपको लॉजिक बताऊँ तो इसके पीछे लॉजिक क्या है पता है अगर कोई आपसे कहे जरा लॉजिक बता सकते हो ऐसा क्यों होता है देखो ये वर्ब क्या होती है पता है सारे बच्चों को पता है वर्ब सर होती है एक्शन ठीक और ये बच्चे जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है ट्रांजिट ये क्या लिखा हुआ है आपने कहा सर ट्रांजिट ट्रांजिट मतलब क्या होता है पता है ट्रांजिट मतलब होता है ट्रांसफर ट्रांजिट मतलब क्या होता है ट्रांसफर भैया जब ये एक्शन आगे ट्रांसफर होगा तो अभी ऐसी बात है बच्चे ऑब्जेक्ट आता है यहां आपने लिखा हुआ है देखो ये वर्ब लिखी है आपने वर्ब क्या होती है आपने कहा सर एक्शन ये आपने लिखा इन ट्रांजिट इन ट्रांजिट मतलब भैया जाहिर सी बात है अगर इधर ट्रांसफर हो रहा है तो इधर ट्रांसफर नहीं होगा नॉन ट्रांसफेबल जो होगा तो अब जाहिर सी बात है यहां एक्शन तो ट्रांसफर होती ही नहीं है जब एक्शन ट्रांसफर होगा नहीं तो इस वजह से इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं आता तो इस वजह से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है यहां पे इस एक्शन आगे ट्रांसफर हो जाता है तो इस वजह से ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये इसका लॉजिक है अगर मैं कह रहा हूं बच्चे लॉजिक हमें नहीं भी पता है तो क्या करना है हम कह रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट है इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट लिखनी दैट्स इट अब क्वेश्चन कैसे आता है बस हमको ये बात समझनी है ठीक है देखो क्वेश्चन कैसे आता है एक एक करके मैं बताता हूं जैसे मैंने लिखा राम कॉल्ड रानी नेक्स्ट मैंने लिखा दे ड इन प्रॉपर ट्रेनिंग दे लैग्ड इन प्रॉपर ट्रेनिंग ठीक है दे हैव परचेस्ड फॉर टू कॉपीज ही इज डिमांडिंग फॉर मोर मनी सब पढ़ के आपको सही लग रहा होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन क्वेश्चन का यह होता है ना आपको पढ़ के सब सही लगेगा ठीक है नेक्स्ट लिखा मैंने ही डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन ही डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन ठीक है अब बच्चे यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ठीक है अब देखो एक मैं और बता देता हूं उसके साथ सारे का सारा कर लेंगे ठीक है मैंने लिखा राम ठीक है डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर राम डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर ठीक बस ये अब आपको एक तरीका बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा एक तरीका बता रहा हूँ ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे इसको हम कैसे करेंगे ये देखो पहला क्वेश्चन ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा अभी रिसेंटली 2022 में जो भी सी जी एल सी पी यू के एग्जाम हुए सब में पूछा गया है इस कंसेप्ट से ठीक है ये हो गया हमारा छठवां अब इसमें बच्चे क्या है ना कि बस तुम्हें ये देख लेना है कि जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए जैसे राम कॉल्ड रानी ठीक है अब राम हमारा सब्जेक्ट है ये हमारी वर्ब है ये हमारी ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो कुछ लगेगा ही नहीं ये तो अपने आप में सही है लेकिन बच्चे अगर ये और गौर करो तुम लोग ये दे क्या है आपने कहा सर सब्जेक्ट है लेग्ड क्या है आपने कहा सर वर्ब है ठीक है दे लैग्ड अब ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है बस इतना बता दो या तो हम रटें ये ऑब्जेक्ट है या तो ये बता दो ये ऑब्जेक्ट कैसे है बच्चे बस इतना चीज़ नोट करके लिख लेना कोई सेंटेंस है अगर हम उससे हु करके सवाल करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है और अगर हम उससे हुम या वाट करके सवाल करते हैं ठीक है हुम या वाट हुम या वाट करके सवाल करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट मिल जाता है ठीक है ये स्ट्रेस लिखा गया था अपना ठीक है अब सुनना मेरी बात को गौर से अब मैं आपसे ये कहूँ कि हु लैग्ड प्रॉपर ट्रेनिंग ठीक है, का जवाब आया ये, ठीक है ये सब्जेक्ट है ये ये वर्ब है, अब मैं आपसे पूछूं भाई, वाट डिड दे लैक उसने क्या लैक किया उसने क्या लैक किया आपने कहा सर प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चा वाट का रिप्लाई हो गया ऑब्जेक्ट अगर ये ऑब्जेक्ट आया है तो वर्ब होनी चाहिए बच्चे ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है प्रेपोजिशन नहीं लगता तब लगता है जब वर्ब हो है ना तो ये इन हटा दो पहले बताओ बात समझ में आई पहले बता दो समझ में आई। एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्लियर हो गया सबको ये बात बच्चे अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े ठीक है एक बार सारे बच्चे बता दो क्लियर हो गई सबको बात ठीक है बता 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 भाई बता। अरे बच्चे बता दे समझ में आ गया ये बात ठीक है क्लियर है अब सुनना दे हैव परचेज फॉर टू कॉपीज दे क्या है आपने कहा सब्जेक्ट है क्या है आपने कहा हेल्पिंग वर्ब है ठीक है परचेज क्या है आपने का सर मेन वर्ब है अब मैं ये कहूं भैया ये मतलब मेन वर्ब तो है लेकिन मेन वर्ब में बचा ये ट्रांजिटिव है या इन है अब हमने कहा दे है परचेज उन्होंने खरीदा ठीक है मैं आपसे ये पूछूं कि क्या खरीदा क्या व्हाट हैव दे परचेज आपने कहा सर अगर व्हाट का जवाब मिल रहा है ना मतलब ऑब्जेक्ट है आपने कहा मिल तो रहा है दो कॉपी ये ऑब्जेक्ट आ गया अगर भैया ये ऑब्जेक्ट आ गया तो ये तो हमारी ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिटिव वर्ब होगी और ये जो हमारी मेन वर्ब है किसके तरीके से काम करे ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाएंगे पढ़ने में लाख सही लगे ठीक है पढ़ने में लाख सही लगे फर्क नहीं पड़ता नहीं लगाएंगे जैसे ही इज डिमांडिंग फॉर मोर मनी बच्चे ही क्या है सब्जेक्ट इज क्या है हेल्पिंग वर्ब डिमांडिंग क्या है आपने कहा सर मेन वर्ब ठीक अच्छा अब मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज ही डिमांडिंग क्या डिमांड कर रहा है आपने कहा सर वाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है आपने कहा बहुत सारा पैसा तो ये जो वाट का रिप्लाई हमको मिला ये क्या हो गया आपने कहा सर वाट का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट हो गया अगर वाट का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्वियस बात है भैया ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये कैसी वर्ब हो गई आपने कहा ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है तो ये प्रीपोजिशन क्यों लगेगा आ रही है बात समझ में अब क्लियर हो रहा है आपको जैसे ये देखो ही डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन अब ऐसे देखा जाए तो बच्चे ये तो सब्जेक्ट हो गया डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई नॉट आपका एडवर्ब हो गया ठीक है आंसर क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया ठीक है ही डिड answer टू माई क्वेश्चन अब देखो उसने क्या जवाब नहीं दिया वाट डिडेंट ही आंसर मेरे सवाल का किस चीज का जवाब नहीं दिया क्या जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का ये भैया ऑब्जेक्ट है अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस बात यह ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट के बीच में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे ये सब गलत है ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ठीक है अब यहाँ पे देखो राम डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर अब बच्चे राम क्या है आपने कहा सब्जेक्ट है 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 डिड क्या आपने कहा हेल्पिंग वर्ब नॉट क्या है आपने कहा सर एडवर्ब है है ना स्ट्रेस ऑन दैट मैटर अब बच्चे गौर करो डिड नॉट स्ट्रेस अच्छा क्या चीज पे स्ट्रेस नहीं करना है दैट मैटर दैट मैटर क्या है ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है वर्ब है वर्ब ट्रांजिटिव और ये ऑब्जेक्ट ऑन नहीं होगा पहले बताओ समझ में आया सर एक इंट्रांजिटिव वाला भी बता दीजिए देखो किशन जैसे ये लिखते हो बच्चे वह कॉलेज गया अब जरा बच्चे एक बात बताओ यहां पे तुम पूछ के देखो तुम्हें वाट का जवाब ही नहीं मिलेगा तुम पूछो वाट डिड ही गो वह क्या गया बड़ा बेतुका लग रहा होगा वह किसको गया होम डिड ही गो नहीं आप पूछोगे सर वह कहा गया देखा जाए बच्चे ना यहाँ वेयर का रिप्लाई है ठीक है कहाँ गया कॉलेज गया अगर वाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है बच्चे ये ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ये सब्जेक्ट हो जाएगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी ये प्रेपोजिशन हो जाएगा ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रांजेटिव वर्ब वही होते हैं जो वाट या होम का रिप्लाई मिल जिनका मिल जाता है ठीक है पहले बताओ बात पल्ले पड़ी यहाँ तक समझ में आया सबको एक बार बता दीजिए जल्दी से यहाँ तक बता दीजिए यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है अब समझ में आ गया सबको चलिए मैं बस एक चीज़ जानता हूँ भैया तुम लोगों को समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो बच्चे सी पी में क्वेश्चन पूछा गया देखो ये कुछ नहीं है भैया देखो क्या करना है कि अगर मान लो लेट आ जाए मान लो बिड आ जाए मान लो मेक आ जाए हेल्प आ जाए फील आ जाए सी आ जाए वाच आ जाए यर आ जाए इनके बाद हम क्या यूज करते हैं बेयर इंफिटिव का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं बेयर इंफिनीटिव अब बच्चा कहेगा सर ये बेयर इन्फिनीटिव क्या होता है ठीक है बच्चे देखो दो चीजें होती हैं बस ये समझ लेना एक होता है हमारा इंफिनिटिव ठीक है एक होता है हमारा बेयर इन्फिनी

ठंड लग जाएगी उसको बच्चे जैसे हमने कहा टू गो ये टू के साथ जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है आपकी ये इसको हम लोग बोलते हैं भैया इन्फिनेटिव है अब ये ये अगर हम इसी को सिर्फ़ है सिंपल ठीक है आपने कहा टू कम ये इंफिनेटिव है आपने कहा कम ये बेयर इन्फिनेटिव है यानी नंगा है बिल्कुल बेयर है विदाउट विदाउट टू जिसको हम लोग बोलते हैं आई बात समझ में ठीक है अब बताओ भाई अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं अब थोड़ा गौर करना बच्चे ये जितने वर्ड्स हैं ना लेट बिड मेक हेल्प फील सी वॉच हियर ये वर्ब्स अपने बाद बेयर इंफिनी लेते हैं यानी वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा पहला सी लेट्स हर चिल्ड्रेन टू स्टडी अप वेरी लेट ठीक है पहला दूसरा देखेंगे दे वॉचड द बॉयस टू प्ले देयर तीसरा देखिएगा यहां पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू राइट ए से अब थोड़ा सा बच्चे यहां पर गौर करना तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है पांच आर्स में सर फिफ्टी भी नहीं हुए सर ये तो रात तक भी होंगे ठीक है अच्छा बच्चे एक बात बताओ जल्दी जल्दी पढ़ा दू और कुछ समझ में ना आए तो कैसा रहेगा मैंने इसलिए पहले से दस बारह घंटे बोले थे अच्छा ये सारे जो कंसेप्ट तुम लोग देख रहे हो अभी ये मैं जल्दी जल्दी बता दो तुम्हें क्या समझ में आएगा ये सब क्या समझ में आएगा बताओ ये तगड़े तगड़े सारे कंसेप्ट इसमें भैया टाइम देना पड़ेगा ठीक है नहीं तो कुछ नहीं हो सकता अब वही है कि आके पढ़ा भी दिया कुछ समझ में भी नहीं आया तो क्या मतलब निकला ऐसी चीजों का ठीक है देखो अब यहाँ पे क्या है कि सी लेट्स हर चिल्ड्रेन यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या आया है आपने कहा लेट्स देख के बाद क्या आया है आपने कहा वास्ट टीचर के बाद क्या आया मेक आपने कहा सर ये जो हमारी वर्ब्स होती हैं इनके बाद हम बेयर इन्फिटी का यूज करते हैं बच्चे एग्जाम में आएगा टू स्टडी तो वो ऐसे सी हैज लेट हर सेल्फ बी गॉन आफ्टर हर डाइवोर्स अब देखो यहाँ सी सब्जेक्ट आया था हैज हेल्पिंग वर्ब आई थी ठीक है लेट हमारा क्या है मेन वर्ब है मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म है ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि लेट की जो पहली फॉर्म होती है लेट की जो दूसरी फॉर्म होती है जो लेट की तीसरी फॉर्म होती है सेम होती है पहली दूसरी तीसरी क्या होती है ये आपका सेम होती है ठीक है अब ध्यान से देखो बच्चे सी हैज लेट हर सेल्फ बी गॉन लिखा है ऑप्शन में आओ हर सेल्फ गोइंग गो इन गॉन लेट हर सेल्फ गो एक ही देखो यहाँ पे बेयर इन्फिनी लगा है और यही आंसर हो जाएगा ठीक है मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को अगला रूल नंबर फोर्टी नाइन ये देखिए बहुत कॉमन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंस और फॉर और मैं आपको बता रहा हूँ सिंस फॉर से तीन ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और तीनों टाइप मैंने लिख रखे हैं तीनों टाइप मैं आपको बता देता हूँ पहले ये देख लीजिए जो फॉर यूज होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है जैसे आपका थ्री ईर्स है थर्टी मिनट फाइव ईयर सेवरल मंथ्स ठीक है यहाँ पे ये सारे बच्चे एक बार देख लेंगे सेवरल मंथ्स अ लॉन्ग टाइम अ शॉर्ट टाइम एजेस सेंचुरीज लास्ट डे लास्ट वीक ये सब पीरियड ऑफ टाइम होते हैं इनके लिए फॉर यूज़ होता है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम अब बच्चा कहेगा सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है जैसे बच्चे विंटर है बर्थ है थ्री ओ क्लॉक है फोर फिफ्टीन पी है जनवरी 2005 विंटर 2022 हज़ार बाईस लास्ट डे लास्ट वीक ठीक है ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं ये हमारी पॉइंट ऑफ टाइम होती है इनके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं ठीक है अब बात आती है बच्चे को ना कि सर ये बता दो मुझे ठीक है इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं हमने यहाँ लिखा है बच्चे टाइप वन का क्वेश्चन ये हुआ टाइप वन में ये होता है कि ये जो सिंस होती है सिंस के बाद हम पास्ट एंड डेफिनेट लिखते हैं यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म ठीक है ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब बच्चा कहेगा सर एक दो एग्जाम्पल्स साथ ही साथ लिखते चलिए ठीक है उससे बच्चे देखो क्या होगा साथ ही साथ एग्जाम्पल्स लिखने के तुम लोगों को चीजें क्लियर भी होती चली जाएंगी ठीक है तो चलो हंड्रेड रूल्स होंगे जितने भी आस लग हम्म ये ये होना चाहिए ठीक है याद करो तो सब मिक्स हो जाता है क्या करें किशन यादो बाद में बच्चे उस बारे में बात होगी ठीक है आ जाओ पहले यहाँ रूल्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ो है ना आराम से पढ़ो उसके बाद में बताऊंगा जैसे मैंने कहा आर कंट्री डेवलप्ड एक एक करके खत्म करो ना एक बार ग्रामर पूरा खत्म करो एक बार वोकेब्लरी पूरा खत्म कर दूंगा आर कंट्री हैज डेवलप्ड अ लॉट और मैंने यहां पे लिखा सिंस वी हैव गॉड फ्रीडम ठीक है दूसरा दे हैव मेड नो मिस्टेक्स दे हैव मेड क्या बोला दे हैव मेड नो मिस्टेक्स सिंस दे हैव कम हियर सिंस दे हैव कम हियर ठीक है अब जरा गौर से सुनना मेरी बात को मैंने क्या लिखा मैंने पहला यहां ये लिखा कि आर कंट्री हैज डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम अब बच्चे गौर करो मैंने कहा सिंस के बाद क्या आता है पास्ट एंड डेफिनिट एग्जामिनेशन ऐसे देगा वी हैव गॉड फ्रीडम हैव को हटा दो सब्जेक्ट के बाद वर्क की सेकेंड फॉर्म लिखो बस एग्जाम का पैटर्न जानो एग्जाम क्या कर रहा है बस तुम्हारा सारा काम हो जाएगा ठीक है अब देखो दे हैव मेड नो मिस्टेक सिंस दे हैव कम हियर अब यहाँ पे ये दो सिंस है ना सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्क की सेकेंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनिट आती है अब यहाँ पे देखो दे हैव कम है तो ये क्या हो जाएगा दे केम यानी दे केम आगे बात समझ में पहला सबको क्लियर हो गया ठीक है बैटरी लो होने वाली है सर जी किसकी मेरी तो सही चल रही है अभी सबकी बैटरी मेरी ऑन है मतलब मेरी एनर्जी भी अब मुझे लग रहा है एनर्जी लो नहीं हो रही है भाई मैंने खाया नहीं है वो अलग बात है लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं है मेरे देखो बच्चे टाइप टू के कैसे क्वेश्चन आते हैं टाइप टू के ऐसे क्वेश्चन आएंगे गौर करेंगे सारे बच्चे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फॉर मॉर्निंग इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा आई हैवीन टीचिंग मैं यहां पे क्या लिखू सिंस लिखूं या फॉर लिखू टू थाउजेंड ट्वेल्व में दो हजार बारह से पढ़ा रहा हूं अब बच्चा देखेगा सर ये जो मॉर्निंग है ठीक है आप ही ने बताया ये पॉइंट ऑफ टाइम है जो 2012 है दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सर हम यूज क्या करते हैं हम यूज करते हैं सिंस का ठीक है अच्छा अब बच्चे एक तरीके से और क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे ऐसे दे देगा आई हैव बीन रीडिंग अब यहाँ पे लिखेगा सिंस या फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ये टू आवर्स लिखा हुआ है ये पीरियड ऑफ टाइम है पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है अपने का सर फॉर यूज होता है पीरियड टाइम के लिए फॉर ठीक है अब सुनना अब यहाँ पे एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है ऐसे लिख देगा आई एम रीडिंग फॉर टू आवर्स आई एम रीडिंग फॉर टू आवर्स अब अगर बच्चे इस बात को आप गौर करो ना यहाँ पे देखिए ये तो बिल्कुल सही लिखा है दो घंटे के लिए हमने फॉर लगा रखा है लेकिन यहां, एम यहां पे क्या होगा? बीन। तो देखिए तीन तरह के आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों टाइप मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया ठीक है क्लियर है चलो बच्चे आगे अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एस एस सी सीजीएल आठ बारह दो हजार बाईस सी हैज नॉट अ सिंगल Novel by years लिखा है बच्चे तो बाई थ्री होगा थ्री मैंने बताया क्या हो जाएगा रूल नंबर फिफ्टी और हम लोगों ने शतक मार लिया है तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी खुशी मना लेनी चाहिए थोड़ा सा खुश हो जाना चाहिए और अपनी पीठ को थपथपा लेना चाहिए कि सर हम लोग सौ को पार करने वाले हैं यानी मतलब सौ जाने वाले हैं पचास को पार करने वाले हैं ठीक है थीके? कितना बज गया बारह बजा है क्या अभी तो बारह बजाए सात पाँच कितना होता है बारह होता है पाँच घंटे हो गए क्या कोई बात नहीं पाँच पाँच दस भाई कैलकुलेशन अपना तगड़ा है आप लोगों को लग रहा होगा मैं मैथ्स का अच्छा टीचर नहीं लेकिन कैलकुलेशन देख रहे हो लड़के की मैंने कहा था दस घंटे चलेगा पाँच घंटे में पचास पाँच घंटे में पचास कर दिया दस घंटे हो गया काम ठीक है मुस्कान पूछ रही सर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी क्या इसका मतलब ये लाइव देखना नहीं चाहती तो इसको एक काम करो सभी लोग ब्लॉक कर दूँ नहीं <laughs> नहीं 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 मजाक कर रहा हूँ कोई ब्लॉक नहीं करेगा हाँ मिलेगा रिकॉर्डेड मुस्कान मिल जाएगा ठीक है कोई लोग उसको ब्लॉक नहीं करेगा ठीक है रिकॉर्डेड सबको मिलेगा रिकॉर्डेड सबको मिलेगा है ना लेकिन अभी लाइव भी बच्चे देखो थोड़ा सा मेरा हौसला तुम लोग बढ़ाओ यार चार घंटे में दो बच्चे देख रहे हो ठीक है मेरा भी तो हौसला होना चाहिए मेरा भी तो मोटिवेशन इंस्पिरेशन क्या है करेज क्या है मेरे लिए आप लोगों का तो ही साथ है करेज तो आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक और शेयर करिए ठीक है देखो बच्चे अब आते हैं यहाँ पे ये फॉल है फॉल वर्ब की पहली फॉर्म है फिल जो है ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है फॉल इन जो है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है ये फिल जो है ये पहली फॉर्म है फेल्ड बच्चे वर्ब की दूसरी फॉर्म है फील्ड जो है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है आई बात समझ में अब यहाँ पे ये देखिएगा आप सभी लोग तो ये एक्चुअली बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये इंट्रांजिटिव ट्रांटिव अब मुझे लग रहा सारे बच्चे इतने फैमिलियर हो गए होंगे ठीक है सारे इतने फैमिलियर हो गए होंगे जैसे मैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलता हूँ तुरंत समझ जाते होंगे अच्छा जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और मैं कहता हूँ इन ट्रांजेटिव समझ जाते होंगे ओ जिसके बाद प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यही आना है सर है ना ठीक है अब वो कहेगा सर इसकी मीनिंग क्या होती है तो मैंने कहा कि बच्चे जो फॉल होता है इसका मीनिंग होता है टू ड्रॉप डाउन ट्रू ड्रॉप डाउन कहेगा ट्रू ड्रॉप डाउन मतलब मैंने कहा नीचे गिरना नीचे गिर जाना ठीक है और वो अगर मैं फेल फेल्ड फेल्ड की बात करूँ कहेगा सर इसका मतलब क्या होता है ठीक है एक तो बच्चे इसका मतलब इसके दो मतलब होते हैं एक तो इसका मतलब होता है टू कट डाउन अ ट्री यानी हिंदी में अगर बोलिए तो पेड़ काटना हिंदी में लिख लीजिएगा सारे बच्चे इसका एक तो मतलब होता है पेड़ काटना ठीक है अच्छा दूसरा इसका मतलब होता है टू नॉक समोन डाउन टू नॉक समोन डाउन अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है भाई आप लोगों ने वो देखा है बॉक्सिंग देखी है तो बॉक्सिंग में क्या होता है कि मुक्का मार के मुंह पे गिरा देते हैं ना टू नॉक समोन डाउन किसी को धम्म से मुक्का मारो और नीचे गिर जाए उसे बोलते हैं तो आप गौर करिएगा यहाँ पे वो क्या गौर करना है आप सभी लोगों को ये फॉल फेल फॉल इन जो लिखा हुआ है हमारा ठीक है एक मिनट ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है यहाँ पे बच्चे ये उल्टा हो रहा है ठीक है एक काम करना बस कुछ नहीं करना है ये इन वर्ब है ठीक है और ये क्या है हमारी ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है बस इतना गौर कर लेना और बस यहाँ पे इसी को उल्टा कर लो यहाँ पे उल्टा कर लो ठीक है यहाँ लिखो प्रेपोजिशन यहाँ लिखो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बस लिखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इट ठीक है प्लीज प्लीज आप लोग एक बार जल्दी से इसको चेंज कर लीजिए ठीक है बच्चे एक बार इसको चेंज कर लेना एक बार इसको चेंज कर लेना ठीक फौल, फौल, है ये फॉल फेल फॉल इन है ना ये तुम्हारी इंट्रांजिटिव वर्ब है

जैसे मैंने कहा राम हैज आप बताएंगे यहाँ पे क्या होगा फॉल इन होगा या फेल्ड होगा ठीक है द ट्री पहला क्वेश्चन दूसरा आप बताओगे यहां पे द टेम्परेचर ठीक है यहां पे मे फॉल होगा या मे फेल होगा डिग्री सेल्सियस ठीक है ये हो गया आप ये दोनों बताओगे और एक और मैं आपसे पूछ ले रहा हूं ठीक है ही इवेंचुअली ही इवेंचुअली अब मैं यहां पे क्या लिखूं फेल या फेल्ड हिज अपोनेंट हिज अपोनेंट ठीक है अब ये आप बताओगे मुझे चलिए फटाक से बताएंगे सारे बच्चे अब हम लोग क्या बच्चे एक बात तो 300 लड़के भी नहीं पार करेंगे क्या यहाँ पे 260 बच्चे बस देख रहे हैं क्या हम लोग इस लाइक भी नहीं है क्या इस लाइक अपना कंटेंट नहीं है कि 300 400 बच्चे देखें अभी ठीक है बताओ भाई अब यहाँ पे बच्चे क्या है राम हैज़ फॉलन या फिल्ड द ट्री अच्छा जरा गौर करिएगा यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं आपने कहा सर पेड़ काटने की हो रही है बच्चा पेड़ काटने की हो रही है तो फॉलन का मतलब तो गिर जाना होता है है ना और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो हमें पता है यहाँ पे हो जाएगा फिल्ड ये तो सारे बच्चों को पता है बहुत बढ़िया सबके जवाब आ गए यहाँ पे है ना दूसरा देखिएगा द दे टेम्परेचर मे अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा टेम्परेचर हो गया यहाँ मे ये सब्जेक्ट हो गया ये मॉडल वर्ब हो गई हम सबको पता है भैया मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो ध्यान से देखा जाए ये जो फॉल है ये यह भी वर्ब की पहली फॉर्म है ये जो फेल है यहाँ ये भी वर्ब की पहली फॉर्म है है ना अच्छा लेकिन ध्यान से देखा जाए यहाँ फेल जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है लेकिन बच्चे यहाँ सेकंड फॉर्म हो ही नहीं सकती किसी हाल में क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है तो अब दोनों वर्ब की पहली फॉर्म में लगेगा कौन हमने देखा सर यहाँ पे अप टू प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया यानी अगर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मतलब इंट्रांजटिव वर्ब चाहिए इंट्रांजटिव वर्ब बच्चा फॉल होती है तो यहाँ से फेल हटा दीजिए यहाँ पे क्या लिखे फॉल ठीक है यहाँ क्या लिखेंगे फॉल अगला देखेंगे ही इवेंचुअली फेल या फेल्ड हिज अपोनेंट मैंने कहा था ना ये जो हमारा फेल फेल्ड फेल्ड होता है इसका एक मतलब ये भी होता है मुक्का मार के किसी को नीचे गिरा देना तो कह रहा कि ही इवेंचुअली फेल या फेल्ड हिज अपोनेंट की बात हो रही है यहां पे ठीक है जो उसका प्रतिद्वंदी था उसको उसने मुक्का मार के क्या किया फाइनली गिरा दिया यहां फेल नहीं होगा ठीक है यहां पे क्या होगा फेल्ड फेल्ड आगे बात समझ में बहुत बढ़िया आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर इक्यावन पे आते हैं भैया यहाँ पे हम पढ़ेंगे द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है अब आप कहोगे कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं आपने कहा एडवर्ब्स का क्या पढ़ने वाले हैं आपने कहा प्रॉपर सीक्वेंस मतलब क्या हुआ आपने कहा एडवर्ब का हम पढ़ने वाले हैं क्रम क्रम यानी इनको हम कैसे ऑर्डर में लगाते हैं बच्चे तीन ही चीजों पर आपको ध्यान देनी है एक आपका होता है एडवर्ब ऑफ मैनर ठीक है बस एक बार में समझाऊंगा एक बार में समझ जाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगी एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ठीक है एक आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है एक आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है बस ये तीन चीजें समझनी है अगर मैंने आपसे कहा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर क्या एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है तो आपने कहा ऐसे एडवर्ब ठीक है जो मैनर बताते हैं यानी किसी भी चीज को करने का तौर तरीका बताते हैं जैसे किसी के चलने का तरीका कैसा है किसी के मुस्कुराने का तरीका कैसा है किसी के कोई काम करने का तरीका कैसा है वो मैनर होता है आपने कहा सर ऐसे एडवर्ब जो स्थान को रेफर करते हैं प्लेस को बताते हैं उसको मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं ठीक है हमने कहा कि ऐसे एडवर्ब जो टाइम को रेफर करते हैं ठीक है समय को बताते हैं उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं ठीक अब बच्चा कहेगा एक एक एग्ज़ाम्पल हो जाए ठीक है जैसे मैंने कहा कि उसने इस काम को कैसे किया आपने कहा ब्यूटीफुली, ठीक है खूबसूरती से ठीक है मैंने कहा वो चलती कैसे है आपने कहा मटक के बहुत मारूंगा ये सब गंदी बातें नहीं बच्चा आपने कहा सर हौले हौले चलती है स्लोली ठीक है हमने स्लो बोल दिया यानी हमने क्या बोल दिया स्लोली ठीक है या मान लो वो तेज चलती है तो मैंने बोला वो फास्ट चलती है फास्ट ठीक है तो फास्ट हमारा क्या हो गया आपने कहा सर एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ठीक है अब भैया एक चीज़ बताइए एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है आपने कहा कि सर जो हमारे प्लेस होते हैं ऐसे देखिए आपने कहा हियर आपने कहा देयर ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं टाइम क्या होता है आपने कहा सर एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे हम टाइम की बात करते हैं टाइम क्या हो सकता है सोच के देखो जैसे ये नेक्स्ट हो गया आपका टाइम हो गया ठीक है ये लास्ट हो गया क्या ये टाइम होगा ये बिल्कुल होगा ठीक है ये सब हमारे क्या हो गया एडवर्प ऑफ टाइम हो गया अब थोड़ा सा एक चीज बच्चे गौर करना तुम लोग क्या अब इनके ना एक तरीका है वो तरीका देखो क्या है मैं वो तुम लोगों को समझाता हूँ ठीक है एग्जैक्टली एस्टरडे हो गया ये सब ठीक है चलो एस्टरडे ये सब हो गया अच्छा अब सुनना इनको एक तरीके से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मान लो ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है ना जैसे मैंने कहा ये हाउ का रिप्लाई होता है किसका होता है रिप्लाई हाउ का जैसे मैंने कहा उस वह कैसे चली हाउ ठीक है आपने कहा ब्यूटीफुल वो कैसे मुस्कुराई ठीक है आपने कहा प्यार से ठीक है उसने कैसे ट्रीट किया आपने कहा लविंगली तो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वेयर का रिप्लाई क्या होता है आपने कहा सर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और अगर मैं बोलूं वेन का रिप्लाई कैसा होता है आपने कहा सर वेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ठीक है बच्चे ये बेसिक बेसिक बातें थी जो आपको समझ में आ गया ठीक है ये बेसिक बातें थी कि ये भाई एडवर्ब ऑफ मैनर है ये प्लेस है ये टाइम अब हमको क्या पढ़ना है अब हमें इसका ऑर्डर पढ़ना है ऑर्डर मतलब हमें इसका सिकवेंस पढ़ना है ठीक है इसका सिक्वेंस क्या होता है हम सारे बच्चे ये देखेंगे देखो भैया अगर हम इसके सिक्वेंस के बच्चे बात करें तो चाहे हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो ठीक है चाहे हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो चाहे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो तीनों ये वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं चाहे ये, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो ये तीनों हमारे वर्ब के बाद ही यूज होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब के बाद जब हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ठीक है तो हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है या हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है या हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है ठीक है ये कहाँ यूज़ होने लगता है ये ऑब्जेक्ट के बाद फिर यूज़ होने लगता है ये बातें सारे बच्चे गौर करेंगे यूजुअली बच्चे ये होता क्या है कि चाहे मैनर हो चाहे प्लेस हो चाहे टाइम हो मैं अभी सिंगल सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ ये सब होते हैं वर्ब के बाद अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट के बाद यूज होने लग जाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही treated her lovingly ठीक है जैसे मैंने कहा I met her there जैसे मैंने कहा the students are standing there are standing there ठीक है अब जैसे मैंने कहा you can गेट दिस बुक एवरीवेयर दिस बुक एवरीवेयर ठीक है अब देखो जी इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग मैंने कहा ही ट्रीटेड हर लविंगली बच्चे अगर ध्यान से देखो ये सब्जेक्ट आया है ये वर्ब आई है ये ऑब्जेक्ट आ गया लविंगली क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर ठीक है ही ट्रीटेड हर लविंगली हाउ डिड ही ट्रीट उसने कैसे ट्रीट किया आपने कहा लविंगली यानी बच्चे हाउ का रिप्लाई है हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है देखो सब्जेक्ट आया वर्ब आया मैंने कहा अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगता है ठीक अब ये देखो सब्जेक्ट आया वर्ब आया आई मेट हर मैं उससे मिला ये ऑब्जेक्ट है कहाँ वहां ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है मैंने आपसे वही बोला कि बच्चा अगर सब्जेक्ट आ गया फिर वर्ब आया फिर अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट के बाद ये सब लगता है अब यहाँ देखो जैसे सब्जेक्ट आया था आर स्टैंडिंग वर्ब आया था कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वर्ब के बाद लग गया ठीक है ये देयर क्या है प्लेस ही तो है जैसे यहाँ देखो सब्जेक्ट आया कैन गेट वर्ब आई ये ऑब्जेक्ट आ गया अब एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ लग गया ऑब्जेक्ट के बाद लग गया बस आपको एक बेसिक बात हम बता रहे हैं आपको यह ध्यान देना है बच्चे कि अगर चाहे मैनर हो चाहे प्लेस हो चाहे टाइम हो ये यूज किए जाते हैं यूज़ुअली वर्ब के बाद ही लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लग जाता है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं दैट्स इट अब बात आती है एक लास्ट फाइनल बात की जो आपको जानना चाहिए वो ये है ठीक है पहले एक बात बता दीजिए क्लियर हुआ पहले बता दीजिए यहां तक की बात क्लियर हुई तब फाइनल स्टेज पे आते हैं इसके पहले बताइए बच्चे बेसिक बात सबको समझ में आ गई बताओ सारे बच्चे फटाक से कमेंट करेंगे कि यहां तक बेसिक बात आपको समझ में आई क्लियर है देखो अब क्या है मुद्दा सुनना ठीक है फिफ्टी टू पे भी आएंगे पहले इसके कुछ क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं ठीक है फिफ्टी वन के इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाए ठीक है देखो अब यहां पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन ध्यान से देखना किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मान लो किसी भी सेंटेंस में नोट करके ऐसे लिख लेना कि मान लो किसी सेंटेंस के अंदर मैनर भी आ जाए साथ में ठीक है मान लो प्लेस भी आ जाए और टाइम भी आ जाए तीनों एक साथ आ जाए तो इनका यही सिक्वेंस रहेगा पहले मैनर लिखेंगे फिर प्लेस लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे ठीक है बच्चे बस कंफ्यूज नहीं होना है मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान देना ठीक है अगर चाहे मैनर हो प्लेस हो चाहे टाइम अगर ये अकेले अकेले आते हैं तो वर्ब के बाद आएंगे अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे जैसे ये देखो लेकिन अगर ये तीनों साथ में आ जाए तीनों एक साथ आ जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैनर फिर लिखेंगे प्लेस और फिर लिखेंगे टाइम ठीक है जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर राधा डांस Beautifully, last night in the school. ठीक है तो मैंने लिखा राधा डांस ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल अब यहां पे जरा गौर करिए राधा क्या है आपने कहा सब्जेक्ट डांस क्या है आपने का सर ये तो वर्ब है ठीक है अब अच्छा मैं आपसे ये पूछूं हाउ डिड राधा डांस राधा कैसे नाची ठीक है आंखी फटी रह गई तो सर हम तो राधा कोई देखते रह गए नाच तो हमने देखी नहीं खैर है ना खैर अब राधा कैसे नाची आपने कहा हाउ हाउ कैसे नाची ठीक है अब आपने कहा बच्चे ब्यूटीफुली हाउ का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर ठीक है कैसे नाची अब ये बताओ मैंने कहा कब नाची वैन वेन डिड राधा डांस आपने कहा पिछली रात नाची तो ये हो गया वेन वेन का रिप्लाई हमें पता है एडबर्ब ऑफ टाइम ठीक है अब मैंने कहा, कहा नाची वेयर वेयर डिड राधा डांस कहाँ नाची राधा आपने कहा सर स्कूल में नाची यानी ये हो गया एडबर्ब ऑफ प्लेस बच्चे हमें पता है कि अगर ये तीनों साथ में आते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है मैनर फिर लिखा जाता है प्लेस फिर लिखा जाता है टाइम लेकिन अगर आप लोग गौर करें यहां पे मैनर के बाद टाइम लिख दिया फिर प्लेस लिख दिया होना चाहिए एम पी टी मैनर प्लेस और टाइम लेकिन इसने क्या किया मैनर टाइम और प्लेस कर दिया तो गौर करेंगे सारे बच्चे लास्ट नाइट को यहाँ से काट के स्कूल के बाद लिख देंगे तो ये हो जाएगा कि राधा डांस्ड ब्यूटीफुली इन द स्कूल लास्ट नाइट आई बात समझ में ठीक है क्लियर हो गया सबको बताएंगे सारे बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया एक और बताता हूँ राम ठीक है ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पे राम परफॉर्म्ड पहले बच्चे एक बार कमेंट कर दो मुझे यहां पे सबको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को चलो राम परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज विथ कॉन्फिडेंस इन द इवनिंग ये भी एक बार सेंटेंस बता दो कि राम परफॉर्मड ऑन द स्टेज विद कॉन्फिडेंस इन द इवनिंग ठीक है अब अगर ध्यान से देखोगे सारे बच्चों को यह बात समझ में आ जाएगी इतना डिफिकल्ट नहीं है अब बस आपको देखना क्या है पता है अब जैसे ये तो सब्जेक्ट हो गया ये तो हमारी वर्ब हो गई ठीक है राम ने परफॉर्म किया अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कहाँ परफॉर्म किया वेयर आपने कहा सर स्टेज पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है ठीक है मैंने कहा कैसे परफॉर्म किया हाउ ठीक है मैंने कहा हाउ कैसे आपने कहा सर कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा आपने ऑफ मैनर है है ठीक मैंने कहा कब किया आपने कहा सर शाम में किया इन द इवनिंग ठीक है यानी ये जो वेन का रिप्लाई है आपका आपने कहा सर दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है तो आप अगर एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए और वो ये नोटिस आपने करना है मैनर प्लेस और टाइम लिखते हैं लेकिन हमने प्लेस मैनर और टाइम लिखा है ठीक है अगर ऑन द स्टेज को यहां से उठा के यहां रख देंगे तो सही हो जाएगा राम परफॉर्मड विथ कॉन्फिडेंस ऑन द स्टेज इन द इवनिंग। समझ में आई यानी हाउ फिर वेयर फिर वेन यही रिप्लाई रखना है आप सभी बच्चों को ठीक है लेकिन एक चीज आप लोग को और बतानी है बस ठीक है अच्छा वो क्या बतानी है हमने कहा कि वी गॉट फ्रीडम एक सेंटेंस आपको और बताना है हमने कहा गॉट फ्रीडम हमको क्या मिली हमको आजादी मिली अब बच्चे ये देखो कंफ्यूज करता है ठीक है यह कंफ्यूज क्यों करता है अगर मैं ये बोलू ऑन फिफ्टींथ अगस्त ठीक है यह हमें कंफ्यूज ऐसे करता है मैंने कहा ऑन फिफ्टींथ अगस्त ठीक है एक तो हमने ये लिख दिया एट ट्वेल्व मिड नाइट एट ट्वेल्व मिड नाइट साल था हमारा 1947 in 1947 ये ये कंफ्यूज हमें करता है ये कंफ्यूज कैसे करता है कि वी गॉट फ्रीडम हमें आजादी मिली कब मिली बच्चे ने कहा सर 15 अगस्त को मिली ठीक है ये क्या है आपने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम है अच्छा एट 12 मिडनाइट ये भी टाइम है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है इन 1947 1947 ये भी एडवर्ब लो भैया अभी तक तो सारा मसला क्लियर था सर अगर मैनर आता है प्लेस आता है टाइम आता है तो पहले मैनर लिखते हैं फिर प्लेस लिखते हैं फिर टाइम लिखते हैं अब यहाँ पे क्या है कि टाइम आ गया टाइम 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 अब क्या करें इसके लिए क्या करना है पता है प्रेसाइज टू जनरल लिखो आप कहोगे सर ये प्रेसाइज टू जनरल क्या है मतलब बच्चे जो सबसे छोटा है देखो पहले रात के ढाई बजे यानी पहले बारह बजे होगा ठीक है ट्वेल्व मिड उसके बाद देखो पहले हमने क्या लिखा डेट ठीक है डेट के बाद हमने क्या लिखा मंथ उसके बाद ऑन फिफ्टीन अगस्त उसके बाद हमने लिखा ईयर इस तरीके से पहले डेट लिखेंगे फिर मंथ लिखेंगे फिर ईयर लिखेंगे और ईयर क्या है 1947 तो आप ऐसे इसको बना लोगे सही हो जाएगा तो ही वी गॉट फ्रीडम एट ट्वेल्व मिड नाइट ऑन फिफ्टीन अगस्त इन 1947 आपने कुछ नहीं करना है बच्चे इसको हटा के बस यहाँ रख देना है बीच में इन दोनों के बीच में रख देना है आ गई बात समझ में बताइए समझ में आया हाँ गाइस हाँ, समझ में आया कि नहीं यहां तक आ गया चलिए आगे बढ़ेंगे अगले रूल की तरफ ठीक है रूल नंबर 52 हमारे सामने क्या है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखे हैं दिसकनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर देखो बच्चे ये बहुत आसान है बस आपने देखो समझना क्या है जैसे मैं आपसे बोलूं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले तुरंत कॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है कॉर्डिनेट कंजंक्शन पहले गौर से सुनिएगा गौर से सुनिएगा ये होता है आपने कहा सर फैन बॉयज ठीक है ये बस इतना याद होना चाहिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है फैन बॉयज अब मैं कहूंगा फैन बॉयज मतलब क्या कहना चाहते हो आप कह देना एफ मतलब फॉर ए मतलब एंड एन मतलब नॉर बी मतलब बट ओ मतलब और वाई मतलब येट एस मतलब आपने कहा सो so. सबको याद हो गया फैन बॉयज है भाई ये हो गया आपका फैन ये हो गया बॉयज फॉर एंड नॉर बट और येट और सो ठीक है अब ये करता क्या है आपने कहा सर ये कनेक्ट करता है सेम रैंक की स्ट्रक्चर को अब लड़का कहेगा सेम रैंक का स्ट्रक्चर क्या है ये भी समझ लो बच्चा ये नाउन को कनेक्ट करेगा नाउन से ये वर्ब को कनेक्ट करेगा आपने कहा वर्ब से इसी को तो सेम रैंक का स्ट्रक्चर कहते हैं ये एडजेक्टिव को कनेक्ट करेगा आपने कहा एडजेक्टिव से ठीक है इससे कनेक्ट करेगा अब सुनना मेरी बात को गौर से अब कहोगे सर दो चार एग्जाम्पल बता दीजिए ठीक है क्या होगा दो चार बता देता हूं भाई कोई दिक्कत नहीं देखो बच्चे जैसे मैंने कहा राम इज रिच बट माइजर ठीक है? Rich, है लेकिन सही नहीं है मुन्ने ठीक है सही नहीं है बेटे सही क्यों नहीं है बच्चा क्योंकि अब जरा देखो राम क्या है आपने कहा रिच है ठीक है ये हो गया आपका एडजेक्टिव बट हो गया आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ेगा तो अगर ये एजेक्टिव है तो ये भी क्या होना चाहिए आप कहोगे एजेक्टिव लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भैया माइजर होता है मैंने बताया है माइजर नाउन होता है ठीक है और जो माइजरली होता है माइजरली ये हमारी क्या होती है आपने कहा सर ये एजेक्टिव होती है ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसाएगा ठीक है अब यहाँ पे एजेक्टिव बट माइजर नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा माइजरली और पता है कैसे क्वेश्चन देता है ठीक है ऐसे थे, थे क्वेश्चन कि भैया राम सैंग एंड डांस ठीक है देखो ये बहुत आसान है ठीक है क्या बोला मैंने राम सैंग राम हो गया सब्जेक्ट ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म अच्छा देखो एंड है आपने कहा जी बिल्कुल है कैसा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ना चाहिए ये सेकंड फॉर्म है इसको भी बच्चे क्या लिखो सेकंड फॉर्म ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं ठीक है जैसे मैंने लिखा वी शुड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स कमिंग लेट एंड ब्लेम अदर्स अननेसेसरली

कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है अगर ये ING है ये आईएनजी है तो ये भी तो ING होना चाहिए बोलो हाँ, यहां हो जाएगा ब्लेमिंग. इसी को एक नाम से और जानते हैं कहते हैं ठीक है ये होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हाँ। बताओ भाई समझ में आ गया क्लियर है चलो अब देखो ये लड़के हैं ना जो अभी कह रहा है अफजल कमरान मजा आ रहा है सर ऐसे <coughs> ऐसे कमेंट करो तो फिर लगेगा इंसान जोश बस करो सर मतलब मैं खड़ा हूँ हड्डी मेरी टेढ़ी हो रही है बाप रे आज लगता है नींद ऐसे नींद आएगी रात में कि जैसे घोड़े बेच के इंसान सोया हो ठीक है नहीं कबीर मेरी हालत भाई बिल्कुल नहीं खराब हो रही कैसी बात कर रहे हो आ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री बहुत आसान कंसेप्ट है ठीक है इस कंसेप्ट को हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे देखिए आपने कुछ नहीं करना है ठीक है ये क्या हो रहा है अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहाँ दिया है ये क्वेश्चन है उसमें ऐसा मिल गया है कि क्वेश्चन एक्चुअली पता नहीं चल रहा है ये आपका क्वेश्चन है और बच्चे ये आया है एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है देखो इसमें क्या है जैसे मैंने कहा राम एज वेल एज ज फ्रेंड्स हैज या है गॉन देयर ठीक है ये है अब यहां पर एक चीज गौर करिएगा जब भी कभी एज वेल एज से या जितने भी है यहां पर देखिए एज वेल एज अलॉन्ग विद विद टूगेदर विद ठीक है टुगेदर विद एंड नॉट इन एडिशन टू बट एक्सेप्ट rather देन लाइक like, unlike, नो लेस देन मतलब ये जितने भी हैं अगर इनसे बच्चे आप ऐसे अपने समझने के लिए ले लो अगर इनको दो सब्जेक्ट को इनसे कनेक्ट करते हो तो हमेशा पहले के अनुसार हम लोग जो है वर्ब लिखते हैं इसको कई बार बता चुका हूं तो अगर ये सिंगुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा सिंगुलर यानी हैज ठीक है यानी अब एरर देखा जाए द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स अब देखो एज वेल एज से दो इधर बॉय है इधर हिज फ्रेंड्स है अभी ऐसे बातें पहले के अनुसार लगेगा तो यहां पे वर नहीं होगा यहां पे वाज हो जाएगा तो यहां पे देखो थर्ड थर्ड इज द करेक्ट आंसर ठीक है समझ में आ गया चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पे और बच्चे ये देखो सीजीएल 2022 दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया है इससे भी पूछा इससे भी पूछा है ठीक है अब देखो क्या कह रहा है मैंने कहा नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज या हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड द टीचर नॉर द स्टूडेंट द ये कंप्लीटेड है ना ये एल है बच्चे एल. देखो, अगर नीदर है और है, इससे ऐसे अपने सिर्फ सहूलियत के लिए समझ लीजिए ये सब्जेक्ट टू मान लीजिए ठीक है तो हमेशा जो इसका नियरेस्ट होता है ना पास वाला उसके अनुसार हम वर्ब लिखते हैं तो स्टूडेंट्स के अनुसार क्या होगा हैव नहीं यहाँ पे हैज होगा ठीक है क्लियर हो गई ये बात अगर ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई तो आप जरा क्वेश्चन देखो जो सी जी एल में पूछा गया है क्वेश्चन क्या है बच्चे नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स देखिए नीदर नॉर से आपने इधर एक डॉक्टर्स जोड़ा और इधर आपने नर्स जोड़ा तो नियरेस्ट के अनुसार होगा तो नियरेस्ट के अनुसार क्या होगा आपने कहा वर नहीं होगा सर यहां पे आवाज हो जाएगा तो यहां पे देखिए सेकंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर आगे बात समझिए क्लियर है चलिए आते हैं इस पे देखिए अगर मैं बच्चे सच एज और सच दैट की बात करूं ना कि बहुत सारे बच्चे लेकर के इसको कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या होगा ठीक है अब आप लोगों को बताना है कि भाई सच एज और सच दैट की बात है तो चलिए तैयार हैं सारे बच्चे सच एज और सच दैट के लिए बताओ भाई सारे बच्चे रेडी हैं थोड़ा पानी पी लिया जाए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चे पांच मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाएगा ठीक है पांच मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ठीक है थोड़ा सा पांच मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और एक बार बच्चे तब तक लाइक और शेयर थोड़ा कर दो आप लोग ठीक है एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सारे बच्चे तब तक कर दीजिए जब तक मैं दो मिनट बस पानी पी लूँ ठीक है एक बार सारे बच्चे भाई बता देंगे शुरू करते हैं आवाज आ रही सारे बच्चों को सर जी मैंने अंदर से दरवाजा बंद करके कान में ब्लूटूथ लगाकर क्लास लगाया था तो बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मेरा भतीजा बहुत देर से चिल्ला रहा था सब डर गए <laughs> ओके <laughs> ये कैसी कैसी बातें करता है यहां पे देखेंगे सारे बच्चे ना, 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 इधर 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 कम 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 कम, कम बेटा प्लीज होल्ड ऑन चलो एक सेकेंग, एक सेकेंग, एक सेकेंग, ओके थैंक्स गॉड ठीक ठीक है है बस हैंग ना ये चलो बचे चलिए शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सच है जो सच दैट बिल्कुल जोश के साथ उतने ही जोश के साथ ठीक है क्योंकि देखो आप लोगों ने तो खाना खा लिया आप लोग के अंदर जोश आई होना चाहिए मेरा थोड़ा बहुत लो हो जाए चलेगा ठीक है चले आप लोग के पहले तो आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार मुझसे जुड़ने के लिए और दूसरी चीज़ की मेरी फिक्र करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कंसर्न हैं मतलब मेरी हेल्थ के बारे में भी तो सो थैंक यू सो मच एवरी ठीक है देखो बच्चे ये सच है जो सच दैट जो होता है ना बस इसमें एक बात समझनी है ये जिस जब हम सच के साथ दैट लगाते हैं तो ये दैट जो होता है हमारा ये कंजंक्शन के तरीके से काम करता है ठीक है और यहाँ पे ये जो सच एज में एज होता है ना एज आपकी होती है रिलेटिव प्रनाउन क्या होता है ये रिलेटिव प्रनाउन अब थोड़ा गौर करिएगा यहीं पे देखिए सारी चीजें घूमेगी ठीक है अब यहाँ पे देखिए एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बार बार बोल रहा हूँ यही समझना है मैंने कहा सच के बाद जो आप ये दैट लगाते हो ठीक है ये दैट ये दैट क्या होता है मैंने कहा कंजंक्शन मैंने कहा सच के बाद जब आप ये एज लगाते हैं ना सच एज इसमें ये एज जो होता है वो रिलेटिव प्रनाउन होता है यहां से हमें दो बातें समझ में आई दो बातें क्या रिलेटिव प्रनाउन ठीक है एक तो इसका नाम परनाउन है तो प्रनाउन से हमें ये समझ में आ गया ये या तो सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है या तो ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करता है ठीक है गौर से समझेंगे सारे बच्चे और दूसरा हमें ये बात समझ में आ गया पहली बात तो ये हो गई दूसरी बात हमें यह समझ में आ गई कि भैया ये रिलेटिव प्रनाउन है तो जो रिलेटिव प्रनाउन होते हैं वो कंजंक्शन के तरीके से भी काम कर लेते हैं यानी कनेक्ट भी कर लेते हैं यानी क्या काम करता है जोड़ने का भी काम कर लेता है जोड़ने का भी काम कर लेता है किसकी तरह कंजंक्शन की तरह जैसे आपने हु और हु देखा होगा विच और दैट देखा होगा ये जोड़ने का भी काम अपना कर लेते हैं ठीक है अब सुनना मेरी बात को भाई पहले बच्चे यहां पे बता दो सब लोग यहां तक क्लियर हो गया ठीक है यहां पे पहले बताओ ये बात क्लियर हुई मैंने क्या कहा सच के बाद जब एज आता है तो ये एज रिलेटिव प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन के दो काम होते हैं अगर ये प्रोनाउन है तो सी बात है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से तो काम करेगा ही करेगा मैंने कहा दूसरा ये कनेक्ट करने का काम करता है यानी जोड़ने का काम करता है एज ए कंजंक्शन ठीक है आई बात समझ में ठीक है अब देखो जी यहाँ पे मैंने सिर्फ दैट को क्या बोला है कंजंक्शन बोला है अब सभी लोग गौर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा मैंने कहा पहले बता दो यहां तक समझ में आ गया किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना देखो अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा भैया मजाक मत करो अपने करियर के साथ दोस्त इट इज सच अ हार्ड क्वेश्चन ठीक है और मैंने यहां भी लिखा इट इज सच हार्ड ठीक है और मैंने यहां ब्लैंक दे दिया यहां ब्लैंक दे दिया ठीक है दोनों जगह पे मैंने ब्लैंक दे दिया मैंने कहा नेक्स्ट वाला कंफ्यूजेज इवेंट टीचर्स आपको बच्चा थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इसमें हो जाएगा टीचर्स गेट कन्फ्यूज ठीक है अब यहां पर गौर क्या करना है आप सभी बच्चों को मैंने कहा पहला इट इज सच अर्ड क्वेश्चन यहां मैंने दे दिया ब्लैंक और मैंने कहा इवन टीचर गेट कन्फ्यूज मैंने कहा इट इज सच अड क्वेश्चन यहां पर मैंने कर दिया यहाँ कन्फ्यूज इवन टीचर्स अब यहाँ पे भी सच लगा हुआ है और यहाँ पे भी सच लगा हुआ है आपको बताना है कहाँ पे एज़ होगा और आपको बताना है कहाँ पे देट होगा ठीक है अब मैं कहूँगा कि भाई अगर मैं पहले वाले में आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पे जो होगा दैट होगा ठीक है और यहाँ पे क्या होगा एज़ होगा अब ये बात मुझे कैसे पता चली वो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ये जो हमारा टीचर्स लिखा हुआ है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो गेट हमारी लिखी गई है वो हमारी वर्ब है ठीक है वो हमारी वर्ब है लेकिन यहाँ देखा जाए ये जो कन्फ्यूज है यहाँ पे ये यह हमारी वर्ब है ये जो टीचर्स लिखा हुआ है इवेंट टीचर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब ये इवेंट टीचर्स यहाँ सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे गेट कन्फ्यूज वर्ब है यहाँ भी वर्ब है गौर करो बच्चे यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट की है क्योंकि देखो सेंटेंस में हमारे पास वर्ब तो है हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है चाहिए क्या हमको सब्जेक्ट चाहिए दोनों में अगर देखा जाए दैट तो सिर्फ कंजंक्शन होता है कंजंक्शन का एक ही काम होता है सिर्फ जोड़ना जोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन होने के नाते ये जोड़ने का काम तो करेगा ही करेगा साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए इट इज सच अ हार्ड क्वेश्चन कंफ्यूजेज इवेंट टीचर्स तो कंफ्यूजेज वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है चाहिए सब्जेक्ट तो दैट सब्जेक्ट के तरीके से काम ही नहीं कर सकता तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा एस yes. यहाँ पे लगाना पड़ेगा एज ठीक है अब गौर करिएगा इट इज सच अर्ड क्वेश्चन टीचर्स गेट कंफ्यूज बच्चा ये सब्जेक्ट है ये इसका वर्ब है ये सब्जेक्ट इधर था ये इसका वर्ब इधर था हमें जरूरत ना तो ऑब्जेक्ट की है ना जरूरत हमें सब्जेक्ट की है हमें सिर्फ सिंपली कंजंक्शन की जरूरत है जोड़ने की तो हमने क्या लगा दिया दैट बताइए समझ आया सारे बच्चों को एक बार बता दो ये समझ में आ गया ये क्लियर हो गया बताएंगे सारे बच्चे ये समझ में आ गया कपिल भारद्वाज अगर आपने लेट ज्वाइन किया होगा तो इसलिए बच्चे समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक है बाकी बच्चों को क्लियर हो गया ना ठीक है चलिए बच्चे थोड़ा टाइम पे आओगे तो समझ में आएगा अच्छा अगला देखो क्या है रूल फिफ्टी सिक्स सर्टेन वर्ब्स आर फॉलोड बाई इन्फिनेटिव देखो ये कुछ वर्ब्स लिखे हैं जैसे आपका अग्री है अटेम्प्ट है चूज है इंटेंड है प्रपोज है डिजायर है वांट है हेट है होप है एक्सपेक्ट है ठीक है ये आपका प्रॉमिस है कंटिन्यू है ऑफर है लर्न है इनके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म इनके बाद मेरे भाई इन्फिनिट्यू का यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है इन्फिनी जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देखिएगा मैंने लिखा ही वॉन्टेड टू गो देयर या मैं यहां पर लिखू टू हैव गॉन देयर या मैं लिखूं यहां पर गोइंग अब आपको यहां पर यह बताना है कि इसमें से क्या होगा एक और मैंने लिखा कि दे या मैंने यहां लिखा बच्चे सी डिसाइडेड पोस्ट पोनिंग द मीटिंग ठीक है पोस्ट पोनिंग द मीटिंग अब अगर आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो हमारी कुछ वर्ब्स होती हैं इनके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट ये हो गया आपका वर्ब वांट वांट अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है पहली फॉर्म होती है तो कभी एग्जाम में टू हैव गॉन आए या गोइंग आए तो काट दीजिएगा टू गो होगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए डिसाइडेड के साथ वही कहानी है ये सब्जेक्ट है डिसाइडेड वर्ब है अब इसके बाद टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या टू पोस्टपोन तो आपका ये हो जाएगा कि सी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग आगे बात समझ में ठीक है अब सुनना मेरे भाई अब यहाँ पे क्या लिखा है दे होप टू विजिट अस नेक्स्ट ईयर तो बच्चे दो होप के साथ टू विजिट यहाँ पे एक्सपेक्ट के साथ टू सी यहाँ पे प्रोमिस के साथ टू कॉल यहाँ पे ऑफर के साथ टू टेक यानी ये जो हमारे वर्ब्स होते हैं ये अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं अपने बाद क्या लेते हैं? Infinitive लेते हैं हैं इस बात को ध्यान रखना सारे बच्चे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आई टू बी लाफ एट लिटिल ब्रदर अच्छा जी अब इसमें हमें आपको बताना है कि भैया 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन इसको बताने से पहले बच्चे एक छोटी सी बात बतानी पड़ेगी ठीक है जरा ये देखो ये जो होता है ना टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एक होता है टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है बस इतना समझना है और एक होता है हमारा वर्ब की आई एनजी फॉर्म ये कहाँ यूज करते हैं बस ये देख लो अच्छा ये वाली बात तो क्या है बच्चों ने समझ ली होगी कि सर ये जो हमारे होते हैं इनके साथ हमें क्या करना है कि टू प्लस वर्क की पहली फॉर्म लगानी है इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं था लेकिन बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा दिमागी कसरत आपको करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने कहा टू प्लस वर्क की पहली फॉर्म होती है टू हैव वर्क की थर्ड फॉर्म होती है और वर्क की आई एन जी फॉर्म होती है एक बार जरा देख लो इनके यूजेस क्या होते हैं ठीक है देखो जब हमें कोई पोटेंशियल एक्शन बताना हो तो हम टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करते हैं अब बच्चा सोच रहा होगा सर पोटेंशियल एक्शन क्या होता है मैंने कहा भाई एक ऐसा एक्शन जो भविष्य में होगा यानी जो फ्यूचर में होगा जो कहां होगा आपने कहा सर जो फ्यूचर में होगा ठीक है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एक्शन जैसे हम लोग कहते हैं कि इस लड़के को मौका दीजिए इस लड़के के अंदर पोटेंशियल बहुत है आगे बहुत बढ़िया करेगा मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है मतलब आगे बढ़िया करेगा है ना तो पोटेंशियल एक्शन मतलब बच्चे ऐसा एक्शन होता है जो भविष्य में होने वाला हो जो फ्यूचर में होगा उसे पोटेंशियल एक्शन कहते हैं उसके लिए हम टू प्लस वर्ग की पहली फॉर्म लगाते हैं जैसे आपने कहा कि मैच अब मैंने यहां पे क्या लिखा ही होप्ड टू विन द मैच अब जरा गौर करिए आपने कहा हमने उसने आशा किया अगर आप किसी चीज के लिए होप करते हो तो बताइए वो चीज तुरंत हो जाती है या भविष्य में होती है जैसे अभी मान लीजिए आपने होप किया कि सर हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए आपने होप किया कि सर आप एसएससी में आपको टॉप पोस्ट मिल जाए तो अभी आपने होप किया और ये भविष्य में होगा यानी किसी भी चीज को जब आप होप करते हैं जब आप किसी चीज को जब आप चाहते हैं ठीक है तो वो क्या होता है कि आपका भविष्य में होता है वो कहां होता है आपका भविष्य में होता है यानी

He denied to have gone there. अब देखो जब आप to have और verb की third form लिखते हो ना ये to have और verb की third form, इसका मतलब action complete हो चुका है उसने कहा कि he denied, उसने मना कर दिया वहां जाने को लेकर के ठीक है मतलब वह जा चुका है जैसे आप ऐसे समझिए मेरी बात को ठीक है मैंने आपसे कहा दुबे जी का मान लीजिए लड़का है शर्मा जी की लड़की है ठीक है अब क्या हो गया कि दोनों घूमने निकल गए अब दुब अब जैसे भाई दुबे जी का लड़का जाके पूछा चलो कि घूमने ठीक है उसने थोड़ी देर के लिए सोचा क्या बोले तो सोचते सोचते उसने बोला आप करेंगे क्या घर पे बैठे बैठे चलो घूम आते हैं तो दोनों घूमने चले गए ठीक है अब जब वहाँ पे वो घूम रहे थे तो चौबे जी ने देख लिया और चौबे जी आकर के यहाँ पे शर्मा जी से बता रहे हैं कि आपकी लड़की तो दूबे जी के लड़के के साथ घूम रही है और जब इनकी लड़की वापस लौट करके आती है तो शर्मा जी पूछे कि तुम गई थी क्या कहीं पे तुम दूबे के लड़के के साथ घूम रही थी तो उसने मना कर दिया नहीं मैं तो नहीं घूम रही थी आपसे किसी ने गलत कहा ठीक है तो भैया कहने का मतलब घूमना तो हो चुका है यानी कर्म तो हो चुके हैं घूमने का अब वो मना कर रही है यानी जब आप कोई काम कर चुके होते हैं और उस काम को आप मना करते हैं कि आपने किया ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपने कोई काम कर लिया है लेकिन आप मान ही नहीं रहे आप मान नहीं रहे आप मान ही नहीं रहे नहीं हमने किया ही नहीं हमने किया ही नहीं हमने किया ही नहीं है वो होता है ठीक है डिनाई डिनाई का मतलब वो होता है आप कोई काम कर लो लेकिन मानो ही ना ठीक है आप उन, उनकी लड़की घुमा चुके हो मान ही नहीं रहोगे हमने घुमाया है लड़की भी नहीं मान रही है हम घूमे हैं अब आ रही समझ में ये बच्चे कंप्लीट एक्शन है अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है टू तो तो हैव वर्क की थर्ड फॉर्म अब लेकिन आई एन जी फॉर्म क्या होता है कोई एक्शन जो प्रोसेस में हो यानी चल रहा हो जैसे मैंने कहा आई इंजॉय ठीक है आई इंजॉय वॉचिंग टीवी अगर यहीं मैं आपसे ये लिख दू टू वॉच टीवी यहीं मैं ये लिख दू कि टू हैव वॉचड टीवी टू हैव वॉच टीवी ठीक है आप कहोगे भैया इसमें से क्या सही है देखो आप मुझे बस एक बात का जवाब दे दो टीवी जब बंद हो जाती है आप तब इंजॉय करते हो ठीक है आप टीवी जब बंद हो जाती है तब इंजॉय कर दो या जब टीवी चल रही होती है तब इंजॉय कर दो टीवी को चला मत दीजिएगा मतलब टीवी जब ऑन होती है आप तब इंजॉय करते हो जब ऑफ होती तब इंजॉय करते हो आप कहोगे सर जब ऑन होगी तभी तो इंजॉय करेंगे भैया टीवी देखना साथ ही साथ तो हो सकता है प्रोसेस साथ साथ ठीक है तो ये तो पोटेंशियल एक्शन होता है भविष्य में होगा ये तो हो चुका है ये नहीं होगा यहाँ पे वाचिंग हो जाएगा आई इंजॉय टीवी ठीक है अब बच्चा अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो आई इंजॉय टू बी लाफ एट माई लिटिल ब्रदर अगर वो इंजॉय कर रही है तो इंजॉय तो साथ ही साथ होता है दोस्त अकेले में तो तनाई होती है समझ रहे हो अब यहाँ पे देखो लाफ नहीं होगा टू लाफिंग कोई सेंस नहीं बनता enjoy laughing at सेकंड पहले बता दे सारे बच्चे समझ गए बताओ एक बार बता दो समझ में आ गया ये सब ठीक है समझ में आ गया कोई दिक्कत क्लियर है क्या बात है 57 पे आते हैं रूल देखो हम लोग बढ़ रहे हैं भाई रूल नंबर 57 आ गया 60 70 80 90 100 ठीक है देखो रूल नंबर फिफ्टी सेवन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे तो ये देन और देन दैट ऑफर ठीक है कुछ नहीं करना इसमें आपको दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा तुरंत समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर वन मैंने कहा ठीक है जो अपना कमल है इज बेटर देन राम ठीक है कमल जो है राम से बेहतर है कोई दिक्कत नहीं है भाई आप बस ऐसे समझ जाइए कि जब आप किसी एक की तुलना दूसरे से करते हैं ठीक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं देन ठीक बस लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख दू द रोड ऑफ लखनऊ इज वाइडर देन कानपुर मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए भैया आप यह बता दीजिए क्या मैं यहां पे लखनऊ की तुलना कानपुर से कर रहा हूँ बस मुझे ये बताइए क्या मैं लखनऊ की तुलना कानपुर से कर रहा हूँ आप कहोगे ना आप लखनऊ की तुलना कानपुर से नहीं कर रहे हैं आप लखनऊ के रास्ते की तुलना यानी उसके रास्ते की चौड़ाई की तुलना कानपुर के चौड़ाई से कर रहे हैं ठीक है अब आप कहोगे भाई जब आप लखनऊ के रास्ते की चौड़ाई की तुलना कानपुर के रास्ते की चौड़ाई से कर रहे हैं ना तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है दैन नहीं लगेगा आपको दैन दैट ऑफ लगाना पड़ेगा अब कोई बच्चा बोलेगा ये दैट ऑफ है क्या आखिर बच्चे अगर दैट ऑफ़ जानते हो ये किसके लिए लगा है ये इसके लिए लगा है ये रोड है ना रोड के लिए तुमने दैट लगा रखा है अगर तुम यहाँ पे चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो क्योंकि कंपैरिजन रोड का हो रहा है ना द रोड ऑफ़ लिख सकते हो रोड के चौड़ाई का हो रहा है ना तो द रोड ऑफ लखनऊ इज वाइडर दैन द रोड ऑफ़ कानपुर या कानपुर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि रोड रोड बार बार लिखोगे तो नाउन रिपीट होगा तो जब नाउन रिपीट ही करना है तो प्रोनाउन क्यों पैदा हुआ अगर प्रोनाउन पैदा हुआ है नाउन का स्थान लेने के लिए तो उसको नाउन का स्थान दो उसको उसकी सही जगह दो तो इस वजह से ये हो जाएगा आ रही है बात समझ में आप सभी बच्चों को ठीक है एक बार बता दो क्लियर हुआ यहाँ पे जैसे एक बताओ एक बात बताओ द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर कोल्डर के बाद मैंने लिखा देन डेल्ही ठीक है दिल्ली से ज्यादा ठीक है अब मुझे एक बात बताओ आप कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन डेल्ही लिखा हुआ है मैंने आप मुझे बस देख करके ये बता दीजिए क्या मैं यहां पे शिमला की तुलना जो है वो दिल्ली से कर रहा हूं आप कहोगे सर शिमला की तुलना दिल्ली से हो ही नहीं रही है शिमला के क्लाइमेट की तुलना हो रही है तो अगर क्लाइमेट की तुलना हो रही है तो यहां पे हम दैट ऑफ लिखेंगे और ये दैट क्यों लिखा है, सर? क्लाइमेट के लिखा हुआ है। आगे बात समझ में सारे बच्चों को ठीक है एक बार फटाक से सारे बच्चे कॉमेंट कर देंगे क्लियर हो गया ठीक है तो इस वजह से बच्चे हम दैट ऑफ लिखते हैं और अगर हम सीधा सीधा तुलना करें अगर मैं यही ऐसे बोल देता ना लखनऊ इज बेटर देन कानपुर ठीक है तो सही हो जाता इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमने लखनऊ के किसी चीज़ की क्वालिटी की तुलना कानपुर के किसी चीज़ से तो की ही नहीं हमने तो सीधा सीधा कर दिया भाई लखनऊ जो है कानपुर से बेहतर है ठीक है तो ये हमारा सही हो जाता क्लियर है चलो नेक्स्ट पे आएंगे फिफ्टी एट अब देखो हम ओ चलो लाइट गई थी आ गई कोई बात नहीं यहाँ पे बच्चे सबको सुनाई पड़ रहा है ना

इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना किसी चीज को कैरी करना या कोई चीज टॉलरेट करना टॉलरेट मतलब होता है बच्चे सहना ठीक है और प्रोड्यूस मतलब आप सभी लोगों को पता है और ये बियर बॉर बॉर्न जो होता है इसका मतलब होता है जन्म लेना ठीक है जन्म लेना अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं ठीक है जैसे मैंने कहा द ट्री हैज नेवर अब मैंने आपसे कहा बॉर्न या बॉर्न एनी फ्रूट ठीक है पहला सेंटेंस बच्चे गौर से देखेंगे सारे लोग यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि द ट्री हैज नेवर बॉर्न होगा या बॉर्न एनी फ्रूट हो जाएगा ठीक है अब मैंने कहा एक और दे हैव बॉर्न या बॉर्न ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दिस टूअर फॉर दिस टूअर अब इसको भी थोड़ा गौर से आप लोग देखेंगे और आप लोगों को बताना है कि भाई यहाँ पे बॉर्न होगा या बॉर्न होगा ये कौन सा वाला बॉर्न होगा ठीक है अब जैसे मैंने कहा गांधी जी वॉज बॉर्न या बॉर्न इन 19, गांधी जी कब पैदा हुए थे भाई एक बार सब लोग बताइएगा गांधी जी कब पैदा हुए थे गांधी जी कब पैदा हुए थे मुझे याद नहीं आ रहा आई थिंक एक बार देख लीजिएगा आप लोग 1867 में हुए थे क्या ठीक है <laughs> एक लड़का लिख रहा है यहाँ पे 2022 में पैदा हुए थे बहुत मारूंगा समझा <laughs> कैसी बात कर रहा है <laughs> ये देखो कंटेंट नहीं है गांधी ची, गांधी जी वाज बॉर्न या बॉर्न इन 1867 द ट्री हैज नेवर बॉर्न या बॉर्न एनी फ्रूट दे हैव बॉर्न या बॉर्न ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दिस टूर ठीक है अब बच्चे गौर से समझना मेरी बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ पहला देखो एक बार ये सब नोट कर लीजिएगा बियर बॉर और ये बॉर्न होता है अगर दोनों में गौर करेंगे तो ये दोनों देखिए सेम है ये दोनों सेम है यहाँ पे देखिए एन ई -E लिखा हुआ है यहाँ पे आर एन लिखा हुआ है ठीक लेकिन मीनिंग में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे इसका मतलब प्रोड्यूस करना इसका मतलब कैरी करना या टॉलरेट करना ठीक है और इसका मतलब होता है जन्म लेना है ना अब यहाँ पे हमने लिखा द ट्री हैज़ नेवर बॉर्न या बॉर्न एनी फ्रूट अच्छा एक बात बताइए अगर कोई पेड़ जो है पेड़ क्या देगा आपने कहा सर पेड़ जो है कोई फल देता है फल को प्रोड्यूस करता है यानी यहाँ पे जो सेंस हम कन्वे कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं हम प्रोड्यूस का सेंस कर रहे हैं ठीक है प्रोड्यूस तो बॉर्न मतलब तो जन्म लेना होता है तो यहाँ पे बी ओ आर एन ई हो जाएगा बॉर्न ठीक दूसरा अगर मैं देखूँ तो दे हैव बॉर्न या बॉर्न ऑल द एक्सपेंसिस फॉर दिस टूअर अब यहाँ पे बच्चे एक तरफ देखो बात हो रही है सारे एक्सपेंसेस की दूसरी तरफ बात हो रही है किसी टूअर की तो कह रहे हैं कि जो टूअर था यानी जिसको हम लोग टूर बोलते हैं जो टूर था जो टूअर था उसके सारे जो खर्चे थे उन लोगों ने अपने ऊपर लिए यानी उन लोगों ने टॉलरेट किए है यहाँ बात हो रही है टॉलरेट का ठीक है अगर मैं टॉलरेट की बात करूँ तो टॉलरेट के लिए भी हम लोग बॉर्न नहीं ये लेकिन यहाँ गांधी जी के जन्म की बात हो रही है तो यहाँ पे बॉर्न हो जाएगा मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है यहाँ तक सारी बात बच्चों को समझ में आ गई होगी ठीक है आगे देखिए अब ये देखिए ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को ये भी बहुत प्यारा कंसेप्ट है सर आपकी क्लास देखकर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ रहा थैंक यू सो मच सर थैंक्स थैंक्स अ लॉट मेरे भाई ठीक है कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस यही इम्पॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए ठीक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन यार पता है हाँ स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं ठीक है और साथ में थोड़ा भाई आप लोग भी वाचिंग वगैरह बढ़ाइए भाई देखो रूल नंबर फिफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है एक दिया है ब्रीद ये है प्रैक्टिस ये एडवाइस ये है बात ठीक इधर देखो बी आर ई टी एच है ये बी आर ए टी एच ई है यहाँ पे प्रैक्टिस में सी ई -E है यहाँ प्रैक्टिस में ये एस रहेगा एस ई -E है ठीक -E है ये सी ई है ये एस सी है यहाँ एडवाइस में गौर करिएगा यहाँ पे सी ई -E है यहाँ पे एस सी -E है यहाँ पे बी ए टी एच ई है यहाँ बी ए टी एच ई है ठीक है ये एक्चुअली कन्फ्यूज करता है अच्छा इसमें कन्फ्यूजन क्या है कि ये जो हमारी होती हैं ये सारी की सारी बच्चे गौर करना ये हमारी नाउन होती हैं ठीक है ठीके? ये नाउन होती हैं और ये हमारी क्या होती हैं ये हमारी वर्ब होती हैं तो सबसे पहले सारे बच्चों को ये ध्यान होना चाहिए इधर वाली जितनी लिखी हैं सब क्या है यहाँ पे सब के सब क्या है नाउन ठीक है जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल लिखा सी हैड नो प्रैक्टिस या यहाँ पे आपको लिखना है प्रैक्टिस वायलिन और मैंने यहाँ पे लिखा एवरीडे ठीक है पहला ये हो गया और आप सभी बच्चों को बताना यहाँ प्रैक्टिस होगा या फिर क्या होगा प्रैक्टिस ठीक है या बस रुक जाओ यहाँ पे सिर्फ बच्चे ये लिखना प्रैक्टिस दिस टाइम ये लिख लो पहला तो ये लिख लो ठीक है दूसरा मैं लिखता हूं उस, इसको इस तरीके से लिखो जैसे ये लिखो सी प्रैक्टिस या यहां पे इसको ऐसे लिखो प्रैक्टिसेस ठीक है सी प्रैक्टिस या प्रैक्टिस यहां लिखो द वायलिन डेली ठीक है ये आपका दूसरा है आपको बताना है कहां पे होगा प्रैक्टिस कहां पे प्रैक्टिस होगा ठीक है जैसे मैंने कहा आई टुक अ बाथ दिस मॉर्निंग आई टुक अ बात या बेथ मॉर्निंग ठीक है अब यहाँ बताना है आपको आई टू का बात होगा या बेथ होगा ठीक है ये बताइए आप सभी बच्चे और एक और लिख लीजिएगा आप लोग। टू बेद या बात डेली ठीक है अब देखिए ये बताना है आप सभी लोगों को चलो गौर से सुनिएगा सारी बात को ठीक है गौर से सारे बच्चे बात को सुनेंगे आप बताइएगा यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा देखिए यहाँ से शुरू करते हैं ठीक है लिखा है बच्चे सी हैड नो प्रैक्टिस देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता हो ये जो नो होता है नो आपकी डिटरमिनर होती है ठीक है अगर आपको ये नहीं पता कि डिटरमिनर क्या होता है तो मैं सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूँ ऐसा हंड्रेड परसेंट नहीं होता है डिटर्मिनर इज अ काइंड ऑफ एजेक्टिव ये एक तरीके की एजेक्टिव होती हैं या एजेक्टिव का ही पार्ट होती हैं ये कह सकते हैं या कह लीजिए एजेक्टिव जो होता है वो डिटर्मिनर का पार्ट होता है और इसके बाद नाउन आता है इसके बाद क्या आता है नाउन आता है तो यहाँ पे अगर बच्चे गौर से देखा जाए तो ये हमारी सब्जेक्ट है हेड हमारी क्या है वर्ब है ये जो नो हमारी डिटर्मिनर है जैसा कि मैंने बताया इसके बाद नाउन आता है इसके बाद क्या आता है नाउन आता है तो प्रैक्टिस तो वर्ब होती है

आ, क्या होता है आपने कहा सर आर्टिकल आर्टिकल अपने बात क्या लेता है आपने कहा नाउन ये क्या होता है आपने कहा वर्ब ये क्या होता है आपने कहा नाउन वर्ब हटा दो <coughs> नाउन लिखो आई टू काथ दिस मॉर्निंग अगला है यहाँ पे हमारे पास सी वाज अडवाइज टू बेद या बाथ डेली अब जरा गौर करो बच्चे सी वाज अडवाइज टू टू अपने बात क्या लेता है वर्ब की पहली फॉर्म अब तो खैर इसी सेशन के अंदर मैंने आपको कितना कुछ बार बता दिया है ये सब कि टू अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म लेता है तो वर्ब की पहली फॉर्म बात क्या होता है नाउन होता है वेद वर्ब होता है ये हटा दो पहले बताओ समझ में आया सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया भाई एक बार आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग को ये चीज समझ में आ गई चलो बताइए सबको समझ में आ गया और ये सारे कंसेप्ट पता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा सारे के सारे ठीक है देखो बच्चे अब हम लोग आते हैं भाई नेक्स्ट कंसेप्ट अपने एनी और एनी अदर देखो ये बहुत आसान है पहले ऐसे समझो ये एक फैमिली है ठीक है ये एक फैमिली है मैंने कहा फैमिली वन ठीक है और एक ये बना देते हैं मैंने कहा ये हो गया हमारा फैमिली टू ये फैमिली वन है ये फैमिली टू है ठीक अब मैंने आप लोगों से ये कहा भैया फैमिली वन में एक लड़का राम है और एक लड़का कमल है ठीक है एक लड़का दिनेश है और मैंने यहां कहा यहाँ मोहन है यहाँ रमन है ठीक है ये हो गया अच्छा जी अब मैंने ये कहा कि ये जो फैमिली वन है ना इसमें जो राम है गौर से सुनिएगा मेरी बात को इसमें बच्चे जो राम है वो कमल से बेहतर है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ एक ही परिवार में जो एक सदस्य है उसी परिवार के दूसरे सदस्य से उसकी मैं तुलना कर रहा हूं देखो मैंने क्या कहा कि भाई एक परिवार में तीन लोग हैं राम है दिनेश है और कमल है ठीक है तो आप जरा गौर करिए मैं कह रहा हूं कि राम कमल से बेहतर है तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि एक ही परिवार में हम एक सदस्य की तुलना दूसरे सदस्य से कर रहे हैं इस कंडीशन में बच्चे हम यूज करते हैं एनी अदर क्या यूज करते हैं एनी अदर ठीक लेकिन जब अगर मैं ये बोलूं ये जो दिनेश है वो मोहन से अच्छा है अब यहाँ हम एक परिवार की तुलना दूसरे परिवार के सदस्य कर रहे हैं यानी एक परिवार के सदस्य की तुलना दूसरे परिवार के सदस्य की जा रही है तो इस कंडीशन में हम एनी का यूज करते हैं ये कंसेप्ट कितना आसान है ठीक है आई बात समझ में और एक चीज अगर आप लोग बच्चे आज नोटिस कर रहे हो तुम सीरियसली बताना ये सिर्फ हैंड्रेड गोल्डन रूल्स नहीं है अगर देखो तो पूरा का पूरा ग्रामर का निचोड़ है जैसा कि मैंने कहा था कि हजार से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पार करेंगे और ऑलमोस्ट उतना हो ही जाएगा तो ये पूरे के पूरे ग्रामर का निचोड़ है एक तरीके से देखा जाए ग्रामर के तह तक जाके हमने सीखा है हवा हवा में ये रूल हवा हवा में वो रूल हम लोगों ने नहीं किया है ठीक है अगर ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी तो अब यहाँ पे देखना ठीक है अब अगर ये बात समझ में आ गई तो बच्चे आप इसको देखो एक दो एग्जाम्पल्स इस बात को मैं आपको समझा देता हूं ठीक है जैसे मैंने कहा गोल्ड इज कॉस्टलियर देन अब मैंने कहा एनी या एनी अदर मेटल ठीक है और मैंने एक और लिखा डायमंड इज स्टलियर देन एनी एनी अदर मेटल ठीक है ये दो मैंने लिख दिए अब जरा इसको थोड़ा गौर फरमाएंगे सारे बच्चे है ना अब यहाँ पे बच्चे देखो क्या है मैं कहना क्या चाहता हूँ कि गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी या एनी अदर मेटल मैंने आपसे यही कहा था ना कि अगर एक ही परिवार के एक सदस्य की तुलना दूसरे से करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे आपने कहा एनी अदर तो मैंने कहा गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल ये मान लीजिए मेटल की फैमिली है तो आपको पता होना चाहिए ये भी मेटल है ये भी मेटल है ये भी मेटल है ये भी मेटल है, है तो जो गोल्ड होता है ये भी तो मेटल ही होता है तो एक मेटल की तुलना दूसरे मेटल से की जा रही है ठीक है तो एक ही परिवार में एक सदस्य की तुलना दूसरे सदस्य से हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपने कहा एनी अदर लेकिन बच्चे ध्यान से देखो अगर मैंने यहां परिवार बना दिया डायमंड का ठीक है अब ये परिवार है मेटल का ये परिवार है मान लीजिए डायमंड का तो ठीक है अगर ये इसको या ऐसे मान लीजिए ये परिवार है गोल्ड का ये परिवार है डायमंड का दोनों अलग अलग हैं दोनों अलग अलग में तुलना हो रही है तो एनी हो जाएगा तो यहाँ एनी अदर हटा दो यहां क्या हो जाएगा एनी ठीक है अगला रूल देखो देखो भाई ये भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं काफी ठीक है देखो रूल नंबर क्या है <coughs> अगर मान लीजिए कभी आपके sentence में इट आए sentence आपका इट से शुरू हो उसके बाद आपका बी फॉर्म आ जाए जैसे मैं बी फॉर्म बोलता हूँ समझ में ध्यान आ जाना चाहिए कि इज एम आर वाज या वर ठीक है ये सब हमारी क्या होती है बी फॉर्म होती है, है ना और ये जो बी होता है ना ये भी इसी में आता है इज एम आर वाजवर या बी ये बी फॉर्म होती है और गौर ये करना कि इसके बाद हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं अगर इधर हुआ आए अगर इधर हु है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखेंगे अगर बच्चे यहाँ हुम है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे अगर दैट है तो ये डिपेंड करता है दैट अगर सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा तो तुम लोग यहां पे सब्जेक्टिव केस लिखना अगर ये ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा तो तुम लोग यहां पे ऑब्जेक्टिव केस लिखना ठीक वैसे ये बात पल्ले आपको तब तक नहीं पड़ेगी जब तक मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा ठीक है जैसे देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना शुरू करूंगा और आपको बात समझ में आना चालू हो जाएगा मैंने कहा इट इज मी या आई हु कैन हेल्प यू हु कैन हेल्प यू ठीक है और मैंने यहां पे लिखा आपको इट इज मी या आई हूम देयर ठीक है ये लिखा मैंने पहले बच्चे इन दोनों को समझ लें देखो इट इज मी होगा या इट इज आई होगा इट इज मी होगा या इट इज आई होगा हु कैन हेल्प यू या हुम दे हेल्प देयर अगर आप गौर करिए यहां पे तो ये क्या है आपने कहा सर हु है अच्छा एक बात बताओ बच्चे हु किसको रेफर करता है आपने कहा सब्जेक्ट को करता है सब्जेक्ट को रेफर करता है तो इधर सब्जेक्टिव केस होना चाहिए मी हटा दो इट इज आई हु कैन हेल्प यू हो जाएगा अगर मैं इधर बात करूं इट इज मी आई हुम दे अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हुम होता है आपको मैं बता चुका हूं कि हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है ठीक है तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए तो यहां से आई को हटा दो तो आप ऐसे समझ लेना कभी भी अगर इट आए इट के बाद कोई बी फॉर्म यानी ये आ जाए और उसके बाद हु है तो सब्जेक्टिव केस लिखना हुम है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना ठीक है क्लियर है यहां तक बात अब जैसे मैं ये बोलू वाज इट हिम या ही टोल्ड यू दिस स्टोरी टोल्ड यू दिस स्टोरी अब जरा यहाँ पे आप गौर करिए वाज इट हिम या टोल्ड यू दिस स्टोरी तो आप बस इतना देखो यहाँ पे क्या आया आपने कहा को हुफर करता है तो सब्जेक्टिव केस होगा यहाँ से हिम को हटा दीजिए ठीक है ये हो जाएगा आई बात समझे अब देखो एक और मैं लिखता हूँ इस बात को भी समझा देता हूँ आप सभी लोगों को मैंने लिखा इट वी या हर दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट ठीक है एक मैंने ये लिख दिया अगला मैंने लिखा इट वॉज सी या ठीक है और यहां that लिखा trusted you most. अब अब देखो जी आपको ये बात समझनी है है ठीक मैंने आपसे क्या कहा एक चीज तो आपको क्लियर हो गई क्या क्लियर हो गई कि भैया अगर यहाँ पे हु आता है तो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे अगर हुम आता है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे लेकिन दैट के साथ कहानी क्या थी मैंने कहा में थोड़ा सा दिक्कत है दिक्कत ये है आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा अगर ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस लिखो अगर ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है तो बच्चे ऑब्जेक्टिव केस लिखो अब जरा पढ़ के देखो क्या तरीके से काम कर रहा है मैंने कहा यहाँ पे लिखा क्या है इट वॉज सी या हर दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट जरा गौर करो ये ट्रस्टेड क्या है तुमने कहा वर्ब है ये यू क्या है कहा भैया इसका सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है बच्चे अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट यू है तो दैट यहाँ पे किसके तरीके से काम करेगा ऑब्जेक्ट लेकिन जरा उसी के नीचे आके देख लो ट्रस्टेड ये लिखा है यू इधर लिखा यानी ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ये वर्ब के पहले आया था और यहाँ पे देखा जाए ये जो हमारा यू है है यानी ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद गया है तो हमको पता है कि जब यू वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट तरीके से काम करेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या पर नाउन होते हैं ठीक है ठीके? और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद जाएगा आई बात समझ में अब बच्चे अगर यहाँ पे हमें जरूरत किसका है ये सब्जेक्ट की जरूरत है ये सब्जेक्ट तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है यहाँ ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है रीजन उसके पीछे है इधर पहले से सब्जेक्ट था तो ऑब्वियस सी बात है ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट होगा इधर ऑब्जेक्ट इधर आ गया वर्ब ये है सब्जेक्ट की जरूरत इधर सब्जेक्ट हो गया अगर इधर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस लगाओ सी ठीक है अगर इधर ऑब्जेक्ट object है ऑब्जेक्टिव केस लगाओ हर पहले बताओ बात समझ में आई बताओ समझ में आया सारे बच्चों को हाँ। क्लियर है एक बार बता दीजिए सारे लोग समझ में आ गया अगला देखेंगे 62, देखो बच्चे ये अभी में पूछा गया इससे क्वेश्चन और एक देखो सीपीओ दो हजार बाईस सीपीओ दो हजार बाईस और सीजीएल दो हजार बाईस दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं कई बार आपको बता चुका हूं क्लास में भी मैंने बताया है प्रैक्टिस कराते समय सी एच एस एल का पी वाई क्यूज में भी मैंने आप सभी लोगों को बताया है ठीक है मैंने कहा था कि सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे <laughs> आज जो है अगर आपने पहले कभी मिस किया है इसको तो आज इसको बच्चे ध्यान से सुन लेना ठीक है क्या है अगर बाई द टाइम आता है बाय द टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद verb की second फॉर्म आ जाए तो इधर ध्यान देना सब्जेक्ट और head verb की थर्ड फॉर्म लगती है लेकिन अगर कभी भी बच्चे by द टाइम के बाद सब्जेक्ट आए और verb की पहली फॉर्म आ जाए तो इधर देखना सब्जेक्ट विल हैव और verb की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखो जैसे मैंने ये कहा आप लोगों से बाई द टाइम he returned by the time he returned they had left ठीक है और यहां पे अगर मैं ये लिख दूं by the time he wakes up the sun will have risen ठीक है

अब बच्चे अगर बाई द टाइम आया बाई द टाइम के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया ठीक है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई बाई द टाइम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म आ गई तो इधर क्या होगा भैया आप कहोगे सर इधर विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा इधर हैव लिखा था बस यहीं विल हैव लिख दीजिए तो ये हो जाएगा कि आई विल हैव रीच द होटल बाई द टाइम यू कॉल मी तो देखिए ये तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर आदित्य सिंह पूछ रहे हैं सर आप एम का क्वेश्चन नहीं लाए बच्चे एक बात बताओ तुम्हारे हाथ में यहाँ मैंने हीरा रख दिया है तुम क्या भंगार मांगोगे मुझसे <laughs> अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया तुम्हें एम थोड़ी पढ़ने की जरूरत है भाई मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी लोगों को ठीक है इस बात को गौर करिएगा कि आप सभी बच्चों को अलग से कुछ भी एम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है सी और सी जो है आप एक बार कर लो हो गया आपका काम ठीक है एम तो कुछ नहीं है अब बच्चे एक चीज़ और नोटिस करना तुम लोग पहले तो आप सभी लोग जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इंग्लिश बाई जय सर ये टेलीग्राम चैनल है ठीक है पीडीएफ के लिए क्लासेस के इन्फॉर्मेशन के लिए सारे बच्चे यहाँ पे जो है ये अनकेडमी का लोगो बना होगा इसी को ज्वाइन करना है आप सभी लोगों को और आपकी तैयारी मैं किस तरीके से कराने वाला हूँ ठीक है अब आपको तो इतना समझ में आ गया होगा ना मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ ठीक है दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो पागल इंसान हूँ मैं मैं खड़ा रहूँगा मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है ठीक है तो हम करेंगे हम आपको पता है हम लोग अच्छा कर लेंगे और इंग्लिश में इस बार दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो इसको ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा मेरा जो कोड है वो जेटेन है तो आप बहुत सारे बच्चे हैं आपके नात रिश्तेदार दोस्त यार आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते रहते होंगे ठीक है तो सब्सक्रिप्शन में, में मेरी आप सभी बच्चों से गुजारिश है किसी का भी कोर्स लें तो जेट टेन कोड जरूर यूज़ किया करें आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो कम से कम मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से पैसे नहीं लेता लेकिन आप लोग कोड कम से कम यूज़ किया करें ठीक है बच्चे <coughs> सर आप बेस्ट टीचर हैं इंग्लिश के लिए थैंक यू सो मच निधि ठीक है आ जाओ एक क्वेश्चन बच्चे और पूछा गया था यहाँ पे देखा गया था बाई द टाइम के बाद सब्जेक्ट आया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हमने कहा सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो यहाँ क्या होगा ही हैड ऑलरेडी ठीक है अब देखो सब्जेक्ट हो गया हैड हो गया हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सब कुछ सही लिखा हुआ है तो इसमें कोई गलती है ही नहीं है ठीक है दैट्स नो एरर आई बात समझ में आगे देखो बच्चे रूल नंबर सिक्सटी थ्री की बात करते हैं रूल नंबर सिक्सटी थ्री में क्या कह रहा है ठीक है अब देखो बच्चे अजान अजान कर लो आराम अजान कर लो आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं बच्चे आराम से आप ब्रेक ले लो आप ब्रेक ले लो आप अजान अपनी कर लो ठीक है उसके बाद ज्वाइन कर लेना है ना सर क्या थर्टी वर्ड्स आंसर में हेल्पिंग वर्ब भी काउंट होते हैं या नहीं थर्टी क्या थर्टी वर्ड्स मतलब चलो आओ भाई यहाँ पे बच्चे क्या है कि ये जो जनरली है यूजुअली है फ्रिक्वेंटली है समटाइम्स है एवरी वीक है ट्वाइस ईयर है ऑन संडेज है या सेल्डम है या ऑफेन है ये वर्ड अगर आ जाते हैं तो आप ध्यान देंगे कि हम इसमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं ठीक है इनके साथ हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म पहली फॉर्म जैसे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा जैसे मान लो बच्चे मैं ये लिखूँ इट इज Usually raining heavily. They are going to church daily. They have seldom. come late to class ठीक है अब देखो ये चीजें मैंने लिखी है दे हैव सेल्डम कम लेट टू क्लास दे आर गोइंग टू चर्च डेली इट इज यूजुअली रेनिंग हैवीली बच्चे इसमें आपने कुछ नहीं करना है आपने एक चीज बस नोटिस ये करनी है कि अगर कहीं पे आपको यूजुअली दिख रहा है या कहीं पे आपको डेली दिख, दिख, दिख रहा है या कहीं पे आपको सेल्डम दिख रहा है इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं अगर आप रीज़न जानना चाहते हैं तो रीज़न बहुत आसान है ये फ्रिक्वेंट एक्शन डिनोट करते हैं ठीक है तो फ्रिक्वेंट एक्शन जहां पे भी होता है फ्रीकेंट एक्शन क्या होता है बच्चे जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए कोई काम चल रहा है चलते 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 थोड़ी देर के लिए मान लीजिए रुक गया हो सकता है एक मिनट के लिए एक महीने के लिए फिर चलना शुरू कर दिया फिर थोड़ा दिन के लिए रुक गया फिर चलना दैट्स कॉल्ड फ्रिक्वेंट एक्शन तो जो चीज़ रुक रुक करके एक तरीके से आप कह सकते हैं ये रेगुलर, जो चलती रहती है एक तरीके से पूरी तरीके से स्टॉप नहीं होती वो फ्रिक्वेंट एक्शन होती है तो खैर हमें इतना माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है आप बस इतना जानो ये वर्ड है एग्जाम में आ जाएगा तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट बनाना है बच्चे यहाँ से देखो यूजुअली है इज काटो इट सब्जेक्ट क्या है आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ रेंस हो जाएगा तो ये हो गया आपका इट रेंस हैवली इट यूजअली रेंस हैवली दे आर गोइंग टू चर्च डेली डेली आया यहाँ देखो हो जाएगा दे के साथ गो लगा दो दे गो टू चर्च डेली यहाँ पे दे हैव सेल्डम कम लेट टू क्लास अब सेल्डम आ गया प्रेजेंट एंड डेफिनेट लगाना है देखो वर्क की पहली फॉर्म होगी दे सेल्डम कम लेट टू क्लास आगे बात समझ में सारे बच्चों को ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा रेंस हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही है रेंस हो जाएगा ठीक है अगला देखेंगे सारे बच्चे रूल नंबर सिक्सटी फोर अगर टिल नाउ की बात करें जस्ट की बात करें टिल नाउ की बात करें बच्चे सो फॉर की बात करें लेटली ये अगर वर्ड आ गए तो इनके साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक चीज़ तो बहुत बहुत पूछा जाता है वो आपका क्या होता है अच्छा इसमें वो चीज़ लिखी नहीं गई है मैं आपको अलग से भी मैंशन कर दूंगा ठीक है मान गए गुरु यूट्यूब आज आपको मान गया चलो भाई एक बार यार सारे बच्चे प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो मेरी तरफ से ठीक है बार बार खैर मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है लेकिन एक बार आप लोग अपनी तरफ से भी कर दो ठीक है चलो भाई कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे दे डिड नॉट कॉल हिम येट ठीक है एक सेकेंड बच्चे थोड़ी हड्डी सीधी कर लें चलो दे डिड नॉट कॉल हिम येट ठीक है ये लिखा हुआ है अब जैसे मैंने अगला कहा हैज ही जस्ट अराइव्ड ठीक है अब मान लो एग्जाम में कैसे देगा हम आपको एग्जाम की बात बता रहे हैं जैसे ऐसे दे देगा डिड ही जस्ट अराइव ठीक है क्या हो जाएगा डिड ही जस्ट अराइव आई बात समझ में अच्छा जी उसके अलावा बच्चे मैं आपको बताऊं जैसे मैंने कहा हैव सीन द ताजमहल लेटली एक और देखिएगा ही डिड नॉट रिटर्न माई मनी ठीक है ये मैंने लिख दिया अब जरा गौर करिएगा सारे बच्चे चलो भाई सर कितना मेहनत कर रहे हैं आप अपना बॉडी को बिना रेस्ट दिए दस घंटा स्टैंड होके पढ़ाते ही जा रहे हैं बस आप लोगों का निकल जाए ना यार एग्जाम ठीक है पढ़ाना सफल हो जाएगा जानते हैं कोई सफल की वै? मेहनत की वैल्यू तब तक नहीं मानी जाती है जब तक सफलता हाथ न लग जाए और सफलता है आप लोग का सलेक्शन अगर आप लोग सलेक्शन दे पाए तो मुझे लगेगा कि मेरा खड़ा होना मेरा ना खाना सब कुछ हो गया सफल हो गया लेकिन ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरे भाई ठीक है चलो भाई यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चे दे डिड नॉट कॉल हिम येट लिखा हुआ है है ना अब जरा गौर करेंगे सारे बच्चे मैंने कहा कभी भी यहाँ बेटा ये आप लोग येट भी जोड़ लीजिएगा येट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत पूछता है अब जानते हैं ऐसे क्वेश्चन देगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं जैसे ऐसे दे देगा दे डिड नॉट कॉल हिम येट तो आप जरा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपने कहा एट येट के साथ क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बच्चे क्या होता है सब्जेक्ट हैज या हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म आपने कहा थर्ड फॉर्म ठीक है सब्जेक्ट हैज हैव या वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म अब यहां दे के बाद डिड तो होगा नहीं ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा आपने कहा हैव आएगा हैव के बाद की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी थोड़ा सा कम कर देना थोड़ा सा कम ठीक है और हल्का सा कम ठीक है थैंक यू सो मच यार एक बच्चा यहीं पे रहता है उसने कहा सर चाय पी लीजिए सुबह से लग रहा उसको भी देखा नहीं गया हैव नॉट कॉल्ड हिम येट हो जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप ठीक है ये देखिए अभी अभी सुबह से पहली चाय आई है वो भी यहाँ पे एक बच्चा रहता है तो उसने दे दिया ठीक है तो अभी बीच में थोड़ा बहुत पी लेंगे लेकिन अभी देखो सारे बच्चे ठीक है देखो भैया अगला क्या है बच्चे डिड ही जस्ट अराइव लिखा हुआ है अब यहाँ पे देखो जब भी कभी आपके सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जस्ट आ जाए जस्ट आ जाए है ना तो जस्ट नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज होगा जस्ट और यहाँ क्या हो जाएगा अराइव्ड ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे ठीक है हैव यू सीन द ताजमहल लेटली अगर बच्चे लेटली आया है लेटली मतलब क्या होता है लेटली मतलब रिसेंटली होता है रिसेंटली यानी हाल ही में क्या तुमने हाल ही में ताजमहल देखा अगर कभी भी बच्चा आ जाए लेटली तो लेटली के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है यह सेंटेंस में कोई गलती नहीं है दैट्स नो एरर ठीक है कोई गलती नहीं है अगला देखेंगे ही डिड नॉट रिटर्न मनी येट येट अगर आ गया ठीक है तो येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हैज नॉट और यहाँ क्या हो जाएगा रिटर्न माई मनी येट पहले बताइए यहाँ तक बात समझ में आई ठीक है एक एस ने क्वेश्चन पूछा था ठीक है क्वेश्चन बच्चे क्या पूछा था डोंट कॉल्ड हिम ठीक है और ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था इस बात को गौर करिएगा पंद्रह या सोलह में पूछा था डोंट कॉल्ड हिम एज ही वाज विद मी टिल नाउ एग्जैक्टली मुझे ईयर नहीं याद है लेकिन एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है ठीक है तो ये लिखा था डोंट इस्ड हिम एज ही वॉज विद मी अपटिल नाउ उसे डांटो मत जैसा कि वह उस टाइम मेरे साथ था अब बच्चे गौर करो थोड़ा सा नाउ नाउ आया है देखो के साथ क्या लगाओगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ वाज दिया था ही के साथ लिख दो हैज अब जब कोई वर्ब की तीसरी फॉर्म ना दिखे ना फिर से सुनना जब कभी भी कोई वर्ब की तीसरी फॉर्म ना दिखे तो हमेशा लिखना बीन तो ये हो जाएगा आई बात समझ में चलिए आप लोग कह रहे हैं तो थोड़ा सा पी लेता हूं साथ ही साथ ठीक है? इसमें मिलाया क्या है चलो भाई ऐसा कुछ न मिला दे कि मुझे नींद आ जाए है ना देखो बच्चे अगले पे आते हैं सिक्सटी अच्छा ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को और यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे <laughs> कह रहा सर <सर्थ। laughs> देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आप सभी लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ है ना एक तो भाई ग्लास में है ग्लास में क्या ही करूँगा मैं आप बताओ सर एक कॉपी फुल हो गई अच्छा आप लोगों को मैंने कल ही बोला था कि आप लोग नई कॉपी खरीद लीजिएगा क्या आप लोगों ने नई कॉपी खरीदी थी और कॉपी फुल किसकी हुई अपने जयश्री दुबे जी की हुई है ठीक है चलो भाई आते हैं भाई नेक्स्ट पे रूल नंबर सिक्सटी फाइव है बच्चे देखो रूल नंबर सिक्सटी फाइव में क्या लिखा है वेदर ये क्या लिखा है दैट ये क्या लिखा हुआ इफ है ना बस इतनी बात समझ लीजिएगा आप लोग ये जो वेदर है ये अनसर्टेनिटी बताता है ये दैट है ये सर्टेनिटी बताता है इफ जो है वो कंडीशन बताता है कहने का मतलब ये हुआ भैया कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से ठीक है आप ऐसे समझिए आसान भाषा में अगर हमें कंडीशन बतानी है तो इफ अगर हमें निश्चितता बतानी है सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता तो हम दैट अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं आपने कहा वेदर ठीक है अब सुनना मेरी बात को गौर से कैसे इसका यूज करोगे सारे के सारे बच्चे ठीक है जैसे मैंने कहा आई don't नो गौर से सुनना बच्चे आई don't नो ही विल रिटर्न ठीक है आगे लिखा मैंने आई नो यहां मैंने लिखा ही विल रिटर्न ठीक है अभी आपको ना एक एक चीज समझ में आ जाए कभी वेदर और इफ को लेकर के आपको दिक्कत ही नहीं होगा जैसे मैंने लिखा आई हैव लिटिल डाउट ठीक है आगे लिखा मैंने आई हैव द सेम डाउट ठीक है एक और लिखा मैंने आई हैव ऑफ एंड डाउट ऑफ एंड डाउट ब्लैंक ब्लैंक ठीक है सब में सेम रहेगा ही विल रिटर्न ठीक है ही विल रिटर्न और यहां पे लिखेंगे ही विल रिटर्न ठीक है ये होगा अब सारे बच्चे यहां पे एक बार बताएंगे ठीक है अब क्या होगा बताइएगा सारे बच्चे बताएंगे आप आपको लिखना हो बच्चे ना यहां पे एक काम कर लेना ठीक है चलो ठीक है आप बताइएगा सारे के सारे बताएंगे यहां पे क्या होगा देखो मैं आपको बता रहा हूं बस आप इतनी चीज गौर करिएगा गौर क्या करना है वेदर क्या बताता है आपने कहा सर अनसर्टेनिटी यानी जिसको हम कहते हैं अनिश्चितता ठीक है आप लिख लेना अपना अनिश्चितता और ये क्या है निश्चितता भाई देखिए हिंदी पे थोड़ा मेरा मजाक मत उड़ाइएगा है ना आप लोग लिख लीजिएगा ठीक है अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहाँ कह रहा आई डोंट नो मैं नहीं जानता अच्छा बच्चे एक बात बताओ जब ये कह रहे हो आप मैं नहीं जानता तो आप ये कैसी बात कर रहे हो सर्टेन या अनसर्टेन आपने कहा सर ये तो हम अनसर्टेनिटी बता रहे हैं अनिश्चितता अच्छा मैं कहूँ कि आपने बोला मैं जानता हूँ तो आप सर्टेनिटी बता रहे हो कि अनसर्टेनिटी बता रहे हो आपने कहा सर सर्टेनिटी बता रहे हैं अगर मैंने बोला कि मैं जानता हूं तो भैया सर्टेनिटी अगर मैं नहीं जानता अनसर्टेनिटी तो बच्चे अगर मैं नहीं जानता अनसर्टेनिटी बता रहे हो तो अनसर्टेनिटी तो के लिए क्या यूज़ करोगे आपने कहा सर वेदर ठीक है अब मैंने आपसे कहा कि मैं जानता हूँ मतलब सर्टेनिटी यहाँ दैट आई डोंट नो वेदर ही विल रिटर्न आई नो दैट ही अगला देखो आई हैिटिल डाउट ये सारे बच्चे देखो एग्जाम में गौर नहीं करते यहां लिटिल डाउट आई हैव द सेम डाउट आई हैव ऑफ एन डाउट ठीक है अब जरा गौर करना आपने कहा आई हैव लिटिल डाउट लिटिल मतलब क्या होता है आपने कहा ऑलमोस्ट नॉट ना के बराबर मतलब नथिंग जिसको बच्चे हम ऐसे बोल सकते नथिंग तो वो कहना चाहता है कि मुझे डाउट ही नहीं है अगर भैया मुझे डाउट ही नहीं है मुझे डाउट ना के बराबर है मेरा कोई डाउट ही नहीं है मतलब मैं क्या हूं आपने कहा मैं तो फिर तो फिर सर्टेन हूं किसी चीज को लेकर के ठीक है अगर मेरे पास डाउट नहीं है तो मैं तो सर्टेन हूं अगर मैं श्योर हूं तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा दैट ठीक है अब ध्यान से देखेंगे अगले की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मेरे भाई ठीक है आई हैव द सेम डाउट कह रहा मेरा डाउट वही है पुराना वाला सेम बना हुआ है ठीक है अगर अभी भी आपका वही डाउट है मतलब आप अनसर्टेन है आई हैव द सेम डाउट ठीक है अनसर्टेन है तो बच्चे क्या हो जाएगा आपने कहा सर वेदर हो जाएगा ठीक और देखो आपने कहा आई हैव ऑफ एन डाउट ऑफ एन मतलब क्या होता है ऑफ एन मतलब होता है बच्चे ऑलमोस्ट ऑलवेज इसका मतलब क्या होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो प्रायः है हिंदी में क्या बोलते हैं प्राय ऑलमोस्ट ऑलवेज हमेशा ठीक है देखो आई हैव ऑफिन डाउट अगर आप कह रहे हो हमेशा आपको डाउट बना रहता है तो मतलब आपकी अनिश्चितता है है ना जिसको हम लोग क्या बोलेंगे वेदर पहले मुझे ये बताइए आप लोग को यहाँ तक बात समझ आई ठीक है पहले एक बार सारे बच्चे बता देंगे यहाँ तक की बात समझ में आ गई इज़ इट क्लियर एवरी वन सबको समझ में आ गया यहाँ तक ठीक है बताइए यहाँ तक एक बार सारे बच्चे बताएंगे समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को ठीक है देखो एक सेंटेंस और देखिएगा मैंने कहा वी सेल रिप्लेस इट इफ इट ब्रेक्स डाउन अब ये भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग वी सेल रिप्लेस इट हम इसे क्या कर देंगे हम इसे रिप्लेस कर देंगे इफ इट ब्रेक्स डाउन अगर यह टूट जाता है तो बच्चे गौर करो हम कंडीशन बता रहे हैं हम रिप्लेस कर देंगे कंडीशन ये है जब अगर टूट जाता है तो कंडीशन बताने के लिए सिंपली हम इफ का यूज करते हैं आई बात समझ में तो हमने देख लिया कि भाई अगर अनसर्टेनिटी बताएगा तो वेदर सर्टेनिटी बताएगा तो दैट और हमने ये भी बताया जो छोटी छोटी बातें हैं आपको गौर करना है अगर लिटिल दिया है तो मतलब ऑलमोस्ट नॉट द सेम दिया है तो अनसर्टेनिटी है ऑफिन दिया है अनसर्टेनिटी है लिटिल दिया है तो नहीं है तो ये सब बातें भी आप सभी बच्चों को गौर करना पड़ेगा तभी जाके बच्चे एग्जाम में हम फोड़ के आएंगे एग्ज़ाम में आपको पूरी तरीके से तैयार होना है इस बात को गौर करिएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या है आप लोग एक काम करिएगा मे और कैन के पहले ठीक है आप लोग थोड़ा सा सब्र करेंगे आप दो मिनट रुकिएगा यहाँ पे सिस्टम को एक बार बच्चे रिबूट करना पड़ेगा एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा छः घंटे से लगातार चल रहा है तो इस वजह से आप लोग दो मिनट का समय देंगे ठीक है जय जवान जय किसान देखो इसी नाम से मैंने सेव किया है ठीक है इसको दोबारा से लगाना पड़ेगा बच्चा जय जवान जय किसान डाउनलोड में सेव कर देते हैं चलो बस दो मिनट का टाइम देंगे सारे बच्चे ठीक है हाँ पीडीएफ चाहिए सबको ना पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी इसी के चक्कर में तो कर रहा हूँ ठीक है एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे भाई ठीक है एक बार सभी के सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए एक बार सर हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी एक बार इसको रिबूट कर दिया जाए फटाक से चलो भाई एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा अपने लय में आ जाएगा यार अपने लाइक्स बहुत कम हैं सिर्फ मात्र सोचिए 1200 सो लाइक्स अपने हुए हैं उम्मीद अपन इससे ज्यादा कर रहे थे ठीक है एक्चुअली पता है मैं चाय आप लोग कह रहे हो मैं चाय इसलिए नहीं पी रहा हूँ क्योंकि चाय खाली पेट पीने से अभी थोड़ा सा ना दिक्कत हो सकती है ओमिट वगैरह हो सकता है इसलिए चाय नहीं पी रहा हूँ एक सिप पी के मुझे समझ में आ गया खाली पेट होने से ना थोड़ा दिक्कत हो सकती है चलो भाई शुरू करते हैं बस ये खुल जाए खुल जा भाई खुल जा सिम सिम कैसा है जोश हाँ एक लड़के ने पूछ रहा है सर जोश कैसा है सब मेरा खैर गला थोड़ा थोड़ा बैठने लगा है ठीक है चलो भाई इसको क्या हो गया ओ oh गॉड मैं तो डर गया था मुझे लगा कि सब गायब हो गया क्या यहां पे तुम लोगों को पीडीएफ देना है? <laughs> सारे बच्चों को पीडीएफ देना था और मुझे लगा लग रहा है ये सारा का सारा गायब हो गया आप ऐसे समझिए कि आपसे ज्यादा मेरी जान सूख गई थी आ जा भाई आ जा आ जा आ जा रुकना 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 चलिए भाई ये बहुत नखरे दिखा रहा है आप क्या कर सकते हैं ये छः घंटे से चल रहा है ना चलिए शुरू करते हैं बच्चे थर्टी पेज हो गए सर बहुत बढ़िया नीतू कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो यहाँ पे एटी सिक्स पेजेस हो चुके हैं मेरे यहाँ ठीक है चलो बच्चे एक बार जोश के साथ फिर से शुरू करते हैं ठीक है अब यहाँ पे है मे और कैन देखो मे और कैन आज मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा आप मे या कैन कभी नहीं बोलोगे और मे और कैन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे मैं अभी के अभी आप लोग को कवर करवा दूंगा ठीक है अब बच्चे देखो जो हमारी मे होती है इसको ध्यान रखेंगे मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए बात सबको पता है कैन का यूज़ हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए यानी योग्यता और निश्चितता बताने के लिए यानी सर्टेनिटी ठीक है ये बहुत बेसिक बात है जो हर बच्चे को पता है कि मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं और कैन का यूज़ हम करते हैं बच्चे एबिलिटी या सर्टेनिटी बताने के लिए निश्चितता अब बात आती है कि सर इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं वो हम लोगों को बता दीजिए ठीक है देखो एक करके देखेंगे इफ़ यू आस्क हर ठीक है सी मे या कैन हेल्प यू ठीक है नेक्स्ट लिखा मैंने वॉक फास्ट और एल्स वी मे या कैन वी यहां पे लिखना बच्चे वी मे या कैन गेट लेट टूडे गेट लेट टूडे ठीक है ये लिखना गेट लेट टूडे ठीक है अच्छा यहां पे देखना कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इंटू टू पार्ट्स इंटू टू पार्ट्स वर्बल एंड नॉन वर्बल ठीक है मैंने कहा इफ यू आस्क हर सी मे या कैन हेल्प यू वॉक फास्ट गेट लेट टू कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इन टू टू पार्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल ठीक है देखो एक और देखना आप सभी लोग गौर से बच्चे ध्यान से समझना इस बात को ठीक है जितने भी यहां लिखे जा रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सब ट्रिकी हैं सब ट्रिकी हैं प्लीज लेट मी नो प्लीज लेट मी नो वेदर यू मे या कैन हेल्प अस ठीक है अब इसको जरा गौर से पढ़िएगा प्लीज लेट मी नो हमने लिखा प्लीज लेट मी नो वेदर यू मे या कैन हेल्प अस ठीक है नेक्स्ट लिखा मैंने द इट इज डिफिकल्ट द इट इज डिफिकल्ट यू कैन सॉल्व इट या यू मे सॉल्व इट ठीक है अब आपको बताना ये इट लिखा हुआ ये इट लिखा हुआ ठीक है अब आपको बताना यहाँ पे मे होगा या कैन होगा ठीक है अब देखिएगा थोड़ा गौर से सारे बच्चे यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगी ठीक है पहले इतने टाइप के इनके क्वेश्चन हम कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे मैंने क्या कहा भाई ये जो मे है जब हमें पॉसिबिलिटी यानी संभावना बतानी होती है तब हम उसका यूज़ करते हैं और हमने कहा कैन का, का यूज़ हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए या सर्टेनिटी बताने के लिए ठीक है यही होता है अब यहाँ पे देखो बच्चे लिखा हुआ है द इट इज डिफिकल्ट यू कैन सॉल्व इट शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं ठीक है यहां से मैंने कहा इफ यू अगर तुम उससे पूछते हो तो सी मे हेल्प यू वह तुम्हारी मदद कर सकती है गौर से पढ़िए इफ यू अगर तुम उससे पूछते हो तो वह तुम्हारी मदद कर सकती है देखो भैया ऐसे सुनिए ये रास्ते में आप जा रहे थे ठीक है और आपकी जो बाइक है यहाँ पे खराब हो गई ठीक है आप ए हो आपका दोस्त बी है यहां पे कोई एक आदमी सी खड़ा था ठीक है गौर से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे आप रास्ते में जा रहे थे बाइक खराब हो गई आप ए हैं ये बी है मैंने कहा एक दोस्त जो है मतलब दोस्त कह रहा हूं एक आदमी जो यहां पे सी खड़ा था यहां पे है आपने अपने दोस्त से कहा इफ यू आस्क हर अगर तुम तो मुझसे पूछो तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे अच्छा एक बात बताओ रास्ते में खड़ा आदमी आपकी मदद करेगा इसकी क्या गारंटी है अगर आप यहाँ से सौ किलोमीटर दूर कहीं निकल गए हो ठीक है और एक आदमी वहाँ पे खड़ा है आप पूछो कि हो सकता है मदद करते हो सकता है ना करे ये तो उस पर डिपेंड करता है यानी ये तो संभावना है मदद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती तो भैया संभावना बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे मे मे ठीक है अब देखो यहाँ पे लिखा है वॉक फास्ट आर एल्स कह रहा चाहे तेजी से चलो या कुछ भी कर लो तेजी से चलो चाहे कुछ भी कर लो वी मे या कैन गेट लेट टूडे आज हमें देर हो सकती है बच्चा जरूरी थोड़ी है कि देर हो जाए हो सकता है कि हम तेज़ चलें तो हो सकता है पहुंच जाएं हो सकता है देर हो ही जाए हो सक अब मान के चलो कहीं पे हमें दस बजे पहुंचना है और हमारे घर से जो रास्ता है वो बीस मिनट का है ठीक है और हम जो है पाँच मिनट लेट हो चुके हैं या मान लीजिए दस मिनट हम लेट हो चुके हैं दस मिनट हम लेट हो चुके हैं तो वो कह रहा है कि अब भैया चाहे तुम तो जितनी तेज चल लो चाहे कुछ भी कर लो ठीक है हमें देर हो जाएगी अब लेकिन दस मिनट बीस मिनट का रास्ता दस मिनट में तय करना है हो सकता है वो दौड़ जाए हो सकता पकड़ने, पकड़ने, पकड़ने है ऑटो पकड़ लें रिक्शा पकड़ लें कुछ पकड़ लें बेटा पॉसिबिलिटी है ठीक है तो यहां कैन नहीं होगा संभावना है पहुंच भी सकते हैं नहीं भी पहुंच सकते ठीक है अब नेक्स्ट देखिएगा कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इन टू टू पार्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है उसको कैटेगराइज जो है हमने दो पार्ट में कर दिया एक आपका वर्बल है और दूसरा क्या है आपने कहा नॉन वर्बल है बच्चे गौर से समझना कम्युनिकेशन के दो ही पार्ट होते हैं एक वर्बल होता है एक नॉन वर्बल होता है 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 ये ये फिक्स सर्टेन कम्युनिकेशन के दो ही कैटे कर... मतलब दो ही कैटेगरी होती है ये हम सर्टेन बात कर रहे हैं अगर हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैन बिल्कुल सही है अगर यहाँ पे आप में लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा कैन बिल्कुल करेक्ट है आई बात समझ में पहले बताइए यहाँ तक समझ में आ गया और थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी हड्डी थोड़ी सी सीधी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ लोअर बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ा सा थोड़ा सा बैठ के एक बार ऐंठ लेता हूँ सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बेंस एंड इंटरप्शन ठीक है ओके चलिए यहां पे आते हैं इसको तो देखो खत्म ही करना है सिक्सटी सिक्स हो गया थोड़ा सा और बचा है खत्म कर लेंगे है ना देखो बच्चे अगला क्या है कह रहा है गौर से सुनिएगा गौर से सुनिएगा ठीक है प्लीज लेट मी नो गौर से प्लीज लेट मी नो मुझे जानना है वेदर यू या मे कैन हेल्प अस ठीक है अब यहां पे जरा आप गौर करिएगा कह रहा प्लीज लेट मी नो कह रहा मुझे जानना है मुझे बताओ एक तरीके से वो आपसे सवाल कर रहा है कोई इंसान आपसे सवाल करे तो सवाल का जवाब होता है ठीक है सवाल का क्या होगा जवाब होगा वो आपसे उत्तर जानना चाहता है ये तो तय बात है ठीक है तो ये बच्चे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आप यहाँ पे ऐसे दिमाग मत लगाना कि वो मदद कर भी सकता है या नहीं कर सकता है अगर आप गौर से देखेंगे हमने यहाँ इफ लिखा हुआ था लेकिन हम कह रहे प्लीज लेट मी नो मुझे जानना है मैं बोलू मुझे जानना है मुझे बताओ मतलब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ तो मुझे उत्तर दो ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैन ये सर्टेनिटी की बात हो रही है सर्टेनिटी की ठीक है अब यहाँ पे जैसे क्या लिखा था द इट इज डिफिकल्ट द इट इज डिफिकल्ट यू कैन या मे सॉल्व इट ठीक है अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तभी लगा पाओगे आप जरा बच्चे गौर करो ये क्या है द द क्या होता है पता है ये कंजंक्शन होता है ये क्या बताता है पता है कंट्रास्ट बताता है कंट्रास्ट के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कंट्रास्ट मतलब क्या होता है बच्चे ये दो अपोजिट स्टेटमेंट को आपस में जोड़ता है दो अपोजिट स्टेटमेंट को ये आपस में जोड़ता है अपोजिट स्टेटमेंट क्या हो गया मेरे भाई एक पॉजिटिव और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव बच्चे मैंने कई बार बताया है जैसे मैंने कहा राम वर्कड हार्ड राम ने कठिन परिश्रम किया ठीक है बट ही फेल्ड लेकिन वह फेल हो गया अगर कोई कठिन परिश्रम करता है उसे तो पास हो जाना चाहिए लेकिन कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव अब अगर इस बात को आप समझो यहाँ पे कह रहा है दो इट इज डिफिकल्ट कह रहा है ये डिफिकल्ट तो है बट तुम कर सकते हो इधर डिफिकल्ट है बता रहा है नेगेटिव लेकिन इधर कह रहा है तुम कर सकते हो ये पॉजिटिव ये भैया सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी नहीं इससे हमें समझ में आ रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है अपोजिट एक तरफ डिफिकल्ट है लेकिन दूसरी तरफ तुम कर सकते हो तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन को जस्टिफाई करेगा ये ठीक है तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यू मे नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा यू कैन ठीक है यहाँ पे मे नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा यू कैन पहले बताइए सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर है सबको बताओ भाई सारे बच्चे एक बार बताएंगे यहाँ तक सारी बात सबको समझ में आ गई बताओ भाई क्लियर है चलो उसके बाद बच्चे एक जो क्वेश्चन है और पूछा जाता है किस तरीके से मैं वो भी बता देता हूं ठीक है जो मे और कैन वाला आपका पूरा प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा देखिए मे कैन से जो हमारे सवाल पूछे जाते हैं एक तरीके का और आपके क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दे मे पॉसिबली हेल्प यू ठीक है एक आएगा दे कुड नॉट अच्छा कुड नहीं यहां कैन लिखेगा He can't be able to pay this bill ठीक है ये एक तरीके से और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी ध्यान रखेंगे सारे बच्चे अब देखिए अभी मैंने जस्ट आपको यहां पीछे क्या बताया था मैंने अभी इसके पीछे आपको क्या बताया था मैंने ये ओहो एक सेकंड एक सेकंड मैंने बच्चे पीछे ये बताया था कि मे जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है कैन जो है एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है अब यहाँ पे आप गौर करिए जब मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है तो इसके साथ का यूज नहीं होगा ये सुपर फ्लूस हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा ये सुपर फ्लूस हो जाएगा ठीक है इस बात को गौर करिएगा ही कांट बी एबल टू पे दिस बिल कांट जो है यानी कैन कैन खुद ही एबिलिटी बताता है अगर ये खुद ही एबिलिटी बताता है तो इसके साथ बी एबल टू का यूज नहीं होगा तो यहां हो जाएगा दे में हेल्प यू यहां हो जाएगा ही कांट पे दिस बिल क्लियर है सारे बच्चों को ठीक है एक बार बता देंगे एक बच्चा पूछ रहा है पीडीएफ कहा मिलेगी भाई पीडीएफ यहाँ मिलेगी इंग्लिश बाई सर इंग्लिश बाई जय सर ठीक है इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे अन अकेडमी का लोगो बना होगा गौर करिएगा ठीक है बताओ भाई एक बार यार सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे है ना अगला रूल नंबर सिक्सटी सेवन पे आते हैं रूल नंबर सिक्सटी सेवन बहुत आसान है हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं देखो बच्चे हमेशा ध्यान रखना प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद जीरंड फॉर्म लेता है यानी कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सी बात समझना अगर प्रेपोजिशन के बाद ठीक है ऑब्जेक्ट आता है ये बात सबको पता है भैया प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है ऑब्जेक्ट लेता है अब आपको बस इतना ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट या तो हमारा नाउन आएगा कोई या तो प्रनाउन आएगा ठीक है इसके अलावा कभी कभी क्या दे देता है वर्ब दे देता है इसके अलावा क्या दे देगा बच्चे वर्ब तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आपको लिखनी है और एग्जामिनेशन में पहली फॉर्म करके देता है और यही आपकी क्या होती है <coughs> यही आपकी गलती होती है ठीक है अब जैसे मैंने कहा कैन यू स्नीच कैन यू स्नीच विदाउट ओपन योर माउथ without ओपन योर माउथ मैंने क्या लिखा यहां पे बच्चे कि कैन यू इस नीज विदाउट ओपन योर माउथ तो आपने यहां पे एक चीज गौर करा ठीक है जो विदाउट है वो प्रेपोजिशन है मैंने कहा प्रेपोजिशन या तो अपने बाद नाउन लेगा या तो प्रोनाउन लेगा लेकिन कभी भी बच्चे वर्ब आ जाए वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखनी है यानी जिरंड फॉर्म में लिखनी है ठीक है उसके पीछे लॉजिक है क्योंकि जिरंड जो होती है वो किसके तरीके से काम करती है नाउन के तरीके से और बच्चे अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या होता है नाउन और प्रोनाउन ही तो होता है भाई आ रही है बात समझ में ठीक है अब यहाँ पे ओपन नहीं होगा यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपनिंग आई बात समझ में अब देखो जी द मैनेजर टोल्ड हर दैट सी शुड बी या बिट मोर केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड दर्डर्स ऑफ द कंपनी सीजीएल दो हजार बाईस का क्वेश्चन है भाई अब यहाँ पे देखिए जो वाइल लिखा हुआ है वाइल क्या है प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के बाद जिरण फॉर्म लिखिए यहाँ पे ठीक है क्या हो गया एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी ठीक है आगे बात समझ में अगला देखिए सिक्सटी एट ये बहुत आसान कंसेप्ट है कंसेप्ट क्या है इट इज हाई टाइम इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम इसके बाद अगर सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट के बाद की कौन सी फॉर्म आती है सेकेंड फॉर्म आती है जैसे मैंने आपसे कहा इट इज टाइम यू पेड दिस बिल्स ठीक है तो देखो इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर कोई रीजन पूछे ऐसा क्यों होता है तो बता देना ये सारी जो चीजें होती हैं ये इमेजिनेशन बताती हैं क्या बताती हैं इमेजिनेशन यानी ये इमेजिनरी चीजों को डिनोट करती हैं ठीक है थीके? तो जो चीज इमेजिनरी होती हैं वो वास्तविक तो होती नहीं है वो तो काल्पनिक होती हैं वो अनरियल होती हैं जब बच्चे हम किसी अनरियल सिचुएशन को जब हम किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रेफर करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें लॉजिक से क्या मतलब है जहाँ लॉजिक चाहिए वहाँ देता हूँ कुछ जगहों पे लॉजिक की जरूरत नहीं है मतलब लॉजिक बताने को बता दूंगा लेकिन जब हमारा बच्चे सीधे सीधे काम हो जा रहा है एग्जाम क्रैक करना है ना हमारा जो मेनली होना चाहिए एग्जाम एग्जाम क्रैक होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लॉजिक वहीं समझाता हूँ जैसे अभी हम लोग मैं और कैन वाला कर रहे थे वहाँ एक बार भी नहीं बोला मैंने रटो मैं समझा रहा था सर्टेनिटी होगी तो ये पॉसिबिलिटी होगी तो ये दो से दिखो कंट्रिक्शन बता रहा है लेट से ये बता रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें कोई लॉजिक जानने की जरूरत नहीं है इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की एस एस सी यही पूछता है यही जानो ठीक है नेक्स्ट देखो अब भाई आते हैं बच्चे सिक्सटी नाइन ओविंग टू है और ड्यू टू है ठीक है आज ये देखना है कि कौन कौन लोग इस मुहिम में वो आखिरी क्षण पे साथ होंगे जो शुरू से जुड़े थे ठीक है तो ये चीज है खैर मुझे बड़ी खुशी होगी जो बच्चे आखिरी तक यहाँ पे रहेंगे साथ देंगे देखो भैया ओविंग टू और ड्यू टू को लेकर के बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ठीक है अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं ओविंग टू का मतलब क्या होता है कहेगा के कारण अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं ड्यू टू का मतलब क्या होता है कहेगा के कारण अच्छा दोनों का मतलब बच्चे अगर के कारण होता है तो दोनों में अंतर क्या है ये बच्चों को समझ में नहीं आता ठीक है अब ये मैं आपको बताऊंगा ठीक है ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे गौर करिएगा ठीक है अब यहाँ पे ओविंग टू है ओविंग टू का मतलब भी होता है बिकॉज ऑफ यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं के कारण ठीक है अच्छा ये जो ड्यू टू है ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ यानी इसका भी मतलब होता है के कारण दोनों की मीनिंग होती है सेम मीनिंग सेम होती है ठीक अब बच्चे अच्छा, ये जो ओइंग टू होता है ये होता है एडवर्ब फ्रेज ये क्या होता है ये एडवर्ब होता है ये गौर करना ये जो तुम्हारा ड्यू टू होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है यही बहुत बड़ा अंतर है ठीक है अब देखो एडजेक्टिव से हमें यह समझ में आ गया कि अगर ये नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताएगा तो हमें ड्यू टू लिखना पड़ेगा ठीक है मतलब दोनों का होता है बिकॉज ऑफ दोनों बताते रीजन ही हैं भैया ध्यान से सुनना मेरी बात को ये भी बताता रीजन है क्योंकि इसका मतलब बिकॉज ऑफ है ये भी बताता रीजन है क्योंकि इसका मतलब बिकॉज ऑफ है दोनों ही रीजन बताते हैं लेकिन अंतर यह है इन दोनों में कि यह एडवर्ब है और यह एजेक्टिव है तो नाउन पर नाउन की विशेषता बताए तो एजेक्टिव अगर किसी वर्ब की विशेषता बताए या एजेक्टिव की विशेषता बताए तो ऑबी सी बात है एडवर्ब हो जाएगा है ना अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं देखिए अब अगर मैं ये लिखू वी कैंसल्ड द पार्टी ठीक है अब अगर मैं बच्चों से यहां ये पूछूं भैया बताओ ड्यू टू होगा या ओविंग टू होगा ठीक है अब मैंने कहा रॉयट्स इन द सिटी यानी शहर में दंगे के कारण पार्टी कैंसिल कर दी गई ठीक है शहर में दंगे के कारण पार्टी कैंसिल कर दी गई अब अगर आप एक चीज बच्चे गौर करो ये क्या है सब्जेक्ट ये क्या है वर्ब पार्टी क्या है ऑब्जेक्ट यहां पे हम वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं वी कैंसिल द पार्टी और मैं आपको एक तरीका बताऊं ठीक है अगर मैंने आपसे ये बोला गौर से सुनिएगा अभी पीछे पढ़ाया था मैंने आप लोग को अगर मैं आपसे ये बोलूं मैंने पार्टी कैंसिल कर दी ठीक है आप मुझसे ये नहीं बोलोगे क्यों आपका यही होगा ना सवाल क्यों यानी वाई वाई क्यों किया मैंने आपको बताया नहीं था वाई का रिप्लाई जैसे बच्चे देखो ये वेयर का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब वेन का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब हाउ का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब ठीक है एडवर्ब होता है ना वेयर कहा जा रहे हो एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान पूछ रहा हूँ किया मतलब मैं आपसे तरीका पूछ रहा हूँ अब मैंने आपसे कहा तुमने इसे क्यों किया वाई तुमने इसे क्यों किया मैं आपसे कारण पूछ रहा हूं तो भैया यहाँ पे हम एडवर्ब जानना चाहते हैं एडवर्ब एडवर्ब ऑफ रीजन Adverb ऑफ रीजन बच्चा adverb होता क्या है ओइंग टू तो यहां लिखोगे ओइंग टू आई बात समझ में पहले बताओ भाई समझ में आई बात सारे बच्चों को क्लियर हो गया क्लियर है और एक देखना द डिले वाज़ मिसमैनेजमेंट ठीक है ये मैंने लिख दिया थोड़ा गौर करेंगे सारे बच्चे मैंने लिखा द डिले वाज द मिसमैनेजमेंट बच्चे देखो अब मैं बोलू क्या होगा ये डिले की बात कर रहा है ना डिले क्या है आपने कहा नाउन है अगर भाई नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं हम ठीक है क्या हो जाएगा नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए तो ड्यू टू लिख लीजिए तो हो जाएगा द डिले वाज ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ठीक है क्लियर है आगे देखिए ये बहुत प्यारा है कंसेप्ट पहले तो सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे को गलती आती है कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है सर स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ बात बच्चे स्पीड बढ़ाने की नहीं है बात कोटा पूर्ति की नहीं है मैं स्पीड बढ़ा दूंगा बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्या हुआ पढ़ाने का मतलब यहाँ पे दस घंटे खड़े होने का अगर कोई मतलब ना निकले आठ घंटे खड़े होने का कोई मतलब ना निकले तो क्या पढ़ाने का मतलब हुआ ठीक है तो इस बात को भी तो समझो पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जो समझाना भी तो है समझ में भी तो बच्चों को आए कि वो अपना टाइम देने के बाद ठीक है उनको समझ में नहीं आया तो क्या मतलब निकला उन सारी चीज़ों का ठीक है देखो भैया मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा ठीक है अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा गौर से बस समझिएगा मेरी बात को बस मैं कहना क्या चाहता हूँ ये है आपका रूल नंबर सेवेंटी ठीक है यहां पे देखिए ये जो दो लिखा हुआ है देखो बच्चे ये जो दो लिखा है वाइल्ड लिखा है वेयर एज लिखा है हाउ एवर लिखा है ठीक है ये सारे के सारे कंजंक्शन होते हैं पहले ध्यान रखिएगा ये भी कंजंक्शन है ये भी कंजंक्शन है ये सब भी कंजंक्शन है और ये सब भी कंजंक्शन है आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है इनके यूजेस को समझने में ठीक है अब देखो अगर इनके यूजेस आज तक आपको नहीं समझ में आए तो आज आ जाएंगे बस ध्यान से सुनिएगा ये जो आपका है ना पूरा ऑल्दो व्हाइल वेयर एज और हाउएवर ये हम यूज करते हैं इलॉजिकल या अपोजिट रीजन बताने के लिए अब आप कहोगे सर ये इलॉजिकल क्या होता है या अपोजिट रीजन क्या होता है बच्चे अपोजिट रीजन मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं विरोधाभास यानी एक ऐसा मतलब किसी भी चीज के लिए आप ऐसा कारण दे रहे हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता ठीक है जैसे आप ये बोलते हो ऑल दो ही स्टडीड वेरी हार्ड ठीक है ही फेल्ड अब आपने कहा कि उसने बहुत कठिन परिश्रम करी लेकिन फेल हो गया यह कोई लॉजिक है यह तो इलॉजिकल बात है यह तो क्या है अपोजिट रीजन है भैया अगर कोई मेहनत ना करे तो फेल हो तो बात समझ में आती है कोई इंसान मेहनत करके अगर फेल हो जा रहा है ये तो बिल्कुल अपोजिट रीज़न है ये तो बिल्कुल इलाजिकल रीज़न है तो ये हो गया इलाजिकल रीज़न ठीक है अब सुनना मेरी बात को गौर से अगर एज बिकॉज सिंस या फॉर है ये लॉजिकल रीज़न बताता है लॉजिकल रीजन क्या होता है मेरे भाई जैसे अगर कोई चीज़ के पीछे अगर हम कारण दे रहे हैं वो कारण जैसे तो 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 होता है ना कुछ कारण वाजिब होते हैं लॉजिक होते हैं हाँ भाई तार्किक होते हैं रेसनल होते हैं रीजनेबल होते हैं वो अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा पहले थोड़ा सा आप इसका ओवरव्यू सुन लीजिए ठीक है ये जो येट बट स्टिल और nevertheless होता है ये इलॉजिकल या अपोजिट रिजल्ट बताते हैं ठीक है इलॉजिकल या अपोजिट रिजल्ट अब ये जो हमारा देयर फोर्स या है, ये हमारा लॉजिकल रिजल्ट बताता है अब देखो ये बात कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा ना ठीक है अब आप लोग को एक एक करके चीज समझ में आ जाएगी ठीक है देखो जैसे मैं ये लिखूं, ही हैड मिस्ड द बस और मैंने यहां लिखा बच्चे ही गॉट लेट ठीक है गौर से सुनना और मैंने यहां लिखा ही गॉट लेट और मैंने यहां लिखा ही हैड ही हैड मिस द बस ठीक है अब जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना यहाँ लिखा ही हैड मिस द बस उसने बस मिस कर दिया ठीक है ही गॉट लेट उसे देरी हो गई बच्चे ये ध्यान से देखो ये तुम्हारा तो रिजल्ट है ये क्या है रिजल्ट वह उसे देर हो गई ठीक है उसे लेट हो गया उसके पीछे कारण क्या था उसके पीछे कारण ये था ये उसकी बस मिस हो गई अच्छा मुझे बस एक बात का जवाब दो तुम लोग ठीक है ये रिज़ल्ट जो तुम्हें दिखा रहा है यहाँ पे जो रिज़ल्ट तुम्हें दिखा रहा है ये कैसा रिज़ल्ट है लॉजिकल है या इलॉजिकल है तुम कहोगे सर अगर किसी की बस मिस हो गई और उसे देर हो गई ये बड़ी वाजिब बात है यार किसी की भी मिस हो सकती है बस ठीक है कोई भी लेट हो सकता है अगर दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी ट्रेन कभी मान लीजिए बस या कोई एरोप्लेन या प्लेन जो भी जिसमें जाता है मिस न की होगी कभी ना कभी सबसे मिस हो ही जाती है तो ये रिजल्ट जो है बच्चे वो लॉजिकल है ये कोई इलॉजिकल रिजल्ट नहीं है अगर लॉजिकल रिजल्ट है तो यहाँ कुछ भी लगा लो चाहे आप यहाँ देयर फोर लगा लो ठीक है देअर फोर के अलावा कुछ भी लगा लो चाहे हेंस लगा लो चाहे दैट्स वाई लगा लो ठीक है कुछ भी सही हो जाएगा कि ही हैड मिस द बस दे आर फोर ही गॉटलेट या हेंस ही गॉट लेट या दैट्स वाई ही गॉट लेट आई बात समझ में क्लियर है आगे देखिए अगला क्या है हमारे सामने ही गॉट लेट ही बस ठीक है अब अगर बच्चे ध्यान से देखो अब इधर हमने क्या लिखा ही हैड मिस द बस इधर हमारा रीजन आ गया और रिजल्ट हमारा इधर चला गया ठीक है अब उसने अब पहले वाले में रीजन इधर था रिजल्ट इधर था इधर रिजल्ट इधर चला गया रीजन इधर आ गया और हमेशा इस बात को ध्यान देंगे आप सभी लोग जो इधर साइड में होता है उसी के अनुसार हम लोग यूज करते हैं इधर रिजल्ट था तो रिजल्ट के अनुसार यूज़ किया इधर रीजन है जरा देखिए रीजन कैसा है अच्छा एक बात बताइए किसी ने पूछा तुम्हें लेट क्यों हो गया तो आपने जवाब दिया ठीक है क्योंकि बस मिस हो गई थी यार बस मिस होना तो बड़ा लॉजिकल रीजन होता है भाई ठीक है किसी की भी बस मिस हो सकती है ठीक है रीजन हमारा लॉजिकल है अगर हम लॉजिकल रीजन की बात करें ये देखो यहां चाहे एज लिख लो ठीक है चाहे यहाँ बिकॉज लिख लो कुछ भी लिख लो सब सही है चाहे यहां पे सिंस लिख लो चाहे फॉर लिख लो ठीक है फॉर लगाओगे तो बस कॉमा लगा देना वो बाद में बताऊंगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कॉमा लगता है तो ये कुछ भी लिख लो ही गॉट लेट एज ही हैड मिस द बस ही गॉट लेट बिकॉज ही हैड मिस द बस ही गॉट लेट सिंस ही हैड मिस द बस ठीक है पहले बताओ समझ में आया पहले सारे बच्चे बता देंगे यहां तक बात पल्ले पड़ी यहां तक बात समझ में आ गई अब एक और बताओगे ही हैज मच मनी ही विल नॉट अस ठीक है अगला देखो अब इसी को ऐसे लिख दिया जाए ही विल नॉट हेल्प हस ही हैज मच मनी ठीक है देखो भाई गौर करेंगे सारे बच्चे देखो यहाँ क्या लिखा है ही हैज मच मनी उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन वो लोगों की मदद नहीं करेगा अच्छा एक बात बताइए अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आपके बहुत है, है अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है और कह रहा है वह लोगों की मदद नहीं करेगा अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए लेकिन अगर भैया पैसा बहुत ज्यादा है ये तो रीजन है हमारा ये तो रीजन है ठीक है कारण और ये रिजल्ट है लेकिन देखिए कैसा रिजल्ट है ये भैया अपोजिट रिजल्ट है अपोजिट रिजल्ट मतलब बच्चे इलॉजिकल रिजल्ट है ठीक है पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन मदद ही नहीं करेगा तो ये हमारा अपोजिट रिजल्ट है या इलॉजिकल रिजल्ट है तो यहाँ पे देखो कुछ लिख लो चाहे ऑल दो लिख लो यहाँ ठीक है जो मर्जी लिख लो ऑल दो लिख लो वाइल्ड लिख लो वेयर एज लिख लो हाउ एवर लिख लो कुछ भी लिख लो सही हो जाएगा आगे बात समझ में ठीक है यहाँ पे इलॉजिकल की बात हो रही बच्चे ध्यान देना ठीक है यहाँ पे कुछ भी लिख लो एक सेकेंड अच्छा सॉरी सॉरी ये रीजन है ना रीजन रिजल्ट रिजल्ट ये ये ठोगा हो बट होगा स्टिल होगा ये मत लिखना ये ऊपर वाला हो जाएगा ठीक है ऊपर क्लियर हो गया ऑल दो ऑल दो नहीं ऑल दो नहीं वो तो रीजन है ना यहाँ पे हम रिजल्ट बात कर रहे हैं बच्चे ध्यान से देखना रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो इलॉजिकल रिजल्ट या अपोजिट रिजल्ट के लिए येट ये लगा लो बट लगा लो स्टिल लगा लो नेवरथलेस लगा लो ठीक है ये हो जाएगा लेकिन उसके नीचे वाले में देखो ही विल नॉट हेल्प अस वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा ही हैज़ मच मनी जबकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है जरा देखो पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन मदद नहीं करेगा इधर जो रीज़न दिया गया है वो कैसा रीज़न है आपने कहा सर ये तो अपोजिट रीज़न है भैया आपके पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो आपको तो मदद करनी चाहिए इधर रिजल्ट है इधर रीजन आ गया ये अपोजिट रीज़न है और अपोजिट रीजन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे ये अब यहाँ लगा सकते हैं हम चाहे ऑल्दो लगाएं चाहे वाइट लगाएं चाहे वेयर एज लगाएं चाहे हाउ एवर लगाएँ ठीक है अब पहले बताइए समझ में आया एक बार सारे बच्चे बता दीजिए ठीक है नमस्कार भाई नमस्कार बताइए समझ में आ गया यहाँ तक यहाँ तक की बात क्लियर है बताओ बच्चे समझ में आया और मेरी प्लीज आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि ये सारे के सारी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे रिवाइज करेंगे ठीक है अब देखो बिसाइड और बिसाइड्स की बात करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है ओके okay. ये बोर्ड के नखरे थोड़े बढ़ गए हैं ये हैंग करने लगा है ठीक है देखो बच्चे बिसाइड और बिसाइड्स बहुत आसान होता है बिसाइड का मतलब होता है नियर और बाई द साइड ऑफ बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन या इंक्लूडिंग ठीक है मतलब के अतिरिक्त हम बोलते हैं के अलावा या हम क्या बोलते हैं के अतिरिक्त ठीक और यहां देखिए 2022 हजार बाईस सी एच एस एल वन का क्वेश्चन भी आया हुआ है उसको करेंगे लेकिन पहले ये हम लोग इसको समझ लेते हैं ठीक है जैसे मैंने कहा बॉट अ बुक ठीक है बिसाइड्स होगा या बिसाइड होगा बिसाइड अ डायरी ठीक है आपको बताना है ही बॉट अ बुक बिसाइड्स बिसाइड अ डायरी ठीक है अब इसी चीज को बच्चे मैंने ये लिख दिया कि ही केम एंड सेट बिसाइड या बिसाइड्स मी ठीक है अब आपको ये इसमें से बताना है क्या होगा ठीक है अब जरा गौर करिएगा यहां पे कह रहा है कि ही केम वह आया And beside me या बिसाइड में बैठ गया ठीक है अगर आप गौर करें बगल में या पास में ठीक है या बगल में इसके लिए beside यूज होता है तो यहां besides नहीं होगा यहाँ पे बिसाइड हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा बिसाइड दूसरे वाले में देखिए ही बॉट अ बुक बिसाइड अ डायरी मतलब उसने किताब के अलावा एक डायरी खरीदी किताब के अलावा एक डायरी खरीदी मतलब हम बात कर रहे हैं के अतिरिक्त यानी बिसाइड्स हो जाएगा ठीक है और क्वेश्चन दिया था द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन आवर विलेज हम बात कर रहे हैं भैया बाय द साइड ऑफ के अतिरिक्त की बात नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए ये गांव है ठीक है और गांव के बगल में ऐसे मान लीजिए नदी बह रही है है ना इधर से होके गुजर रही है तो के बगल में के पास में हम ये कह रहे हैं तो यहाँ बिसाइड हो जाएगा आ गई बात समझ में चलिए अगला देखेंगे सारे बच्चे रूल नंबर सेवेंटी टू बहुत कॉमन है सीजियल दो हजार बाईस में देखिए इससे उठा के क्वेश्चन पूछ दिया गया मैंने आप लोग को कई बार इस रूल के बारे में बताया है कि भैया ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों को समझना है ठीक है अच्छा क्या है रूल में मैंने कहा ही हैज नो अदर फ्रेंड देन राम पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो आपका नो no अदर होता है इसके साथ हम क्या यूज करते हैं दैन का यूज करते हैं ठीक है और क्या कर देगा एग्जाम में एग्जामिनेशन में बच्चे बट लगा के दे देगा है ना जैसे ये देखो नो अदर है नो अदर के साथ बट लगा के दे देगा दे 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 तो दैन आएगा अच्छा इसके अलावा भी दो चीजें हैं उसको समझ लो जैसे मैंने कहा आई वुड रेदर डाई देन बेग ठीक है एग्जाम में बट बेग दे देगा बट बेग वो कह रहा कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा ठीक है उड रेदर ये ध्यान से देखिएगा ये चीज ये जो उड रेदर है ना ये एक मॉडल वर्ब होती है पूरी की पूरी और इसका मतलब क्या होता है रेफरेंस रेफरेंस या प्रेफरेंस हम बोल सकते हैं है ना बच्चे रेफरेंस या प्रेफरेंस प्रेफरेंस मतलब क्या होता है किसी चीज़ का एक तरीके से चूज करना इसको आसान भाषा में अगर मैं लिखूं तो चूज करना यानी चुनना तो कह रहा है कि अगर भीख मांगने के बजाय ना मैं मरना पसंद करूंगा मैं मर मैं मरना उसका चुनाव कर लूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा तो ध्यान से देखिएगा वो डेदर मॉडल वर्ब है इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है जो कि आई है डाई और इसके बाद हम दैन का यूज करते हैं बट का यूज नहीं करते इस बात को गौर करिएगा ठीक उसके बाद बचे नथिंग एल्स जैसे मैं ये बोलूँ आई वॉन्ट थिंग एल्स बट सम फूड ठीक है आई वॉन्ट नथिंग एल्स बट सम फूड अब देखो नथिंग एल्स के साथ क्या यूज होता है बट का यूज होता है इस बात को भी ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे आंसर भी मिल गया और ये तीनों बातें भी आप सभी लोग को समझ में आ गई देन नहीं लगेगा ठीक है दैन लगेगा दैन आई बात समझ में सारे बच्चों को ठीक है आगे देखेंगे रूल नंबर बच्चे सेवेंटी थ्री है सेवेंटी थ्री क्या कह रहा है टू डिनोट एबिलिटी इन फ्यूचर बी विल बी एबल टू या सेल बी एबल टू देखो ये है क्या देखो मैं आपको बताऊं इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ठीक है और ये एक बार बता दो यहाँ तक समझ में आ गई ठीक है ओके हालत बड़ी ख़राब हो रही है लेकिन कोई बात नहीं इसको निपटाएंगे अब हम लोग बहुत करीब हैं ठीक है कितने घंटे हुए अभी सात घंटे हुए हैं ना बस एक घंटे में और मुझे लग रहा है हो जाएगा जैसे बच्चे 80 हुआ ना 80 के बाद फिर 90 90 के बाद 100 फिर धीरे धीरे हो जाएंगे ठीक है अच्छा यहाँ पे एक बार हाथ उठाइएगा या थम्स अप करिएगा ठीक है कौन बच्चे शुरू से लगे हुए हैं जो पहले सुबह से देख रहे हैं लगातार लगातार वाले बताएंगे बीच वाले नहीं ठीक है ओके क्या बात है भाई अच्छा तुम लोग सुबह से लगे हो एक बार भी नहीं गए क्या बात है भाई चलो बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे अच्छा एक बार ये भी बता दो दिल से शेयर किए थे शेयर किया था देखो बच्चे You can solve such questions easily after this training is over. After this training is over, ठीक है? आप पढ़ाते ही ऐसा है हो जाने से दिल <laughs> अब पता <है. laughs> मुझसे बोला नहीं जा रहा है <laughs> कोई बात नहीं बचे सुनो <clears throat> एनर्जी रिस्टोर करते हैं और उतने ही जोश के साथ इसको खत्म करते हैं ठीक है उतने ही जोश के साथ इसको ख़त्म करेंगे देखो मैंने क्या बोला आप लोगों से आते हैं भाई रूल नंबर सेवेंटी थ्री पे है ना रात अपने पास पूरी है है ना <clears throat> अपन सो लेंगे सभी लोग लेकिन अभी इसको खत्म करना है देखो मे मेरा एक मेरा एक देखो मानना है मुझे लगता है कि मैं अगर आपको सिखा कि जिंदगी में मुझे लगता है जब चार कदम मंजिल रह जाती है ना दर्द सबसे ज़्यादा होता है देखो हम सेवेंटी थ्री पे पहुँच गए सौ पहुँचना है चार कदम मंजिल है दर्द सबसे ज़्यादा होगा तो इस दर्द में छोड़ के तो भागना नहीं है पहली बात ठीक है मैं तो नहीं भागूँगा मैं तो डट के ठीक है भूख लगी है ऑब्वियस सी बात है ठीक है भूख लग गई है तो तुम लोग खा लो तुम लोग के पास तो ऑप्शन है खाने का तुम लोग खा लो खाते खाते पढ़ लो अब बच्चे आ जाओ यहाँ पे देखो अगर मान लो आप सभी लोगों को एबिलिटी जो है अगर प्रेजेंट में बतानी है ठीक है या आपको प्रेजेंट में बतानी है अगर एबिलिटी तो आप लोग कैन का यूज करोगे ठीक है मेरी बात को गौर से सुनिएगा अगर आपको एबिलिटी प्रेजेंट में बतानी है तो हम यूज करते हैं क्या कैन जैसे आपने कहा कैन स्पीक फाइव लैंग्वेजेस वह पांच भाषाएं बोल सकता है ठीक है अब कह रहा है कि वह पांच भाषाएं बोल सकता है अब बच्चे यहां पे थोड़ा सा गौर करो यहां पे अगर जब आप कैन का यूज करते हैं ना तो कैन एबिलिटी बताता है कहां पे प्रेजेंट में प्रेजेंट में एबिलिटी बताता है ठीक है लेकिन अगर बच्चे आप यही सोचो फ्यूचर की एबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम विल बी एबल टू और सेल बी एबल टू का यूज करते हैं ठीक है अब बच्चे को लगेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो एबिलिटी है वो फ्यूचर की है पढ़ो यू कैन सॉल्व सच ए क्वेश्चन तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से आफ्टर दिस ट्रेनिंग इज ओवर इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद बच्चे अगर तुम गौर करो तो वो ये कह रहा है इस ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद तुम कर पाओगे यानी बात भविष्य की हो रही है ट्रेनिंग खत्म कर होने के बाद अगर देखिए भविष्य की बात हो रही है फ्यूचर की एबिलिटी की बात हो रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा विल बी एबल टू विल बी एबल टू तो यू विल बी एबल टू, तो टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इजीली आफ्टर दिस ट्रेनिंग बताइए क्लियर हुआ देखो एक और बताता हूं बच्चे जैसे मैं ये बताऊं वी कैन सॉल्व इट वेन दे us, थोड़ा गौर करना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन सॉल्व इट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं वेन दे us, जब वो हमारी मदद करेंगे बच्चे जब वो हमारी मदद करेंगे हम तभी इसे सॉल्व कर पाएंगे मैंने कहा कैन का यूज हम प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा विल बी एबल टू विल बी एबल टू वी विल बी एबल टू सॉल्व इट ठीक है या यहाँ पे विल की जगह आप सेल भी लिख सकते हैं वी शैल बी एबल टू सॉल्व इट व्हेन दे हेल्प अस ठीक है सेल भी लिख लीजिए वी के साथ विल बी एबल टू तो या सेल बी एबल टू तो, ठीक है बताइए बताइए भाई क्लियर है पहले एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्लियर हो रहा है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है बताओ 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 एक बार पहले कमेंट करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सारे बच्चों को क्लियर है ना चलो भाई मुझे बस यही है कि मैं सारे बच्चों को ना समझा के तब खत्म करूं यार मतलब जब तक समझ में नहीं आएगा मतलब नहीं है अब बच्चे देखो यहां लिखा है कार्डिनल एजेक्टिव ऑर्डिनल एजेक्टिव उसके पहले द लेकिन हम इसको शुरू से समझेंगे देखो ये सब कहानी अभी भूल जाओ आप एक छोटी सी बात समझो एक होता है आप कहोगे सर ये क्या लिखा आपने न्यूमरल हमने कहा जी न्यूमरल मतलब क्या होता है आपने कहा नंबर से रिलेटेड होता है नंबर क्या होता है आपने कहा जी संख्या होता है तो आपने कहा कि ऐसा एजेक्टिव जो नंबर बताता है जो संख्या बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपने कहा उसको तो सर न्यूमरल एजेक्टिव बोलते हैं ठीक है अच्छा जी अब मैंने कहा ये कितने तरीके के होते हैं आपने कहा ये दो होते हैं मेजरली जो हमारा एग्जाम पूछता है एक ऑर्डिनल होता है और एक क्या होता है बच्चा एक कार्डिनल होता है ठीक है एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल ये देखिए जो आपका फर्स्ट होता है सेकेंड होता है थर्ड होता है फोर्थ होता है ये ऑर्डिनल होते हैं ये जो आपका वन होता है टू होता है थ्री होता है इसे हम लोग कार्डिनल बोलते हैं आगे यहाँ तक बात समझ में अब बच्चे ये समझना है कि कभी भी अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल साथ में आ जाएं, एक साथ आ जाएं, तो हम क्या करेंगे हम पहले ऑर्डिनल लगाएंगे फिर कार्डिनल लगाएंगे और ऑर्डिनल के पहले हम क्या यूज करेंगे हम द का यूज करेंगे ये बात सारे बच्चों को ध्यान देनी है भाई कि अगर बच्चे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ऑर्डिनल होता है वन टू थ्री फोर कार्डिनल होता है दोनों साथ में आ जाएंगे तो पहले ऑर्डिनल उसके बाद कार्डिनल और ऑर्डिनल पहले हम क्या लगाते हैं द लगाते हैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ठीक है जैसे मैंने कहा वॉज स्टक इन द लिफ्ट ही वॉज स्टक इन द लिफ्ट ऑन द fifth floor on the fifth floor गौर करिए आप लोग थोड़ा सा ठीक है ऑन द फिफ्थ फ्लोर ठीक है अब अगर आप बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ही वाज स्टक वह स्टक था कहाँ लिफ्ट में फंसा हुआ था लिफ्ट में फंसा हुआ था ठीक है अब वो कहाँ भैया फिफ्थ फ्लोर पे ध्यान से देखिए जो फिफ्थ लिखा है फिफ्थ आपका क्या है ऑर्डिनल ऑर्डिनल के पहले द लगा एक तो आपको यह ध्यान रखना है ठीक है अब मैंने कहा कि ही हैज रिवाइज ही हैज यहां पे लिख लेगा बच्चा ही हैज रिवाइज ही हैज रिवाइज द फर्स्ट फोर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक थोड़ा गौर करिए यहां पे यहां लिखा ही हैज रिवाइज उसने रिवाइज कर लिया है द फर्स्ट फोर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक फोर क्या है आपने कहा कार्डिनल फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल बिल्कुल सही है और इसके पहले द है क्लियर हो गया सारे बच्चों को ठीक है बताइए यहां तक क्लियर हो गया क्या ज्योति क्या क्या तुमको क्या दिक्कत आ रही भाई बताओ अब बच्चे देखो इमेजिनेशन की बात करते हैं हम लोग ठीक है अब देखो इमेजिनेशन क्या होती है मान लीजिए मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन करें ठीक है प्रेजेंट में या आप किसी चीज़ को इमेजिन करें पास्ट में ठीक है इमेजिन करने का मतलब हो गया भैया कल्पना करना है ना जैसे अगर मान लीजिए कोई जो आपके औकात के बाहर की चीज़ है है ना एक बड़े घराने की लड़की है जो आपको भाव भी नहीं देती अब लेकिन अपनी कल्पनाओं में तो हम उसको अपनी प्रेमिका बना सकते हैं हम अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं तो आप वर्तमान समय में सोच रहे हैं यार काश ऐसा हो जाए ठीक है और हम भाई जो है अमूल माचो के ऊपर हम जाते नहीं है, है ना लेकिन हम केल्विन क्लीन के सपने देख रहे हैं वाओ ग्रेट है ना अब ये ये चीज होती है ठीक है अगर आप इमेजिनेशन प्रेजेंट में करते हैं किसी चीज का तो बच्चे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन पास्ट में करते हो जैसे कोई एक लड़की थी उसकी शादी हो गई आपने सोच रहे यार कास, मैं बोला होता अपना कुछ हो सकता था मतलब आप ये इमेजिनेशन आप पास्ट में जाके कर रहे हैं ठीक है अब ये पास्ट जो है अगर पास्ट में इमेजिनेशन करेंगे तो सब्जेक्ट हैड और वर्क की कौन सी फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म यानी अगर आप लोग प्रेजेंट में इमेजिन करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस बच्चे वर्क की सेकंड फॉर्म अगर आप लोग पास्ट में इमेजिन करेंगे तो सब्जेक्ट हेड वर्क की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म अब एक मुद्दा फंसता है ठीक है अब एक मुद्दा फंसता है मुद्दा ये है कि कैसे पता कि हम इमेजिन कर रहे हैं सेंटेंस में एज इफ़ आ जाएगा सेंटेंस में आई बीस आ गया सेंटेंस में इफ़ आ गया सेंटेंस में एज दो आ गया तो हमें पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं हम इमेजिन कर रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं बच्चे तबीयत खराब होगी तो देख लेंगे लेकिन एक बात बताओ तबीयत खराब होने से मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते ना यार नहीं देखो तुम लोग मुझे कुछ और कह लो ना पढ़ाने के अलावा कुछ और बोल लो मैं मान जाऊंगा लेकिन पढ़ाने को लेकर के मत कहो मैं पढ़ा के ही खत्म करूंगा ठीक है तो उसपे तो कोई बात ही नहीं करनी है आप लोगों को ठीक है देखो अगर मैं बोलूं इफ ही इज़ अ लायन आपको बस आंसर बताना है ठीक है मैं कहूं आई विस आई हैव अ कार बहुत आसान भाषा में आप सभी लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है मैंने कहा इफ इज अ लायन आई विस आई हैव अ कार जैसे एक और लिखता हूं मैं जगह ही नहीं बन रही अपने पास ठीक है यहां पे लिखता हूं ही टॉक्स एज इफ ही ओन्ड या यहां मैं लिखूं हैड ओन्ड दोनों में से क्या होगा द होल वर्ल्ड ठीक है ये अब बच्चे इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं ही टॉक्ड एज इफ ही हैड ओन्ड या ही ओन्ड द होल वर्ल्ड द होल वर्ल्ड ठीक है अब आपको बताना है कि अपने को करना क्या है यहां पे ठीक है अब देखो मेरे भाई यहां आपने कहा सर इफ ही इज अ लाइन बच्चे यहाँ पे आप इफ से क्या कर रहे हैं आपने कहा आप इमेजिन कर रहे हैं और आपका इमेजिनेशन किसमें है आपको पता है अगर हमारा इमेजिनेशन प्रेजेंट में होगा तो वर्क की सेकेंड फॉर्म यानी consider की जाती है ये बहुत ईजी चीज है आप लोगों को पता होगा ठीक है अब इफ ही वर अ लाइन अगला बोलू आई विस मैं ऐसा आशा करता हूँ मैं विश करता हूँ अच्छा जब आप किसी चीज को विश करते हैं कि मेरे पास लैंबरगनी हो जाए है ना अब देखो मैंने विश कर लिया मेरी लैम्बरगनी हो जाए अब अच्छे अब ये देखो मैं तो वर्तमान समय में विश कर रहा हूं ना ठीक है अगर हम वर्तमान समय में किसी को विश कर रहे हैं किसी चीज को तो सेकंड फॉर्म लगाओ ना सेकंड फॉर्म हैड होती है तो आई विश आई हैड अ कार तुम सोचो अगर मेरे पास कार होती तो मैं विश क्यों करता मैं बोलता आई हैव अ कार अब ये तो वही वाली बात होगी आपकी पत्नी फिर भी कह रहे हो आई विश आई है पत्नी अब मतलब होने के बाद भी आप विश कर रहे हो तो फिर तो आप समझ रहे हो आप क्या हो है ना फिर तो आप तो सूखा नशा करके टहल रहे हो पहले बताइए ये समझ में आया सारे बच्चों को ये क्लियर हुआ ये बात समझ में आई भैया अब एक बात बता दो मुझे ये बात समझ में आई नहीं पहले तुम लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया ठीक है नहीं नहीं सूजल इतना जरूर बस इतना ही काफी है बच्चे सूजल इतना काफी है ठीक है भैया एक बार बता दो समझ में आ गया सारे बच्चों को ठीक है यहां तक क्लियर हो गई बात ठीक है ठीक है देखो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे एक दो एग्जाम्पल और देखो अभी समझ में आ जाएगा जरा ये देखो लिखा हुआ है ही टॉक्स वह ऐसे बात करता है जैसे वह पूरी दुनिया का मालिक हो ए, ही टॉक्स एज इफ ही ओन्ड या हैड ओन द होल वर्ल्ड अच्छा एक बात बताओ ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपने कहा पहली फॉर्म सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म किस में होती है आपने कहा सर प्रेजेंट में होती है ठीक अच्छा जी ये एज इफ लिखा हुआ है एज इफ से हमको समझ में क्या आया आपने कहा एज इफ से हमें समझ में आ गया कि यह इमेजिनेशन है ठीक है अब मैं कहूँगा इमेजिनेशन कहाँ पे है आपने कहा प्रेजेंट में है अगर इमेजिनेशन बच्चे प्रेजेंट में होती है ठीक है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं फॉर्म तो ऑन हटा दो ये लिखो ठीक है अब देखो ये देखो ही टॉक्ड ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपने कहा सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में मैंने कहा भाई पास्ट में एज इफ से हमको क्या पता चला आपने कहा इमेजिनेशन इमेजिनेशन किस में है आपने कहा पास्ट में पास्ट की इमेजिनेशन है तो क्या लिखना है सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ओंड हटा दो जो हेड हो जाएगा बताओ भाई आई बात समझ में क्लियर है आप बस एक और बता दीजिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ठीक है आप लोग मुझे एक और बता दीजिए मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी लोग को समझ में आ गया ठीक है जैसे मैंने एक लिखा आप लोगों के लिए गौर से पढ़िएगा बच्चे ठीक है आई विस्ट ही विजिटेड या विजिटेड दैट सिटी या दैट टाउन अब आपको बताना यहां हैड विजिटेड होगा या विजिटेड होगा ठीक है अब अगर ये सिर्फ आपने बता दिया ये आपने बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि जितना पढ़ाया उतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया ठीक है और एक ये ठीक है बताइए बच्चे बता रहे हेड विस्टेड हेड विस्टेड हेड विस्टेड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई अब लग रहा है ठीक है कमर की दर्द सही हो जाएगी ठीक है सर इतना तो ग्रेजुएशन में भी नहीं लिखा था जितना आपने आज लिखवा दिया <laughs> मैंने देखो मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे ही बोल दिया था आप सभी लोगों को जाके कॉपी नहीं खरीदे हो तो खरीद लो आप लोगों को क्या पता था चार पन्ने में काम नहीं होता ना अब देखो बच्चे अब यहाँ पे क्या है आई विजिट ही हैड विजिटेड या विजिटेड दैट सिटी देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी आपका जो इमेजिनेशन है वो पास्ट का है अगर पास्ट का इमेजिनेशन है तो भाई क्या होगा हैड विजिटेड अब यहाँ पर अच्छे देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है है ना अब देखो सबको पता है कि ये जो हमारी इमेजिनेशन है वो प्रेजेंट की है अगर प्रेजेंट की इमेजिनेशन है तो यहाँ पे हैड ये यू टोल्ड हो जाएगा ठीक है यू टोल्ड हो जाएगा देखो सब लोगों ने अब सही आंसर दिया है अब अच्छा लगा मुझे सुकून मिला ठीक है <coughs> अगले पे आते हैं भाई हमारा आ गया रूल नंबर छिहत्तर देखो बच्चे रूल नंबर छिहत्तर बहुत आसान है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों को ये बताया था ठीक है ये जो हमारी देखिए उड रेदर होती हैं ये सब्जेक्ट है और ये जो हमारी उड रेदर होती है उड रेदर हमारी मॉडल वर्क होती है ये क्या होता है हमारा मॉडल वर्क और मॉडल वर्क के बाद वर्क की कौन सी फॉर्म आती है पहली फॉर्म आती है इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और ये उड रेदर जो मॉडल होती है ये क्या बताती है ये प्रेफरेंस बताती है प्रेफरेंस मतलब क्या होता है भैया हमने बताया था आप लोगों को जैसे मैंने किसी चीज को प्रेफर किया तो मैंने उस चीज को क्या कर लिया चुन लिया ठीक है मतलब एक तरीके से रेफर करना किसी को रेफरेंस देना या प्रेफरेंस देना या किसी चीज को चुन लेना ये होता है आपका ठीक है अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में पहला क्वेश्चन ठीक है ऐसे आएगा आई वुड रेदर ट बाई मेट्रो ठीक है पहला क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में दिया जाएगा बच्चे गौर से देखना ठीक है नेक्स्ट देगा आई वुड रेदर प्रेफर टू स्टे एट होम आई वुड रेदर प्रेफर टू स्टे एट होम ठीक है ऐसे अब आप बस यहाँ पे ये देख लो एरर कहाँ पे है अब हमें पता है उड रेदर मॉडल वर्ब होती है मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है यहाँ वेंट आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा गो यहाँ हो जाएगा गो ठीक है दूसरा बच्चा ये देखो आई उड रेदर उड रेदर क्या बताता है आपने कहा प्रेफरेंस तो मुझे एक बात बता दो भाई जब ये प्रेफरेंस बताता है तो इसके साथ प्रेफर टू लिखोगे नहीं लिखोगे जैसे आप बताओ क्या मे के साथ आप पॉसिबल लिखते हो आपने कहा सर नहीं लिखते हैं मे के साथ पॉसिबली नहीं लिखते हैं अच्छा बच्चे एक बात बताओ कैन के साथ एबल लिखते हो आपने कहा नहीं लिखते ठीक है तो बताइए उड रेदर के साथ प्रेफर टू लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे तो इसको लिखोगे आई उड रेदर स्टे एट हूँ आई बात समझ में क्लियर हो गया अभी सिर्फ क्या बजे अभी बस ढाई बजे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है बच्चे अभी मात्र ढाई बजे हैं ठीक है थीके? और टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर लेंगे चलो भाई अगले पे आते हैं अगर यहां तक समझ में आ जाएगा ठीक है बच्चे एक चीज नोट करके यहां पे आप लोग और देख लेना यहां पे नोट करके क्या लिखा आई वुड डर यू गो बाई मेट्रो कभी भी ऐसा आ जाना बस ये स्ट्रक्चर याद रखना बहुत कम एग्जाम में आता है ना के बराबर ठीक है जैसे आई के बाद सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट आ गया इसके बाद वो ड्रेदर आ जाए यानी मॉडल वर्ब आ जाए ठीक है और इस मॉडल वर्ब के बाद तुरंत कोई सब्जेक्ट लिख दे सब्जेक्ट तो ध्यान रखना हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं बस इसको ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना ये एग्जाम में ना के बराबर आता है ठीक

तो ये आपका परफेक्ट स्टेट बताता है परफेक्ट स्टेट मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो ठीक है अब देखिए इस पर मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं इसपे बच्चे देखो क्वेश्चन तो कम आते हैं मतलब कम आते हैं मतलब ज्यादा नहीं आते लेकिन कैसे आते हैं बस वो चीज आपको देखनी है ठीक है द ट्रेन Should arrive at सेवन a.m. It arrived an hour late. ठीक है अब पहले बात को समझना क्या कहना चाहता हूं मैं क्वेश्चन पे बाद में आएंगे पहले छोटी सी बात समझाना चाहता हूं जैसे मान लीजिए आपके पापा थे उन्होंने कहा यू शुड है ठीक है मान लीजिए आपके पापा ने एक काम दिया आपको ठीक है उन्होंने कहा मैं शाम को ऑफिस से नौ बजे लौटूंगा तुम इस काम को कर लेना ठीक है जब वो वापस लौट करके आए उन्होंने देखा कि आपने उस काम को नहीं किया था तो आपके पिताजी ने बोला कि यू शुड वर्क मतलब तुम्हें इस काम को कर लेना चाहिए था गौर से सुनना बच्चे तुम्हें इस काम को कर लेना चाहिए था मतलब ये पूरा कर लेना चाहिए था ये एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं बट यू डिडेंट इसका मीनिंग अगर ध्यान से देखो तो क्या निकल रहा है बट यू डिडेंट कर तो लेना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया बट यू अच्छा मान लो कोई ऐसा काम था जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था लेकिन तुमने कर लिया तो तुम्हारे पापा ने कहा कि यू शुड नॉट हैव डन दिस वर्क तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए था मतलब तुम ये काम कर चुके हो मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यू डिड क्या हो जाएगा यू डिड ठीक है यू डिड तुमने कर लिया है लेकिन तुम्हें करना नहीं चाहिए था आई बात समझ में मैं अल्टीमेटली बच्चे ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मॉडल वर्ब आ जाए और मॉडल वर्ब के बाद सॉरी यहाँ पे हैव आ जाए और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए ये कंप्लीट एक्शन को रेफर करता है इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ऐसे कहा द ट्रेन शुड अराइव एट सेवन एम ट्रेन को सात बजे कह रहा है पहुंचना चाहिए इट अराइव आर लेट एक घंटा लेट से पहुंची कहना चाहता है कि सात बजे पहुंचना चाहिए लेकिन पहुंची कितने बजे आठ बजे ठीक है यानी एक घंटे देरी से पहुंची पहुंचना चाहिए था सात बजे गौर से समझिए आठ बजे पहुंचिए पहुंचना चाहिए था सात बजे यानी यहां पर सुड अराइव्ड ठीक है, है कुछ बात पल्ले पड़ी पहले बताओ कुछ बात समझ में आया बताओ भाई कुछ बात समझ में आई पल्ले पड़ी पहले बताओ सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया आ गया सबको देखो एक और देखना मैंने लिखा ही रिटर्न द पर्स द could keep it easily बच्चे थोड़ा दिमाग लगा के इसको भी देखो तो ठीक है दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो हो जाएगा मैंने कहा he returned the purse उसने पर्स को क्या कर दिया रिटर्न कर दिया यानी वापस कर दिया ठीक है the he could keep it easily कह रहा है कि उसने देखो देखो उसने पर्स को रिटर्न कर दिया वापस कर दिया लेकिन कह रहा है do he could keep it easily लिख ने वो आसानी से रख सकता था रख सकता था ठीक है तो ही कुड है रखने का काम किया जा सकता था ही कुड है लेकिन उसने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया ये कह रहा ना रिटर्न कर दिया रिटर्न करने का काम हो गया तभी तो कह रहा है ये रखा जा सकता था वो ले सकता था लेकिन लिया नहीं ठीक है तो क्या हो जाएगा हैव केप्ट क्या हो जाएगा बच्चे ही कुड केप्ट इट इजिली आगे बात समझ में आगे देखो चलो अठहत्तर पे आते हैं भाई स्टूडेंट्स टेक या टेस्ट एग्जाम ये सारे बात सारे बच्चे इस बात को गौर करेंगे ठीक है जैसे मैंने कहा द टीचर डिड नॉट देखो टीचर डिड नॉट टेक द टेस्ट टूडे ठीक है टेक द टेस्ट टूडे और यहीं पे मैं अगर आपको ऑप्शन देता ना बच्चे टेक या गिव अब ये देखो अगर आप इधर स्टूडेंट्स लिखोगे तो उसके साथ टेक लिखा जाता है स्टूडेंट्स टेक टेस्ट या एग्जाम टीचर्स गिव या कंडक्ट एग्जाम्स या टेस्ट तो तो अगर आप इधर टीचर्स लिखोगे तो इसके साथ क्या हो गया गिव या कंडक्ट स्टूडेंट्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा टेक ठीक है अब यहां पे देखो द टीचर डिड नॉट टेक टीचर आया टीचर के साथ भैया हम क्या लिखेंगे आपने कहा गिव ठीक है या क्या लिखे टेक तो आप कहोगे सर टेक नहीं होगा यहाँ पे गिव होगा द टीचर डिड नॉट गिव द टेस्ट टूडे ठीक है आगे बात समझ में ये छोटी सी बात थी <laughs> ये कह रहे वो पूछ रही स्टार्ट कब हुआ ये कह रहा है कि दो मिनट पहले स्टार्ट हुआ है ठीक है बहुत बढ़िया <coughs> मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही मैं हंसना चाहूंगी तो नहीं हंस सकता चलो थोड़ी एनर्जी बचा के रखते हैं अब बच्चे एक है कहाँ भाग रहा है भाई एक है इलिसिट एक है एलिसिट ठीक है देखो इलिसिट और एलिसिट में डिफरेंस क्या होता है ये एक्चुअली एजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इलीगल ये एलिसिट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मतलब बच्चे किसी चीज को प्राप्त करना ठीक है किसी चीज को क्या करना प्राप्त करना ठीक है ये इलीगल मतलब अवैधानिक होता है जैसे हम लोग ये नहीं बोलते इलिसिट ड्रग्स ठीक है अब ड्रग्स क्या होते हैं कुछ इलिसिट होते हैं जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें नहीं होती इलिसिट ट्रेड्स होती हैं इलिसिट ट्रेड यानी कुछ ऐसे व्यापार होते हैं हो जो अवैधानिक होते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो अवैधानिक होते हैं ठीक है जैसे चरस गांजा ये सारी चीजें हैं तो वो क्या है अवैधानिक हैं अवैध हैं लीगल नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं इलिसिट ड्रग्स हैं इलिसिट ट्रेड कुछ ऐसे व्यापार हैं जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स होता है और बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो कि इलीगल होते हैं ट्रेड उनको हम लोग इलिसिट बोल सकते हैं ठीक है आई बात समझ में यहाँ पे आप सभी बच्चों को देखो अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहना चाहूँ द पोलिस टीम पोलिस टीम विल बस बच्चे मुझे ये बता दो तुम लोग विल के बाद मैं यहां क्या लिखू एलिसिट लिखूं या एलिसिट लिखूं ठीक है बस ये बताना है नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम बस ये बताओ मुझे क्या होगा सारे बच्चे बताएंगे एक बार क्या होगा फटाक से बच्चे आंसर दो आंसर दो जल्दी से बी बिल्कुल सही है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा एलिसिट हो जाएगा एलिसिट देखो कह रहा कि द पुलिस पुलिस टीम टीम एलिसिट नो फ्रॉम हिम जो है उससे कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकी नहीं ऑप्टेन कर सकी प्राप्त करने का मतलब एलिसिट तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखेंगे अगला देखो फ्लाई फ्ल्यू और फ्लोन होता है ये तो खैर भाई बहुत आसान है ठीक है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन आसान बहुत है लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस बात को गौर करना ठीक है जैसे मैंने कहा वी फ्लू टू पैरिस अब मैं ये लिखूं वी फ्ल्यू या फ्लोड टू पैरिस अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए यहां पे क्या होगा फ्लू होगा या फ्लो होगा ठीक है एक और बता दीजिएगा मेनी शॉर्ट रिवर्स अब यहां पे आपको बताना है कि क्या होगा भाई अगर मैं लिखूं यहां पे फ्लो या फ्लाई इनटू द इनटू द स्पेसिफिक ओशन ठीक है बताओ इसका आंसर मेनी शॉर्ट रिवर्स फ्लो इनटू द क्या लिख रहा हूँ भाई अब ऐसा लग रहा है कि हाँ दिमाग जो है घूमने लगा है मेरा ठीक है आठ घंटे के बाद आदमी भूखे पेट जो है इधर उधर होने लगता है बच्चे देखो हाँ मैं मतलब थोड़ा बहुत हिल तो गया हूँ मतलब ये ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ यार आठ घंटे खाने के बाद इंसान हिलेगा नहीं ठीक है बताओ क्या होगा यहाँ पे सारे बच्चे बताएं एक बार वी फ्लू ठीक है चलो अब अच्छा क्या है कि फ्लाई देखो सबको पता है फ्लाई वर्ब की पहली फॉर्म है ये दूसरी फॉर्म है ये तीसरी फॉर्म है ये पहली फॉर्म है ये दूसरी फॉर्म है ये तीसरी फॉर्म है ठीक है फ्लाई मतलब उड़ना होता है तो अगर हम पेरिस जाएंगे तो हम बह के तो जाएंगे नहीं ठीक है यहाँ पहले वाले में फ्लू होगा मेनी शॉर्ट जो रिवर्स होती है यानी शॉर्ट रिवर्स क्या हो गई आपकी जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ठीक है थीके? फ्लो या फ्लाई इन द तो पैसिफिक ओसन वो जाके ओसन में जो Uh, महासागर है उसमें जाके मिलती हैं तो फ्लाई नहीं होगा उड़ के नहीं मिलती है वो तो बह के मिलती हैं तो फ्लो हो जाएगा फ़्लो हो जाएगा ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्लू फ्लोड मत करिएगा फ़्लो ही करिएगा क्योंकि अभी भी नदियाँ मिलती हैं अगर आप मान लीजिए यहाँ पर फ्लोड कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा ठीक है गौर करिएगा बच्चे क्योंकि ये मान लीजिए महासागर है तो नदियाँ आज भी जाके इसमें मिलती हैं छोटी छोटी बहुत नदियाँ जाके मिलती हैं तो ये वर्तमान समय में भी ऐसा होता है ठीक है आगे देखिएगा एटी वन ठीक है सम और एनी अच्छा बच्चे देखो अगर हम लोग सम और एनी की बात करें ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा करके रखा है मैं बस जल्दी से बता देता हूं तुम लोगों को देखो सम से क्या बनता है आपने कहा समोन ठीक है और क्या बनता है आपने कहा समबडी और क्या बनता है सम वेयर ठीक है ये तो आपको मैंने पहले भी बता रखा था सम हो गया सम बडी हो गया समवेयर हो गया, गया. उसी तरीके से एनी से एनी बडी एनी एनी वेयर अब पहले एक चीज गौर करिएगा यहां पे समथिंग लिख लीजिएगा समथिंग ठीक है सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ठीक है सर आज के लिए इतना काफी है दूसरा दिन क्लास ले लीजिएगा सर ना 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 बच्चा ना मैंने क्या बोला था अभी क्लास को लेके कोई कंप्रमाइज़ नहीं क्लास तो खत्म हो गई यार बीस रूल्स बचे हैं बीस रूल्स ख़त्म कर लेते हैं आराम से खत्म करते हैं जल्दबाजी क्यों किस बात की है कोई जल्दबाजी नहीं ठीक दो घंटे और अरे भैया एक बात बताओ ये टाइम चला गया दोबारा नहीं आएगा समझो ये बहुत क्रूसियल टाइम है ये दो दो घंटे की कीमत है घंटे घंटे की कीमत है इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं है वैकेंसी नहीं आएगी इतनी ठीक है देखो बच्चे एक बात बताओ ये सम है सम से क्या बना आपने कहा सर समोन सम से क्या बना आपने कहा somebody सम से क्या बना आपने कहा somewhere सम से क्या बना आपने कहा समथिंग उसी तरीके से एनी से क्या बना आपने कहा एनी बडी एनी से क्या बना आपने कहा एनी और एनी से क्या बना आपने कहा एनी ये सब सम से बने हैं ये सब एनी से बने हैं ठीक बस गौर बच्चे ये कर लेना जहाँ समथिंग लिखा है ठीक है तो ये समझ जाना ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है ये वेयर है ये समझ लो ये प्लेस के लिए यूज होता है जहां पे वन आ जाए और बडी आ जाए ये ठीक है अब समझ जाना ये पर्सन के लिए यूज होता है व्यक्ति के लिए यूज होता है ठीक उसी तरीके से यहां पे एनी वेयर आपने कहा सर स्थान के लिए यूज होगा समथिंग कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए या नॉन लिविंग या ऑब्जेक्ट ठीक है कोई वस्तु के लिए अच्छा जी एनी बडी पर्सन के लिए अब बस आपको नोट करके एक बात समझ लेनी है वो क्या ये जो एनी है इसका यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सम है सम का यूज हम बच्चे करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में इस बात को गौर करिएगा ठीक है अच्छा जी इसके अलावा मैं आप सभी बच्चों से एक बात और कहना चाहूँगा नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ इसका यूज हम करते हैं नेगेटिव मीनिंग भी बताने के लिए यानी एनी का किसका नेगेटिव मीनिंग भी बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एनी का यूज़ करते हैं ठीक है चलो अब देखो क्या टाइम हो रहा है अभी चौदह अच्छा तीन बजने वाले हैं क्या बस अब खत्म होने वाला है एटी वन आ गए ना खत्म हो जाएगा अभी अब बच्चे देखो फटाफट मैंने कहा आई हैव आप लोग जल्दी जल्दी बताओ तो आई हैव क्या होगा यहाँ पे सम होगा या एनी होगा आई हैव सम एक्सपीरियंस होगा या आई हैव एनी एक्सपीरियंस होगा पहली चीज तो आपने ये बतानी है ठीक है सारे बच्चों को तो एक एक करके चलो बच्चे हम बताते चलते हैं चलो मैं यहीं से बताता हूँ जैसे मैंने कहा आई डोंट हैव अब मैं यहाँ पे कहूँ एनी होगा या सम होगा ठीक है ये बताना है आई हैव सम आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस या सम एक्सपीरियंस अब एक मैंने लिखा हैव यू एनी या सम एक्सपीरियंस ठीक है तो अब सारे बच्चे अगर थोड़ा सा भी गौर कर लें थोड़ा सा भी अगर गौर कर लें तो वो कहेंगे सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है आई हैव तो यहाँ एनी नहीं होगा एनी या तो नेगेटिव में लगता है आपने बताया या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है और नेगेटिव मीनिंग बताने के लिए लगता है तो ऐसा तो कुछ नहीं है आई हैव सम एक्सपीरियंस पहले में सम हो जाएगा दूसरे में बच्चे कहेंगे आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस या सम एक्सपीरियंस अब कहेगा यहाँ पे तो सर नेगेटिव आ गया नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे एनी लिख लीजिए तीसरा कहेगा सर ये तो हेल्पिंग वर्क से शुरू है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिख लीजिए एनी लिख दीजिए ये तो बेसिक बेसिक बातें थी यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया ठीक है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन बच्चे देखो कुछ चीज़ें और गौर करना जैसे मैंने लिखा दे सेल्डम गो यहाँ पे एनी वेयर होगा या फिर यहाँ पे सम वेयर होगा ठीक है एनी वेयर लिखना है या यहां पे सम वेयर लिखना है ये आप बताओगे मुझे और दूसरी चीज आप लोग मुझे बताओगे वी नूड वी नीड एनी थिंग मुझे क्या लिखना पड़ेगा वी नीड एनी समथिंग टू ईट ठीक है क्या होगा वी नीड एनी थिंग टू ईट या समथिंग टू ईट हो जाएगा ठीक है अब जैसे एक मैंने और लिखा आई डिड दिस वर्क ये दिस है आइट डिट दिस वर्क ठीक है अब देखिए सारी की सारी चीजें बहुत आसान है आग लगी हो सीने में खुद को मैं जला लूंगा अब पढ़ूंगा मैं इसको इसको पढ़ूंगा रुक जब भाग रहा है यार ये तो पता नहीं कहां चला गया दोबारा खुद को मैं जला लूंगा पता नहीं निकल गया मैं पढ़ नहीं पाया दोबारा कॉपी पेस्ट करोगे तो पढ़ लूंगा ठीक है <coughs> आते हैं <coughs> देखो भाई यहाँ क्या लिखा दे सेल्डम एनी वेयर या समवेयर होगा तो बच्चे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेल्डम है ना सेल्डम कैसी मीनिंग देता है आपने कहा सर ये तो नेगेटिव मीनिंग देता है सेल्डम कैसी मीनिंग देता है नेगेटिव ठीक है अब बच्चे अगर ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा क्योंकि सेल्डम का मतलब मैंने तुम लोग को बताया है सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट यानी ना के बराबर इसका मतलब क्या होता है ऑलमोस्ट नॉट ठीक है ना के बराबर अगर नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो नेगेटिव मीनिंग के लिए एनी वेयर हो जाएगा सम वेयर नहीं होगा ठीक है आग लगी हो सीने में खुद को मैं जला लूंगा दौड़ गया हूं रुन अब अंत मौत अंत मौत को गले लगा लूंगा इस बार रिजल्ट दिखा दूंगा इस बार रिजल्ट बिल्कुल यही चोस होना चाहिए यार जिद्दी हो जाओ पागल हो जाओ रिजल्ट तो आएगा ठीक है वी नीड एनी समथिंग टू ईट अब बच्चे एक बात बताओ इस सेंटेंस में कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो कह रहा हमें कुछ खाने के लिए चाहिए एनी थिंग नहीं यहाँ पे तो नेगेटिव था ना ऑलमोस्ट नॉट तो हमने एनी वेर लिख दिया जैसे आई डिड दिस वर्क विदाउट एनी वन सेल्फ या समीक है विदाउट ठीक है विदाउट नेगेटिव मीनिंग ठीक है निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है विदाउट तो अगर निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है तो सम थोड़ी होगा एनी वंस हो जाएगा एनी वंस बताओ समझ में आया भले बताओ समझ में आया बताओ, बताओ 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 फटाक से बताओ सारे बच्चे समझ में आया ठीक है चलो रूल नंबर एटी टू पे आएंगे भाई रूल नंबर एटी टू देखो क्लियर है क्लियर है सारे बच्चों को बहुत बढ़िया भाई एक बार जोश थोड़ा हाई करेंगे सारे बच्चे बड़ा बुझ गए यार सब लोग थोड़ा एक बार सारे बच्चे लाइक और शेयर करेंगे दबा करके ठीक है मैं आपके पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट है सर आप सबसे बेस्ट हैं आज तक आपके जैसा इंग्लिश टीचर नहीं मिला मुझे थैंक यू सो मच मेरे भाई एक बार सारे बच्चे एक बार जा रहे सारे बच्चे करेंगे भाई लाइक और शेयर करिए एक बार ठीक है अपने अपने साइड से कर दीजिए खून कैसे नहीं खोल रहा है लोगों का मुझे समझ में नहीं आ रहा है खून खोल जाना चाहिए आप लोगों का सीने में आग लग जाना चाहिए चलिए इधर से देखिए मैं अपनी तरफ से शेयर कर दिया दोबारा से मैंने आज पूरा करवा अरे कितना बचा है देखो 82 हो गया बस सौ होने वाला है अब फटाफट खत्म होगा ठीक है चलिए आ जाओ बच्चे फटाक से देखते हैं सारे लोग ये क्या लिखा हुआ है एक एक करके हर चीज हम लोग देखेंगे है ना ये जो हमारा लिखा है ओ ओ क्या हो गया आपका ओपिनियन ये होता है आपका ओपिनियन ठीक है अच्छा ये क्या होता है ये होता है साइज ये क्या होता है ये होता है सेप ये क्या होता है ये होता है आपका कलर ये बच्चे होता है ओरिजिन उत्पत्ति एम क्या होता है ये होता है मटीरियल ठीक है ये होता है मटीरियल और एक ए बचा और एक आपका क्या बचा पी बचा ठीक है एक एज हो गया और एक पर्पज हो गया अब इसी को आपने याद कर लेना है बच्चे ठीक है एक एज हो गया और एक क्या हो गया पर्पज अब देखो अब थोड़ा देखो इसको गौर से ये है क्या मैं तुम लोग को बताने क्या जा रहा हूं ठीक है यहां पे ये है कि ये ओ ओसेम्प इसको एक ट्रिक है याद कर लो एक निमोनिक जैसा याद कर लो ओसेस कॉम्प मतलब ये हो गया ओपिनियन आपका विचार ये हो गया साइज ये हो गया सेप किसी चीज का आकार ए से हो गया आपका एज सी से हो गया कलर ओ से हो गया ओरिजिन एम से हो गया मटेरियल पी से हो गया पर्पज एक्चुअली बच्चे देखो है क्या ना ठीक है ये बस ये कहना चाहता है कि अगर ये लोग सेंटेंस में एक साथ आ जाएं तो हम इनका यही सीक्वेंस रखेंगे पहले ओपिनियन फिर साइज फिर एज फिर सेप फिर कलर फिर ओरिजिन फिर मटेरियल फिर पर्पज इनका यही लगाना है हम लोगों को ठीक है जैसे मैंने कहा अडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल अडॉप्टेड अडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग बुलडॉग ठीक है अब अच्छा जरा गौर से देखो मैंने लिखा सी अडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग यहां पे एक चीज और लिख लेना वाइट वाइट लिख लेना वाइट बिग बुलडॉग ये आता है ना कुत्ते की एक ब्रीड होती है बुलडॉग ठीक है अब मुझे बताइए आप लोग इसमें एरर क्या है इसमें कोई भी कमी आपको दिख रही है ठीक है जैसे मैंने कहा कि सी हैज बॉट सी हैज बॉट ब्लैक लेदर जैकेट ठीक है ये लिख दिया मैंने अब देखो बच्चे इसको भी थोड़ा गौर करो क्या कहना चाहता है अब हमने लिखा सी सब्जेक्ट एडॉप्टेड वर्ब देखो अगर आप गौर से सुनिएगा ठीक है अगर आपने कहा किसी को ब्यूटीफुल तो ये इंसान का अपना ओपिनियन होता है ओपिनियन कैसे है क्योंकि देखो अगर मान लीजिए कोई एक लड़की है वो मेरी नज़रों में बहुत खूबसूरत है हो सकता है कि आपकी नजरों में उतनी ज्यादा खूबसूरत ना हो हो सकता है कोई मूवी आपकी नज़र में बहुत अच्छी हो मेरे नजर में उतनी अच्छी ना हो ठीक है तो कहने का मतलब अगर हम किसी को कहते हैं ये खूबसूरत है ये अच्छा है ये बुरा है वो अपना खुद का ओपिनियन होता है तो बच्चे ब्यूटीफुल ओपिनियन हो गया वाइट आपने कहा कलर हो गया बिग साइज हो गया अब जरा गौर से देखिए अगर ओपिनियन कलर और साइज आया है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ओपिनियन हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे फिर हम क्या लिखेंगे साइज और फिर लिखेंगे कलर देखिए लिखना था हमें ओपिनियन फिर हमको लिखना था साइज फिर हमको लिखना था कलर लेकिन हमने कैसे कर दिया ये लिखना था हमने ओपिनियन लिखा कलर लिखा उसके बाद हमने साइज लिख दिया ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस बिग को हम यहाँ से उठा लें और यहाँ लाके पटक दें तो ये सही हो जाएगा सी अडोप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग वाइट बुलडॉग आई बात समझ में ब्यूटीफुल बिग 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 वाइट बिग वाइट बुलटॉग ठीक है आई बात समझ में बताओ भाई क्लियर हो गया चलो अब बच्चे अगला देखो सी हैज बॉट अ ब्लैक लेदर जैकेट सी सब्जेक्ट हो गया हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया बॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है ना ब्लैक क्या है आपने कहा सर ब्लैक तो कलर है लेदर क्या है आपने कहा लेदर मटेरियल है लेदर मटेरियल है ठीक है जैकेट लिखा हुआ है बताओ कलर के बाद क्या मटेरियल आएगा भाई ठीक है अब ब्लैक लेदर जैकेट ये कलर है ये मटेरियल है क्या आएगा बताइए बिल्कुल आएगा कलर के बाद ही मटेरियल तो आता है देखो ये कलर है ये मटेरियल है सी के बाद ही एम आएगा बिल्कुल सही है यही याद रखना है ठीक है सर बारिश आने वाली है नेटवर्क वीक हो जाएगा ठीक है बारिश आने वाली है बारिश आ जाने वाली है कहाँ पे हो तुम किस शहर में हो भाई बारिश आ रही है देखेंगे आगे बढ़ो एटी थ्री ठीक है देखो ये बच्चे बहुत आसान है कंपेरेटिव डिग्री के पहले कभी भी द का यूज नहीं होता है इस बात को ध्यान रखना लेकिन अगर कंपेरिटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लगा है तो हम इसके पहले द का यूज कर लेते हैं जैसे आप कभी भी ये नहीं लिखोगे राम इज द स्ट्रोंगर देन कमल आप ये कभी नहीं लिखोगे इस बात को गौर करिएगा क्योंकि जो हमारी कंपेरटिव डिग्री होती हैं कंपेरटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ नहीं करते लेकिन अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिखें राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज ऑफ द टू बॉयज लेकिन बच्चे अगर कभी भी हम ये कर दें ठीक है यहाँ पे ऑफ द टू लिख दिया ऑफ द टू बॉयज तो यहाँ पे देखो इसके पहले हम द का यूज कर लेंगे इस बात को गौर करना इस बात को ध्यान रखना ठीक है ठीक है आगे देखेंगे रूल नंबर एटी फोर रूल नंबर बच्चे 84 की बात करें तो देखो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने एक बार क्लास में तीन बजे वाली डिस्कस किया था ठीक है लेकिन मैं फिर से सारे बच्चों को बता देता हूँ जल्दी जल्दी देख लीजिएगा है ना सर हमारे यहाँ बर्फ गिर रही है और मेरे यहाँ पत्थर गिर रहा देखो बगल में एक गिरा दिखा एक दूसरा यहाँ गिरा तो मैं तो ये जो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तुमको लग रहा है मैं चल फिर थोड़ी रहा रहूँ ये मैं ऐसे कर रहा करूँ मैं पत्थरों से बच रहा हूँ कहीं मेरे ऊपर एक दो गिर ना जाए इस वजह से मैं थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है और वैसे भी बिना खाए पिए इंसान को चक्कर आ ही रहा है तो यही यही इसलिए मैं कर रहा हूँ भाई तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं इधर उधर टहल रहा हूँ ना आई बात <laughs> आओ इधर देखो बच्चे पहले एक बात मेरी गौर से सुन लेना ये जो लिटिल है अ लिटिल है और द लिटिल है ये जो फ्यू है अ फ्यू है और द फ्यू है ठीक है बस सबसे पहली बात जैसे ही दिमाग में लिटिल अ लिटिल द लिटिल आए तुरंत समझ जाना ये अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है ठीक है और ये जो है ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है बच्चे सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना है ठीक है दूसरी बात लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग यानी ना के बराबर लिटिल का मतलब होता है सम बट नॉट मच थोड़ा ज्यादा नहीं कुछ थोड़ा सा द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल ठीक है मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना है सब का सब जैसे एक एग्जाम्पल से देखिए मैंने आपको बताया था ये मान लीजिए ग्लास है ठीक है इस ग्लास में इतना तुम जो समझ रहे हो वो नहीं पानी है तुम समझ रहे हो बच्चे कुछ और लेकिन ये पानी है ठीक है इसको ग्लास को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग है ना ये गिलास में क्या है पानी है अब मान लो अगर किसी को प्यास लगी है ठीक है अगर किसी को प्यास लगी है और उसमें इतना पानी हो बस मतलब जून की गर्मी है ठीक है और जून की गर्मी में कोई प्यासा है शिकारी है ना और उसको प्यास लगी है और पानी इतना मिल जाए तो उसके लिए तो ये तो भैया ऑलमोस्ट नथिंग है ऑलमोस्ट नथिंग मतलब बच्चे अगर देखा जाए तो कायदे से ये तो लिटिल हो गया ठीक है ना के बराबर एकदम ही नहीं है ठीक है अब अच्छा ये बताओ अब अगर मान लो किसी को आपने इतना पानी दे दिया इतना तक उसके लिए तो ये तो लिटिल है ठीक है अब मान लो किसी को बहुत प्यास लगी है सॉरी अ लिटिल है अ लिटिल मतलब क्या हो गया थोड़ा सा लेकिन अगर मान लो भाई अगर किसी को इतना पानी एक इंसान है बहुत प्यासा है आधा ग्लास आपने पानी दे दिया तो जैसे वो बहुत प्यासा है उसने आपसे आके बोला कि भैया आपके पास पानी है क्या मिल सकता है क्या तो आपने कहा कि यार ज़्यादा तो नहीं है उसने कहा जितना भी है सब दे द लिटिल जितना, जितना है सब कुछ ठीक है यही सेम चीज जो है आपका इसमें लागू होता है फ्यू मतलब होता है ना के बराबर अफ्यू मतलब होता है थोड़ा सा द फ्यू मतलब होता है ज्यादा तो नहीं जितना है सब कुछ पहले एक बार बता दीजिए कंसेप्ट क्लियर हुआ सारे बच्चों को अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा एक दो क्वेश्चन देख लो कैसे आता है जैसे आ जाएगा अ लिटिल नॉलेज या यहाँ पे क्या हो जाएगा लिटिल नॉलेज अब या यहाँ हो जाएगा द लिटिल नॉलेज ठीक है क्या हो जाएगा इज अ डेंजरस थिंग ठीक है बस ये बताना है आपको अ लिटिल नॉलेज या द लिटिल नॉलेज या लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग पहला ठीक है अच्छा जी दूसरे अगर बच्चे हम लोग सेंटेंस की बात यहां पे करें तो मैंने कहा द इंग्लिश इज ईजी द इंग्लिश इज इजी अंग्रेजी आसान है अब मैं कहूँ यहाँ पे फ्यू अ फ्यू या द फ्यू स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट लेकिन कुछ लोगों को ये मुश्किल भी लगती है ठीक है कुछ लोगों को ये मुश्किल लगती है अभी ये बताना है ठीक है अच्छा जी अब बच्चे अगर ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया ठीक है एक और बता देना दे डोंट हैव little. एक्सपीरियंस हाँ ओके एक सेकंड मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ ठीक है एक बार बैठ के उठता हूँ आप लोग घबराइएगा मत कि सर गायब कहाँ हो गए ठीक है ओह हाँ चलो भाई एक सेकंड बच्चे रुक जाना दो चलो बस थोड़ा सा बचा है थोड़ा सा अब बचे अगर ये बात समझ में आ गई ना थोड़ा सा देखो तुम लोग क्या है अब मैंने कहा कि द लिटिल अ लिटिल या लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग अब एक बात बताओ मुझे डेंजरस चीज क्या है खतरनाक चीज क्या है थो ना के बराबर नॉलेज या थोड़ा सा नॉलेज या जितना है सब कुछ आप कहोगे ठीक है सर अगर मैं बात करूं खतरा वो है जब जिस इंसान के पास थोड़ा सा नॉलेज होता है यानी जिसको कहते हैं अधजर गगरी छलकत जाए कहते हैं ना तो अगर किसी के पास कोई नॉलेज है ही नहीं है तो कोई खतरा ही नहीं है अगर किसी के पास जितना नॉलेज अगर उसने सब कुछ यूज कर लिया तो भी खतरा नहीं है अगर थोड़ा सा नॉलेज होता है वही खतरा होता है अ लिटिल हो जाएगा ठीक है अगर यहाँ देखो कह रहा द इंग्लिश इज इजी ये बच्चे थोड़ा इसका गौर किया करो तुम लोग बार बार बताता हूँ द क्या होता है कंजंक्शन और ये क्या बताता है ये बताता है कंट्रास्ट कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास ठीक है एक तरफ कह रहा है कि अंग्रेजी आसान है दूसरी तरफ कह रहा है कि कुछ लोगों को टप भी लगती है अब बच्चे एक बात बताओ इधर अगर अंग्रेजी आसान है इधर कुछ कुछ में तो ना के बराबर तो होंगे नहीं हम तो कुछ लोगों की बात कर रहे हैं अब हम सबको भी टोटल की भी बात नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होता है नॉट मेनी बट ऑल द अवेलेबल ये एक तरीके से टोटल का रेफरेंस देता है सबकी भी बात नहीं कर सकते कुछ लोगों को मुश्किल भी लगती है आगे बात अफ ही हो जाएगा है ना अब यहाँ पे देखना लिखा हुआ है दे डोंट हैव लिटिल एक्सपीरियंस अब बच्चे एक बात बताओ लिटिल कैसे मीनिंग देता है आपने कहा सर लिटिल नेगेटिव मीनिंग देता है अगर बच्चे ऑलमोस्ट नथिंग लिखा है ना नेगेटिव अब अगर ये नेगेटिव मीनिंग देता है तो इसके साथ डोंट लिखने की क्या जरूरत है लिखो दे हैव लिटिल एक्सपीरियंस ठीक है देखो नाउन इन अ डिफरेंट रोल मॉडिफायर अब हम लोग इसकी बात करेंगे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है बस आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा ठीक है ये एक्चुअली एक वर्ड यहाँ दिया है मॉडिफायर बच्चे मॉडिफायर को एक हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये क्या होता है आपने कहा सर ये एजेक्टिव होता है मॉडिफायर क्या होता है ये एक तरीके का एजेक्टिव होता है ठीक है अच्छा इसको थोड़ा गौर से समझिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा ना नाउन इन अ मॉडिफायर रूल जैसे ये आपने लिखा कार ठीक है ये आपने लिखा मैनूफैक्चरर थोड़ा गौर करिएगा आप लोग यहाँ बिल्कुल गलती मत करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर यहाँ पे मैंने कहा कार और यहाँ लिखा मैन्युफैक्चरर ये क्या है नाउन है है ना ये भी नाउन है ठीक है लेकिन ये इसको मॉडिफाई कर रहा है इसी को हम मॉडिफायर बोलते हैं ठीक है कार मैन्युफैक्चरर फिर से सुनिएगा ये हम जब दो नाउन एक साथ लिखते हैं तो ये जो हमारा पहला वाला नाउन जो दूसरे नाउन को मॉडिफ़ाई करता है उसी को हम मॉडिफायर करते कहते हैं मॉडिफायर को अगर आसान भाषा में समझना है तो बच्चे हम इसको एजेक्टिव का नाम दे सकते हैं क्योंकि ये एजेक्टिव के तरीके से फंक्शन करता है बस यहाँ पे नोट करके एक बात आप सारे बच्चों को सीखनी ये है कि मॉडिफायर जो होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है ठीक है अगर हम यहाँ पर इसको एस कर देंगे यानी प्लूरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा हमेशा सिंगुलर ठीक है अब देखो मेरी बात को गौर से सुनना सभी लोग अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और इन्हीं एग्जाम्पल से आप लोग को बात समझाने की कोशिश करूंगा और सब लोग ध्यान से देखिएगा ठीक है मैंने कहा सी हैज बच्चे गौर से सुनिएगा प्लीज ठीक है मेरी रिक्वेस्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सी हैज प्रिपेयर अफ्टी डेज सेलेबस फॉर द एग्जाम फॉर द एग्जाम ठीक है पहला दूसरा लिखा मैंने इट वॉज एंड एट आर्स लॉन्ग जर्नी ठीक है एक ये लिख दिया ही इज अ फिफ्टी ईयर्स ओल्ड मैन ही इज अ फिफ्टी ईयर्स ओल्ड मैन ही इज अ फिफ्टी ईयर्स ओल्ड मैन ये तीन सेंटेंसेस हमारे पास हो गए ठीक है अब एक चीज बच्चे और सारे लोग लिख लीजिएगा दे हैव गिवेन ही मर डजेंस मैंगोस दे हैव गिवेन हिम अ डजेंस मैंगोस ठीक है इसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं इसको बस कायदे से आप लोग कर लीजिएगा ठीक है और एक और लिख देता हूं सम्स मैन्यू फैक्चरर्स हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस पॉलिसी ठीक है मैंने लिखा सम कार मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस पॉलिसी दे हैव गिवन हिम अ डजन मैंगोस

को मॉडिफाई कौन कर रहा है आपने कहा कार मॉडिफाई कर रहा है ठीक है सुनिए मेरे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात को कौन ये हमारा नाउन है इसका मॉडिफायर यह है मैंने कहा मॉडिफायर एक तरीके के एडजेक्टिव होते हैं ठीक है मॉडिफाई करने का काम करते हैं और कभी भी एडजेक्टिव को या मॉडिफायर को हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते यहां से एस हटाओ और सुनो दे हैव हिम अ डजेंस बच्चे ये है जो कि नाउन है इसका मॉडिफायर कौन है डजेंस मॉडिफायर को हमेशा सिंगुलर में रखो यहाँ पे लिखो अ डजन मैंगोस जैसे लिखा सी हैज प्रिपेयर्ड अ फिफ्टी डेज सेलेबस फॉर द एग्जाम देखो सिलेबस क्या है नाउन है इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है फिफ्टी डेज ये इसका मॉडिफायर है मॉडिफायर सिंगुलर में रखो यहाँ से एस हटाओ यहाँ लिखा है इट वॉज एन एट आर्स लॉन्ग जर्नी बच्चा जर्नी क्या है आपका आपने का सर नाउन है ये जो एन एट आर्स लॉन्ग लिखा इसका modifier है इसका मॉडिफायर है मॉडिफायर सिंगुलर में रखो यहाँ से एस हटाओ ही इज अ फिफ्टी ईयर्स ओल्ड मैन ये जो मैन है आपने कहा सर नाउन है ये जो फिफ्टी ईयर्स लिखा हुआ इसका मॉडिफायर है यहाँ से ऐसा हटाओ पहले बात बताओ समझ में आया पहले बताओ समझ में आया पहले बताओ 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 फटाक से बताएंगे सारे बच्चे समझ में आया सारे बच्चों को क्लियर गई ये बात क्या है हाँ अरे ठीक है ना बढ़ा लो तुम लोग पागल इंसान चलो अच्छा <laughs> बुढ़ा नहीं हो सकता क्या कोई अरे पता है तुम लोग बुढ़ा वो समझ रहे हो भाई ओल्ड मतलब देखे 13 इयर्स ओल्ड बॉय भी बोल सकते हो आप ये नहीं बोल सकते क्या 13 ईयर ओल्ड बॉय अरे ओल्ड का मतलब हो गया जैसे जो लोग पुराने नहीं हो जाते तुम लोग वो बुढ़ा समझ रहे हो वो वाला बुढ़ा नहीं कि यार पचास साल का इंसान बुढ़ा कैसे हो सकता कुछ भी अरे भाई आदमी की उम्र अगर पचास हो गई तो नहीं बोल सकते फिफ्टी तुम्हारे लिए एटी लिख दिया वो गलत नहीं था फिर भी सही था पहले बच्चे बता दो ये समझ में आ गया तुम लोगों को यहां तक बात क्लियर हो गई इज इट क्लियर एवरी वन पहले बताएंगे समझ में आया क्लियर है दीपाली कह रही है एक बार फिर से और कन्हैया अच्छा अरे यार दीपाली और कन्हैया बस इसमें कुछ नहीं है बच्चे देखो क्या है ना मैंने कहा कि नाउन को जो मॉडिफाई करता है ना उसको हमेशा सिंगुलर रखो नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको किसमें रखो सिंगुलर जैसे यहां देखो मैन्युफैक्चरर को कार मॉडिफाई कर रहा था सिंगुलर डजन जैसे ये बोलू देखो दे हैव इन्वाइटेड टू हंड्रेड्स गेस्ट ठीक है मैंने कहा हैव इनवाइटेड टू हंड्रेड गेस्ट अब यहाँ पे जरा गौर करो ये गेस्ट क्या है आपने कहा नाउन कितने हैं भाई दो सौ अब ये देखो दो सौ इसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना मॉडिफायर मतलब बच्चे जो स्ट्रेस करता है जो जोर देता है उस चीज पे ठीक है जैसे ये टू हंड्रेड गेस्ट ये देखो हंड्रेड गेस्ट हो जाएगा मॉडिफायर मतलब जो उसको स्ट्रेस करे जो उस पर जोर दे है ना वो चीज होती है आई कन्हैया एंड देखो ये क्या होता है भाई अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं ध्यान से समझिएगा एक दे होता है एक दोज होता है दे का यूज करते हैं हम लोग स्पेसिफिक सेंस बताने के लिए दोष का यूज करते हैं हम लोग जनरल सेंस बताने के लिए अब बच्चा सोचेगा सर कि स्पेसिफिक सेंस क्या होता है और जनरल सेंस क्या होता है देखो बच्चे स्पेसिफिक और जनरल सेंस में अंतर समझो अगर कोई ऐसी चीज किसी इंडिविजुअल पे लागू हो ठीक है किसी इंडिविजुअल पे लागू हो उसको हम लोग स्पेसिफिक सेंस बोलते हैं अगर कोई चीज अगर सब पर लागू हो ठीक है सब पर मतलब मुझ पर भी आप पर भी दुनिया के हर इंसान पे वो जनरल सेंस होता है अगर कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मुझ पर लागू हो वो क्या होता है स्पेसिफिक सेंस होता है ठीक है जैसे मैंने कहा हैव फिनिश द जॉब कैन लीव नाउ ठीक है अब अगर बच्चे मैं ऑप्शन में आपको यह बोल दूं जरा बताओ यहां पे क्या होगा दे लिखूं या दोज लिखूं ठीक है यह मुझे तुम लोगों को बताना है ठीक है बताओ 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 फटाक से बताओ एक जैसे और लिख दूं मैं हु एक्ट विदाउट कंसिडरेशन रिपीट लेटर है? रिपीट लेटर अब यहां आपको बताना है भाई दे होगा या दोज होगा दे होगा या दोज होगा ठीक है बच्चे देखो कह रहा है हु हैव फिनिश द जॉब जिसने अपना काम फिनिश कर लिया है गौर करना जिसने अपना काम फिनिश कर लिया है कैन लीव नाउ वो जा सकता है मान लो ये कंपनी है ठीक है इस कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं ठीक है थीके? अब ये इन जनरल बात हो रही इसमें से जिसने भी अपना काम खत्म कर लिया वो घर जा सकता है जिसने भी इन जनरल ऐसा नहीं कि बस अगर राम ने खत्म किया तो राम ही घर जाएगा श्याम ने खत्म किया तो श्याम ही घर जाएगा कोई भी जिसने खत्म कर लिया वो जा सकता है ठीक है तो बच्चा यहाँ पे बात हम इन जनरल कर रहे हैं जनरल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो दोबारा से इसको क्या करेगा रिपीट करेगा जो बिना सोचे समझे करेगा रिपीट सबके लिए लागू हो रहा है कोई ऐसा इंसान जो किसी काम को बिना सोचे समझे कर रहा है वो दोबारा करेगा ठीक है जनरल यहां दोज हो जाएगा दोज हम दे कहाँ लगाते हैं बच्चे देखो दे वहाँ लगाते हैं जैसे हमने कहा दे हैव डन दैट वर्क या दे हैव डन दिस वर्क अगर ये कह दिया ना अब देखो ये कोई हो सकता है भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप रहा होगा ठीक है एक पर्टिकुलर ग्रुप रहा होगा एक समूह रहा होगा जिन लोगों ने मिलकर किस काम को किया हम उसके लिए दे कहेंगे ठीक है ये स्पेसिफिक सेंस है ना ये ये स्पेसिफिक सेंस है ये जनरल सेंस है ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में पता है देखो एस एस सी सी एच एस एल दो हजार बाईस में देखो क्वेश्चन भी दिया गया इससे पजेसिव प्रोनाउन से बच्चे देखो अभी मैंने बताया था पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है जैसे माइन है आर्स है योर्स है हिज है हर्ष है दियर से ये हमारे पॉजिशिव प्रनाउन होते हैं पॉजिशिव प्रनाउन की एक बात थोड़ा गौर से सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे ठीक है देखो दियर्स इज अ वेरी इजी लाइफ जैसे मैंने क्या लिखा दियर्स इज अ वेरी इजी लाइफ ठीक है और रुक जाओ एक मिनट सुन लो आर्स इज अ ग्रेट कंट्री आर्स इज अ ग्रेट कंट्री पे आप लोगों को ना क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता रहा हूँ आपको बच्चे दो बातें ध्यान रखनी है इसका नाम है पजेसिव प्रनाउन तो पहली बात ये ध्यान रखनी है नोट करके कि पजेसिव प्रनाउन वो होते हैं जिनके बाद हम कोई नाउन का यूज नहीं करते यानी नो नाउन अब बच्चे रीजन इसके पीछे क्या है रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि भैया ये खुद ही जो है मतलब प्रनाउन है तो जब ये प्रनाउन है तो प्रनाउन अपने बाद नाउन क्यों लेगा वो तो एजेक्टिव का काम होता है पहली बात है ना और नोट करके बच्चा दूसरी बात जरा गौर करिए इसका नाम क्या है आपने कहा सर इसका नाम पजेसिव प्रनाउन है क्या है पजेसिव प्रनाउन प्रनाउन तो प्रनाउन जो है बच्चे क्या सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है आपने कहा बिल्कुल क्या ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है आपने कहा बिल्कुल तो कर सकता है आ रही है बात समझ में आप सभी बच्चों को ठीक है तो यही है भैया यहां जरा देखो बच्चे अब अगर मैं ये लिखू दिस कार इज माइन दिस कार इज माइन यह कार मेरी है तो अब जरा गौर करो ये जो मैंने माइन लिखा है माइन ये पजेसिव पर नाउन है अब इसके बाद कोई नाउन लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल सही है ठीक अब अगर मैं ये कहूँ दियर सीज अ वेरी इजी लाइफ जरा गौर करो बच्चे ये दियर से हमने सेंटेंसेज शुरू किया आर सीज अ ग्रेट कंट्री हमारी कंट्री महान है यह सब्जेक्ट है उन है पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है यानी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है तो यहाँ पे देखो दो बातें समझनी है यहाँ पे ये यह सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है आई बात समझ में क्लियर है अब जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ लिखा है आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इज इन द इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर ये पता है ये जो क्वेश्चन है बहुत पहले दो या सोलह में पूछा गया था और उसके बाद फिर इसने रिपीट कर दिया 2022 में उठा करके ठीक है तो अब यहाँ पे बच्चे देखो स्लॉट इज योर नहीं होगा क्योंकि योर क्या होता है आप कहोगे सर योर होता है पजेसिव एजेक्टिव और पजेसिव एजेक्टिव के बाद क्या चाहिए आपने कहा पजेसिव एजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए लेकिन भैया अगर हम यहाँ पे या तो ये लिख दें आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर कार या तो योर कार लिख दीजिए या तो इसको ऐसे सही कर दीजिए योर से लिख दो अगर बच्चे योर से लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने कहा पजेसिव प्रनाउन हो जाएगा और पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन की जरूरत ही नहीं होती है सेंटेंस अपने आप ही सही हो जाएगा और योरस कार का मतलब होता ही है योर कार समझ में आया <coughs> समझ में आ गया ओके थैंक यू कबीर बताइए समझ में आया हम्म hmm. आते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ठीक है ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इसको बोल सकते हैं ठीक है थीके? देखो गौर से सारी बात मेरी सुनिएगा जो जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ जैसे मैंने कहा बच्चे देखो क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ चलो दो मिनट का थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं ज्यादा नहीं बचा है अब सर ये लेक्चर सेव रहेगा अगर तुम अभी महेश यहाँ से भागे तो लेक्चर सेव नहीं रहेगा तुम रुके रहोगे तभी लेक्चर सेव रहेगा तुम्हारे रुकने पर डिपेंड करता है ठीक है अगर महेश तुम निकल लिए तो कुछ नहीं हो सकता भाई लेक्चर गया गया ख़त्म टाटा बाय बाय ठीक है बारह और बचे हैं भाई बारह और बचे हैं ठीक है थीके? चलो भाई <coughs> जमे रहो हाथ पैर जमा के हाँ अरे बाप रे <coughs> देखो बच्चे <coughs> करते हैं ठीक है इट इज आई हु इज द ओनली आई विटनेस इट इज आई इज द ओनली आई विटनेस ठीक है पहला हो गया दूसरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच वॉज आस्क इन द एग्जाम ठीक है आइक दोन इट ठीक आई डोंट लाइक दोज बॉयज हु हैज डन इट ठीक अब बच्चे इसको थोड़ा गौर से एक बार देखो ध्यान में आ जाएगा सारी चीजें मैं कहना क्या चाहता हूं देखो मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है पहले एक बार गौर से सुनना बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है जैसे आपका हु हो गया जैसे आपका होम हो गया ये आपका विच हो गया और ये आपका दैट हो गया ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है ठीक है उसको हम इसका एंटीसीडेंट कहते हैं उसको बच्चे क्या कहते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं ठीक है ठीके? और अगर ये जो हमारा नाउन प्रोनाउन एंटीसीडेंट आता है अगर ये सिंगुलर होता है अगर ये सिंगुलर होता है तो इधर जो वर्ब लगती है इधर ये सिंगुलर होती है, लेकिन अगर मतलब ये हुआ इस एंटीसीडेंट के अनुसार ये वर्ब बदलती है ठीक है सिंपली अगर मैं बोलूं तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार इस वर्ब को चेंज किया जाता है जैसे आप यहां देखो <coughs> यहां पे हु लिखा है रिलेटिव परनाउन है यहाँ पे विच लिखा हुआ है रिलेटिव परनाउन है यहाँ पे देखिए हु लिखा हुआ है रिलेटिव परनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये जो आई आया है ये क्या है इसका एंटीसीडेंट है है ना आई के अनुसार यहाँ पे लग जाएगा एम क्योंकि मैंने कहा एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब चेंज होती है एम हो गया यहाँ जरा देखेंगे इसके पहले क्या आया है द क्वेश्चन आया है ठीक है ये किस में है प्लेल में है अगर ये प्लूरल में है तो यहाँ क्या हो जाएगा वर हो जाएगा ठीक अगला देखिए आई डोंट लाइक दोज बॉयज़ यहाँ क्या आया है बॉयज आया है कैसा नाउन है प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा यहाँ हैव हो जाएगा बताइए थैंक यू सो मच गाइस ठीक है बताइए मुझे एक बार सारे बच्चे क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया देखो ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है ठीक है बच्चे देखो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है ठीक है मैंने आपको बताया था ये याद आ रहा होगा ठीक है अभी देखो आपको याद आ जाएगा दे आर मच ओल्डर मैंने लिखा हिम ही इज गुड हर देखो पहले मैं समझा देता हूं. मैंने क्या कहा था आप लोगों से जब भी बच्चे पहले गौर से सुनना इस बात को ठीक है जब भी हम सभी लोग बात करते हैं कंपैरिजन का ठीक है देखो राइट वे टू कंपेयर द एजेक्टिव जब भी हम बात करते हैं किसका हमने कहा जब भी हम बात करते हैं कंपेयर करने का यानी जब भी हम बात करते हैं किसकी आपने कहा सर जब भी हम बात करते हैं तुलना करने की तुलना हमेशा समान चीज़ों में की जाती है मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अगर मान लीजिए कोई ये बोले कि आपका चप्पल ठीक है जैसे मान लो कोई बोले मेरा चप्पल आपके चेहरे से बहुत खूबसूरत है कैसा ये सुन के बहुत अजीब लगेगा बहुत गंदा लगेगा ठीक है अब सामने वाला अगर ऐसे बोल रहा है तो मतलब ये तो बड़ा अनैथिकल कंपैरिजन हुआ है ना ये तो लॉजिकल कंपैरिजन है ही नहीं है तो अब कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर में करें कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर आप किसी के बाल से कर रहे हैं तो बाल से करें ठीक है अगर आप किसी के शर्ट से कर रहे हैं तो शर्ट से करें अगर इंग्लिश में बात करें बच्चे अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आपका सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा और अगर पजेसिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो पजेसिव केस से ही होगा ठीक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जैसे मैंने कहा दे आर मच ओल्डर देन हिम तो यहाँ देखिए दे जो है वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से है तो यहाँ पर हिम नहीं होगा यहाँ पर ही हो जाएगा ठीक ही इज़ एज़ गुड एज़ हर तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन है तो ये भी सब्जेक्टिव केस होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ पे ठीक है बताओ भाई <coughs> समझ में आया यहाँ तक अब देखो जैसे मैंने बच्चे ये लिखा ही कैन तुम लोग बात क्या करो मैं पूछ कह रहा हूँ तुम लोग बता क्या रहे हो ही कैन स्पीक इंग्लिश या यहाँ ही नहीं लिखते हैं आई लिख देते हैं अपनी इज्जत बचाते हैं आई कैन ठीक है स्पीक इंग्लिश बेटर देन अब यहाँ पे मैंने हिम लिख दिया अब बच्चे थोड़ा सा गौर करो यहाँ पे हिम होगा या ही होगा ठीक ध्यान देना ध्यान देना यहाँ पे आई कैन स्पीक इंग्लिस आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ ये वर्ब है ये उसका ऑब्जेक्ट है ठीक है बेटर देन हिम होगा या ही होगा अच्छा एक चीज़ गौर करना पहले रुक जाओ आई लाइक मैथमेटिक्स देन फिजिक्स ठीक है मैंने कहा आई लाइक मैथमेटिक्स देन फिजिक्स अब यहां पे जरा एक चीज गौर करो यहां पे पहले ऊपर वाले में देखो आई लाइक मैथमेटिक्स ठीक है फिजिक्स हम्म 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 यहां कुछ तो गड़बड़ हो रहा है रुक जाओ एक मिनट पहले इसको समझाता हूं उसके बाद उसको लिखता हूं जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिम अब अच्छा एक बात बताओ ये सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से करें या ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन ऑब्जेक्ट से करें ठीक है पहले इसको देखना अगर इनकी बात हम करें तो आई कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन ही आपको पता है यहाँ इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है यानी भाषा है ये जो हिम आपने लिखा हुआ ये कोई पर्सन है तो आपको पता है एक पर्सन का दूसरे भाषा से मतलब भाषा से एक पर्सन का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है तो आपने क्या किया कि सर यहाँ पे आई का कंपैरिजन ही से होगा यानी यहाँ ही होगा हिम नहीं होगा पहले बताओ ये समझ में आया ये समझ में आ गया ये एक बार बता दो बच्चे ये क्लियर हुआ ठीक हाँ, ओके तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन करेंगे ठीक है जैसे मैंने ये लिखने की कोशिश की थी आई लाइक मैथमेटिक्स मोर देन फिजिक्स ठीक है अब यहां पे देखा जाए आई लाइक मैथमेटिक्स मोर देन फिजिक्स अब यहां पे बचा ये सब्जेक्ट है ठीक है अब ये वर्ब है ये उसका ऑब्जेक्ट है अब यहां से देखा जाए हमने ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे किया है ऑब्जेक्ट से अब यहां सही है क्योंकि भैया ये पर्सन है ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही तो होगा ठीक है देखो ईच अदर और अगर वन एन अदर की बात करें ये बहुत आसान होते हैं ठीक है मैंने कहा ध्यान से सुनना ईच अदर का यूज हम दो के लिए करते हैं वन अदर का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है ठीक है मैंने कहा जैसे अगर मान लो बच्चे मैं बोलूं बोथ टीम्स फॉट हार्ड अगेंस्ट इज अदर ठीक है जैसे मैंने कहा बोथ टीम्स Fought, fought, hard against. अब मुझे यह बताओ यहां ईच अदर लिखू या यहां पे वन एन अदर लिखू अदर लिखू या वन एन अदर लिखू बताओ बताओ फटाक से बताएंगे सारे बच्चे बोथ द टीम्स यहां पे बताएंगे यहां बच्चे द लिख लेना ठीक है बोथ द टीम्स फॉट हार्ट अगेंस्ट इच अदर और वन एंदर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक है चलो सही है ठीक है यहाँ पे दो की बात हो रही है ठीक है तो दो के लिए ऑब्वियस सी बात है क्या होगा ई अदर का यूज होगा अगला अच्छा बता दीजिएगा आप लोग मैंने कहा दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू ई अदर ठीक है बताइए क्या ये सही है दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू ई चदर यहाँ पे हो जाएगा एक और बता दीजिएगा ऑल द इंप्लाइज विस्ट ईच अदर हैप्पी न्यू ईयर ठीक है अब ये भी बता दीजिए तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे हमने सर दे ऑल की बात की है यानी दो से ज़्यादा की बात की है और यहाँ पे ऑल द एम्प्लॉज यहाँ पे भी हमने दो से ज़्यादा की बात की है ठीक है जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो यहाँ ईच अदर नहीं होगा यहाँ पे वन एंड अदर होगा ठीक है और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा ईच अदर नहीं होगा यहाँ पे भी वन एंड अदर हो जाएगा क्लियर है आगे बात समझ में चलिए मच और मेनी की बात करते हैं देखिए एक तो छोटी सी बात सबको पता होगी मच के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं और बच्चे हम मेनी के साथ जो है काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं ठीक है तो कहने का मतलब ये हुआ कि मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है मेनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है अगर भाई रीजन जानना है तो रीजन बहुत सिंपल है मच जो है बच्चे वो क्वांटिटी रेफर करता है ठीक है क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब क्या होता है मात्रा अच्छा जो नापने तोलने मापने वाली चीज़ें होती हैं उनको तो आप गिन सकते नहीं हो तो वो अनकाउंटेबल नाउन को रेफर करती हैं अनकाउंटेबल नाउन जैसे क्या हो गया आपका जैसे मिल्क हो गया ठीक है आपका वाटर हो गया जैसे आपका शुगर हो गया ये सारी चीज़ें और ये जो आपका काउंटेबल नाउन होता है ठीक है ये आपका जैसे चेयर हो गया बुक हो गया एटसेट्रा ये सारी चीजें बस गौर इतना बच्चे कर लेना कि ये जो काउंटेबल नाउन होता है ये हमेशा प्लूरल में होगा क्योंकि मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा किस में होगा प्लूरल में होगा आई बात समझ में यहां तक सारे बच्चों को ठीक है हाँ मिल्क ये तो खैर बहुत आसान है ठीक है तो अगर ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई ठीक है जैसे मैंने कहा वी हैड मुझे ये बताइएगा वी हैड सो मैनी फन सो मैनी फन बताइए क्या ये सही है वी हैड सो मैनी फन ठीक है या मैं इसको लिखूं आई स्पेंट मच डेज देयर मच डेज देयर आप एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा बच्चे क्या ये सही है ठीक है तो आप कहोगे सर वी हैड सो मेनी फन नहीं होगा यहाँ पे सो मच फन होगा क्योंकि फन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और जो डेज होता है वो बच्चे काउंटेबल नाउन होता है ठीक है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे मेनी मच और मेनी आगे बात समझ में ठीक है मेनी मेनी ठीक है आगे देखेंगे बच्चे ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है थोड़ा गौर से इस बात को समझेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे ठीक है मैंने कहा सुनना पहले द एक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज गॉन देयर ठीक है मैंने एक और लिखा द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर अब सुनना यहाँ पे अब मैं अगर यहां पर यह बोल दू है थोड़ा बच्चे गौर करना मैं ये बस समझाना चाहता हूं मान लो तुमने एंड से दो नाउन आपस में रखा है जोड़ के ठीक है दो नाउन है और अगर मान लो आर्टिकल सिर्फ एक के पहले इसके पहले है तो ये दोनों जो होते हैं ना ये दोनों ये सेम कंसीडर किए जाते हैं मतलब ये दोनों सेम ही हैं एक ही व्यक्ति है मतलब एक व्यक्ति ठीक है लेकिन बच्चे अगर मान लो एंड से अपने दो नाउन आपस में कनेक्ट करा है इसके पहले भी द है इसके पहले भी द है ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये दो डिफरेंट यानी दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं ये क्या होते हैं दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं ठीक है कैसे जरा समझना मेरी बात को मैंने कहा कि द एक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज गॉन देयर मैंने आपसे ये बोला कि भाई अगर आपने एंड से दो नाउन जोड़ा है आपस में और सिर्फ पहले के पहले आपने आर्टिकल का यूज़ किया हुआ है तो मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं एक व्यक्ति का मतलब जो एक्टर है वही प्रोड्यूसर भी है जैसे मान लीजिए बहुत सारे नाम हैं शाहरुख खान ले लीजिए शाहरुख खान एक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है सलमान खान एक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है जॉन अब्राहम एक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो एक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं तो मतलब ये सेम व्यक्ति है तो भैया अगर ये सेम व्यक्ति है ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं ठीक है तो ये सिंगुलर है अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगेगा आ रही बात समझ में जैसे ये देखो अगर आपने एंड से दो चीजें जोड़ी है एक एक्टर है ये प्रोड्यूसर अब अच्छा अगर इसके पहले भी द लग गया और इसके पहले भी द लग गया तो मतलब ये दो तो अलग अलग व्यक्ति हैं ये दो हैं एक्टर कोई अलग है प्रोड्यूसर और अलग है ठीक और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हव सेटल्ड देयर डिस्प्यूट यहाँ बात हो रही है डिस्प्यूट की लड़ाई झगड़ा भाई डिस्प्यूट जब होता है डिस्प्यूट किसी एक के बीच में नहीं होता है ठीक है डिस्प्यूट दो लोगों के बीच में होता है जब एक झगड़ा हो गया लड़ाई हो गया उसके लिए दो लोग चाहिए ठीक है डिस्प्यूट दो लोगों के बीच में होता है तो ये दो लोग हैं इस वजह से यहाँ पे हैव हो जाएगा और यहाँ देखिए दियर हो जाएगा एग्जाम में क्या करके देगा आपको पता है एग्जाम में बच्चे जहाँ पे हैव है यहाँ हैज़ करके दे देगा जहाँ पे दियर है यहाँ इट्स करके दे देगा या यहाँ पे हिज करके दे देगा क्या करके दे देगा हिज़ करके दे देगा तो ये आपका गलत हो जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है पहले बताइए समझ में आ गया सबको चलिए यहाँ पे जल्दी से सारे बच्चे गौर करेंगे दो मिनट का काम है ठीक है यहाँ पे है देखो भैया सिंगुलर ये मैंने आप लोगों को नाउन में पढ़ाया था अगर आप लोगों को याद होगा ठीक है नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि जो नेम्स ऑफ डिजीज होते हैं यानी जो किसी रोग का नाम है किसी सब्जेक्ट का नाम है किसी गेम का नाम है किसी किताब का नाम है या किसी कंट्री का नाम है ठीक है उसमें कितना भी एस लग जाए वो सिंगुलर ही होता है ठीक है तो अब चाहे ये मम्स है मिजल्स है रिकेट्स है सिंगल्स है पॉलिटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स एथिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ये जितने भी हैं बच्चे आपको एस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था अगर जैसे मेरा नाम जयस है ठीक है अगर ये मेरा नाम है ये प्रॉपर नाम है तो चाहे एक एस लगाऊं चाहे हजार एस लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता ये सिंगुलर होगा जैसे यदि किताब का नाम है थ्री मस्कीटियर्स भले एस लग गया लेकिन ये सिंगुलर है तो भाई हमारे यहाँ क्या है कि लोगों के साथ दिक्कत इस बात की होती है जहाँ पे एस देखते हैं वहाँ प्लुरल समझ लेते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर किसी चीज़ का रोग का सब्जेक्ट का गेम का बुक का या किसी कंट्री का नाम है तो वो सिंगुलर ही होगा अब यूनाइटेड स्टेट्स चार नहीं होते एक ही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चार नहीं होते एक ही है आ रही है बात समझ में ठीक है ये तो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है अब देखो यहां पे बस एक बात मैं आपको जो समझाना चाहता था वो ये समझाना चाहता था आप सभी लोगों को अगर मान लो अगर आपका ये जो पॉलिटिक्स है जो फिजिक्स है जो इकोनॉमिक्स है या एथिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है मैंने कहा था बच्चा अगर ये सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा तो ये क्या होगा ये सिंगुलर होगा मैंने कहा था ना अगर ये सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा तो ये सिंगुलर होगा जैसे आपने ये कहा पॉलिटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट ठीक है पॉलिटिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अब जब आप यहाँ पॉलिटिक्स को एज ए सब्जेक्ट बात करेंगे तो ये सिंगुलर होगा वर्ब भी आप क्या रखेंगे सिंगुलर रखेंगे ठीक है लेकिन आपने ये गौर करना है यहाँ पे मेरे भाई ठीक है आपने ये गौर करना है कि अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा हो जाए अगर इसका मतलब एलिजिबिलिटी हो जाए पॉलिटिक्स का मतलब आइडियोलॉजी हो जाए इकोनॉमिक्स का मतलब फाइनेंशियल अफेयर हो जाए तो बच्चे ये सब क्या हो जाएंगे आपने कहा सर ये सब प्लूरल हो जाएंगे जैसे मैंने कहा द पॉलिटिक्स ऑफ दैट मैन अब मैंने लिखा आर या इज नॉट ट्रस्ट वर्दी नॉट ट्रस्ट वर्दी ठीक है अब मैंने कहा माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स शोज दैट विमेन लिव लॉन्गर देन मेन ठीक है अब बताओ बच्चे यहाँ पे क्या कहानी है आप कहोगे सर यहां पे अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है आप कह रहे हो स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा है यहां डेटा ये दिखाता है कि औरतें आदमी से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहती हैं तो अगर जब मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ तो ये प्लूरल होता है अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ एस हटा दो शो लिखना पड़ेगा आपने कहा कि मैथमेटिक्स सर यहाँ सब्जेक्ट नहीं बात हो रही है यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब एलिजिबिलिटी से यानी किसी एक पर्टिकुलर इंसान की उसमें योग्यता से है तो वो कह रहा है कि माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो वो मैथमेटिक्स में अपनी एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है तो प्लूरल हो जाएगा यहाँ आर हो जाएगा और यहाँ पे बच्चे आप कहोगे कि द पॉलिटिक्स ऑफ दैट मैन आर या इज नॉट ट्रस्ट वर्दी हम यहाँ पॉलिटिक्स में सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं उस आदमी का जो पॉलिटिक्स है मतलब आइडियोलॉजी है यानी जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल थाट ठीक है thought, मतलब उसका जो काम करने का अपना तरीका है पॉलिटिक्स में वो भरोसे के लायक नहीं है अगर हम पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस नहीं होगा यहाँ पे आर हो जाएगा आप इस बात को समझें ठीक है आर हो जाएगा हाँ, बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई सारे बच्चों को जैसे देखिए सबका अपना अपना होता ना अटल बिहारी वाजपेयी का अपना पॉलिटिकल थॉट था काम करने का जैसे मोदी जी का अपना है Uh, केजरीवाल का अपना है सबका अपना अलग अलग पॉलिटिकल थाट होता है ठीक है तो ये पॉलिटिकल थाट के रेफरेंस में काम करेगा तो ये प्लूरल होगा और ये बच्चे ध्यान रखना फिनेंशियल अफेयर के चक्कर रेफरेंस में काम करेगा तो प्लूरल होगा ठीक समझ में आ गया देखो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को खुद लगाने हैं समझ में आ गया ना ये बच्चे होमवर्क हैं आपके ये जो क्वेश्चंस कुछ हैं पहले भी मैं लगवा चुका हूं बाकी ये आपको खुद से ट्राई करने हैं ये क्वेश्चंस को ठीक है तो ये जो नाउन के ऊपर क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करेंगे आते हैं इस पर ये भी देखिए एक बार मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ अब ये क्या है आपका ये हमारे कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में सेम होते हैं ठीक है, है, है अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जैसे टीम है ज्यूरी है फैमिली है अब यूजुअली देखो हम करते क्या हैं कि जैसे कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं बॉय है इसका हमने प्लूरल बना दिया बॉयज जैसे चेयर है हमने इसका प्लूरल बना दिया चेयर्स ठीक है ये बना दिया लेकिन बच्चे हमारे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता कहने का मतलब मतलब ये कहना चाहता हूँ इसमें ऐसे यस नहीं लगता ये अपने सिंगुलर फॉर्म में भी यही रहेगा ये अपने प्लूरल फॉर्म में भी यही रहेगा ये दोनों फॉर्म में सेम रहता है अब बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी ठीक है ये बात आएगी कि सर अगर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे सिंगुलर होगा और कहाँ पे प्लूरल होगा ठीक है बच्चे अगर ये यूनाइटेड सेंस के तरीके से काम करेगा ठीक है तो ये होगा सिंगुलर अगर ये डिवाइडेड सेंस के तरीके से काम करेगा तो ये होगा प्लूरल अब बच्चा सोच रहा होगा ये यूनाइटेड सेंस क्या है डिवाइडेड सेंस क्या है बच्चा ये हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ के पकड़ेंगे जैसे मैंने आपसे कहा ये बताओ मैं बहुत तेज तो नहीं हूँ भाई एक बार बता दो मैं बहुत तेज तो नहीं हूं समझ में आ रहा है ना ऊपर से तो नहीं जा रहा है आर टीम इज द बेस्ट ठीक है आर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म समझ में आ रहा है ना ओके okay है ना भाई चलो देखो अब यहां पे भाई क्या है आर टीम इज द बेस्ट देखो हमने यहां पे भी टीम लिखी है और हमने यहां पे भी टीम लिखी है तो मैंने मैंने आपसे आपसे क्या बोला था? मैंने आप ये बोला था था ये ये कि जो टीम होता है जीवरी होता है फैमिली होता है ये सिंगल और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम होते हैं इसमें एस या ऐसे नहीं लगता है ठीक है अब जैसे हमने कहा आर टीम इज द बेस्ट हमारी टीम क्या है बेस्ट बच्चे एक बात बताओ कोई टीम तब बेस्ट होती है ना अगर मान लो टीम में ग्यारह प्लेयर हैं और ग्यारह प्लेयर अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं तब टीम बेस्ट हो सकती है अगर ऐसा है कि चार जो है अपना हंड्रेड परसेंट दे रहा है बाकी का जो सात है ठीक है वो नहीं दे रहा है तो बेस्ट हो ही नहीं सकती है तो कहने का मतलब कोई टीम अगर हम कह रहे हैं बेस्ट है तो ग्यारह के ग्यारह अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे होंगे ठीक तो है, है तो ये यूनाइटेड सेंस है यूनाइटेड सेंस है तो ये सिंगुलर होगा अगर ये सिंगुलर होगा तो ये देखो सिंगुलर पर उसी तरीके से भैया यहाँ हम बात कर रहे हैं पहनने की क्या पहनने की आपने कहा यूनिफॉर्म अब आपको पता है एक यूनिफॉर्म में तो पूरा टीम पहन नहीं सकती है अब जाहिर सी बात है हर किसी के लिए अपना अलग अलग यूनिफॉर्म चाहिए तो बच्चा बात कर रहे हैं डिवाइडेड डिवाइडेड सेंस है तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल इसलिए वर्ब भी हमारी क्या हो गई आपने कहा प्लूरल वर्ब हो गई ठीक है तो ये पूरा याद रखिएगा ये यहां से लेकर के यहां तक जितने नाउन हैं आपके ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं ठीक है बस आपको यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस देखना है और ये आपको लगाना है खुद ठीक है ये खुद आपको लगाना है ठीक है ये भी देखो बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको भी बता देते हैं ठीक है तैर चुके हैं दरिया सारी बस किनारा बाकी है थोड़ा जोर लगा दे मांझी बस वक्त बदलना बाकी है क्या बात है बस 95 फाइव पे हम लोग पहुंच गए हैं देखो बच्चे इसमें क्या है इसमें क्या है कि ये देखो जो बींग वाले क्वेश्चन होते हैं ना इसमें मैंने तुम लोगों को बताया था बस दो चीजें ध्यान से देखना एक लिखा है बींग इल आई कुड नॉट कम एक लिखा है बींग ये सही है और यहाँ पे इट लगेगा ठीक है यहाँ क्या लगेगा यहाँ पे इट लगेगा अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि आपने वहां पे इट लगा दिया यहाँ पे कह दिया सही है क्यों देखो बच्चे गौर से सुनना ठीक है अगर मैं ये कह रहा हूं मैं इधर लिखता हूं ठीक है थोड़ा इसको छोटा करते हैं ये एक्चुअली हैंग करना शुरू कर दिया है ना रुको हम्म देखो इसको थोड़ा सा गौर से एक समझ लोगे बाकी का अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है अब देखो जी ये हमने क्या बोला यहां पे भाई कि यहाँ पे इट लगेगा मैंने कहा यहाँ इट लगेगा और मैंने कहा ये सही है ऐसा क्यों देखो बच्चे ये जो बीच में सब्जेक्ट लगा है ना एक इसको बस ऐसे ही पकड़ना सारे क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी के ऐसे ही आते हैं बस इसको पकड़ो ये देखो कह रहा बींग गिल आई कुड नॉट कम बीमार होने के नाते मैं नहीं आ सका अच्छा एक बात बताओ बीमार कौन है मैं आ कौन नहीं सका मैं यानी ये आई स्किल लिए भी जस्टिफाई कर रहा है और इसके लिए भी जस्टिफाई कर रहा है जब ये दोनों के लिए जस्टिफाई कर रहा है तो हमें दूसरा सब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो ये तो सही हो गया उसी तरीके से ये देखो यहाँ पे ये वाला बिंग ऑक्यूपाइड विद वर्क फादर हैड नो टाइम टू सी एस ये जो फादर लिखा हुआ है ठीक है ये सब्जेक्ट ये देखो इसको भी जस्टिफाई कर रहा है

ठीक है अब जाहिर सी बात है आप कोल्ड थोड़ी हो सकते हैं आप काम में बिजी हो के कहीं नहीं जा सकते आप बीमार होने के नाते कहीं बाहर नहीं जा सकते लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते मैं कोल्ड हूँ और इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता तो ये तो जस्टिफाइबल ही नहीं है तो यहाँ इट लिखना पड़ेगा यहाँ आप रेनी डे हो ही नहीं सकते हो तो यहाँ इट लिखना पड़ेगा यहाँ आप डार्क हो ही नहीं सकते हो यहाँ पे आपको इट लिखना पड़ेगा यहाँ भी वही चीज़ था ठीक है अब आई बात समझ में अगला देखो ये भी देखो मैंने तुम लोग के साथ डिस्कस किया है, है, बच्चे क्या है? वन वाली कहानी क्या है देखो जैसे जब आप ही का यूज करते हो ठीक है गौर से सुनना मेरी बात को जब आप सी का यूज करते हो ये स्पेसिफिक यूजेज होते हैं यानी ये स्पेसिफिक सेंस में यूज किए जाते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए आपने अगर ही का यूज किया मतलब आप किसी पर्टिकुलर एक मेल के बारे में बात कर रहे हैं सी का यूज किया आपने पर्टिकुलर एक फीमेल के बारे में बात की ठीक है एक जैसे आपने कहा ही हैज डन इट उसने इसे किया मतलब आप पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन अगर बच्चे जब आप वन की बात करते हैं ना तो वन का यूज हम करते हैं जनरल सेंस में जनरल सेंस मतलब क्या होता है जो सब पर लागू हो जो सब पर लागू हो ठीक है जैसे मैं ये बोलूं वन शुड कीप वंस प्रॉमिस वंस शुड कीप वंस प्रॉमिस ठीक है अब अगर मैंने ये बोल दिया ना वंस शुड कीप वंस प्रॉमिस तो यहाँ पे थोड़ा ये गौर करिएगा कि बच्चे अगर मैं प्रॉमिस निभाने की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं थोड़ी हूँ जो प्रॉमिस निभाऊंगा इस दुनिया के हर व्यक्ति को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो हर किसी को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए तो वंस शुड कीप वंस प्रॉमिस तो ध्यान देखना कि वन एक तो जनरल के लिए यूज किया जाता है जनरल सेंस में और दूसरी बात वन अपने साथ लेता है वंस इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है वन अपने साथ क्या लेता है है वंस ठीक कोई भी इंसान हो, हो, हो चाहे मैं हूं चाहे तुम हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो अपनी अच्छाई के लिए जाना जाता है जो करता है जनरल बच्चे वन मस्ट सर्व देखो मैंने कहा ना वन हमेशा जैसे ही अपने साथ क्या लेता है ही अपने साथ हिज लेता है इस बात को ध्यान देना सी अपने साथ क्या लेता है अपने साथ हर लेता है लेकिन वन का ध्यान देना वन अपने साथ वंश लेता है आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी से पूछा गया है वन के साथ वंश ठीक है उसके बाद द सेंट सेज साधु कहता है लाइफ इज वाट ही मेक्स ऑफ इट जिंदगी वही है जो हम बनाते हैं और आपकी जिंदगी आपके हाथ में है सबकी जिंदगी सबके हाथ में होती है किसी की जिंदगी कोई निर्धारित नहीं करता ये बात सब पे लागू हो रही है ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपनी लाइफ को निर्धारित कर सकता हूँ आप नहीं कोई भी कर सकता है लॉन्ग लाइफ इज़ गुड जो जिंदगी है लंबी सी वो अच्छी है इफ़ ही बी ही बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स देखो अगर आप खुश रहिए और अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो जिंदगी अच्छी है तो ये तो सबके साथ लागू होता है भाई कि ये तो सिर्फ एक के लिए थोड़ी है वन कोई भी इंसान हो अगर उसकी जिंदगी में अच्छे दोस्त हैं और वो खुश है तो बढ़िया है सब बढ़िया है ठीक है अब देखो सी सेट उसने कहा दैट वन ऑफ हर फ्रेंड्स वर इन वंस ऑफिस देखो बच्चे उसने कहा कि वन ऑफ हर फ्रेंड्स वर देखो मैंने यह भी बताया है वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन किसमें होता है आपने कहा प्लूरल में वर्क किसमें होता है सिंगुलर वाज ठीक है तो वन ऑफ हर फ्रेंड्स वाज इन वंस ऑफिस ठीक एवरी वन लेकिन ये देखिए ये कंफ्यूज करता है अगर एवरी वन कभी आ जाए तो एवरी वन अपने साथ हिज लेता है Once नहीं लेता। इस बात को गौर करिएगा एवरी वन अपने साथ क्या लेता है हिज आई बात समझ में आगे देखिएगा देखो, reflexive और इम्फेटिक एक बार बता दीजिए कितने बच्चे ये आप मेरे से पढ़ चुके हो ये कितने बच्चे इसमें पढ़ चुके हैं मुझे लग रहा है रिफ्लेक्स और इम्फेटिक में पढ़ा एक बार थम्स अप दीजिएगा ये पढ़ा चुका हूँ आई थिंक आप लोगों को और साथ में ये भी पढ़ा चुका हूं क्लियर है ये भी पढ़ चुके होंगे सारे बच्चे चलो ये नाइन्टी एट ये भी पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? ये भी पढ़ चुके हैं और ये लास्ट हैंड्रेड ठीक है पढ़ लियो ये सारे लोग चलो देखो बच्चा मैं बता रहा हूं आप लोगों को ठीक है एक बार देख लो एक बार देख का, काफी बच्चे इसमें देखो पढ़ चुके मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या करूंगा ये तीन जो कंसेप्ट है जो इसमें जो कुछ बच्चे नहीं पढ़े मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ये ये वाला जो कंसेप्ट है आपका यानी ये आपका रूल नंबर नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन और हंड्रेड ये जो आपके चार रूल्स है ना ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें क्या है बच्चे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इंग्लिश बाई जय सर उसमें ऑलरेडी वीडियो मैं आपको दे दूंगा ठीक है मैं बता के दे दूंगा किस में किस में ये चार रूल्स हैं जिसमें आपको पढ़ना है ठीक है आई बात समझ में पहले एक बार बता देंगे सारे बच्चे ठीक है गौर करेंगे बच्चे ये इंग्लिश बाई जैसा टेलीग्राम चैनल है 97 98 99 ये हंड्रेड रूल्स ऑलरेडी हो चुके हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं पढ़ा चुका हूँ इसको मैं उसमें डाल दूंगा ठीक है तो आप लोग टेंशन मत लेना वो चार रूल्स भी आपको मिल जाएंगे चार रूल्स भी आपको मिल जाएंगे ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारा सेशन था वो सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा हंड्रेड रूल्स हमारे पूरे हुए क्योंकि बाकी के ये जो नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन और हंड्रेड रूल्स है उसको मैं ऐसे प्रॉपरली वीडियो करके डाल दूंगा कि रूल नंबर नाइन्टी सेवन रूल नंबर नाइन्टी एट रूल नंबर नाइन्टी नाइन और रूल नंबर हंड्रेड ठीक है टेलीग्राम चैनल पर बच्चे डाल दूंगा वहाँ से आप लोग तो ले लेना ठीक है ओके okay. हाँ तो भाई आप लोगों से गुजारिश ये है कि क्या क्या करना है आप सभी लोगों को ठीक है वो मैं बता देता हूँ सारे बच्चों को इसकी पीडीएफ सारे बच्चों को कहाँ मिलेगी वो भी ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ ठीक है अब आप सभी लोगों के बैक टू बैक ठीक है पहले तो देखिए आप सभी बच्चे आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा ठीक है ये बैच जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं लक्ष्य एस एस सी सी मात्र बारह सौ निन्यानवे का है कम्प्लीट पैकेज है ठीक है कम्प्लीट पैकेज जेड टेन मेरा बच्चे आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए है ना जेड टेन मेरा कोड है जेड टेन आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं कुछ भी लेते हैं तो इस कोड को ज़रूर यूज़ करें इसको थोड़ा रिकमेंड करें आप जहाँ पर आप लोग को टेन का डिस्काउंट भी मिल जाएगा सारे बच्चों को और साथ में अपना जो टेलीग्राम चैनल है ठीक है बोर्ड भी हैंग करने लगा है यार टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई सर इसको जरूर फॉलो कर लें जहां पे आप सभी लोग को पीडीएफ मिलेगा ठीक है ये चीजें और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा जो आपका तीन बजे वाला फ्री बैच है ठीक है ये जो है आपका तीन बजे वाला बैच ये मंगलवार से चलेगा बच्चे गौर करना ट्यूसडे से चलेगा ट्यूसडे से ठीक है उसके बाद ट्यूसडे को ही मैं आपको बताऊंगा बैक टू बैक आपके मैराथन और आपके पास इतना ही चीजें बच्चे खत्म नहीं होती अब आपके मैराथन देखो क्या क्या मैराथन में आपके बाकी हैं आपका अभी मैराथन होना है एक्टिव एंड पैसिव वायस ठीक है एक्टिव एंड पैसिव वायस का मैराथन है उसके बाद आपका एंटेनिम का मैराथन है ठीक है मतलब सारे मैराथन अभी आपके बाकी है मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है चलो अच्छा बाकी अभी सारे बहुत मैराथन होने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्पॉट द एरर सब कुछ सारे मैराथन होने वाले हैं ठीक है चलिए चलिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार दिल से आभार ठीक है शुक्रिया कि नौ घंटे का साथ आप लोगों ने मेरे साथ बनाए रखा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने और, और समझने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो सर डेटा खत्म हो गया ठीक है हौसला हो तो हर काम मुमकिन है जी बिल्कुल चलो मेरे भाई तो आप ये देखिएगा ठीक है और जो कोई टेंशन नहीं बच्चे जो डाउट वगैरह है उसको क्लियर ही कर दूंगा मैं आप लोग को ना बाकी टेंशन मत लो ठीक है मैं क्लियर कर दूंगा आप टेंशन मत लो जो भी डाउट है ना वो एक दो बार देख लो रिवाइज़ कर लो नहीं सही होता है तो मैं हूं मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा ठीक है आई बात समझ में तो आप लोग इजाज़त दीजिए अब ठीक है आप लोग भी आराम करिए है ना अब बच्चे चलते हैं ठीक है इसको फॉलो कर लीजिएगा ठीक है धन्यवाद आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया ठीक है थैंक यू सो मच